स्वागत है आप सभी का लर्न एंड फंड पे जहाँ पे टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं और कमेंट सेक्शन पे आप लोगों की बहुत डिमांड थी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की इलेक्ट्रिसिटी करा दो इलेक्ट्रिसिटी करा दो तो देखा जाए तो एक छोटी सी बात भी शेयर करूँगा कि मेरी यूट्यूब पर जो जर्नी स्टार्ट हुई थी वो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से ही हुई थी यानी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो था वो मेरी लाइफ का पहला चैप्टर था जो मैंने यूट्यूब पर पढ़ाया था और लर्न एंड फंड पे हमने शुरुआत ही इलेक्ट्रिसिटी से की थी तो अगर आप लोगों के एग्ज़ाम में इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है तो हम लोगों ने क्या पहली बात तो मैंने वो चैप्टर बहुत दिल से और दिमाग दोनों से पढ़ा है लेकिन दिल से ज़्यादा पढ़ा है क्योंकि वो चैप्टर मेरा पहला चैप्टर था यूट्यूब पे बहुत मेहनत से हर एक टॉपिक और साथ ही साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चन के साथ भी कराया है तो आपको वो हम लेक्चर इस पूरी वीडियो में कंबाइन करके सारे दे रहे हैं ऑफिस से बात हम इसकी रिवीजन करेंगे जब आपके फाइनल एग्जाम्स होंगे लेकिन अभी आपका एग्ज़ाम है और आप में से कुछ के एग्जाम में चैप्टर बहुत डिमांड थी बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी की तो सारे लेक्चर्स को कंबाइन करके यहाँ पे एक वीडियो डाली जा रही है तो जिसका भी एग्जाम है वो डिटेल्ड मतलब ऐसा नहीं को है कोई जल्दबाजी है कोई वन शॉट है नई 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 वन शॉट नहीं डिटेल्ड पढ़ाई इलेक्ट्रिसिटी की आपको यहाँ मिलेगी एक एक टॉपिक एक्सपेरिमेंट्स के साथ वीडियो के बीच में एक्सपेरिमेंट डाले हुए आप वीडियो को जाके देखें और कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन पर छोड़ें इसके डाउट क्लास रिवीजन में सब कुछ कंसीडर होगा और एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराए जाएंगे क्वेश्चंस तो कराए हुए हैं ठीक है जी क्योंकि आपने डिमांड किया और हम ना दें ऐसा हो नहीं सकता थैंक यू सो मच वीडियो देख लीजिएगा पूरी कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन पर डाउट छोड़ दीजिएगा थैंक यू के बारे में बात कर लेंगे लेकिन अगर हम लोग स्टार्ट करें कि इलेक्ट्रिसिटी या फिज़िक्स की दो बड़ी बड़ी ब्रांचेस के बारे में बच्चों अब फिज़िक्स की दो बहुत बड़ी ब्रांचेस की अगर हम लोग बात करें तो एक ब्रांच हमारे पास आती है बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक ब्रांच हमारे पास बच्चों आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी कि सबसे पहली ब्रांच जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल यानी कि अगर हमारे पास कोई भी चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे पड़ा हुआ है यानी कि लेटर सपोज हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है और वो रुका हुआ है कहीं तो उसके बारे में अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं इसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कह देते हैं अगर वही चार्ज एक जगह से दूसरी जगह भाग रहा हो मोशन में हो रेस्ट पर रहेगा तो उस पढ़ाई को हम लोग कह देंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और अगर वही चार्ज पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर चला जाएगा तो उसको हम लोग कह देंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स यानी इलेक्ट्रिकसिटी को पढ़ने के पहले आपको यह पता होगा कि यह ब्रांच एक्चुअली में यानी यानी चार्ज की पढ़ाई दो पार्ट्स में डिवाइडेड है पहली ब्रांच को हम लोग कह देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जिसमें चार्ज को हम लोग पढ़ते हैं रेस्ट पे यानी अगर चार्ज एक जगह पे रुका हुआ है उसकी पढ़ाई को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चार्ज को रुके हुए पर भी पढ़ना होता है और अगर चार्ज भाग रहा होगा एक जगह से दूसरी जगह मोशन में होगा तो उसे हम लोग कह देंगे इलेक्ट्रो डायनेमिक्स अब ये जो चैप्टर है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है या इलेक्ट्रोडायनामिक्स का है तो ऑब्वियस बात है ये चैप्टर जो है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का रहेगा क्यों? सॉरी का रहेगा सॉरी क्यों क्योंकि यहां पे हम चार्ज को मोशन में पढ़ने वाले हैं और चैप्टर का नाम जो है वो है इलेक्ट्रिसिटी तो पहले इसका मतलब अगर हम लोग समझें तो बच्चों ऐसी एनर्जी जो कि पैदा होती है एक चार्ज के फ्लो की वजह से उसे कहा जाता है इलेक्ट्रिसिटी जिसको बच्चों हिंदी में कहते हैं बिजली यानी कि बच्चों ये जो बिजली है यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या है ये एक ऐसी एनर्जी है जो चार्ज के फ्लो की वजह से आती है अब आप मुझे बताओ अगर चार्ज फ्लो हो रहा है अगर चार्ज फ्लो हो रहा है तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया या इलेक्ट्रो हो गया तो आंसर है ये हो गया इलेक्ट्रोडायनेमिक्स यानी कि चार्ज को मोशन में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे ज्यादातर केसेस में हो सकता है एक दो केसेस में हम ऐसा भी करें कि चार्ज को हम रेस्ट पे पढ़ें एक कंसेप्ट को समझने के लिए लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में चार्ज जो है वो मोशन में रहने वाला है एंड इन दैट केस हमारा जो ये चैप्टर पूरा आ जाएगा इलेक्ट्रिसिटी वो कहीं ना कहीं मेजरली बेस्ड होगा इलेक्ट्रो डायनेमिक्स पे तो इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी एनर्जी है जो चार्ज के फ्लो की वजह से आती है एनर्जी बहुत अलग अलग प्रकार की होती है नाइन्थ क्लास में आपने पढ़ा हुआ काइनेटिक एनर्जी ऑब्जेक्ट के मोशन से आए मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के मोशन से आए पोटेंशियल एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप और साइज को चेंज करके आए साउंड एनर्जी वाइब्रेशन से पैदा होती है एटसेट्रा एटसेट्रा इसमें से बेटा एक और एनर्जी है जो है इलेक्ट्रिसिटी यानी ऐसी एनर्जी जो चार्ज के मोशन की वजह से आए उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी हिंदी में इसको बोल देते हैं बिजली बहुत ही खतरनाक चीज़ होती है बच्चों चंद दी कुड़ी बदला दीपहन सारे नू बिजली बिजली के हैं हार्डी सिंधु जी ने इनके ऊपर गाना भी मतलब एक्चुअली वो गाना उन्होंने पलक तिवारी जी के ऊपर बनाया है लेकिन हमारी बिजली के ऊपर जो हम कह सकते हैं कि ये हमारे हमारे घर में बहुत सारी एनर्जीज में से अगर हम बोलें एक इलेक्ट्रिक एनर्जी भी है या इलेक्ट्रिसिटी भी है जिसको हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं इस वक्त इस कमरे में ही कितने सारे अप्लाइंसिस हैं ये जो कैमरा है ये जो माइक्रोफोन uh, है ये जो डिजिटल बोर्ड है ये सब चल रहे हैं एक ऐसी एनर्जी पे जो चार्ज के फ्लो और पूरे चैप्टर में हमें इसी को पढ़ना है धीरे धीरे इसके साथ दोस्ती करनी है इलेक्ट्रिसिटी के साथ क्योंकि तो अगर इसके साथ दोस्ती नहीं की बच्चों तो बहुत ही खतरनाक ये झटका भी लगाती है तो इस स्लाइड पे हमने क्या पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है चार्ज अगर रुका हुआ है एक ही जगह पे है उसकी पढ़ाई अगर हम करेंगे तो उसे बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के रहते हैं। लेकिन आ, टेंथ में नहीं पढ़ना है चार जब मोशन में आ जाए अगेन ट्वेल्थ में हमारे पास काफी सारे चैप्टर है थर्ड है कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं फिफ्थ है तो बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो किसके ऊपर है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स फिर सेवंथ है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कौन सी एनर्जी जो चार्ज की फ्लो की वजह से आएगी दोबारा बोल रहा हूं आखिरी बार ये पूरा चैप्टर ज्यादातर बेस्ड रहेगा इलेक्ट्रो डायनेमिक्स के ऊपर चलिए जी अब आगे बात कर लेते हैं बच्चों अब आप पीछे अगर चले वापस से तो आपको पीछे हर डेफिनेशन में चार्ज चार्ज और चार्ज वर्ड मिलेगा अब ये चार्ज है क्या यार है ना हो सकता है आप चार्ज को ऐसे जानते हो कि यार ठीक है पॉजिटिव चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज होता है लेकिन चार्ज की डेफिनेशन क्या है चार्ज की परिभाषा क्या है तो चार्ज की वैसे तो दो डेफिनेशंस हो सकती हैं दो से ज्यादा भी हो सकती हैं एक हम ट्वेल्थ क्लास में पढ़ेंगे चार्ज एक ऐसी चीज होगा ट्वेल्थ क्लास में जो अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा बट अभी के लिए टेंथ क्लास में रहते रहते चार्ज को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं तो प्रॉपर्टी विच अराइजेस ड्यू टू इधर एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बच्चों देखो अब यहां पे थोड़ी सी बात हमें करनी होगी हम सब नाइन्थ क्लास से जानते आए हैं कि एक एटम के अंदर बीच में न्यूक्लियस रहता है और उस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स रहते हैं और उस न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स रहते हैं ठीक है अब उसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो के शेल एल शेल एम शेल इन सब शेल्स में रिवॉल्व हो रहे होते हैं अब एक एटम में हमने ये भी पढ़ा है कि एक एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स भी होते हैं भाई एक एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने प्रोटॉन्स होते हैं फॉर एन एग्जाम्पल सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 11 ही प्रोटॉन्स हैं हम सब जानते हैं अब अगर एक एटम में 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 11 ही प्रोटॉन्स हैं तो जितना पॉजिटिव चार्ज उसके पास है उतना ही नेगेटिव चार्ज है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है नेगेटिव प्रोटॉन पर चार्ज होता है पॉजिटिव तो जितना एटम के पास नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है जिसकी वजह से वो एटम न्यूट्रल है और दुनिया में हर चीज़ कहीं ना कहीं एटम की बनी हुई है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो भी न्यूट्रल रहती है बाय नेचर लेकिन बच्चों जैसे कि सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 11 प्रोटॉन्स हैं एक सोडियम के आटम के पास अगर मैं किसी भी तरीके से उन इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के अमाउंट को ऊपर नीचे कर देता हूं आज की पूरी क्लास की नींव यानी कि फाउंडेशन यही है बच्चों अगर मैं एक आटम में इलेक्ट्रॉन्स का अमाउंट किसी भी तरीके से ऊपर नीचे कर दूं वो कैसे करते हैं अभी हम देखेंगे लेकिन अगर ऐसा कर दूं तो एटम पे चार्ज आ जाएगा एटम पे चार्ज होता है लेकिन नेट चार्ज जीरो की हो जाता है क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने प्रोटॉन्स होते हैं अब अगर मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के वो वो बैलेंस को डिस्टर्ब कर दूं खराब कर दूं किसी भी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स अगर ज़्यादा कर दूं तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा करने पर चार्ज नेगेटिव हो जाएगा या किसी भी तरीके से प्रोटॉन ज़्यादा कर दूं तो चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा इतना तो क्लियर होगा अब यह भी आपने दिमाग में क्लियर करके चले बच्चों कि इलेक्ट्रॉन्स जो कि न्यूक्लियस के आसपास घूम रहे होते हैं उनका आना जाना इजी जॉब रहता है नाइन्थ क्लास में आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन्स का आना जाना इजी है पॉसिबल है वहीं पे प्रोटॉन्स जो कि न्यूक्लियस के अंदर बैठे हुए हैं उनका बाहर निकलना और अंदर जाना काफी डिफिकल्ट है अगेन इट इज नॉट इम्पॉसिबल बट ठीक है काफी डिफिकल्ट जॉब है ऐसे डेली लाइफ में ऐसे रब करके छोटी सी बैटरी लगा के जो कि अभी हम पढ़ेंगे उनको एटम से बाहर निकालना इट इज नॉट पॉसिबल तो फिर इसका मतलब ये है कि भाई जो आएगा और जो जाएगा वो तो एक ही है और वो कौन है इलेक्ट्रॉन तो अगर मुझे प्रोटॉन्स का अमाउंट ज़्यादा करना है ताकि मैं कौन सा चार्ज बना सकूं पॉजिटिव तो मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं इलेक्ट्रॉन्स का अमाउंट कम कर दूं। तो अगर मैं एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स कम कर दूं, तो ऑटोमेटिकली आप समझें कि प्रोटॉन्स यानी कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएंगे अस सपोज सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स और 11 प्रोटॉन्स हैं। अब अगर उसमें से एक इलेक्ट्रॉन मैं निकाल लेता हूं सोडियम के पास ग्यारह इलेक्ट्रॉन्स और ग्यारह प्रोटोन्स थे मैंने उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया कैसे निकाला अलग अलग तरीके होते हैं बट निकाल लिया तो उसके पास 10 क्या बचे बच्चों इलेक्ट्रॉन्स लेकिन प्रोटॉन्स उसके पास अभी भी 11 हैं तो एक प्रोटॉन ज़्यादा होने की वजह से उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो चार्ज है क्या चार्ज है एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रॉन्स के या तो ज़्यादा होने से आती है या तो कम होने से आती है इलेक्ट्रॉन्स के या तो ज़्यादा होने से आती है या तो कम अब आप कहोगे प्रोटॉन यहां क्यों नहीं लिखा हुआ क्योंकि मैंने आपको बताया प्रोटॉन का बाहर आना और अंदर जाना काफी डिफिकल्ट जॉब रहता है तो इसीलिए प्रॉपर्टी विच अराइजेस ड्यू टू तो इधर एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या फिर इलेक्ट्रॉन कम है अब पॉजिटिव चार्ज क्या है तो ऐसा चार्ज जो ज्यादा प्रोटॉन्स की वजह से आता है ज्यादा प्रोटॉन्स की वजह से आता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ज्यादा कैसे हो सकते हैं आप कहोगे सर प्रोटॉन ज्यादा होने के लिए 11 प्रोटॉन की बजाय 12 प्रोटॉन क्यों नहीं हो गए मैंने अभी तो बताया आपको कि न्यूक्लियस के अंदर बैठे होते हैं यार प्रोटॉन्स और प्रोटॉन्स का आना जाना बहुत डिफिकल्ट जॉब है इसीलिए इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे पूरा चैप्टर रहेगा ध्यान रखिएगा ये जो टॉपिक है ना बहुत कम जगह पढ़ाया जाएगा आपको क्योंकि बेटा इसका काम मतलब ये एग्जाम में नहीं आने वाला आपके लेकिन जब तक नींव जब तक फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं करेंगे ना आगे के लेक्चर्स में मज़ा नहीं आने वाला आपको चलिए फिलहाल पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या होता है पॉजिटिव चार्ज वो होता है जिसमें ज्यादा प्रोटॉन्स होते हैं एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स और आप समझ गए होंगे नेगेटिव चार्ज क्या होता है जिसके पास ज़्यादा क्या होंगे बच्चों इलेक्ट्रॉन्स एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स आओ एक एग्जांपल ले लेते हैं क्लोरीन के पास सेवनटीन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और सेवनटीन ही प्रोटॉन्स होते हैं क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 17 ही प्रोटॉन्स होते हैं क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है वैलेंसी का पंगा तो पता ही होगा क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद उसके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं लेकिन उसके पास प्रोटॉन्स कितने हैं यस उसके पास प्रोटॉन तो अभी 17 ही है तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है अब आप सोच रहे होंगे ये स्टड अंकल यहाँ पे कौन बैठे हैं स्टाइल देख रहे हो आप ये स्टड अंकल यहां पे कौन बैठे हुए हैं ये स्टड अंकल जी हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन जी इन्होंने ऐसा क्या किया था देखो इनके आने से पहले जब ये नहीं थे इन, इन्होंने ये टॉपिक नहीं दिया तो इनके 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 पहले ये माना जाता था कि दुनिया में जो चार्ज है वो एक लिक्विड के फ्लो की वजह से पैदा होता है डिटेल में नहीं जाऊंगा आप कंफ्यूज हो जाएंगे लेकिन जो चार्ज है वो एक लिक्विड के फ्लो की वजह से पैदा होता है इन इनसे पहले ऐसा मानते थे कि दो प्रकार के लिक्विड्स होते हैं पॉजिटिव लिक्विड्स नेगेटिव लिक्विड्स एटसेट्रा एक्सेट्रा लेकिन इन्होंने ये घोषणा की कि ऐसा नहीं है दो प्रकार के चार्ज हैं मैटर हैं पार्टिकल्स हैं जिन पे पॉजिटिव और नेगेटिव होता है और बच्चों ये तब जमाने की बात है जब इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स तो डिस्कवर ही नहीं हुए थे ये तो काफ़ी जाके बाद में आपको याद होगा जे जे थोम थुम्स, थॉम्सन जी ई गोल्सटिन जी आ, और इन सब लोगों ने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वगैरह डिस्कवर किए थे लेकिन इन्होंने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भले बाद में डिस्कवर हुए लेकिन ये पहले ही बोल चुके थे कि एटम के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है फिलहाल दोबारा से पढ़ते हैं स्लाइड पर क्या लिखा हुआ है चार्ज क्या है ऐसा कोई भी प्रॉपर्टी जो पैदा होती है इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के नंबर्स के अनइवन होने की वजह से पहली बात दूसरी बात पॉजिटिव चार्ज क्या है तो ऐसा चार्ज जो पैदा होगा जब आपके पास ज्यादा प्रोटॉन्स हो जाएंगे एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स और नेगेटिव चार्ज क्या होगा जो कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की, की वजह से हो जाएगा एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स बट इन बोथ द केसेस मैंने आपको बताया ये आपको अपने मन में रखनी है बात कि आएगा जाएगा कौन आंसर है इलेक्ट्रॉन्स तो मैं यहाँ पे चाहे नोट का पॉइंट लिख देता हूँ ये इसका दिख रहा है आप लोगों को चाहे मैं यहाँ पे नोट का पॉइंट लिख देता हूँ कि जनरली Electrons move in or out the atom in a second. Generally, move generally, electrons move into or outside the Atom, but not नॉट प्रोटोन्स मैंने यहां पे बच्चों generally word जो है वो लिख के अपना अपने आप को सेव कर लिया है जनरली का मतलब आप समझे कभी कभार ऐसा भी हो सकता है प्रोटोन लेकिन वो एक्सट्रीम कैसे से बैठा जनरली बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, वो आएंगे जाएंगे तो मेरे हिसाब से स्लाइड क्लियर है ठीक बच्चो, है बच्चों पॉजिटिव चार्ज क्या नेगेटिव चार्ज क्या लेकिन सबसे कमाल की बात तो अब आती है सबसे इंटरेस्टिंग बात तो अब आती है कि चार्ज कैसे कैसे पैदा किया जा सकता है इस चैप्टर में आगे हम लोग चार्ज को एक और चीज से भी पढ़ेंगे और वो रहेगा बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस काफी आगे है वो शायद लेकिन इस चैप्टर में हम लोग चार्ज को कैसे हम लोग क्रिएट कराते हैं फ्लो करवाते हैं ये हम लोग पढ़ेंगे और वो टॉपिक आएगा पोटेंशियल डिफरेंस में इस चैप्टर का अगेन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बट अभी के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं चार्ज बाय रबिंग अब चार्ज बाय रबिंग क्या होता है समझें सबसे पहले यहां पे बात करेंगे पॉजिटिव चार्ज के बारे में अगेन थोड़ा सा मैं इसको समझाऊंगा बट अगेन आप अगर अपनी एन सी आर टी या अपनी जो भी किताबें आपके स्टेट बोर्ड की आप उन्हें पढ़ना पलटाएं आपको ये टॉपिक्स नहीं मिलने वाले मतलब अब एन सी आर टी में तो नहीं मिलने वाले अब बाकी किसी स्टेट बोर्ड में हो सकते हैं अब ये जो टॉपिक्स हैं हम फिर भी क्यों कर रहे हैं तो हमारे सारे एग्जाम पास हैं आप फिर भी ये टॉपिक करा रहे हो थोड़ा जल्दी जल्दी कराओ देखो भाई ऐसे नहीं मैं पढ़ा सकता जब तक हमारी फाउंडेशन नहीं पकड़ में आएगी जब तक हम लोग वहां पे ग्रिप नहीं बनाएंगे हमारी बिल्डिंग जितनी हम छोटी बना ले बड़ी बना ले वो गिरनी है एक दिन तो फाउंडेशन को पहले पकड़े लेक्चर्स बढ़ा देंगे उसकी टेंशन नहीं लेनी लेकिन फाउंडेशन पे ग्रिप रखनी है बच्चों सबसे पहले बात करेंगे चार्ज बाय रबिंग की कि रब करने से कैसे चार्ज पैदा होता है आप सब ने शायद अभी मैं आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगा हो सकता है वो वीडियो आपने साइंस एंड फन पे जाके दे, पहले देखी भी हो लेकिन ये हमारे पास अगर एक ऑब्जेक्ट थे लेटस सपोज लेटस टेक कि भाई हमारे पास यहाँ पे एक रॉड है इस रॉड को हम लोग ग्लास रॉड कह रहे हैं ये ग्लास की बनी हुई एक रॉड है एंड मार्क माय वर्ड्स जो मैं यहाँ पे चीज़ें ले रहा हूँ ये एक्चुअली वैसे ही ली गई हैं जैसे कि बेंजामिन फ्रैंकलिन जी ने ली थी एक बहुत फेमस कहानी है उस पर नहीं जाऊँगा कि बेंजामिन फ्रैंकलिन जी ने चार्ज डिस्कवर किए थे पतंग उड़ाते उड़ाते काइट फ्लाइट कर काइट को फ्लाई करते करते बट उन्होंने उसको समझाया कैसे लोगों को तो अस सपोज ये ग्लास रॉड है और ये हमारे पास एक सिल्क का क्लॉथ है ये हमारे पास एक ग्लास रॉड है और ये हमारे पास अस सपोज सिल्क का एक क्लॉथ है तो उन्होंने क्या किया सिल्क को ग्लास रॉड से रब कर दिया सिल्क को ग्लास रॉड से रब कर दिया और ग्लास रॉड पे एक चार्ज आ गया अब ग्लास रोड पे जो चार्ज आया वो कौन सा चार्ज था आपके मन में आ रहा होगा आप बोले पॉजिटिव क्योंकि मैं पॉजिटिव बना रहा हूं बट उस वक्त तो कुछ नहीं पता था कि चार्ज कौन सा है ठीक है जी अच्छा इसके बाद क्या हुआ इसके बाद अगेन अगर हम यहां बात करें नेगेटिव चार्ज की तो नेगेटिव चार्ज के बारे में थोड़ी सी अगर बात की जाए तो उन्होंने यहाँ पे एक रॉड ली एबोनाइट एबोनाइट मीन्स यहाँ पे प्लास्टिक है आप प्लास्टिक कह सकते हैं बच्चों और यहां पे उन्होंने एक कपड़ा लिया वुलन क्लोथ यानी कि ऊनी कपड़ा लिया और जब ऊनी कपड़े को प्लास्टिक के साथ बच्चों उन्होंने रब किया तो प्लास्टिक रॉड पे भी एक चार्ज आया कौन सा चार्ज आया अगेन उस पर भी ध्यान नहीं देना है कौन सा चार्ज आया उस पर भी ध्यान नहीं देना है? लेकिन कमाल की बात यह थी बच्चों कि जब उन्होंने प्लास्टिक रॉड और ग्लास रॉड दोनों चार्ज को ऑब्जर्व किया तो वो दोनों ऑपोजिट बिहेवियर्स दिखाने लग गए अच्छा है, मुझे एक बात बताओ ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज ये नाम कहीं लिखे तो नहीं बेना एटम के अंदर ये तो देखो मैं आपको समझाता हुआ क्या बेंजामिन फ्रेंकलिन जी ने जब दो चार्ज बनाए तो या देखे कि भैया दो प्रकार के चार्ज हैं तो वो कैसे उन्होंने लेटर सपोज ये एक रेफरेंस है ऐसा नहीं है कि उन्होंने भी ऐसा ही किया कोई भी पेयर लिया जा सकता है ये बस एक रेफरेंस है सिल्क के क्लॉथ को जब ग्लास रॉड से रब किया तो ग्लास रॉड पे एक चार्ज आ गया और वो चार्ज कौन सा आ गया एक चार्ज आ गया पता नहीं कौन सा फिर वुलन क्लॉथ को जब प्लास्टिक रॉड से रब किया तो अगेन प्लास्टिक रॉड पे एक चार्ज आ गया पता नहीं कौन सा लेकिन ये पक्का था कि ये दोनों चार्जेस एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट बिहेवियर शो कर रहे थे बिल्कुल अलग बिहेवियर शो कर रहे थे मतलब एक अगर एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ एक अगर ऊपर जा रहा था तो एक नीचे जा रहा था एक दाएं तो एक बाएं एक अगर क्लॉक घूम रहा था तो एक एंटी क्लॉक मतलब इनको अलग अलग कंडीशन में रखा यार फॉर एन एग्जाम्पल मैं मेरे पास ये दो लोग हैं अब इन दोनों लोगों को अगर मैं रेस्टोरेंट में लेके जाता हूं तो एक वेजिटेरियन खाना खा रहा है एक नॉन वेजिटेरियन खाना खा रहा है मैं इन दोनों बच्चों को रात को बोलता हूं कि बच्चों ठीक है अब आप सो जाओ क्या पियोगे एक कहता है मैं दूध पीऊँगा एक कहता है मैं दूध नहीं पीऊंगा छोटा सा एग्जाम्पल एक, एक बच्चा कहता है कि मुझे वेस्टर्न कपड़े पहनने एक कहता है मुझे इंडियन कपड़े पहनने एक कहता है कि मुझे सिद्धू मूसे वाला सुनना एक कहता है मुझे करण औजला सुन आई होप आप जानते हो इन दोनों को कोई बात नहीं अब ऐसा नहीं है भाई आप गूगल करने लग जाओ यूट्यूब करने लग जाओ क्लास पूरी ले लो पहले कहीं बाप जाओ करण ओजला और सिद्धू सर्च करने लग जाओ लेकिन ये दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट बिहेवियर दिखा रहे हैं हर सिचुएशन में हर मैं सो कह रहा हूँ भाई कौन सी मूवी देखेगा ये कह रहा है मैं हॉलीवुड देखूंगा या कह रहा है बॉलीवुड दोनों अलग बिहेवियर दिखा रहे हैं ना तो ऐसा कह सकते हैं कि दोनों अलग हैं अब मुझे अगर इन दोनों को अलग बिहेवियर दिखा रहे हैं अगर तो मुझे इनको एक अलग नाम देना है और लेटर सपोज वो नाम है चिंटू और पिंटू या लेटा सपोज वो नाम है अल्फा और बीटा क्योंकि मुझे इनको एक ऐसा नाम देना है जो दिखाए कि ये दोनों ऑपोजिट हैं जैसे कि एक्स और वाई समझ रहे हो यानी कि बच्चों बिल्कुल इसी प्रकार से यहां पे जब इसके ऊपर डिटेल पढ़ाई करने चले जाएंगे तो भाई साहब फिर तो हो गया सिलेबस खत्म बेसिक बात कर सकते हैं क्योंकि फाउंडेशन भी तो स्ट्रांग करनी है बेसिक बात कर सकते हैं बच्चों कि ये जो ग्लास रॉड है इस पे जो चार्ज आया और जो प्लास्टिक रॉड पर चार्ज आया वो चार दोनों एक दूसरे से अलग और ऑपोजिट बिहेवियर्स दिखा रहे थे अब भाई लोगों ने सोचा कि अगर ये ऑपोजिट बिहेवियर्स दिखा रहे तो उनका कुछ तो नाम देना पड़ेगा ना तो वो कुछ तो नाम उन्होंने क्या दिया तो भाई उन्होंने कहा एक को नाम दे देते हैं पॉजिटिव और एक को देते हैं नेगेटिव लेट आप लेट सपोज आप, आप ये चार्ज डिस्कवर कर रहे थे आप अपनी जगह पे आओ और सोचो आप ये चार्ज डिस्कवर कर रहे थे ज़रूरी नहीं आप इसको नाम क्या देते पॉजिटिव और नेगेटिव मैं मैंने ये दो अल्फा आ रहा है बच्चों इस पे जो चार्ज आ रहा है वो बीटा आ रहा है ऐसा लिखा जाता मान लो कोई बंदा इन चार्ज को अलग नाम देता लेट से कोई बंदा इसको नाम देता राइट और लेफ्ट समझ रहे हो आप कि दो ऑपोजिट नाम देने थे तो तो भाई नाम क्या डिसाइड हुए पॉजिटिव और नेगेटिव और बच्चों तब से ये कन्वेंशन भी बन गया क्या कि पॉजिटिव चार्ज क्या होगा चार्ज ऑन ग्लास रॉड रब्ड विद रब्ड विद सिल्क क्लॉथ अगर मैं सिल्क क्लॉथ से ग्लास रॉड को रब करता हूं तो जो ग्लास रॉड पर चार्ज आएगा वो पॉजिटिव होगा अच्छा कैसे आएगा बता रहे हैं अभी और नेगेटिव चार्ज कौन होगा चार्ज ऑन प्लास्टिक या फिर एबोनाइट रॉड व्हेन रब्ड विद वुलन क्लोथ जब उसको हम लोग कौन से कपड़े से बच्चों रब कर देंगे तो आंसर है वुलन क्लोथ से रब कर देंगे अब बहुत सारे सवाल मन में उठते हैं मेरे तो उठे थे जब मैं ये टॉपिक मैंने पढ़ा था पहला सवाल ये चार्ज क्यों आया पहला सवाल दूसरा सवाल कि क्या हम ऐसा कहते हैं कि जब भी हम सिल्क से ग्लास को रब करेंगे तो ग्लास पर चार्ज पॉजिटिव आएगा आंसर इज यस और जब भी हम वुलन क्लोथ को प्लास्टिक से रब करेंगे तो आंसर नेगेटिव प्लास्टिक रॉड पे चार्ज नेगेटिव ही आएगा आंसर इज यस बट अगर मैं आपको एक और सिचुएशन दूं कि मेरे पास यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं स्टील की रॉड है और यहां पे मेरे पास मान लेते हैं कॉटन का कपड़ा है समझो मेरे पास स्टील की रॉड है और यह कॉटन का कपड़ा है तो सर अब इसके ऊपर चार्ज कौन सा आएगा तो आंसर है पता नहीं ये तो भाई साहब पता नहीं ये तो करके देखना पड़ेगा कैसे करते हैं चार्ज कैसे पता लगाते हैं बहुत सारी चीजें इलेक्ट्रोस्कोप गोल्ड लीफ ऑयल इंडक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देना जीमन बहुत सारे तरीके हैं बच्चों अभी हम उतना नहीं पढ़ेंगे अभी हम टेंथ में हैं लेकिन हां आप ये जान जाओ कि हम ये पता बहुत आसानी से लगा सकते हैं कि चार्ज कौन सा है किस पे क्योंकि अब तो जमाना बदल चुका है अब तो बहुत हम डेवलप हो चुके हैं साइंटिफिकली बट ठीक है ग्लास रॉड पे चार्ज क्या आएगा पॉजिटिव जब उसको सिल्क से रब करेंगे और प्लास्टिक रॉड पे चार्ज क्या आएगा नेगेटिव जब उसको वुलन क्लोथ से रब करेंगे लेकिन सवाल सर ये रहता है कि चार्ज आया क्यों अगर हम लोग थोड़ा सा पीछे चले तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि चार्ज पैदा होता है किस कारणवर्ष कारणवर्ष इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अमाउंट कम ज्यादा होने की वजह से और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का अमाउंट कम ज्यादा कैसे होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का अमाउंट कम ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन के आने जाने से ना कि प्रोटॉन के तो यह तो पक्का है कि इस प्रोसेस में भी कौन आ जा रहे होंगे बच्चों इलेक्ट्रॉन्स कहीं ना कहीं आ जा रहे होंगे अब आप सोचो अगर ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है पॉजिटिव चार्ज आता है जब उसके पास ज्यादा प्रोटॉन्स हो जाएं एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन इसका मतलब इसका मतलब क्या मैं यहां पे लिख दूं बच्चों इसको मैं येलो से लिख रहा हूं ध्यान से लिखना है इसको ऐड करना है क्या मैं इसका मतलब लिख दूं कि पॉजिटिव चार्ज आएगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही हमेशा कम होंगे या ज्यादा होंगे तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से पॉजिटिव चार्ज आएगा और नेगेटिव चार्ज आएगा बच्चों गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से ऐसा भी कह सकते हैं ना भाई तो अब मुझे बताओ ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज कैसे आया होगा बोलो बोलो सुन लिया मैंने ग्लास रॉड ने अपने चार्ज कौन से चार्ज इलेक्ट्रॉन्स सिल्क को दिए होंगे यार अभी तो बताया ना पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा जब कोई इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और अगर ग्लास रॉड ने ग्लास रॉड पर चार्ज पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए कैसे कर दिए सर जब तूने उसको रब किया जब आपने इसको रब किया जब मैंने इसको रब किया हमने इसको रब किया रब किया रब, किया, रब करने से एनर्जी मिली हीट पैदा हुई थोड़ी सी केमिस्ट्री आ जाएगी थोड़ी सी केमिस्ट्री आ जाएगी जब हमने इसको रब किया तो उसे हीट मिली एनर्जी मिली उस एनर्जी से नाइन्थ क्लास याद करेंगे इसका इलेक्ट्रॉन इसके लास्ट वाले शेल से से एक्साइट एक्साइट हो गया हो इसके आटम से गया इसके बाहर आ और बाहर आ गया तो सिल्क पे गिर गया ना यार यारिल्क सा रब किया था ना तो सिल्क पे आ गया तो सर क्या इसका मतलब यह है कि अगर ग्लास रॉड पे चार्ज पॉजिटिव आ रहा है क्योंकि उसने अपने इलेक्ट्रॉन सिल्क को दिए हैं तो क्या इसका मतलब यह है कि सिल्क पे चार्ज नेगेटिव आएगा बहुत सही समझे बच्चों क्योंकि चार्ज के आइर भी क्रिएटेड नॉर चार्ज को क्रिएटेड डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। तो यहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो कूद के सिल्क पे तो गए होंगे अब इसका खेल तो आप ही समझ गए गएगे इसका तो शायद मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है कि अगर प्लास्टिक रॉड पे चार्ज आया है नेगेटिव तो कैसे आया होगा इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे और अगर इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए तो किसने दिए होंगे यार यहाँ पे प्लास्टिक है यहाँ पे ऊन है और तीसरा बंदा कौन है तो ऑब्वियस ये बात है यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन ऊन ने दिए होंगे किसको प्लास्टिक को इसका मतलब हाँ बिल्कुल मैंने आपकी आवाज़ सुन ली है बच्चों कौन कहता है यूट्यूब पे इंटरेक्शन नहीं होता ये देख रहे हो यहाँ से इंटरेक्शन चलता रहेगा आपका मेरा ठीक है बाकी और जगहें हैं बात करो कमेंट करो जो भी मन में सवाल है नीचे कमेंट करो आपका एक एक कमेंट हर एक टीचर पढ़ेगा बच्चों उसके ऊपर रिप्लाई कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रही है प्लीज यहां दें ठीक है ये पहली क्लास है हमें आपको अभी जुड़ने में थोड़ा सा समय लग सकता है हमें आपकी रिक्वायरमेंट्स पता चलेंगी कि हम आपके लिए और क्या कर रहे हैं क्या गलत कर रहे हैं क्या सही कर रहे हैं अभी मुझे कुछ नहीं पता प्लीज़ कमेंट करें क्या गलत हो रहा है क्या सही हो रहा है उसको और बेहतर करने की कोशिश करेंगे लेकिन उनने अपने इलेक्ट्रॉन दिए होंगे बच्चों किसको प्लास्टिक को इसीलिए ऊन पे चार्ज क्या रहा होगा बिल्कुल सही कह रहे हो मन की आवाज है बच्चों मन की आवाज है सुन लिए मैंने और एज अ रिजल्ट ऊन पे चार्ज क्या आ गया होगा पॉजिटिव आ गया होगा अब एक और सवाल मन में आ जाता है कि ऐसा क्यों हुआ कि ग्लास ने अपने इलेक्ट्रॉन सेल को दिए ये थोड़ी सी केमिस्ट्री है तो थोड़ा जल्दी पढ़ाऊंगा और ऐसा क्यों हुआ कि ऊन ने अपने इलेक्ट्रॉन प्लास्टिक को दिए ऐसा क्यों हो रहा है कि जब इसको इससे रब कर रहे हैं तो चार्ज वहां जा रहा है इसको इससे रब कर रहे हैं तो चार्ज यहां जा रहा है इसकी डिटेल्ड पढ़ाई तो इलेवेंथ क्लास में आएगी केमिस्ट्री में आयनाइजेशन एनर्जी वगैरह लेकिन मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं इसके बदले में मान लेते हैं आप अपने पापा के साथ आइसक्रीम खाने गए रात को आफ्टर डिनर तो आइसक्रीम के रेडी पे पहुंचते ही वहां पे पैसा जो है आप देंगे या आपके पापा देंगे सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूं मैं आप अपने पापा के साथ आइसक्रीम खाने गए अब आप मुझे बताओ आप क्लास के बच्चे हो, पंद्रह साल की तुम्हारी उम्र होगी चौदह पंद्रह सोलह यही उम्र होगी तो आप अपने पापा के साथ अगर खाने जाते हो तो नाइनटी नाइन पॉइंट नाइन नाइन परसेंट केसेस में आप पैसा नहीं दोगे आपके पापा देंगे क्योंकि समझ गया लेकिन बच्चों अगर आप अपने छोटे भाई छोटी बहन के साथ छोटे भाई छोटी बहन जो सेकेंड क्लास में फर्स्ट क्लास में उसके साथ आइसक्रीम खाने गए तो पैसा कौन देगा मेरे हिसाब से तो आप ही दोगे अभी भी उसको चाटा मार के आप उससे ले रहे हो तो कितने गंदे लोग यार गलत बात है ऐसे नहीं करते बच्चों क्या कर रहे हो बच्चों नहीं 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 छोटे बच्चे के साथ आप गए तो आप ही पैसे दोगे ना ज़्यादातर बच्चों ने हाँ बोला मैंने दिल से सुन लिया ले, लेकिन एक आध बच्चे ने कहा कि चाटा मार के तो पैसे मैं आ, उससे निकलवा लूंगा मुझे पता है मुझे पता है लेकिन बच्चों ऐसे नहीं करना छोटे बच्चे के साथ जाओगे तो पैसा आप दोगे पापा के साथ जाओगे तो पैसा वो देंगे छोटे के साथ जाओगे पैसा आप दोगे इसका मतलब क्या हुआ कहोगे क्या क्या सर आप ये क्या मजाक इसका मतलब ये हुआ बेटा ये ना सामने वाले पे भी डिपेंड करता है कि हम इलेक्ट्रॉन देंगे या लेंगे इसको बहुत ईजी भाषा में समझा देता हूँ ताकि रात को नींद आ जाए अदरवाइज डिटेल्ड पढ़ाई तो एलेवंथ में ग्लास और सिल्क में जब एक दूसरे को रब किया गया तो दोनों को एनर्जी मिल रही है रब करने से दोनों को हीट मिल रही है लेकिन कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन दे दे रहा है आंसर है ग्लास तो आप कह लो ये पापा और आपकी जोड़ी है तो पापा जल्दी इलेक्ट्रॉन दे दे रहे हैं वो बड़े हैं ना ऐसे यार ऊन और प्लास्टिक की अगर बात करें और इसको रब किया गया अब ये आपकी छोटी बहन छोटा भाई ये आप हैं तो अब आप इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं आ, क्योंकि अब आप बड़े हो गए वो एनर्जी का खेल होता है यार देखो सोचो सोचो बेटा इसको ऐसे भी सोच सकते हो आप बहुत तरीके हैं समझने के ये मेरे पास दो चीजें अगर मैं इनको एक दूसरे पे दे के मारूंगा तो कोई एक टूटेगी ना जो कमजोर होगी मान लो थोड़ी देर के लिए ये टूट गई और ये बच गई अब मेरे पास ये बच गई अब मेरे पास ये एक तीसरी चीज आई अगर मैं इनको दे के मारूंगा तो हो सकता है ये टूट जाए इस बार कोई एक स्ट्रांग होगा कोई एक वीक होगा बिल्कुल ऐसे ही इलेक्ट्रॉन का खेल भी चलता है बच्चों कोई एक इलेक्ट्रॉन देता है जो जिसके लिए देना आसान होता है आप किसके लिए देना आसान होता है यह सवाल मत पूछो क्योंकि ये इलेवेंथ का है ठीक है बच्चों तो अगेन हमने कहा कि चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है फिर हमने पढ़ा कि जो चार्ज है वो रब करने से भी पैदा हो सकते हैं और रब करने से जो चार्ज पैदा होता है उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज बोलते हैं क्योंकि ये रब करने पर जो ग्लास रॉड पर आ गया अब वहीं का वहीं है कहीं भाग नहीं रहा है और ऐसे जो प्लास्टिक रॉड पर आया वो वहीं का वहीं है भाग नहीं रहा है तो वो चार्ज कौन सा हो गया नेगेटिव अब आप कह सकते हो कि ये जो पढ़ाई हमने की अभी पाँच दस मिनट पंद्रह मिनट वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की थी ठीक है बच्चों क्योंकि चार्ज रुके हुए लेकिन इसके बाद पूरे चैप्टर पे आगे अगर हम चलेंगे तो पढ़ाई जो रहेगी वो इलेक्ट्रो डाइनमिक्स की रहेगी ज़्यादातर केसेस में लेकिन उससे पहले हम लोग बात कर लें फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की फ़ंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है भाई आओ जरा इसको समझें कि फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है पहली बात बच्चों आज के बाद कभी भी हम अगर फिजिक्स पढ़ रहे हैं और कहीं पे लिखा हुआ आ जाए फंडामेंटल तो उसका मतलब होता है कि हमें या मुझे जैकेट ना उतारनी पड़ेगी लग रहा है क्योंकि इसमें माइक बीच में ना डिस्टर्ब कर रहा है एक सेकेंड हां भाई थैंक यू मैं ये कह रहा हूं बच्चों कि यहां पे अक्सर क्या होता है कि फिजिक्स में हमें एक वर्ड मिलता है और उस वर्ड का नाम है फंडामेंटल अब फंडामेंटल का मतलब क्या है फंडामेंटल के मायने क्या है फंडामेंटल का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज जिसका कारण हमें नहीं पता है अभी तक मतलब थ्योरीज हैं बहुत सारी जैसे फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं इस स्टाइलस को छोड़ूंगा तो क्या होगा हैं सर क्या सवाल पूछ रहे हूं नीचे जाएगा आंसर है क्यों बिकॉज देर इज ग्रेविटेशनल फोर्स अब मैं अगर आपसे पूछ लू इसका कारण क्या है तो आप मुझे बोल दोगे ये वाली थ्योरी वो वाली थ्योरी डाए वाली थ्योरी बाएँ वाली थ्योरी लेकिन कोई भी थ्योरी अभी प्रूव नहीं हुई है तो इसीलिए अभी हम ग्रेविटेशनल फोर्स को एक फंडामेंटल फोर्स बोलते हैं बिकॉज कारण अभी हमें नहीं पता है कि वो ओरिजिनेट कहां से हुई है पहली बात इसीलिए हम जो यहां पे आपको पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों इसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फंडामेंटल क्यों क्योंकि तो हमें अगेन आज तक नहीं पता कि ऐसा क्यों होता है लेकिन क्या तो आंसर है लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर और अनलाइक चार्जेस और मेरे पास एक और पॉजिटिव चार्ज है तो ये एक दूसरे से रिपेल होंगे ये एक दूसरे से दूर भागेंगे और ऐसे बच्चों अगर मेरे पास एक अगर मेरे पास बच्चों एक चार्ज है जो कि कौन सा है लेट अस सपोज नेगेटिव है और एक और नेगेटिव है तो बच्चों लोगों ये एक दूसरे से दूर भागेंगे तो ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे रिपेल क्योंकि बेटा लाइक चार्जेस ऐसे चार्जेस जो देखने में देखना मतलब सॉरी ऐसे चार्जेस जो सेम है नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव वो एक दूसरे से रिपेल करेंगे मान लो सोडियम प्लस के सामने सोडियम प्लस आ गया तो ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे बच्चों ऐसे मान लो क्लोरीन Cl- के सामने Cl- आ गया ये एक दूसरे को बच्चों क्या करेंगे रिपेल करेंगे क्योंकि लाइक like चार्जेस रिपेल करेंगे ये तो आप कहोगे सर ये तो बच्चा भी जानता है हाँ हाँ तो तुम तो बच्चे ही हो चलो बच्चों मेरा कहने का मतलब है ये आप सब जानते हो पहले से लेकिन क्या आप में से कोई बच्चा इसका कारण जानता है आप इसकी हजार थ्योरी दे दोगे कमेंट सेक्शन पे फोटोन है ये है वो है फलाना लेकिन बच्चों थ्योरी अलग बात है वो तो मैं मैं भी जानता कह रहा हूं, हमने इसको आज तक साबित नहीं किया है हम इसको प्रूव नहीं कर पाए आज तक कि ये क्या होता है ये क्यों होता है समझो बात को ठीक है जी थ्योरी चलते रहेंगे ऐसे ही अगर बच्चों हमारे पास एक चार्ज आ गया कौन सा नेगेटिव एक चार्ज आ गया बच्चों हमारे पास कौन सा नेगेटिव ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ गया बच्चों ओहो ये हमारे पास पॉजिटिव आ गया एक और इसको अगर मैं येलो से ही दिखाऊं ताकि आप थोड़ा सा कंपेयर कर सकें और ये हमारे पास बच्चों नेगेटिव चार्ज आ गया तो क्या होगा क्या ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे रिपेल तो आंसर है एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे जानते हो आप लोग जानते हो ये बात ये बात तो आप जानते हो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लग जाएंगे और यही कहता है लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है और नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को रिपेल करता है कारण एग्जैक्टली exactly कारण की बात करें तो कोई भी नहीं जानता है चलो अब यहां पे बच्चों मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा ये वीडियो आपने शायद पहले भी देख रखी होगी और इस वीडियो के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे एक बारी एक सेकेंड देंगे मुझे हाँ अब इस वीडियो के अंदर है क्या एक्चुअली इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम लोग एक आ, चार्ज को देख सकते हैं एक सेकेंड अब इस वीडियो में क्या होगा मेर, मेरी तरफ देखो बाकी सब छोड़ दो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे हमारे पास एक बैलून होगा हो सकता है आपने वीडियो पहले भी देख रखी हो फिर भी देख लो फिर भी देख लो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा एक बैलून होगा इस बैलून पे हम लोग वीडियो को देखेंगे किस प्रकार से देखेंगे मैं आपको समझाता हूँ सबसे पहली बात तो बच्चों यहाँ पे ये एक बैलून है आ, मैंने ये वीडियो दोबारा से बोलूंगा साइंस एंड फंड है ये आप जानते ही हैं लेकिन इस वीडियो के अंदर क्या है कि हमारे पास एक बैलून है और वो जो बैलून है वो प्लास्टिक का है अब मैं क्या करूंगा उस प्लास्टिक के बैलून को यहां पे मैं र, आ, अपने बालों के साथ रब करूंगा मेरे पास एक बैलून होगा मैं उसको अपने बालों के साथ अपने हेयर के साथ क्या करूंगा रब करूंगा सबसे पहला सवाल है क्या जब मैं अपने उस बैलून को अपने बालों के साथ रब करूंगा तो क्या उस बैलून के ऊपर कोई चार्ज आएगा आंसर है आ सकता है ध्यान दें अगर आपको एक्सपेरिमेंट घर पे डेमोन्स्ट्रेशन घर पे करनी है तो ये विंटर्स में काफ़ी अच्छे तरीके से होती है जैसे अब धीरे 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 दिल्ली में थोड़ी सी गर्मी कम होती जा आ, सर्दी कम होती जा रही है तो ये एक्सपेरिमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है इसलिए मैं वीडियो पहले ही ले आया प्लस जिस स्टूडियो में मैं हूँ यहाँ पे वैसे ही वैसे ही बहुत गर्मी है मैं आप देख सकते हो मैं हाफ़ स्लीव में हूँ तो यहां पे ये एक्सपेरिमेंट करना लाइफ थोड़ा सा मुश्किल है बाकी सारे एक्सपेरिमेंट्स हम लोग क्लास में ही करेंगे इधर, ही करेंगे, इधर सारा सेटअप लगाएंगे टेंशन लेने की बात नहीं आशु सर वैसे वैसे के ही काम कराएंगे जैसा कि हम ऑफलाइन में भी कराते हैं बच्चों लेकिन इसके अंदर क्या है हमारे पास एक बैलून है इस बैलून के पीछे मैं हूं अगर आप आ, तो वैसे ये एक बहुत फनी बात है बट कोई बात नहीं इस बैलून ये एक बैलून है ये बैलून प्लास्टिक का बना हुआ है बात है कहीं ना कहीं रबर मतलब प्लास्टिक मतलब रबर का बना हुआ है और मैं इस बैलून को अपने और मेरे पास एक और बैलून है दोनों बैलून प्लास्टिक के हैं ये बात ध्यान रखिएगा अब अगर मैं इस प्लास्टिक के बैलून को इस बैलून के पास लेके जा रहा हूँ तो कोई देखो कितने पास पड़ा हुआ है कोई अट्रैक्शन नहीं है कोई रिपल्शन नहीं है ये जो बैलून है इस बैलून के पास पड़ा हुआ है कोई अट्रैक्शन नहीं है आप देख सकते हैं कोई रिपल्शन नहीं है लेकिन अगर हम लोग इसमें से कोई एक बैलून को मैं अपने बालों पर रब करूं और दूसरे बैलून को बाल पर रब करूं तो क्या दोनों बैलून पे चार्ज सेम आएगा अब देखो भाई मैंने अपने बाल से इस बैलून को रब किया इस बैलून पे कौन सा चार्ज आएगा हमें नहीं पता कुछ तो आएगा लेटस से नेगेटिव आएगा हमें नहीं पता मैं लेटस से नेगेटिव आएगा और जो दूसरा बैलून है उसको भी मैं अपने बालों से रब करूंगा तो अगेन उस पर भी चार्ज लेटस से नेगेटिव आएगा अगर पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव दोनों पे पॉजिटिव नेगेटिव आया तो दोनों पे नेगेटिव उससे कोई फर्क नहीं पड़ता यार पॉजिटिव पॉजिटिव आया आया तो दोनों पे positive, आया, दोनों पे पे नेगेटिव नेगेटिव उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है जैसे कि मैंने इस बैलून को अपने बालों पर रब किया तो बैलून पे चार्ज लेट अस सपोज नेगेटिव आ जाता है इस बैलून पे ऐसे इमेजिन करो कि नेगेटिव चार्ज पड़ा हुआ है ठीक है ना अब अगर मैं उसी दूसरे बैलून को अपने बालों से रब करता हूं तो उस पर जो चार्ज आ जाएगा वो भी कौन सा होना चाहिए नेगेटिव होना चाहिए ठीक है ना बच्चों हाँ अब रबर पे मेरे बालों के साथ रब करने पे कौन सा चार्ज आएगा ये तो मैं नहीं जानता हूं लेकिन जो भी आएगा बच्चों वो सेम आएगा तो इस बैलून पे चार्ज अब देखो मैंने उस बैलून को अपने बालों से भी रब कर लिया जो भी दोनों पे चार्ज आएगा वो दोनों चार्ज सेम होंगे ये बात समझने वाली है अब अगर मैं इसको इससे रब करूंगा तो जो चार्ज ये बैलून है वो एक दूसरे को रिपेल करने चाहिए अट्रैक्ट जल्दी जल्दी वीडियो प्ले होने से पहले कमेंट सेक्शन में बताओ ये बैलून एक दूसरे को अट्रैक्ट करने चाहिए चाहिए या रिपेल करने चाहिए। हाँ सुन लिया मैंने पढ़ लिया मैंने क्योंकि भाई दोनों पे सेम चार्ज आएगा ना क्योंकि भाई दोनों मटेरियल का जो पेयर है वो सेम है तो चार्ज भी सेम आना चाहिए आओ चेक कर लें भाई आओ चेक कर लें भाई तो ये बैलू काफी ज्यादा स्टैटिक चार्ज ले लिया मैंने हाँ ये देखो भाई अब देखो आप ये बैलून एक दूसरे को क्या करने लग गए रिपेल करने लग गए क्योंकि बच्चों दोनों बैलून पे जो चार्ज है वो क्या है सेम है सेम है चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो लेकिन वो चार्ज सेम है अब इसका सेकेंड वर्जन हम लोग देखेंगे बच्चों ठीक है ना हम्म अब मैं यहां पर एक सेकेंड वर्जन की बात करता हूं यहां पे हमने जब बैलून लिया और बाल लिया दोनों पेयर सेम थे तो जो भी चार्ज बैलून पे आया वो सेम आया अब मैं क्या करूंगा? मैं अपने बालों से अपने हाथों को एक बारी रब करूंगा जिसकी वजह से क्या होगा कि मेरे हाथ पे भी कोई चार्ज आएगा अब मुझे अगेन नहीं पता कि वो चार्ज कौन सा होगा बट फॉर द सेक ऑफ एक्सपेरिमेंट मैंने अपने बालों को अपने हाथ से रब किया तो मेरे हाथ पे कोई चार्ज आएगा अगर वो चार्ज ऑपोजिट आया तो मेरे साथ ये बैलून अट्रैक्ट होने लग जाएगा बट अगर वो चार्ज क्या आया सेम जो बैलून पे पहले ही था जो पहले ही था तो फिर ये रिपेल होने लग जाएगा ये सौर नो दोबारा से मैंने अपने बालों से अपने हाथ को रब किया तो मेरे हाथ पे अगर वही चार्ज आया जो पहले से ही बैलून पे था तो फिर मेरा ये जो बैलून है वो अट्रैक्ट होने लग जाएगा या रिपेल होने लग जाएगा अगर सेम चार्ज आया तो रिपेल बट अगर ऑपोजिट चार्ज आया तो ये बैलून अट्रैक्ट होने लग जाएगा ठीक है बच्चों अब हम देखते हैं ये जो बैलून है अब मेरे हाथ से अट्रैक्ट होता है या रिपेल तो आप देख सकते हैं कि अब ये मेरे हाथ से अट्रैक्ट हो रहा है इसको हम इधर लेके जा रहे हैं तो ये मेरे हाथ से अट्रैक्ट हो रहा है देख सकते हो आप ये मेरे हाथ से अट्रैक्ट होने लग गया इसका मतलब बच्चों क्या है इसका मतलब बच्चों ये है इसको दोबारा से अगर हम समझें तो एक सेकेंड में समझें तो बैलून पे जब मैंने अपने बालों से उसको रब किया तो मान लेते हैं चार्ज है ऐसा मान रहे हैं बच्चों चार्ज आ गया नेगेटिव और जब दूसरे बैलून को भी बाल से रब किया होगा तो ये तो पक्का है कि उस पर चार्ज नेगेटिव ही आया होगा जिसकी वजह से रिपेल हुए बिकॉज मटेरियल का पेयर सेम है अगर इस पर क्या आया होगा पॉजिटिव तो फिर इस पर भी क्या आया होगा पॉजिटिव ठीक है जी फिर मैंने जब अपने हैंड को रब किया बालों पे तो मेरे हैंड पे चार्ज जो भी बैलून पे आया था उससे उल्टा आया होगा लेटर सपोज नेगेटिव जिसके वजह से वो अट्रैक्ट होने लग गया चलिए इसको ज्यादा नहीं आगे बढ़ाते हम इतना मेरे हिसाब से बहुत रहेगा ठीक है जी तो फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कहता है कि लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस बच्चों एक दूसरे को क्या करते हैं अट्रैक्ट करते हैं तो यहां पे हम लोगों ने ये स्टेटमेंट को समझा विच इज नोन एज लॉ ऑफ इलेक्ट्रो स्टैटिक्स इस स्टेटमेंट को हम लॉ ऑफ इलेक्ट्रो स्टैटिक्स कहते हैं चलिए फाइनली आज हम लोग अपने अगले और आज की क्लास के आखिरी टॉपिक की तरफ भी बढ़ते हैं विच इज कॉल्ड करंट और वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक करंट आज का हमारा टॉपिक रहेगा करंट और वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक करंट अब ये करंट और इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है सबसे पहले तो बच्चों ये जो टॉपिक है ये जो वर्ड लिखा हुआ है हम लोगों ने करंट इस करंट का मतलब होता है फ्लो इसका मायने होते हैं फ्लो फ्लो को हम लोग बोलते हैं करंट अब अगर हम बोल रहे हैं कहीं पे विंड करंट तो इसका मतलब है कि हवा जो है वो फ्लो हो रही है अगर हम बोल रहे हैं ओशियन करंट तो ओशियन में पानी जो है वो फ्लो हो रहा है अगर हम कह रहे हैं थर्मल करंट तो हीट फ्लो हो रही है और ऐसे ही बच्चों अगर हम लोग कह रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट सॉरी यहां पे आएगा इलेक्ट्रिक करंट ये गलत टाइप हो गया है यहां पे आएगा बच्चों इलेक्ट्रिक करंट अगर कहीं पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक करंट तो इसका मतलब है वहां पे चार्ज फ्लो हो रहे हैं अभी तक ये जो दो स्लाइड्स हमने पीछे पढ़ी इन दोनों स्लाइड्स में यहां पे कह लो चाहे आप या मेनली यहां पे कह लो चार्ज रुका हुआ था इसकी पढ़ाई को हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहा था लेकिन अब जो चार्ज है वो मोशन में आ जाएगा चार्ज जो है वो भागेगा तो अब हम कह सकते हो कि अपनी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की पढ़ाई शुरू कर रहे हैं तो लेट अस सपोज हमारे पास यहाँ पे एक कंडक्टर है ये एक वायर है अब इस वायर से इस वायर से कुछ चार्ज चार्ज क्या होते हैं हम समझ गए अब वो चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो कुछ चार्ज जो है वो फ्लो कर रहे हैं तो कितना चार्ज फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम कितना चार्ज फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम इसे कहा जाता है इलेक्ट्रिक करंट कितना चार्ज चार्ज को हम लोग कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से दिखाने वाले हैं तो अगर बच्चों में मैथमेटिकली बात करूं तो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया इलेक्ट्रिक करंट हो गया कि किसी भी ऑब्जेक्ट से कंडक्टर से उसके एरिया से कितना चार्ज जो है वो फ्लो करता हुआ जा रहा है पर यूनिट टाइम, यानी कितना चार्ज फ्लो हो रहा है सिर्फ इससे मतलब नहीं है कितना चार्ज फ्लो हो रहा है कितने समय में, कम से कम समय में अगर ज्यादा से ज्यादा चार्ज फ्लो हुआ तो करंट बढ़ जाएगा और करंट को हम आए से रिप्रेजेंट करते हैं चार्ज को हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम को हम लोग टी से रिप्रेजेंट छोटे टी से रिप्रेजेंट करते हैं अच्छा चार्ज को हम स्मॉल क्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कई किताबें स्मॉल क्यू से भी करती है उसमें कोई लफड़ा नहीं है भाई सुनो बेटा करंट क्या होता है करंट होता है इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है कितना चार्ज फ्लो हो रहा है एक कंडक्टर से पर यूनिट टाइम कितना चार्ज फ्लो हो रहा है एक कंडक्टर <tevans> से पर यूनिट टाइम इसे कहा जाता है इलेक्ट्रिक करंट ये वायर इस वायर में से चार्ज यहां से यहां जा रहा है कितना जा रहा है डिवाइड बाय कितने टाइम में टाइम बहुत मैटर करता है मान लो मेरे पास दो कंडक्टर्स हैं बच्चों ये एक कंडक्टर है और ये दूसरा कंडक्टर है इस वाले कंडक्टर से मान लेते हैं क्या आप लोग जानते हैं चार्ज को कूलम में नापते हैं नहीं जानते क्या मैं यहाँ पे कहीं पे याद करा देता हूँ भाई अगर इनके आप नहीं जानते हो तो इसी स्लाइड पे हम लोग ऐड कर लेते हैं कि चार्ज को कूलम में नापा जाता है ठीक है बच्चों इसी स्लाइड में हम लोग इसको ऐड कर लेते हैं एक अलग कलर से कर ले ताकि आपको दिख जाए तो एस आई यूनिट ऑफ चार्ज चार्ज को नापा जाता है में जिसका सिंबल रहता है कैपिटल सी ठीक है बच्चों तो शायद पता हो आपको जो भी कोई यूनिट किसी के नाम पर रखी जाती है उसको कैपिटल सी उनको कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं जैसे कि टेंथ uh, नाइन्थ में शायद प्रेशर की यूनिट आपने पढ़ी थी पास्कल तो कैपिटल पी आया था न्यूटन फोर्स की वर्क की जूल कैपिटल आए थे लेकिन जो किसी के नाम पे नहीं होती उनको अक्सर हम स्मॉल से जैसे कि किलोग्राम में के और जी छोटा है सेकेंड में एस हम लोग छोटा लेते हैं तो मीटर में एम छोटा लेते हैं तो किसी के नाम पे रखी हूँ तो कैपिटल ले लेते हैं चलिए तो चार्ज को बच्चों हम लोग नापते हैं कुलम में अब अगर ऐसा है तो मान लेते हैं इस इस वायर के थ्रू इस वायर के थ्रू टेन कूलम चार्ज जो है वो पास हो रहा है लेटर सपोज इस वायर के थ्रू दस कूलम चार्ज पास हो रहा है और इस वायर के थ्रू बीस कूलम चार्ज पास हो रहा है तो क्या आप ऐसा कह सकते हो कि कौन सी वाली वायर है यह है वायर ए यह है वायर बी इनमें से कौन सी वायर में से करंट जो है वो ज़्यादा है तो आंसर है हम ऐसा नहीं कह सकते मैंने सुन ली बच्चों आपकी आवाज़ ऐसा नहीं कह सकते हमें पता ही नहीं है क्योंकि जो करंट है उसमें सिर्फ चार्ज नहीं आता है चार्ज के साथ साथ टाइम भी आता है अगर आपके मन ने ये आवाज़ दी थी कि बी वाले के अंदर ज़्यादा करंट दौड़ रहा है तो आप गलत हैं क्योंकि टाइम नहीं पता है आओ अगर हम इसके साथ टाइम ले लें मान लो यहाँ पे बच्चों दस कुलम चार्ज पास हो रहा है हर एक सेकंड में लेकिन यहाँ पे बीस कुलम चार्ज पास हो रहा है पाँच सेकंड में तो यहाँ पे तो हर सेकेंड में दस कूलम चार्ज पास हो रहा है लेकिन वहाँ पर हर सेकेंड में सिर्फ चार कूलम चार्ज पास हो रहा है तो इसका मतलब ज्यादा करंट कहां पे है वायर ए में तो करंट का करंट क्या है कितना चार्ज चार्ज फ्लो रहा है पर पर यूनिट टाइम और यानी कि करंट सिर्फ चार्ज डिपेंड नहीं करता वो साथ साथ टाइम पे भी डिपेंड करता है यह बात ध्यान सुनेंगे तो हम ऐसा कह सकते हैं कि वायर ए में ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है एज कंपेयर टू बच्चों वायर बी तो करंट क्या है चार्ज अपॉन में टाइम है समझ में आता है अब हम वैसे तो ऐसा यूनिट ऑफ करंट को अगली लेक्चर में देखेंगे लेकिन अगर हम अभी के हिसाब से बात करें कि चार्ज और टाइम की यूनिट डाल के करंट की यूनिट क्या है अभी के हिसाब से तो चार्ज की यूनिट कूलम है और टाइम की यूनिट सेकेंड है तो इस हिसाब से हमारे पास करंट की यूनिट आ गई कूलम पर सेकंड करंट की यूनिट आ गई कूलम पर सेकंड बट आप भी जानते ही होंगे शायद अगली क्लास में हम एक और यूनिट के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और वो रहेगी एस आई यूनिट ऑफ करंट में क्या एम्पियर्स के बारे में थोड़ी डिटेल रहेगी फिर हम बात करेंगे एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है और उससे एक कुलम कैसे बनाते हैं एक कुलम कब बनेगा एक वायर के थ्रू कितना चार्ज फ्लो होगा फिर बच्चों हम लोग बात करेंगे करंट की डायरेक्शन की फिर हम एमीटर तो वगैरह के बारे में बात करेंगे और फिर जैसे हम लोग बच्चों ओम लॉ को पार करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट बा। बात यह है कि जैसे हम हम लोग ओम लॉ को पार करेंगे क्लास में बहुत ही बढ़िया बढ़िया एक्सपेरिमेंट्स आपके सामने लाएंगे ठीक है बच्चों क्लास में बहुत बढ़िया बढ़िया एक्सपेरिमेंट्स लाइव क्लासेस में हम लोग यहाँ पे आपके साथ लाइव क्लासेस में मद तो कहने का मतलब है यूट्यूब की क्लासेस में लर्न एंड फन पे हम लोग फन तो बरकरार रखेंगे ही बट आज ये पहली पहली क्लास थी बच्चों पहली क्लास तो इंट्रोडक्शन में ही निकल जाती है कि आ, क्या क्या इस चैप्टर का मतलब है या क्या क्या है ठीक है जी तो अगर इस चैप्टर में जो आज हमने पढ़ाया कोई भी सवाल हो आपका तो आप कमेंट सेक्शन पर लिखें हम पूरी कोशिश करेंगे कोशिश क्या करेंगे पूर करेंगे ही करेंगे आपके वहाँ पे डाउट को क्लियर करेंगे बच्चों ठीक है जी तो आज की क्लास ये है और इसका जो इसकी जो स्लाइड्स हैं इसका आपको हम जो लिंक है वो अभी फिलहाल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ड्राइव वगैरह का लिंक होगा देख लेना और उसको डाउनलोड आप कर लेना ठीक है जी अगले लेक्चर में इसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे आज दोबारा रिपीट कर रहा हूँ आज का जो लेक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा बेसिक था हो सकता है आपको लगता हो कि ये तो मुझे सारा ही आता था क्योंकि बेसिक क्लास थी हो सकता है आपने कुछ आज नया भी सीखा हो मेरे हिसाब से कुछ कुछ तो चीज़ें आपने नई सीखी होंगी क्योंकि मैं अभी थोड़ा टाइम पहले ही देख रहा था कुछ वीडियोस जहाँ पे मैंने देखा कि ज़्यादातर केसेस में हम लोग टाइप्स ऑफ चार्जेस पे उतना फोकस नहीं करते हैं और फिर आगे जाके हम लोगों को प्रॉब्लम्स आती हैं तो मेरे हिसाब से कुछ तो नया सीखा ही होगा आपने चलिए अगले लेक्चर में मिलेंगे और अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे करंट के बारे में करंट को आज हमने सिर्फ इंट्रोड्यूस किया है कि एक वायर से जब एक चार्ज फ्लो हो रहा होगा तो कितना चार्ज फ्लो होगा पर टाइम लेकिन इसकी डिटेल्ड पढ़ाई अगली पूरी क्लास या आधे से ज्यादा क्लास सिर्फ और सिर्फ करंट के ऊपर ही रहने वाली है बच्चों ठीक है ये एक सेकेंड स्टड फर्स्ट स्टड याद है आपको स्टड मतलब जिनको नहीं पता स्टड का मतलब होता है स्टड मतलब कि खतरनाक बंदा एकदम सेक्सी जो जो भी कर लेकिन स्टड ये भी हमारे सेकेंड स्टड आ गए बच्चों हमारे फर्स्ट स्टड आए थे बेंजामिन फ्रेंकलिन जी और हमारे ओहो सॉरी 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 हमारे जो सेकंड स्टड आए हैं बच्चों हमारे जो सेकंड स्टड आते हैं हमारे पास इनको हम क्या देते हैं स्टड स्टड बंदा नंबर ये जो हमारे सेकंड आए हैं इन्होंने बिजली की फील्ड में इलेक्ट्रिसिटी की फील्ड में हमें बहुत कुछ दिया इनका नाम है एंड्री मैरी एम्पियर नाम देख लो नाम में जोश है एंड्री मैरी एम्पियर और इन्होंने करंट के बारे में हमें बहुत कुछ दिया बच्चों और यही कारण है कि इनको इज्जत देने के लिए इनको ऑनर देने के लिए हमने एस आई यूनिट ऑफ करंट इनके नाम पे भी रखी लास्ट क्लास में हम लोग बात कर चुके थे कि करंट होता है चार्ज अपॉन में टाइम उस हिसाब से बात करें तो जो एस आई यूनिट आई थी उस हिसाब से अगर बात करें तो एस आई यूनिट आ गई थी कूलम पर सेकेंड लेकिन बच्चों इसकी एक और यूनिट होती है जो होती है एम किसके नाम पे रखी गई स्टड नंबर टू जिनका नाम है एंड्री मैरी एमपीआर जी इन लोगों के नाम के पीछे जी लगाना बहुत जरूरी है भगवान लोग हैं हमारे लिए तो इनके नाम पे एस SI आई यूनिट रखी गई बच्चों एमपीआर अब सवाल उठता है कि अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि एक एमपीआर क्या है देखो भाई हम जब कोई भी नई यूनिट डिफाइन करते हैं मैंने लास्ट क्लास में बताया था किसी के भी नाम पर रखी गई यूनिट का हमेशा सिंबल कैपिटल रहता है तो यहां पे भी सिंबल क्या रहेगा कैपिटल रहेगा कैपिटल ए रहेगा डन अब सवाल उठता है कि सर एक एम्पियर कब बनेगा एक एम्पियर कब बनेगा अब कई बच्चों के ना मन में नाइन्थ से ये सवाल है कि हम ऐसा क्यों करते हैं हम जब भी कोई नई यूनिट पढ़ते हैं तो एक एम्पियर एक जूल एक न्यूटन क्यों डिफाइन करते हैं इससे हमें ना एक आइडिया हो जाता है कि वो क्वांटिटी जो है वो हमारी डेली लाइफ में कहा स्टैंड करती है जैसे कि मैं आपको समझाता हूं एक एम्पियर कब आएगा अकल लगाओ बेटा करंट का फॉर्मूला है चार्ज अपॉन टाइम तो एक एम्पियर करंट कब आएगा जब एक कूलम चार्ज पास हो रहा होगा हर एक सेकंड में एक वायर है एक कंडक्टर है उसके अंदर से हर एक सेकंड में हर एक सेकंड में एक कूलम चार्ज आ रहा है हर एक सेकंड में एक कूलम चार्ज आ रहा है मैं आपको आज बताऊंगा कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं उसके लिए भी हमें वेट करना है और आइडिया होगा लेकिन अगर हर एक सेकंड में एक कूलम चार्ज पास हो रहा हो एक कंडक्टर के अंदर से उसे हम लोग कह देते हैं एक एम्पियर उसे हम लोग कह देते हैं एक एम्पियर तो वन एम्पियर क्या हो गया वेन वन कूलम ऑफ चार्ज इज पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन एक सेकेंड देन करंट इज वन एम्पियर तो करंट कितना हो जाएगा बच्चों एक एम्पियर हो जाएगा बहुत सिंपल है अच्छा तो सर क्या इसका मतलब यह है कि अगर करंट एक कंडक्टर के थ्रू दस एम्पियर है अगर करंट एक कंडक्टर के थ्रू दस एम्पियर है तो इसका मतलब है कि उसमें से दस कूलम चार्ज पास हो रहा है हर एक सेकेंड में आंसर इज यस सर अगर एक जगह पे करंट है 100 एम्पियर तो इसका मतलब क्या 100 कूलम चार्ज पास हो रहा है हर सेकेंड में आंसर इज यस सर अगर कहीं पे करंट है 0.1 पॉइंट तो क्या 0.1 पॉइंट कूलम चार्ज पास हो रहा है एक सेकेंड में आंसर इज यस तो बच्चों आपको यहाँ पे समझना है कि एक एम्पियर क्या है एक एम्पियर है जब एक कूलम चार्ज पास हो रहा हो एक सेकेंड में तो उस केस में हम लोग बोल देते हैं करंट इज वन एम्पियर अब हमारे घर में ज्यादातर केसेस में करंट दस से लेकर पंद्रह एंपियर के बीच में रहता है कोई लड़ाई नहीं है कोई मारकाट नहीं है कहीं कह दो सोलह कहीं कह दो सत्रह कहीं कह दो नौ एवरेजली बात कर रहा हूं बात को समझा करो डिवाइसेस पे आपने देखा होगा स्विचेस पे प्लग्स पे लिखा होता है 15 एम्पियर 20 एम्पियर वो 20 तो हम लोग मैक्सिमम रखते हैं कि वो खराब ना हो जाए एवरेजली बात करें घर में 10 से 15 आ रहा है ना 10 मान लो तो अगर सोचो एक वायर में आपके वैसे तो करंट अप्लायंस पे भी डिपेंड करता है हम लोग पढ़ेंगे एक एग्जांपल तो लेना है ना मान लेते हैं एक वायर के अंदर से दस कुलम चार्ज जो है बच्चों पास हो रहा है तो उसका मतलब ओ दस कुलम चार्ज हर एक सेकेंड में जा रहा है एक वायर है उसमें हर एक सेकेंड में हर एक सेकेंड में दस कुलम चार्ज जो है वो पास हो रहा है तो फिर इसका मतलब यह है कि वो दस एम्पियर बनाएगा इसका मतलब आज के बाद देखो बच्चों अगर आपको साइंस दिल से पढ़नी है तो एक तो होती है आंखें एक होती हैं साइंस की आंखें साइंस की आंखें डेवलप करें आप जिस भी कमरे में इस वक्त बैठे हुए हैं वहां पे एक वायर को देखें आज से पहले वायर एक वायर थी बच्चों मतलब आज से पहले वायर एक वायर थी लेकिन आज जब आप एक वायर को देखोगे और उसमें करंट जा रहा होगा तो आपको इमेजिन करना है लेटर सपोज उसमें से दस एम्पियर कर जा रहा है इसका मतलब उसमें हर एक सेकेंड में दस कूलम जा रहे हैं अभी मज़ा नहीं आ रहा होगा लेकिन अगली स्लाइड पर चलते ही मजा आएगा क्यों क्योंकि हम इसको और ज़्यादा तरीके से इमेजिन करेंगे चलो इस पे वापस आएंगे इस पे वापस आएंगे लेकिन इससे पहले बात करते हैं इस पे वापस आएंगे लेकिन इससे पहले बात करते हैं कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स मेक वन कूलम ऑफ चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन्स मिल के एक कूलम चार्ज बनाते हैं सबसे पहली बात सबसे पहली बात चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है नाइन्थ में पढ़ा था वन पॉइंट सिक्स में टेन की पार माइनस नाइनटीन कूलम ऑब्वियसली बात है वो चार्ज माइनस का होता है बट अभी हमारा फोकस चार्ज है प्लस माइनस नहीं है अच्छा अब अगर मुझे पता करना हो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन कूलम एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे कोलम का सिंबल कैपिटल सी होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक कोलम में कितने बनेंगे तो आंसर है यार अगर एक इलेक्ट्रॉन पे इतने कोलम है तो एक कोलम में कितने डिवाइड में ले जाते हैं इसको 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू में टेन के पार माइनस नाइनटीन अगेन माइनस साइन पे ध्यान नहीं देना है वो तो बस रिप्रेजेंट कर रहा है कि नेगेटिव चार्ज है अगर मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ तो टेन की पार नाइनटीन आ जाएगा और अगर मैं टेन की पार नाइनटीन को टेन इंटू में टेन की पार 18 लिख दूं तो चलेगा ताकि मैं इसको 1.6 से डिवाइड कर सकूं और अगर मैं 1.6 को 10 से डिवाइड करता हूं तो कहीं ना कहीं 6 पॉइंट कुछ इनटू में 10 की पार 18 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा अब इसका मतलब 6.65 या 6.25 आता है वो आप एक बारी चेक कर लीजिएगा अगेन हमारा फोकस वो नहीं है बच्चों फोकस क्या है कि अगर एक कूलम चार्ज बनाना है तो हमें सिक्स पॉइंट टू फाइव इंटू में टेन की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स लेके जाने होंगे यानी अगर मुझे कितना कूलम बनाना है एक कूलम तो मुझे कितने इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे रखने होंगे कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होगी टेन की पार अट्ठारह इसको तो छोड़ दो ना यार ये तो क्या ही है टेन की पार अट्ठारह पे फोकस करो टेन की पार अट्ठारह एक बार देखें यहाँ पे एक बार देखें आओ एक कुलम का मतलब है सिक्स टू फाइव एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह दो ज़ीरो कम कर लेते हैं यहाँ से क्योंकि यहाँ पे हमने दो ज़ीरो लगा दिए बच्चों फिर भी अगर हम इन दो ज़ीरो को यहाँ से हटा भी दे तो इतने इलेक्ट्रॉन्स इतने इलेक्ट्रॉन्स मिलके एक कुलम चार्ज बनाएंगे यहां तक की गिनती भी नहीं आती मुझे आपका पता नहीं मुझे मुझे तो पता भी नहीं इसे बोलते क्या कहने का मतलब है भाई जब एक कुलम चार्ज बनाना होगा तो इतने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे अब आप मुझे बताओ ये नंबर बहुत छोटा या बहुत आंसर है बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर है इसका मतलब ये है बच्चों कि अगर मुझे एक कुलम चार्ज बनाना है तो मुझे दस की पार अट्ठारह इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे अब ज़रा पीछे आ जाओ इसका और मज़ा लेते हैं इसका मतलब अभी थोड़ी देर पहले हमने बोला था कि अगर हमें एक एम्पियर बनाना है अगर हमें एक एम्पियर बनाना है तो एक कुलम चार्ज एक सेकंड में पास होना होगा और अभी हमने पढ़ा कि एक कुलम का मतलब है दस की पार अठारह प्लीज दस की पार अठारह पे बात करते हैं वो तो चलता ही रहेगा अच्छा तो क्या इसका मतलब यह है कि एक एम्पियर करंट बनाने के लिए मुझे हर एक सेकेंड में सिक्स पॉइंट टू फाइव इंटू में टेन के पार अट्ठारह इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक वायर के थ्रू लेके जाने होंगे अब अगर आप इसको इस तरीके से समझेंगे ना तो अब आपको साइंस से और प्यार होगा ये वायर है ये वायर आपके सामने लगी हुई है बिजली की तार है एक जो आपके सामने से जा रही है सोचो अगर उसके अंदर से एक एम्पियर करंट पास हो रहा है एक एम्पियर करंट पास हो रहा है तो उसका मतलब पता है क्या है उसका मतलब यह है कि हर एक सेकेंड में दस की पावर अट्ठारह इलेक्ट्रॉन्स उस वायर से होते हुए जा रहे हैं अब अगर आप इस तरीके से एक वायर को इमेजिन करेंगे ना रात को नींद नहीं आएगी एक वायर है उसमें से एक एम्पियर वैसे तो हमारे घर में एक एम्पियर से ज्यादा ही करंट दौड़ रहा है पंद्रह एम्पियर तक भी जा रहा है बट अभी एक ही की बात कर लेते हैं अगर एक वायर में से एक एम्पियर करंट दौड़ रहा है तो उस एक एम्पियर करंट में हर एक सेकंड हर एक सेकंड कितना होता है टिक 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 एक टिक सेकंड होता है सेकंड में दस की पावर अठे मेरे मालिक दस की पावर अठारह इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं अब आप समझे इसको बोलते हैं साइंटिफिक आय देखने वाले के लिए बिजली जा रही है देखने वाले के लिए वायर में बस ऐसे ऐसे करंट जा रहा है लेकिन हमारे लिए एक एम्पियर में एक सेकेंड में दस के पार अठारह इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ऐसे पढ़ोगे ना अगर तो साइंस से प्यार होगा ही और नहीं हो रहा ना तो तुम्हारे पास दिल ही नहीं है अगर अभी भी नहीं होएगा ना इन बातों को जान के अभी तो प्यार कर आएंगे आज तो दूसरा दिन है वैसे तो पहली नजर में भी प्यार हो जाता है क्या बात बोल दी मैंने लेकिन बच्चों अभी तो आगे हम बात करेंगे अभी तो प्यार होगा लेकिन इन बातों के बावजूद भी प्यार शुरू नहीं हुआ है ना दिल में तो साइंस के लिए नहीं बने फिर हम बच्चों एक एम्पियर का मतलब एक सेकंड में दस के पार अट्ठारह इलेक्ट्रॉन्स वहां से दौड़ रहे हैं अब आप सोच लो कितना बड़ा नंबर ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन का साइज बहुत छोटा है तो ये वैसे तो मामूली सी बात है लेकिन नंबर वाइज बात करें तो ये बहुत बहुत बड़ा नंबर है चलो ठीक है स्किप करते हैं आगे बात करते हैं ऐसा यूनिट समझ में आ गया क्या एम्पियर और हमने ये भी समझ लिया कि एक एम्पियर कब बनेगा जब एक कुलम चार्ज पास होगा एक सेकंड में और एक कुलम का मतलब है दस के पार अट्ठारह इलेक्ट्रॉन्स अब बात करते हैं करंट की डायरेक्शन के बारे में जब हमने करंट की पढ़ाई बनाई तो हमने कहीं ना कहीं देखा यार कि हमें करंट की डायरेक्शन की भी कहीं ना कहीं जरूरत पड़ रही है तो हमने वहां पे करंट की एक डायरेक्शन को कंसिडर किया अब यहां पे थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्सी चलेगी कॉन्ट्रोवर्सी का मतलब क्या बच्चों कन्वेंशनली का मतलब होता है कि हमने ऐसा मान लिया हमें करंट की डायरेक्शन नहीं पता थी करंट मतलब क्या है फ्लो ऑफ चार्ज करंट कब से चला आ रहा है जब हमने नेगेटिव यानी कि जब हमें यह भी नहीं पता था कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं हमें यह भी नहीं पता था कि इलेक्ट्रॉन कुछ है प्रोटॉन कुछ है न्यूक्लियस कुछ है यह हमें पता भी नहीं था तब से बिजली चली आ रही है आपको पता होगा तब से बिजली चली आ रही है अब बिजली की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन को हमें पता नहीं था कि करंट कहां से कहां फ्लो हो रहा है लेकिन इतना पता था फ्लो हो रहा है तो हमने कन्वेंशनली का मतलब ऐसा लेट कर लिया ऐसा लेट कर लिया कि जो करंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल दौड़ता है जरा ध्यान दीजिएगा हिस्ट्री है बच्चों लेकिन बच्चों पढ़ना जरूरी है ये बच्चों हमारे पास एक बल्ब है ये बच्चों हमारे पास एक बैटरी है सेल है और यहाँ पे हमने एक स्विच लगा रखा है और ये स्विच ऑन कर दिया इसके अंदर से करंट फ्लो होने लग जाएगा और दुनिया जगमगा जाएगी बल्ब जल जाएगा डन है लेकिन करंट फ्लो कहाँ हो रहा है करंट पॉजिटिव से नेगेटिव नेगेटिव जा रहे हैं, से पॉजिटिव कोई जानता नहीं था तो ऐसा मान लिया गया बच्चों कि भाई करंट जो है वो पॉजिटिव से निकलेगा और नेगेटिव पे आ जाएगा Although अभी बहुत सारी चीजें और होंगी लेकिन पॉजिटिव से नेगेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव करंट जो है वो फ्लो होगा ओके डन है ठीक है लेकिन कुछ सालों के बाद कुछ लंबे सालों के बाद हमने ये देखा बच्चों कि एक वायर में कौन दौड़ रहा है इलेक्ट्रॉन्स हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि एटम से बाहर कौन जाता है इलेक्ट्रॉन्स अक्सर जाते हैं उनका आना जाना आसान है तो अगर ऐसा है कि एक वायर के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स आते जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज होता है नेगेटिव अब मैं यहां पे लाल रंग से दिखा रहा हूं क्योंकि यह बात बहुत खतरनाक है खतरनाक चीज है लाल रंग से बच्चों यहां से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज क्या होता है नेगेटिव तो वो किसकी तरफ भागेंगे पॉजिटिव की तरफ सब जानते हैं नेगेटिव से निकल के कहां भागेंगे पॉजिटिव यानी जैसे मैं स्विच ऑन करूंगा इलेक्ट्रॉन्स अच्छा ये ऐसा क्या करता है कि बिजली दौड़ने लग जाती है अगला टॉपिक है लेकिन यहां पे जैसे स्विच ऑन किया इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से निकलेंगे नेगेटिव से निकलेंगे नेगेटिव से निकलेंगे और पॉजिटिव की तरफ जाएंगे ये इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सॉरी ये इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इलेक्ट्रॉन्स हैं अब आप मुझे बताइए बच्चों हमने ये मान लिया था कि जो बिजली है वो तो जा रही है पॉजिटिव से नेगेटिव लेकिन देखा गया कि इलेक्ट्रॉन्स तो जा रहे हैं नेगेटिव से पॉजिटिव कोई बात नहीं क्या दिक्कत है इसमें अब बहुत सारी पढ़ाई ये बन चुकी थी ये मान के कि बिजली दौड़ रही है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव तो उसको हमने चेंज नहीं किया हमने कहा कन्वेंशनली करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू क्या नेगेटिव टर्मिनल एंड इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल और बैटरी इसका मतलब आपके मन में आ रहा होगा कि हमने करंट की डायरेक्शन को बदला क्यों नहीं पॉजिटिव से करंट नेगेटिव जा रहा है लेकिन जब बाद में ये पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन्स तो नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं तो हमने ये क्यों नहीं बोल दिया बाद में कि करंट के डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव कर करते हैं कोई दिक्कत नहीं है बच्चों हमने दो डायरेक्शन मान ली हमने कहा ठीक है करंट की डायरेक्शन मानते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे नेगेटिव से पॉजिटिव और एक स्टेटमेंट दे दी गई क्या स्टेटमेंट दे दी गई स्टेटमेंट ये दे दी गई कि बच्चों फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ज ऑलवेज ऑपोजिट इन डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी एक स्टेटमेंट दे दी गई कि यार कोई बात नहीं इलेक्ट्रॉन भले कहां से कहां जा रहे हैं नेगेटिव से पॉजिटिव लेकिन करंट हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव ही मान के चलेंगे इसका मतलब है जहां जहां इलेक्ट्रॉन्स जा रहे होंगे करंट जो है उसके ऑपोजिट जाएगा ऐसा मान लिया गया हमारी पुरानी पढ़ाई भी डिस्टर्ब नहीं हुई और नया कंसेप्ट भी समझ में आ गया तो बच्चों अगर किसी किताब में लिखा हुआ है किसी बुक में लिखा हुआ है कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं मान लेते हैं ईस्ट मैग्नेटिक इफेक्ट चैप्टर पढ़ाएंगे ना अगला ये लाइन बहुत काम आएगी इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं ईस्ट तो करंट कहाँ जा रहा होगा वेस्ट इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं बच्चों नॉर्थ करंट कहाँ जा रहा होगा बोलो यार सुन रहा हूं मैं मैंने आपको बताया था यहाँ की बात से सुनता हूं मैं आपको करंट कहाँ जा रहे हैं नॉर्थ सॉरी इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं नॉर्थ तो करंट कहाँ जाएगा बच्चों साउथ इलेक्ट्रॉन कहा जा रहे हैं है? बाहर तो करंट जाएगा अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ है क्लॉकवाइज करंट कहाँ एंटी क्लॉक क्लॉकवाइज मतलब जहां जहां क्या फ्लो करेगा इलेक्ट्रॉन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बच्चों हमारा जो करंट है वो फ्लो करेगा डन है जी डन है जी तो ऐसा कहते है, ये दोनों हमेशा एक दूसरे से ऑपोजिट चलते हैं है ना मिया बीवी हैं ये ओहो भाई क्या बात बोल दी मैंने हमेशा ऑपोजिट मिया जी पति जी कह रहे हैं चलो लेफ्ट बीवी कह रही है मैं तो राइट जाऊंगी शादी शुदा हूं भाई मैं मैं, 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 मैं ये बातें जानता हूं आप अभी नहीं जानते अभी आप छोटे हैं आप भी जान जाएंगे बच्चों पति कह रहा है चलो क्लॉक बीवी कहती है मैं तो एंटी क्लॉक जाऊंगी कोई बात नहीं बेटा जाने दो कोई दिक्कत नहीं है करंट की डायरेक्शन सर आप हम कंफ्यूज कर रहे हो आप हमें आप हमें बताओ अब करंट के डायरेक्शन है क्या करंट की डायरेक्शन है पॉजिटिव से नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल बस लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव मेरे हिसाब से इतना ही बात करनी चाहिए इससे ज्यादा नहीं तो ये हमारे पास हो गया डायरेक्शन ऑफ करंट डन है जी अब बात करते हैं एक सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है इसको नापते कैसे देखा होगा आप सबने सबने देखा होगा इसको बोलते हैं एमिटर क्या बोलते हैं एमिटर एक्चुअली एमीटर का पूरा नाम जो होता है एमीटर का पूरा नाम जो होता है बच्चों ये होता है एम्पियर मीटर एमीटर का पूरा नाम होता है एम्पियर मीटर पूरा नाम इसका एम्पियर मीटर होता है क्योंकि एम्पियर को नापता है क्योंकि ये एम्पियर को नापता है तो नाम पड़ गया इसका एमीटर एमीटर एक डिवाइस होता अच्छा ये कैसे काम करता है ट्वेल्थ क्लास में पढ़ेंगे फोर्थ चैप्टर के अंदर मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म चौथा चैप्टर है फिजिक्स का वहाँ पढ़ेंगे कि ये कैसे करंट को नाप लेता भाई सो अब कमाल की बात है लेकिन ये करंट को नाप लेता है शायद दिख रहा हो ये लाल वाला हिस्सा जो है इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल कहलाया जाता है और ये ब्लैक वाला हिस्सा जो है ये नेगेटिव टर्मिनल कहलाया जाता है बैटरी के सॉरी बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दो बैटरी के नेगेटिव से जोड़ दो सर्किट में जोड़ दो सर्किट में से जोड़ते कैसे बात करेंगे लेकिन सर्किट में जोड़ दो तो भाई ये करंट को नापना शुरू कर देता है अब सवाल आता है वाई एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज टू द सर्किट एमीटर के बारे में बहुत सारी बातें जैसे आगे जाके हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं रेजिस्टेंस तो वहां हम लोग पढ़ेंगे कि इसका रेजिस्टेंस भी बहुत ज्यादा लो होता है अभी मैं उस पॉइंट को डाल के कंफ्यूज नहीं करूंगा क्योंकि अभी हम रेजिस्टेंस शब्द को नहीं जानते तो अभी के लिए यहां पे हम बात करेंगे एमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि बच्चों क्या नापता है करंट नापता है जिसका काम है करंट को नापना लेकिन ये करंट कैसे नापता है ट्वेल्थ क्लास में पढ़ेंगे अभी फिलहाल सवाल आ रहा है कि वाई एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज टू द सर्किट अब यहां पे एक नया शब्द आ गया है सीरीज सर्किट में हम जब किसी कॉम्पोनेंट को लगाते हैं चाहे वो एमीटर हो चाहे वो आगे जाके वोल्ट मीटर हो चाहे वो गेलवेनो हो चाहे वो रियोस्टैक्ट हो रेजिस्टेंस हो कुछ भी हो दो प्रकार के कॉम्बिनेशन हमारे मिल सकते हैं एक को बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन एक को बोलते हैं पैरेलल। बड़ा मज़ा आने वाला है इस टॉपिक को पढ़ते हुए क्लास में कुछ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे यहीं पे लाइव कराए जाएंगे आप लोगों को बड़ा मज़ा आएगा लेकिन हमारे पास दो प्रकार के कॉम्बिनेशन बच्चों मिलते हैं एक कॉम्बिनेशन मिलता है हमें सीरीज और एक मिलता है पैरल ज़रा इसको शॉर्ट में समझते हैं जब सीरीज पैरल में जाएंगे तो डिटेल में जाएंगे मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे ये एक बल्ब है और मैं इस बल्ब को इस बल्ब में कितना करंट है फ्लो हो रहा है ये मैं निकालना चाहता हूँ ये बल्ब है ये जल रहा है जगमगा दी है इसने दुनिया हमारी अब इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है ये मैं निकालना चाहता हूँ और अगेन यहाँ पे एक और सेटअप लगाएंगे एक तरीका तो ये है कि मैं इसके अक्रॉस ऐसे लगा दूं एमीटर को एमीटर का सिंबल एमीटर को सिंबल वाइज सर्किट में ऐसे बनाते हैं गोला ए ए ऐसे करके एक इसका पॉजिटिव एक इसका नेगेटिव अगर मैं इसको ऐसे लगा दूं तो दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड पैरल कॉम्बिनेशन लेकिन सवाल तो यही है ना कि पैरल में क्यों नहीं लगाते लेकिन एक और कॉम्बिनेशन हो सकता है बच्चों कि मैं इस बल्ब के आगे या पीछे कहीं पे भी इस एमीटर को लगा दो स्विच वगैरह लगा देंगे स्विच ऑन कर देंगे बल्ब जगमगा जाएगा स्विच ऑन कर देंगे वो बिना ऑन के जगमगा गया सॉरी ऑन कर देंगे बल्ब जगमगा जाएगा ये कॉम्बिनेशन कौन सा है बच्चों ये वाला कॉम्बिनेशन है पैरल कॉम्बिनेशन एक और कॉम्बिनेशन है भाई इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन इस वाले कॉम्बिनेशन को बोलते है, अब हम कह रहे हैं सीरीज। है, है? अब कॉम्बिनेशन क्या होता है जिसमें हम वायर को डिवाइड नहीं करते हैं वायर के दो हिस्से नहीं करते ये एक वायर, वायर, वायर 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 और ये पूरी एक ही बार चल रही है और सीरीज की और भी डेफिनेशन है अभी हम वहां नहीं जा रहे लेकिन यहां से गए अब जैसे यहाँ से गए यहाँ से गए यहाँ से गए यहाँ से गए ऊपर गए ऊपर गए अब जैसे यहाँ पहुंचे तो करंट इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है करंट के पास एक रास्ता ऊपर जाने का भी है और एक रास्ता बल्ब के थ्रू जाने का भी है तो ऐसे कॉम्बिनेशन जहाँ पे करंट दो अलग अलग डायरेक्शन में चल सकता है टूट सकता है डिवाइड हो सकता है उसे पैरल कॉम्बिनेशन बोलते हैं लेकिन अगर करंट के पास एक ही रास्ता है कहीं पे वो डिवाइड नहीं हो सकता दिस इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन वाई एमिटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन बच्चों इसको समझो एक पाइप की तरह ठीक है इस पूरे सेटअप को समझो एक पाइप की तरह लेट अस सपोज इस पाइप में यहाँ से एक करंट फ्लो हुआ 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 पाइप में पानी फ्लो होता है अब इमेजिन करो ये एक पाइप है इस पाइप में से दस लीटर पानी आया 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 अब दस लीटर पानी इस पॉइंट पर आके रुका अब ये जो पाइप है ये दो हिस्सों में टूट रहा है एक ऊपर पाइप एक नीचे पाइप अब अगर यह पाइप है और इसमें दस लीटर पानी जा रहा है और एक पाइप ऊपर की तरफ निकल रहा है एक पाइप सामने जा रहा है आप मुझे बताओ पानी पानी इज ऑफ नीला कलर नीला कलर ले लेते हैं बच्चों तो यहां से पानी ऊपर चला जाएगा कुछ और कुछ पानी यहां चला जाएगा सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं मैंने सुन लिया सही कह रहा हूं तो पानी दो हिस्सों में डिवाइड हो गया लेकिन अगर कॉम्बिनेशन होता सीरीज यानी कि ऐसा तो पानी के पास कोई दो हिस्से ना होते ये एक पाइप होता ये एक पाइप होता पानी जाता जाता जाता, जाता और कोई डिवीजन ही नहीं है पानी जाता पानी जाता और कोई डिवीजन ही नहीं है पानी जाता पानी जाता और कोई डिवीज़न नहीं है यानी कि जब हम किसी भी सेटअप को पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाते हैं जब हम किसी भी सेटअप को बच्चों कौन से कॉम्बिनेशन में लगाते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो जैसे पानी डिवाइड हुआ ऐसे चार्ज ऐसे ही करंट भी तो डिवाइड होगा ना बच्चों यहां से आया दस कुलम चार्ज एक सेकेंड में इसको की भाषा में बात कर ले यहां से आया लेर अब सुनना ध्यान से जैसे ही करंट यहां पहुंचता है दस एम्पियर अब दस एंपियर में से इस बल्ब के थ्रू इस बल्ब के थ्रू दस एंपियर में से चला गया आठ एम्पियर लेकिन ऊपर से गया दो एम्पियर हो सकता है वैल्यू पे मत जाओ दस एम्पियर में से इसके अक्रॉस चला गया आठ और एमीटर के अक्रॉस चला गया दो तो एमीटर के अक्रॉस कितना गया दो बल्ब के अक्रॉस कितना गया आठ एमीटर क्या बोलेगा एमीटर बोलेगा दो एम्पियर यार उसके अंदर से दो एम्पियर जा रहा है ना तो वो क्या बोलेगा दो एम्पियर लेकिन करंट टोटल सर्किट में कितना था आठ एम्पियर मतलब टोटल सर्किट में दस एम्पियर इसके अक्रॉस आठ यहां से करंट आ रहा था दस एम्पियर ऊपर चला गया दो एम्पियर एमीटर के अंदर से और बल्ब के अंदर से चला गया आठ एम्पियर अब ए, अगर एमीटर के अंदर से दो एम्पियर गया है तो वो दो एम्पियर ही तो बोलेगा उसको सपना आ रहा है नीचे कितना जा रहा है दो एम्पियर बोलेगा ना वो रीडिंग देगा कितने की दो एम्पियर की लेकिन सर्किट में करंट कितना था दस एम्पियर अब आप मुझे बताओ वो रीडिंग सही ना पड़ा है गलत ना पड़ा गलत ना पड़ा है वो बेचारा अपनी जगह सही है हमने गलत लगाया उसको हमने गलत लगाया वो सही है उसकी गलती नहीं है बच्चों उसे गालियाँ नहीं देनी है आपको बेटा हमने गलती कर दी है है ना बिल्कुल लेकिन अगर हमने कॉम्बिनेशन लगाया होता सीरीज यहाँ से आता दस एम्पियर दस एम्पियर दस एम्पियर दस एम्पियर दस 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 ऑप्शन ही नहीं है यार एक पाइप है ना एक पाइप है एक पाइप में डिवीजन ही नहीं है यहां से अगर दस एंपियर आ रहा है तो दस ही जाएगा और कहा जाएगा जाने की जगह ही नहीं है ना बच्चों तो इसीलिए हम लोग जब भी एक एमीटर को कनेक्ट करते हैं तो कौन से कॉम्बिनेशन में करते हैं सीरीज तो अगर हम इसका बच्चों शॉर्ट में आंसर यहां लिखना चाहें तो क्या ये दें कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट रिमेन्स सेम ड्यू टू नो डिवीजन कोई करंट का डिवीजन नहीं हुआ जिसकी वजह से करंट क्या रहता है सेम बट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन करंट डिवाइड लेकिन बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिवाइड हो जाता है जिसकी वजह से रीडिंग जो है बच्चों वो गलत आ जाती है तो मेरे हिसाब से ये क्लियर होगा कि जब हम एक एमीटर को कनेक्ट करते हैं तो उसको हम कौन से कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में पैरेलल में करेंगे तो रीडिंग गलत आ जाएगी ठीक है बच्चों देखो डेप्थ में जाना है टॉपिक के इस टॉपिक को एक मिनट में भी खत्म किया जा सकता है या तो ऐसा कर लो नहीं ना नहीं ना साइंस को पढ़ाना पढ़ाने का काम नहीं है मेरा मेरा काम है साइंस को समझा क्या और डीप बात बोल दिए साइंस पढ़ाता नहीं मैं साइंस समझाता हूँ मैं मतलब आपको समझना है टॉपिक को ऐसा नहीं है एक मिनट में चले जाए कि भाई वाई एमिटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज ऐसे बोल दो कि सीरीज में करंट सेम रहता है एक मिनट का काम है लेकिन समझना है बच्चों उसको मेरे हिसाब से क्लियर है नहीं है तो कमेंट सेक्शन में डाउट डाले आगे बढ़ेंगे ओ बहुत ही खतरनाक टॉपिक आने वाला है उससे पहले ये क्लियर होना चाहिए मेरे हिसाब से कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन पर डाले डन है डन है ओके ओ सॉरी ओके <laughs> कोई बात नहीं बच्चों अब हम बात करेंगे फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स एक वायर के थ्रू कैसे फ्लो होते हैं आज का हमारा ये आखिरी टॉपिक रहेगा और उसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे लेकिन ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या कहता है टॉपिक ये कहता है कि अगर मेरे पास एक वायर है विच इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो पहले तो आप याद करो अपनी प्रीवियस क्लासेस लाइक एथ क्लास सेवन्थ क्लास नाइन्थ क्लास हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा है कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हम हर बार बोलते आए हैं कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो होता है जिसके पास फ्री चार्ज होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो होता है जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लेकिन अगर मैं एक वायर यार सोचो कोई भी एक वायर है आपके पास या कोई भी एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये एक वायर है ठीक है कॉपर की बनी हुई क्या है ये वायर है अगर मैं इस वायर को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखूं, बड़े स्केल पे देखूं इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके देखूं तो मुझे क्या दिखेगा मुझे दिखेगा कि इस वायर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इस वायर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स बैठे हुए और वो इलेक्ट्रॉन्स किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है कोई इधर कोई इधर कोई इधर कोई इधर कोई इधर को को यानी ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहीं पे भी किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं सही कह रहा हूँ क्योंकि इनके पास कोई मकसद नहीं है कोई एम नहीं है यार इस कमरे में हवा के पार्टिकल्स होंगे वो हवा के पार्टिकल्स फ्री हैं उनका जहाँ मन करेगा वो जाएंगे टकराएंगे इधर उधर जाएंगे लेकिन कहीं भी जाएंगे ना लेकिन अगर मैं इस कमरे में मान लो थोड़ी देर के लिए एक एग्जॉस्ट फैन लगा देता हूँ तो वो उस हवा को खींचेगा या एक वैक्यूम लगा दे एक वैक्यूम पंप लगा देता हूँ तो वो हवा को खींचेगा तो उनके पास एक मकसद होगा जाने का लेकिन अभी फ़िलहाल इस कमरे के अंदर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इस कंटेनर के अंदर इस कंडक्टर के अंदर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं इनका जहाँ मन करेगा ये वहाँ जाएंगे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कोई एम नहीं है कोई गोल नहीं है जैसे कि यहाँ पे भी हो रहा है हमने कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाया या ऐसा समझ ले कि हमने इस वायर ये हमने इतनी वायर को माइक्रोस्कोपिक uh, लेवल पे देख रहे हैं वायर तो बहुत बड़ी होगी और अगर मैं इस वायर को एक मान लो बैटरी के साथ कनेक्ट करता हूँ अभी मैं इस शब्द को बोल रहा हूँ बैटरी लेकिन आगे जाके अगली क्लास में हम इस शब्द को क्या नाम दे देंगे पोटेंशियल डिफरेंस या फिर नाम दे देंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अभी हम इसको नाम दे रहे हैं बैटरी या सेल प्लीज़ कोई ये ना कहे कि सर ये क्या नाम बोल रहे हो आप बट बट बैटरी नाम आप जानते हो सेल नाम आप जानते हो इसलिए ये देना सही रहेगा अभी लेकिन आगे जाके हम लोग इसको एक नया नाम भी देने वाले हैं विच इज़ पोटेंशियल डिफरेंस चलो फिलहाल ये हमारे पास बैटरी है और बैटरी मैंने यहाँ पे लगा दी है बच्चों और इस बैटरी को मैं यहाँ पे एक सर्किट में कनेक्ट कर रहा हूँ लेकिन मैंने अभी इसका स्विच ऑन नहीं किया है तो उस केस में क्या होगा बच्चों उस केस में ये होगा कि ये जो वायर के अंदर ये छोटे छोटे पिंकी पिंकी से पिंक पिंक कलर के जो ये छोटे छोटे आपको क्या दिख रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स यानी कि चार्ज पार्टिकल्स उनके पास कोई भी मकसद नहीं है जाने का जिसकी वजह से वो रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में जा रहे हैं अब अगर ऐसा है तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि चार्ज फ्लो हो रहा है नहीं ना क्योंकि तो चार्ज फ्लो का मतलब है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर एक सर्किट में चार्ज बहता हुआ जा रहा है तो हां हम ऐसा कह सकते हैं कि देर इज नो नेट फ्लो ऑफ चार्ज चार्ज एक्चुअली फ्लो नहीं कर रहा है एक ही यार देखो अगर एक बाल्टी में पानी है, एक बाल्टी के अंदर पानी पानी के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं और सारे के सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स रैंडम डायरेक्शन में भागे जा रहे हैं एक बाल्टी है उस बाल्टी में पानी है पानी के वो पार्टिकल्स इधर उधर इधर उधर कहीं भी भाग रहे हैं तो आप मुझे बताओ क्या वो वाटर के मॉलिक्यूल्स का एक्चुअली कोई मोशन हो रहा है आंसर इज नो बाल्टी के अंदर ही तो है तो बिल्कुल ऐसे ही बच्चों एक वायर के अंदर अगर हम लोग कोई पोटेंशियल डिफरेंस या भी हम इसको कहें कोई बैटरी नहीं लगाएंगे तो चार्ज पार्टिकल्स रैंडमली मूव करेंगे जिसकी वजह से सर्किट में कोई करंट नहीं मिलेगा इन एब्सेंस ऑफ एनी पोटेंशियल डिफरेंस बेटा पोटेंशियल डिफरेंस मतलब बैटरी अभी कह लो अगले लेक्चर में हम इस वर्ड को सीखेंगे अभी आप बैटरी के लो नेट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द कंटेनर और कंडक्टर मूव्स रैंडमली हेंस कंसिस्ट नो कंडक्टर करंट और नो करंट कोई करंट हमें उस कंडक्टर के अंदर से नहीं मिलेगा यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि जो नेट करंट होगा पूरे वायर में वो जीरो रहेगा यानी एक वायर के अंदर से बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स तो होते हैं लेकिन वो सारे के सारे चार्ज पार्टिकल्स रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में दौड़ रहे होते हैं जिसके वजह से जो टोटल करंट मिलता है वो शून्य मिलता है वो जीरो मिलता है बच्चों ठीक है जी? जी लेकिन जब हम इस वायर के अक्रॉस एक बैटरी यानी कि एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा देंगे अभी देखो भाई पोटेंशियल डिफरेंस अगले लेक्चर का काम है आज का नहीं है मैं लाया हूं लेकिन आज का काम है नहीं ये अगले लेक्चर का काम है ये एच पी का मतलब क्या है हाई पोटेंशियल छोड़ दो एल पी का मतलब क्या है लो पोटेंशियल छोड़ दो लेकिन अभी इस पर ध्यान दो कि अगर मैं इसके ऊपर एक बैटरी लगा दूंगा एक सेल लगा दूंगा तो क्या होगा चलो भाई एक सवाल पूछता हूँ मेरे पास एक पानी की बॉटल है इस पानी की बॉटल को मैंने ऐसे करके टेढ़ा पकड़ा हुआ है इसमें पानी है पानी कहाँ जा रहा है कहीं भी नहीं जा रहा है ठीक है ना ढक्कन जो है वो ऑब्वियस सी बात है या ऐसा कह लो ऐसा कह लो एक बाल्टी है ठीक है एक बाल्टी में पानी है कहीं नहीं जा रहा है लेकिन अगर मैं बाल्टी को टेढ़ा कर दूंगा तो पानी गिरने लग जाएगा कहना ठीक है कि नहीं है या एक या या फिर यहाँ पे मेरे हाथ पे स्टाइलस है अभी ये स्टाइलस कहीं नहीं जा रहा है लेकिन अगर अपना हाथ अगर मैं टेढ़ा कर दूंगा तो ऑब्वियस बात है ये स्टाइलस नीचे गिर जाएगा ऐसे ही होगा ना अगर मैं अगर मैं यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही करूँ कि इलेक्ट्रॉन्स को खींचूं ज़बरदस्ती धक्का मारूं जैसे स्टाइलस है इसको एक तरीका तो ऐसा है नीचे गिरने का कि मैं इसको यहाँ से ऊपर कर दूँ या अपने आप नीचे आ जाए लेकिन एक तरीका ये भी तो है कि मैं यहाँ से इसको धक्का मारूं यहाँ से मैं इसको इस तरफ से मैं इसको पुश करूं तो स्टाइलस इधर चला जाए यहाँ पे अगली क्लास में पढ़ेंगे बैटरी भी सेल भी ऐसा ही कुछ करता है लेकिन अभी इसको इस तरीके से समझते हैं बच्चों कि हमारे पास बै बैटरी का एक टर्मिनल होता है पॉजिटिव और एक टर्मिनल होता है नेगेटिव बैटरी का एक टर्मिनल होता है पॉजिटिव और एक टर्मिनल होता है नेगेटिव अब इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज क्या होता है याद करेंगे नेगेटिव तो नेगेटिव चार्ज सारे के सारे किसकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाते हैं पॉजिटिव की तरफ ये वायर थी इसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली भाग रहे थे कोई मकसद नहीं था इनके पास लेकिन जैसे इनको बैटरी का कौन सा टर्मिनल मिला बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल मिला सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागने लगे अब मुझे बताओ अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर की डायरेक्शन में भागने लगेंगे तो क्या ऐसा कहना ठीक है कि करंट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बनना शुरू हो जाएगा क्योंकि करंट बनता है इलेक्ट्रॉन के बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में तो भाई जब हम बैटरी लगाते हैं बैटरी लगाने से पहले क्या होता है बैटरी लगाने से पहले जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो रैंडमली भाग रहे होते तो कोई करंट नहीं बनता लेकिन बैटरी लगाते ही सारे चार्ज पार्टिकल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाते हैं जिसके कारण वर्ष हमें एक करंट मिलना शुरू हो जाता है और इस केस में जो नेट करंट है वो ज़ीरो नहीं होता कुछ करंट हमें मिलेगा क्योंकि इनको मकसद मिल गया जस्ट लाइक बच्चों आप एक शादी में गए शादी में गए खाने का भी ढक्कन खुले नहीं है बच्चों शादी में हम खाने के लिए तो जाते हैं और किस पे जाते हैं खाने के ढक्कन खुले नहीं है बच्चों हम इधर उधर ऐसे घूमे जा रहे हैं टहले जा रहे हैं सब इधर उधर भाग रहे हैं लेकिन जैसे ही शादी में गए खाने के ढक्कन खुल गए बच्चों आप सब उसकी तरफ भागे शाही पनीर की तरफ भागे बटर पनीर जिसकी तरफ भाग तो हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने लगे अब और एज अ रिजल्ट अब उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर आप जाने लगे तो आप एक कह सकते हो कि सारे के सारे चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स लोग एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं पहले भी फ्लो कर रहे थे कई बच्चे ये समझे ना पहले भी चार्ज पार्टिकल फ्लो कर रहे थे बट रैंडमली हर पॉसिबल डायरेक्शन में जा रहे थे कोई मकसद नहीं था अब उन्हें मकसद मिल गया अब उन्हें शाही पनीर मिल गया पॉजिटिव मिल गया है। सारे के सारे इधर की तरफ भागेंगे बच्चों और एज अ रिजल्ट एक करंट बनना शुरू हो जाएगा अगर अगर यहां पे जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन तो करंट बनेगा उधर की डायरेक्शन में लेकिन सर अभी भी हमें यह समझ में नहीं आया है कि ये जो ये जो आपने वी लगा रखा है ये जो आपने पोटेंशियल डिफरेंस आप बार बार ये वर्ड बोल रहे हो इधर भी बोला आपने इधर भी बोला आपने ये है क्या चीज़ ये ऐसा क्या करती है कि चार्ज पार्टिकल फ्लो होने लग जाते हैं थोड़ा सा ताकि आपको अगली क्लास तक नींद आ जाए एक सिंपल सी भाषा में बात करेंगे कि अगर आपको पानी फ्लो करवाना है हमारे घर में हम पानी को हमेशा पानी की टैंकी में ऊपर रखते हैं अपने घर से अगर आपका घर ग्राउंड फ्लोर पर तो ऑब्वियस सी बात है ग्राउंड फ्लोर से ऊपर होगी ऊंचाई पे होगी क्यों होगी ताकि जब हम नलका खोले तो पानी फ्लो हो जाए अब आप सोचो कि अगर आपकी पानी की टैंकी यहाँ है ये पानी की टैंकी है है ना आपके यहाँ पर और आप यहीं पर एक नलका लगा दो तो पानी फ्लो नहीं होगा या थोड़ा बहुत होगा लेकिन नीचे का पानी ऊपर नहीं आएगा नलका खोलने पर नीचे का पानी ऊपर नहीं आ जाएगा अगर लेकिन अगर मैं टैंकी को ऊंचाई पे लगा दूं और फिर यहाँ पे एक पाइप लगाऊं तो नल का खोलते ही बच्चों पानी बाहर आएगा बैटरी भी कुछ ऐसा ही करती है जैसे पानी ऊपर पहुँचाते हैं हम पानी की मोटर से ऐसे बैटरी भी कुछ ऐसा करेगी सेल भी कुछ ऐसा करेगा और इसको हम लोग नाम देंगे अगली क्लास में बच्चों क्या बिल्कुल सही कह रहे हो पोटेंशियल डिफरेंस या फिर उसको हम नाम देंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो कि अगली क्लास का टॉपिक है आप कह सकते हैं ये दो टॉपिक एक दो एक दो एक दो ये टॉपिक जीवन बदल देने वाला टॉपिक है एक टॉपिक हमने पढ़ा इस चैप्टर में करंट एक टॉपिक हम पढ़ेंगे पोटेंशियल फिर इन दोनों को मिला देंगे और बच्चों ओम्स लॉ पढ़ेंगे इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज मजा बढ़ता रहेगा इस चैप्टर में कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस देखो यहाँ पे आज आपको शुरू के कुछ टाइम दो बड़े बड़े टॉपिक्स पढ़ने हैं एक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और एक है पोटेंशियल डिफरेंस अब पहले वैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसके बाद वैसे पोटेंशियल डिफरेंस है लेकिन हमारा जो फोकस पहले रहेगा वो रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब आओ जरा समझें सबसे पहले बच्चों अगर हम लोग यहाँ पे बात करें सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था कि एक सर्किट में जब एक वायर के अक्रॉस कोई पोटेंशियल कोई बैटरी नहीं लगी होती तो चार्ज पार्टिकल्स रैंडमली घूम रहे होते हैं लेकिन जब उनके अक्रॉस एक बैटरी लग जाती है तो सारे के सारे चार्ज पार्टिकल एक डायरेक्शन में फ्लो होने लग जाते हैं और करंट फॉर्म करते हैं यम हम पढ़ चुके हैं याद होगा या। चलिए आज हम उसी को टॉपिक को थोड़ा सा आगे कॉन्टिन्यू करेंगे और आज हम लोग एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी क्लास में देखेंगे मुझे बच्चे कह रहे थे कि सर एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट हाँ यार एक समय होता है हर क्लास में थोड़ी ना एक्सपेरिमेंट होता है एक टॉपिक आएगा उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट आएगा आज एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है सीरीज पैरोल के ऊपर जाएंगे काफी एक्सपेरिमेंट है हीटिंग इफेक्ट के ऊपर जाएंगे वहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स हैं रुको जरा सब्र करो सब आएगा बच्चों चलिए लेकिन इससे पहले बात करेंगे आज पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पोटेंशियल डिफरेंस को समझने से पहले ये मेरे पास एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग में यहां पे एक पानी की टैंकी लगी हुई है जी कोई दिक्कत नहीं है और मैं चाहता हूं कि यहां से पानी जो है वो ऊपर मैं पहुंचा पाऊं मुझे नीचे से पानी ऊपर टैंकी तक पहुंचाना है ताकि मैं उसको इन फ्यूचर यूज कर सकूं तो मुझे यहां पे आप सब जानते हैं कि एक पानी का पंप जिसको हम पानी की मोटर भी कह देते हैं वो लगाना पड़ेगा जो पानी को यहां से ऊपर ले जाएगा फिर हम यहां से एक पाइप लगा देंगे और यहाँ पे एक नलका यानी कि टैप लगा देंगे नलका खोलेंगे पानी बाहर आ जाएगा ये कर रहे हैं हम लोग अपने घरों में डने जी अब आप मुझे बताओ कि पानी को ऊपर ले जाने में आपको पैसा खर्च करना पड़ता है मेहनत लगती है एनर्जी लगती है या पानी को नीचे लाने में पैसा खर्च करना पड़ता है मेहनत लगती है एनर्जी लगती है हाँ मैंने सुन लिया बच्चों आपके मन की आवाज और आप सबके मन में आंसर चल रहा होगा कि पानी को ऊपर ले जाने के लिए पैसा लगता है एनर्जी लगती है क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ है एक पंप और हमें अगेंस्ट द ग्रेविटी जाने में मेहनत करनी होगी वहीं पे ऊपर से पानी नीचे अपने आप आ जाएगा नलका खोलना कोई मेहनत नहीं होती है वो तो बस एक ऑब्स्टेकल को हटा रहे नलका खोलते ही बच्चों पानी अपने आप नीचे आएगा कोई बिजली नहीं खर्च करनी कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं खर्च करनी पानी अपने आप नीचे आएगा बच्चों इसका मतलब क्या है सर ये तो हमने नाइन्थ में पढ़ रखा है ये जो जगह है वो है हाई पोटेंशियल अगर आपको याद हो तो नाइन्थ क्लास तो ऊपर की जगह है हाई पोटेंशियल और नीचे की जगह है लो पोटेंशियल एंड पानी ट्रेवल कर गया फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल अपने आप ऊपर से नीचे आ गया अपने आप लेकिन नीचे से ऊपर अपने आप नहीं जा सकता आपको लेके जाना पड़ेगा ये और नो ठीक है लेकिन आप ये भी ध्यान रखें कि जितना मेहनत आप पानी को नीचे से ऊपर ले जाने में करेंगे उतनी ही एनर्जी से पानी नीचे भी आएगा इसका मतलब यह है कि अगर यहां पे एक बिल्डिंग है जिसमें मान लो एक दो तीन चार फ्लोर है ऐसे बच्चों एक और छोटी बिल्डिंग है जिसमें सिर्फ तीन फ्लोर्स से मान लेते हैं और यहाँ पे बच्चों हमने पंप लगाया पानी को ऊपर ले गए अब आप मुझे बताओ दोनों में से कौन से केस में पहली बात तो हमें मोटर ताकतवर लगानी होगी पंप ताकतवर लगाना होगा ये पंप ए है और ये हमारे पास पंप बी है तो पंप ए ज़्यादा ताकतवर होना चाहिए पानी के मोटर ए वाले ज़्यादा ताकतवर होने चाहिए उसकी ताकत ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि उसको ऊँचाई पर पानी लेके जाना है अच्छा क्लियर ओके okay. अब मुझे बताओ कौन से वाले बिल्डिंग में बिल्डिंग ए या बिल्डिंग बी में से कौन से केस में नलका खोलने पर पानी ज्यादा तेजी से नीचे आएगा वेरी गुड बच्चों मैंने सुन लिया है और आंसर है बिल्डिंग ए क्योंकि बिल्डिंग ए में पानी ऊंचाई पे इसका मतलब बिल्डिंग ए में अगर आपको ज्यादा ताकतवर पंप लगाना पड़ा पानी को ऊपर ले जाने के लिए तो बिल्डिंग ए में ही पानी ज्यादा ताकत से नीचे भी आएगा ना बच्चों इसका मतलब क्या हुआ ठीक है आप कह लो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉइड किसी भी तरीके से समझ लो लेकिन अगर हमने ज़्यादा एनर्जी ज़्यादा वर्क किया है पानी को ऊपर ले जाने के लिए तो ज़्यादा ताकत से पानी नीचे भी आएगा वहीं पर अगर हमने कम वर्क किया है पानी को ऊपर ले जाने के लिए तो वो कम ताकत से नीचे भी आएगा यानी पानी को ऊपर ले जाने में मेहनत में करनी है नीचे ले जाने में नहीं बिल्कुल ऐसा ही बच्चों चार्ज के साथ भी होगा बिल्कुल ऐसा चार्ज के साथ होगा और वो काम यहाँ पे जैसे पानी के पंप कर रहा है वहीं पे वो काम सेलिया बैटरी करती आई थी आज तक लेकिन सेलिया बैटरी तो डिवाइस का नाम है उस कंसेप्ट का नाम आज हम पढ़ने वाले हैं विच इज पोटेंशियल डिफरेंस इसको भी समझेंगे बच्चों आओ सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे एक सर्किट ले लेते हैं ये हमारे पास अगेन एक वायर है एक सेकेंड हम्म ये हमारे पास एक वायर है और इस वायर के थ्रू मैं करंट फ्लो करवाना चाहता हूं तो मैंने यहां पे मान लो बैटरी का पॉजिटिव और यहां पे मान लो बैटरी का नेगेटिव लगा दिया अब हम सब जानते हैं कि भाई चार्ज अगर इलेक्ट्रॉन्स को कंसीडर करें तो दैट विल फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टू तो पॉजिटिव अब आप मुझे बताओ क्या चार्ज नेगेटिव से पॉजिटिव अपने आप फ्लो हो जाएंगे तो आंसर इज यस बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होते हैं टूवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल या कह लो टूवर्ड्स हायर पोटेंशियल पॉजिटिव को हम हायर पोटेंशियल कहते हैं नेगेटिव को हम लोअर पोटेंशियल कहते हैं वो सब छोड़ के अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स विल मूव फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल लेकिन उसके बाद क्या इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से गए पॉजिटिव पे आ गए उसके बाद क्या भाई सर्किट कंप्लीट कब माना जाएगा कब हम कहेंगे सर्किट कंप्लीट हो गया जब नेगेटिव से वहां पे क्या जाएंगे वो पॉजिटिव और पॉजिटिव से वापस उनको नेगेटिव भी तो आना होगा यार अगर पानी की टैंकी में ऊपर से पानी नीचे आता रहा जो कि अपने आप आ रहा है आता रहा आता रहा तो एक लेवल तो टैंकी खत्म हो जाएगी रिलेट कर लो एक लेवल पे पानी की टैंकी खत्म हो जाएगी फिर आप पानी कहां से लाओगे ऐसे ही अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव करते जाते गए तो इन सारे एटम्स में तो इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो जाएंगे ये वायर है ना कॉपर है ना उसमें आटम तो भाई इलेक्ट्रॉन को वापस भी तो जाना पड़ेगा पानी के टैंकी में पानी वापस भी तो भरना पड़ेगा तभी तो बार बार इस्तेमाल कर पाओगे बच्चों तो एज अ रिजल्ट एज अ रिजल्ट यहां से इलेक्ट्रॉन यहां तो अपने आप चला जाएगा यानी नेगेटिव से पॉजिटिव तो अपने आप चला जाएगा लेकिन इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव से नेगेटिव ले जाना हमें ज़बरदस्ती पड़ेगा धक्का मारना पड़ेगा क्यों इलेक्ट्रॉन जिसपे नेगेटिव चार्ज है जैसे ही वो पॉजिटिव पे आया अब वो नेगेटिव पे क्यों जाना चाहेगा नेगेटिव तो नेगेटिव को रिपेल करता है ऐसा कह लो समझ लो तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं जाना चाहेगा तो ज़बरदस्ती हमें उसे उठा के नेगेटिव पे छोड़ना होगा जैसे हमने जबरदस्ती पानी को नीचे से उठा के टैंकी में फेंका था फिर उसके बाद क्या हुआ था अपने आप पानी नीचे आ गया था ऐसे बच्चों चार्ज पार्टिकल्स के साथ भी जबरदस्ती करनी पड़ती है इस एंगल से समझोगे बच्चों तो नहीं भूलोगे मैं सीधा इसका फॉर्मूला लिखवा के हम कंसेप्ट भी शुरू कर सकते थे बच्चे कह रहे हैं वन शॉट भी मैंने दो चार कमेंट पढ़े थे वन शॉट करा दो वन शॉट करा दो वन शॉट तो मिल ही जाएंगे बहुत सारे यार कंसेप्ट स्ट्रोंग करो ना हर टीचर कोशिश कर रहा है लर्न एंड पे कि सबसे डिफिकल्ट चैप्टर को पहले उठाए ताकि वो क्लियर हो छोटे मोटे आर ये वो तो हम कर ही लेंगे यार वो हम वन शॉट में कर लेंगे उनमें क्या है लेकिन यहाँ पे वन शॉट कैसे ये बेटा अगर वन शॉट पे करोगे तो हेड शॉट पड़ेगा <laughs> अगर ये वन शॉट पे करोगे ना चैप्टर ये हेड पड़ेगा आपको चलो बच्चों सुनो हेड शायद कुछ बच्चे ना समझते हो कोई बात नहीं अब ऐसा नहीं कि आप इसको जाके गूगल कर रहे हो हाँ भैया तो नेगेटिव हमारे पास गया और इलेक्ट्रॉन कहाँ गया पॉजिटिव पे अपने आप आएगा यस और नो तो आंसर इज यस लेकिन अगर हमें इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव से कहा लेके जाना है नेगेटिव पे तो एक्स्ट्रा वर्क करना होगा ये जो हम पढ़ाई कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन की भाषा में है ना ये हम पढ़ाई करंट की भाषा में यानी कि पॉजिटिव चार्ज की, की भाषा में भी कर सकते हैं सारी पढ़ाई उल्टी हो जाएगी क्योंकि पॉजिटिव चार्ज उल्टी डायरेक्शन में जाता है अब यहाँ से पॉजिटिव जा रहा है और अपने आप चला जाएगा नेगेटिव में जो कि जाता नहीं है लेकिन मान लो चला जाएगा नेगेटिव में अब क्या होगा अब ये होगा कि भैया नेगेटिव पे जैसे ही आएगा उसके बाद वो रुक जाएगा हमें उसको धक्का मार के कहाँ लेके जाना होगा पॉजिटिव पे यानी जैसे पानी के टैंकी से पानी अपने आप ऊपर से नीचे आ जाता है बच्चों लेकिन हमें उसको नीचे से ऊपर लेके जाना पड़ता है बिल्कुल ऐसे ही हम यहाँ पे एक ऐसा डिवाइस लगाएंगे जिसको हम बैटरी या सेल बोलते हैं जो चार्ज पार्ट जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इलेक्ट्रॉन्स को वो नेगेटिव से पॉजिटिव तो अपने आप चला जाएगा लेकिन उनको पॉजिटिव से अगर हमें कहाँ लेके कर जाना नेगेटिव तो वर्क करना होगा और इसी वर्क को पर यूनिट चार्ज को आज हम एक नाम देने वाले हैं विच इज़ पोटेंशियल डिफरेंस आओ बच्चों इसको नाम देते हैं तो क्या है पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस है वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम अ गिवन पॉइंट अनदर पर यूनिट चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस या इसको प्यार से बच्चों हम सिर्फ पोटेंशियल भी कह देते हैं यानी कि इसको समझेंगे बच्चों यानी कि अगर हमारे पास एक चार्ज को हम एक पॉइंट ए से एक पॉइंट बी क्योंकि पता नहीं ना कहा कोई भी एक पॉइंट से कोई भी एक पॉइंट बी तक लेके जा रहे हैं। तो कितना वर्क हमें करना होगा तो अगर मैं मैथामेटिकली बोलूं बच्चों तो मैथमेटिकली पोटेंशियल डिफरेंस हो गया कितना वर्क मैंने किया पर यूनिट चार्ज कितना वर्क मैंने किया पर यूनिट चार्ज एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए इसे कहा जाता है पोटेंशियल डिफरेंस दिस इज़ नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस एक सर्किट में मैंने एक चार्ज को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे ले गया ये मेरे पास एक सर्किट है ये हमारे पास पॉजिटिव है यहाँ पास नेगेटिव है तो मैं अगर अगर मैं चार्ज को यहाँ से उठा के यहाँ लेके जाता हूँ तो भी कुछ वर्क होगा यहाँ से यहाँ लाता हूँ तो भी वर्क होगा इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट पे लेके जाता हूँ ए से बी लेके जाता हूँ तो भी वर्क होगा बी से ए लेके कर तो भी वर्क होगा अब आप सोच रहे हो कि सर एक तरफ तो अपने आप जाएगा हाँ तो हमने नाइन्थ में पढ़ा है जब अपने आप कोई चीज़ चल रही हो तो वर्क डन नेगेटिव हो जाता है हम कर रहे हो तो पॉजिटिव हो जाता है चलो ज़्यादा कन्फ्यूज़ मत हो हमने ये तो समझ लिया कि पोटेंशियल डिफरेंस का काम क्या है चार्ज को उठाना उस जगह से उस जगह जहाँ पे वो अपने आप नहीं जाता है अगेंस्ट दी फोर्सेज उठाना जैसे कि पानी का पंप पानी को नीचे से ऊपर ले जाता है छोड़ते ही पानी वापस नीचे आ जाएगा बिल्कुल ऐसा ही पोटेंशियल डिफरेंस के साथ होगा चार्ज को ये पॉजिटिव से कहाँ ले गया नेगेटिव छोड़ते ही अपने आप नेगेटिव से कहाँ आ जाएगा पॉजिटिव और सर्किट में हमें क्या मिलने लग जाएगी बच्चों बिजली मिलने लग जाएगी इलेक्ट्रिसिटी मिलने लग जाएगी तो अल्टीमेटली वी आर सिंग कि पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट कितना वर्क हम कर रहे हैं एक चार्ज को एक कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का जो सिंबल रहता है वो रहता है वी वर्क डन के लिए सिंबल रहता है डब्ल्यू और चार्ज के लिए सिंबल रहता है बच्चों क्यू तो हमारे पास पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया वर्क डन अपॉन में चार्ज सिंपल है अब इस हिसाब से अगर बात करें तो वर्क डन की जो एस आई यूनिट यानी कि स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो जूल्स होती है चार्ज की कूलम होती है तो इस हिसाब से तो यूनिट आ गई जूल पर कूलम एक और आएगी ना लेकिन इस हिसाब से यूनिट आ गई जूल पर कूलम अगेन एक लाइन में समझें एक चार्ज को एक कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा पर यूनिट चार्ज इसे हम बोलेंगे बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस या सिंपली हम इसे क्या भी बोल सकते हैं पोटेंशियल भी बोल सकते हैं अच्छा चलो ठीक है ये तो हुआ हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस तो सर फिर ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है क्या इनमें कुछ फ़र्क है दोनों में आंसर है हाँ छोटा सा फ़र्क है पोटेंशियल डिफरेंस में क्या हमने पढ़ा पोटेंशियल डिफरेंस में पढ़ा कि चार्ज जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएगा दोनों पॉइंट हमारे लिए नोन पॉइंट्स होंगे इसका मतलब चार्ज को हम इस ए पॉइंट से उठाएंगे और इस बी पॉइंट पर ले जाएंगे इस ए पॉइंट पे उठाएंगे इस बी पे ले जाएंगे इस ए पॉइंट से उठाएंगे इस बी पे ले जाएंगे हमारे लिए दोनों पॉइंट्स जो होंगे वो नोन पॉइंट्स होंगे यानी दोनों पॉइंट्स हमें पता होंगे कि वो कहाँ से चार्ज को उठा के कहाँ लेके जा रहे हैं लेकिन जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की लेकिन बच्चों जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तो हमें ये नहीं पता होता कि चार्ज कहां से आ रहा है फॉर एन एग्जाम्पल अगर आपने एक बैटरी ली अगर मान लेते हैं आपने एक क्या ली बच्चों बैटरी आपके पास एक बैटरी है ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है यहां पे आपने एक बल्ब लगा दिया और बल्ब जगमगा गया ठीक है तो चार्ज कहां से कहां जा रहा है अगर हम मान के चले पॉजिटिव है तो ठीक है वो यहां से निकल के यहां जा रहा है अगर हम मान लें नेगेटिव है तो वो यहां से यहां जा रहा है लेकिन हमें पता है ना कि चार्ज कहां से कहां जा रहा है हमें ये पता है कि चार्ज कहां से उठ के कहां जा रहा है दोनों पॉइंट्स पता है या लेटर सपोज मैं बोलूं यार कि इस बल्ब के अक्रॉस कितना वर्क डन हो रहा है पर यूनिट चार्ज इस बल्ब के अक्रॉस अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तो हम यहां से यहां तक का वर्क डन वगैरह निकालेंगे चार्ज निकालेंगे वो भी हम देख लेंगे इस फॉर्मूले से कैसे सॉल्व करना है लेकिन ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने का हम काम कर लेंगे या बी से ए जाने का काम कर लेंगे लेकिन दोनों पॉइंट्स हमारे लिए नोन पॉइंट्स होंगे यस और नो

तो हम कितना वर्क कर रहे हैं पर यूनिट चार्ज इसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे सर इन्फानाइट मतलब क्या होता है इन्फानाइट मतलब तो आपको पता है लेकिन सर यहां पे इंफानाइट का मतलब क्या है बैटरी में हमें पता होता है कि चार्ज इस पॉइंट से उठ रहा है दूसरे पॉइंट पर जा रहा है येस और नो यस अगेन अगला सवाल आपके घर में आप अभी जिस भी कमरे में बैठे हुए हो आई होप आप किसी कमरे में हो आप वहां जहाँ पे भी बैठे हुए हो आप अपने आसपास कोई भी एक सॉकेट देखो जहां पे आप चीज़ें लगा सकते हो चार्जर लगा सकते हो कुछ भी लगा सकते हो ठीक है देखो और मुझे देख के मन में बताओ मैं सुन लूँगा आपकी आवाज़ बच्चों मन में बताओ कि वो चार्ज आ कहाँ से रहा है वो जो चार्ज है जैसे कि आपके घर में ये स्विच बोर्ड होगा यहाँ पे आप ऐसे करके वो लगा सकते हो है ना है ना है ना अब मैं पूछ रहा हूँ आपको सबको पता है आप इसे ऑन करोगे तो चार्ज यहाँ आएगा आपके चार्जर में पहुँचेगा चार्जर आपके फ़ोन को चार्ज कर देगा लेकिन यहाँ पे चार्ज कहाँ से आ रहा है तो कई बच्चे अपने मन में सोच रहे होंगे कि ये तो भैया पास के किसी पावर स्टेशन से आ रहा है कई बच्चे सोच रहे होंगे ये इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन टावर से आ रहा है कई बच्चे कह रहे होंगे पास के ट्रांसफार्मर से आ रहा है लेकिन बेटा ट्रांसफार्मर में भी कहीं से आता है डिस्ट्रीब्यूशन टावर पे भी कहीं से आता है एक्चुअली ये तो वहाँ से आ रहा है जहाँ पे इसको हम प्रोड्यूस कर रहे हैं हम लोग अगला चैप्टर जो हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट है वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे चार्ज कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी को बनाते हैं लेकिन भाई मान लो बिजली गुजरात में बन रही है मान लो बिजली राजस्थान में बन रही है मान लो बिजली दिल्ली में बन रही है कहीं तो बिजली बन रही होगी ना लेकिन हमें तो नहीं पता ना कि बिजली कहाँ बन रही है इनिशियल पॉइंट क्या है जहां से ये चार्ज लाए गए हैं हमें नहीं पता है इस बारे में और जब हमें नहीं पता होता कि इनिशियल चार्ज कहां से आ रहे हैं तो हम उसे क्या मान लेते हैं इंफानाइट और बच्चों अगर मान लो आप पता लगा भी लो आप मान लो आप पता लगा भी लो आपके चाचा विधायक हो बेटा अगर मान लो आप पता लगा भी लो कि भाई बिजली कहां से आ रही है तो भाई इन दैट केस तब भी जैसे कि एक सर्किट में पॉजिटिव से नेगेटिव इतना छोटा डिस्टेंस है मान लो आपने पता लगा लिया कि हमारे घर में आप रहते हो मान लो दिल्ली में तो मान लेते हैं आपने पता लगा लिया कि हमारे घर में बिजली राजस्थान से आ रही है आप मुझे बताओ दिल्ली और राजस्थान का जो तो बीच का डिस्टेंस है वो हजारों किलोमीटर है होगा शायद पता नहीं चलो हजार नहीं होगा कुछ तो होगा पाँच सौ छः सौ सात सौ आठ सौ हजार कुछ तो होगा मुझे नहीं पता यार जोग्राफी मत घुसा यार ज्योग्राफी के लिए उज्ज्वला मैडम है उनसे बात करना आप उनसे सवाल पूछना कि मजाक कर रहा हूँ सुनो बच्चों मैं कह रहा हूँ दिल्ली और राजस्थान के बीच में कुछ तो गैप होगा ना लेट अस सपोज थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं प्लीज घुसना मत कमेंट सेक्शन में बेचते मत करना बच्चों मेरी थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये हजार किलोमीटर है अब हजार किलोमीटर का जो ये डिस्टेंस है एक सर्किट की वायर कितनी होती है दो मीटर तीन मीटर चार मीटर उसके मुकाबले तो हजार इन्फानाइट होता है भाई आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा होगा टर्म वन में चैप्टर का नाम था लाइट वहां पे हम लोग अपने घर के बाहर की पेड़ को अपने घर के बाहर में जो पेड़ लगा हुआ है उसको इन्फानाइट मान लेते थे पता होगा हम एक लेंस लेते थे अपने घर के बाहर लगा हुआ पेड़ उसको इन्फानाइट मान लेते थे बेटा तो ये तो हजार किलोमीटर है तो अगर हमने ओरिजिनेशन पता लगा भी लिया कि चार्ज कहां से आ रहा है तो भी यार वो इतनी दूर से आ रहा है कि वो इन्फानाइट है इसका मतलब जो पीछे हमने पढ़ा सॉरी यहां जो हमने पढ़ा वहां हमने पढ़ा कि चार्ज अगर एक छोटे पॉइंट से एक छोटे पॉइंट पे आ रहा है ठा ठा एक सर्किट में आ रहा है ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा हमारे हाथ की दूरी पे है या हमारे घर की दूरी पे है एक पॉइंट यहां एक पॉइंट यहां है उस केस में हम लोग वर्ड यूज करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस लेकिन अगर एक चार्ज पार्टिकल आ रहा है इन्फानाइट से तो उस केस में बच्चों हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑल दोनों का फॉर्मूला सेम है यार डेफिनेशन देखो ना वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फानाइट टू अ पर्टिकुलर पॉइंट पर यूनिट चार्ज तो दोनों का फॉर्मूला सेम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बच्चों सेम है विच इज वर्क डन अपॉन चार्ज क्योंकि भैया फॉर्मूले में डिस्टेंस का तो कोई लेना देना ही नहीं है अच्छा अब जैसे कि हम पोटेंशियल डिफरेंस को वी से दिखाते थे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी वी से ही दिखाएंगे क्योंकि बच्चों हैं ये दोनों सेम बस फ़र्क क्या है मैंने आपको बता दिया टेंथ क्लास में जब तक आप दसवीं कक्षा में हो इन दोनों को आप सेम ही मान के चलो बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि इन दोनों में डिफरेंस पढ़ाया भी नहीं जाता है इन दोनों में डिफरेंस पढ़ाया भी नहीं जाता है लेकिन बच्चों पढ़ना बहुत हम मतलब ट्वेल्थ में तो पढ़ाते हैं लेकिन हमें टेंथ में ही पढ़ना है हमें टेंथ में ही पता होना चाहिए कि इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है चलिए बच्चों अब हम अगर इसके फॉर्मूले पे जाए तो वर्क डर पॉइंट चार्ज है सिम्बॉलिक फॉर्म में जाए तो वी इज इक्व टू डब्ल्यू बाय क्यू हो गया और अगेन इसके अगर हम एस आई यूनिट पर जाए जो कि बच्चों वाली बात होगी तो भैया एस आई यूनिट वर्क की हो गई जूल और चार्ज की हो गई कूलम तो हो गई इसकी भी अगेन जूल पर कूलम इसकी भी एस SI आई यूनिट होगी बच्चों जूल पर कूलम ओके कोई दिक्कत बढ़िया ठीक है यानी ये दोनों ये दोनों आज की क्लास में हमारे लिए आज के बाद सेम ही रहेंगे बस अभी हमने जितने भी देर की क्लास करी हमारी हो गई होगी अभी आ, 23 मिनट्स तो इस 23 मिनट्स की क्लास में हमने जो भी पढ़ा वो बस 23 मिनट्स की क्लास में इसको यहीं पे आप छोड़ दें आगे की जो भी क्लास हम पढ़ेंगे वहां पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस को एक ही मान के चलेंगे बट इनमें एक फर्क है एक में चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आ रहा है और एक में चार्ज इंफानाइट से आ रहा है ज्यादा नहीं खींचेंगे इसको डर है जी अच्छा अब अगर हम लोग यहां पे बस एक नोट का पॉइंट आखिरी बना दें नोट का पॉइंट आखिरी बना दें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस आर ऑल्सो नोन एज वोल्टेज इसको हम लोग वोल्टेज भी कह देते हैं मतलब कहीं पर अगर वोल्टेज लिखा हुआ है तो आप समझें कि वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस ही है कोई भी एक है ज्यादा फर्क इनमें नहीं है ठीक है क्या मेन फर्क आएगा वैल्यू वाइज न्यूमेरिकल वाइज वो हम लोग पढ़ लेंगे जब हम लोग बड़े हो जाएंगे अभी के लिए मेरे हिसाब से ये भी ज्यादा ही है इतना बहुत है डन है जी चलिए अब हम बात करते हैं एस आई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में एस आई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अब आप कहोगे पीछे क्या पढ़ाया आपने हाँ ये भी है बट अगर हम बात करें तो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों के लिए काम कर रहे हैं हम फॉर्मुला हमने पढ़ लिया है वर्क डन अपॉन में चार्ज अब यहाँ से हमने सीखा कि वर्कडन तो है जूल और चार्ज है कूलम उस हिसाब से तो जूल पर कूलम आ गया लेकिन इसके बच्चों एक एस आई यूनिट और है जो कि आप सभी जानते होंगे और वो है वोल्ट जिसको हम लोग कैपिटल वी से रिप्रेजेंट करते हैं यानी इन इसका सिंबल भी वी है और इसकी एस आई यूनिट का सिंबल भी वी है अक्सर क्या होता है देखो करंट का सिंबल क्या था बच्चों आए लेकिन उसकी यूनिट का सिंबल क्या था एम्पियर के लिए ए अब जैसे वर्क डन है उसका सिंबल क्या होता है डब्ल्यू लेकिन उसकी एस आई यूनिट क्या होती है जूल ऐसे ही चार्ज के लिए सिंबल क्या होता है बच्चों क्यू लेकिन उसकी एस आई यूनिट क्या होती है कूलम लेकिन पोटेंशियल के लिए सिंबल क्या है वी लेकिन उसकी यूनिट का सिंबल भी क्या है वी इसलिए कंफ्यूज मत हो जाना ठीक है बच्चों इसलिए घबरा मत जाना ओके बच्चों तो ये हमारे पास काम है चलिए यानी कि हमारे इसकी एस आई यूनिट है वोल्ट जो कि वी से रिप्रेजेंट करती है और बच्चों इसी के साथ हमारे पास हमारे स्टड नंबर थ्री बहुत ही कूल cool अंकल का फैशन सेंस है और स्टड नंबर थ्री जिनका नाम है एलेजेंड्रो वोल्टा जिनका नाम है एलेजेंड्रो वोल्टा एलेजेंड्रो वोल्टा जी ने हमें बिजली के बारे में इलेक्ट्रो डायनेमिक्स के बारे में बहुत कुछ दिया आप बड़े होकर जानेंगे तो उनको ऑनर देने के लिए उनको इज्जत देने के लिए उनको रिस्पेक्ट देने के लिए हम लोगों ने एस आई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि वोल्टेज के ऐसा SI यूनिट को हमने इनके नाम पर रखा वोल्ट अच्छा भाई तो क्या ऐसा कह दें कि वन वोल्ट का मतलब क्या होगा तो वन वोल्ट होगा वेन वन जूल ऑफ वर्क ज डन इन मूविंग वन कुलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर अगर मैं यहां पे ऐसे लिख दू फ्रॉम इंफा नाइट टू अ पॉइंट तो भी चलेगा फिर वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा यानी एक वोल्ट कब आएगा जब मैं एक कुलम चार्ज को एक जूल की ताकत से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाता हूँ अगेन आई रिपीट अगर मैं एक कुलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए एक जूल का वर्क कर रहा हूँ तो कितना पोटेंशियल एक्चुअली मैं क्रिएट कर रहा हूँ वन वोल्ट ऐसे कह लो ऐसे कह लो वन वोल्ट का जो पोटेंशियल है वो क्या करता है वो एक कोलम के चार्ज को एक जूल से धक्का मारता है ऐसे भी समझ सकते हैं एक कुलम के चार्ज को एक जूल से धक्का मारता है अब बच्चों जैसा कि आपको पता हो हमारे घरों में 220 वोल्ट का करंट लगभग आता है लगभग ऊपर नीचे होता रहता है 230 240 लेकिन 220 आता है 220 का मतलब क्या हुआ 220 का मतलब यह हुआ कि हमारे घर में हर एक कुलम चार्ज को हमारे घर में हर एक कूलम चार्ज को 220 जूल से धक्का मारा जाता है सोचो चार्ज एक फुटबॉल है तो यह एक लात है किक तो भाई एक वोल्ट पे हमने एक जूल से किक मारी तो 220 वोल्ट अगर हम दे रहे हैं तो उसी फुटबॉल को क्योंकि एक कूलम के रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं कितने जूल से लात मारी 220 जूल से मारी है ना अभी हम ओम मुसलो पढ़ेंगे जितनी तेज लात मारोगे इतनी तेज फुटबॉल जाएगी पढ़ेंगे पढ़ेंगे रुको जरा सब्र करो बच्चों। लेकिन 220 वोल्ट का मतलब है कि मैं अगर उसको एक कूलम चार्ज दे रहा हूं तो वो उसको 220 जूल से धक्का मार रहा है 220 जूल का वर्क उस पर कर रहा है 220 जूल से धक्का मार रहा है पुश कर रहा है कि चार्ज भाई साहब यहां से भागो आप ओके बच्चों ऐसे ही आप लोगों ने सुना होगा भाई कई जगहों पे लिखा होता है 440 वोल्ट बच्चों ध्यान से सुनिएगा एक अंकल हैं जिनका नाम है सलमान खान जी और वो एक आंटी जी को जो कि धर्म पत्नी जी हैं विराट कोहली जी की उनको एक गाने में वर्णन करते हुए कह बहुत ज्यादा हिंदी होगी वर्णन करते हुए कहते हैं कि लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे बट वो विराट कोहली जी की धर्म पत्नी जी को कह रहे हैं लगे 440 वर्ल्ड छूने से तेरे तो वो एक्चुअली सलमान खान जी विराट कोहली जी की धर्म पत्नी से क्या कहना चाह रहे हैं तो वो विराट कोहली जी की धर्म पत्नी से कहना चाह रहे हैं कि जब मैं तुझे छूता हूं तो मेरे शरीर में हर एक कूलम चार्ज को दो सॉरी चार जूल का धक्का लगता है तो सलमान खान जी विराट कोहली जी की धर्मपत्नी उनका नाम बोल गया अनुष्का अनुष्का जी अनुष्का जी, जी ओके विराट कोहली जी की धर्म पत्नी जी को कह रहे हैं कि जब भी मैं आपको छूता हूं तो आपके शरीर से 440 जूल का धक्का लगता है हर एक बच्चों साइंस हर जगह है आप आप वहां पे भी साइंस समझ सकते थे देखो कोई बात नहीं चलो मैंने आपको साइंस का एंगल दे दिया तो आज के बाद जब भी आप गाना सुने लगे चार चालीस वोल्ट छूने से तेर... सॉरी फॉर माई वॉइस तो बच्चों अगर आज के बाद आप कभी भी ये गाना सुने तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि वो वहां पर क्या वर्णन क्या एक्सप्लेनेशन देना चाह रहे हैं टू मच हो गया ये तो बच्चों लेकिन अगर कहीं पे लिखा हो मान लो बच्चों वन थाउजेंड वोल्ट एक हजार वोल्ट उसका मतलब क्या है उसका मतलब ये है कि भैया एक हजार जूल काम किया जा रहा है हर एक कूलम चार्ज को ले जाने के लिए समझ रहे हो तो बेटा इस तरीके से ये चीजें जो हैं वो चलने वाली हैं ठीक है जी ओके okay. तो वन वोल्ट इसका मतलब हो गया कि वन वोल्ट इज इक्वस टू वन जूल ऑफ वर्क इन एवरी फॉर एवरी कूलम ऑफ चार्ज पार्टिकल डन ठीक है ज्यादा नहीं खींचते हो गया डन ठीक है जी तो ये हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस और हमारी पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट भी आ गई है डन है जी अब आगे बात करते हैं वन वोल्ट यहां पे आ गया है सॉरी मैंने पीछे दोबारा लिख दिया है कोई बात नहीं इसको तो हम कर चुके हैं इसको डन कर देते हैं जी ठीक है आगे बढ़ते हैं सीधा अब आता है बात वोल्ट मीटर की अब वोल्ट मीटर क्या होता है याद होगा एमटर एमीटर यानी एम्पियर मीटर एमीटर यानी कि एम्पियर मीटर का काम क्या था इसका काम था एक सर्किट के अंदर यह कैलकुलेट करना कि कितना करंट दौड़ रहा है बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास आता है वोल्ट मीटर तो क्या होता है भाई वोल्ट मीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस ऑब्वियसली बात है पोटेंशियल डिफरेंस ही नापेगा क्योंकि ये दो पॉइंट्स के बीच में कनेक्ट होता है अगेन ये दिखने में अब जैसा होता है बट ये वोल्ट मीटर है आप यहाँ पे अलग अलग टर्मिनल्स देख रहे हो अभी हम इस पर नहीं जाएंगे अभी हम बहुत छोटे हैं बट बहुत सिंपल सी बात है एक यहाँ पे ब्लैक है जिसको हम लोग पॉजिटिव बोलेंगे और इनमें से कोई भी एक रेड से कनेक्ट कर देंगे छोड़ दो बाकी एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है रेड वाला पॉजिटिव होता है ब्लैक वाला नेगेटिव होता है और इसको जोड़ देते हैं इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा बना देते हैं हम यहां पे वी पॉजिटिव और नेगेटिव आ गया ये पॉजिटिव एंड है यानी कि लाल वाला ये नेगेटिव एंड है यानी कि ब्लैक वाला अब ये एक ऐसा डिवाइस है जो क्या नापता है वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जैसे इसके अंदर से करंट जाएगा ये पोटेंशियल डिफरेंस नापेगा अच्छा ये पोटेंशियल डिफरेंस कैसे नापता है ये अगेन हम लोग पढ़ेंगे ट्वेल्थ क्लास में बट सवाल यह होता है कि इसे हम कैसे कनेक्ट करते हैं तो अगेन वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरल कॉम्बिनेशन इन अ सर्किट एक सर्किट में बच्चों जो वोल्ट मीटर है वो हमेशा पैरल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया जाता है एमीटर याद हो अगर आपको तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया गया था लेकिन वहीं पे वोल्ट मीटर जो है ये पैरल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट होता है क्यों आओ समझे अगेन बिकॉज इन पैरल कॉम्बिनेशन बिकॉज इन पैरल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल इज सेम बेटा हमने वहां पे पढ़ा था कि अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करेंगे तो करंट डिवाइड नहीं होगा सारा का सारा करंट उस एमीटर से उतना ही जाएगा जितना सर्किट में है जिसकी वजह से हमें रीडिंग सही मिलती थी नहीं, नहीं तो पैरल में करंट डिवाइड हो रहा था और रीडिंग वो गलत दे रहा था यहां पे क्या हो रहा है बच्चों वोल्ट मीटर को हम पैरलर में क्यों कनेक्ट कर रहे हैं सीरीज में क्यों नहीं मान लेते हैं ये हमारे पास एक बल्ब है और ये बीच में ये ए पॉइंट और इस बी पॉइंट के बीच में क्या निकालना चाहता हूं पोटेंशियल डिफरेंस अब आप सोचो अगर मुझे इन दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो मुझे इन्हीं दोनों पॉइंट्स अक्रॉस लगाना होगा। अगर मैं ए और बी पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहता हूं तो मुझे इसी के अक्रॉस लगाना होगा क्योंकि सोचो कि अगर ये मेरे पास एक बल्ब है और मैंने ये इस ए पॉइंट और इस बी पॉइंट के अक्रॉस अगर पोटेंशियल निकालना है और मैंने अगर वोल्ट मीटर मान लो थोड़ी देर के लिए यहाँ लगा दिया तो क्या होगा ये वोल्ट मीटर इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस नाप देगा यहां से चार्ज जाएगा इसके अंदर जाएगा ये तो कह देगा ये तो इस पॉइंट और इस पॉइंट का है लेकिन हमें तो इस ए पॉइंट और इस बी पॉइंट यानी बल्ब के अक्रॉस निकालना था तो आपने बल्ब के अक्रॉस तो निकाला ही नहीं तो बल्ब के अक्रॉस निकालने के लिए वी हैव टू कनेक्ट द वोल्ट मीटर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन विद द बल्ब ऐसा कहो बहुत सारे तरीके हैं समझने के कि, कि पैरल में वोल्टेज सेम रहती है क्यों क्योंकि बेटा पैरल में अगर एक चार्ज पार्टिकल अगर मान लो एक चार्ज पार्टिकल यहाँ से आया और यहाँ गया या फिर यहाँ से आया और यहाँ गया चाहे वो बल्ब के अक्रॉस गया चाहे वो वोल्ट मीटर के अक्रॉस गया दोनों ही केसेस में उसका वर्क डन सेम रहेगा बिकॉज वर्क डन डिपेंड्स ऑन डिस्प्लेसमेंट दैट मीन्स फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट एंड फॉर बल्ब एंड फॉर वोल्ट मीटर दोनों के लिए स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट सेम है तो वर्क डन सेम है बहुत तरीके आगे जाके हम ये भी सीखेंगे कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस जो होता है वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है जब हम उसे कनेक्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा हाई होता है अब ऐसा क्यों होता है वो अभी हम नहीं समझ सकते बट वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है और उसी कारण की वजह से इसको हम कहाँ पे भी लगाते हैं पैरेलल में अभी आप रेजिस्टेंस वर्ड नहीं समझते हो अभी आप ये नहीं समझते हो कि भैया हाई होने से सीरीज़ में क्यों नहीं लगाना तो इसीलिए ये टर्म मैं भी यूज़ नहीं करना चाह रहा ऑल दो आज हम लोग रजिस्टेंस पे भी आ जाएंगे है ना अगर समय ने साथ दिया तो आज हम लोगों को रजिस्टेंस पे आना ही है ये हमारे टॉपिक पे बाकी देखते हैं अभी फ़िलहाल आगे बढ़ते हैं मतलब पीछे आते हैं सॉरी तो वोल्ट मीटर को हम एक सर्किट में कैसे कनेक्ट करेंगे बच्चों पैरल कॉम्बिनेशन में सीरीज कॉम्बिनेशन में वो हमें गलत रीडिंग देने वाला है ठीक है जी डन है आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास एन के कुछ क्वेश्चन हैं एन के क्वेश्चन आप सब जानते हैं बहुत आसान है तो पहले तो हमें वही करने पड़ेंगे चाहे वो आसान हो चाहे वो मुश्किल हो फिर जैसे ही हमारा चैप्टर खत्म होने के तादार पे होगा हम इसके और क्वेश्चंस भी करेंगे बेटा फिजिक्स का चैप्टर है न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है क्वेश्चन इन्हीं किए तो फिर क्या ही किया है ना बच्चों चलो लेकिन अभी फिलहाल इन क्वेश्चंस को जज मत करना कि ये तो बहुत आसान है क्योंकि एनसीआर टी के एक एक क्वेश्चन एन टी का है पहले हमारा फर्ज बनता है कि हम एनसीआर टी को ही पकड़ें बच्चों चलिए तो सबसे पहले आ रहा है हाउ मैनी एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ईच कूलम का मतलब है चार्ज हमें वन कूलम दे रखा है पासिंग थ्रू सिक्स वोल्ट बैटरी और बैटरी कितने वोल्ट की दे रखी है सिक्स की तो बच्चों आज ही हमने पढ़ा कि वोल्टेज का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन में चार्ज वोल्टेज इज सिक्स वर्क डन इज डब्ल्यू चार्ज इज वन नर्सरी क्लास का बच्चा भी कर ले तो वर्क डन आ गया सिक्स जूल्स वर्क डन आ गया हमारे पास सिक्स जूल्स ठीक है अगला सवाल आता है अगला सवाल आ रहा है एक इलेक्ट्रॉन है जो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे मूव होता है और वो कितनी एनर्जी यानी कि कितना वर्क एनर्जी कंज्यूम करता है मतलब कि वर्क कर पाएगा वो है चार जूल और वो कौन है वो एक इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू में टेन की पार माइनस नाइनटीन कुलम वन पॉइंट में टेन की पार नाइनटीन कुलम अच्छा माइनस का होता है लेकिन अभी हम प्लस माइनस पर नहीं जा रहे हैं हमें क्या निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज तो बेटा वोल्टेज का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन में वर्क डन अपॉन में ओहो वर्क डन अपॉन में चार्ज तो बच्चों पोटेंशियल हमारे पास कितना है निकालना है आ गया हमारे पास वर्कडन फोर एंड चार्ज इज़ 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू मे टेन की पार माइनस नाइन्टीन ये माइनस नाइन्टीन ऊपर जाएगा ये मेरे हिसाब से प्लस नाइन्टीन हो जाएगा और प्लस नाइन्टीन होने के बाद ये हमारे पास 1.6 पॉइंट सिक्स आ जाएगा पॉइंट का मैंने एक ज़ीरो और ऊपर ले लिया तो यहाँ से इसको हमने काट दिया मेरे हिसाब से ये फोर से कट जाएगा यहाँ हंड्रेड आ जाएगा यहाँ फोर आ जाएगा यहाँ ट्वेंटी फाइव आ जाएगा तो ये मेरे हिसाब से आ गया टू पॉइंट फाइव एक ज़ीरो यहाँ से ले गए एक ज़ीरो यहाँ से ले गए टेन की पार ट्वेंटी वन वोल्ट आ गया बहुत ज़्यादा आया है इतना ज़्यादा नहीं आता है ये क्वेश्चन शायद एन का है भी नहीं पता नहीं मुझे ये हो सकता है ना भी हो लेकिन एक ये वाला कंसेप्ट समझाने के लिए था कि भाई इलेक्ट्रॉन अगर दे रखा हो तो उसका चार्ज कैसे लेके किस तरीके से सॉल्व करना है चलिए लेकिन ये तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये तो एन का ही सवाल है अगर यहाँ पे क्लियरली विजिबल नहीं है वैसे तो होगा बट अगर नहीं है तो ये एग्ज़ाम्पल नंबर फर्स्ट है एनसीआरटी का अ करंट ऑफ 0.5 पॉइंट करंट दौड़ रहा है 0.5 पॉइंट और एक फिलामेंट ने उसमें से करंट को 10 मिनट तक के लिए खींचा 10 मिनट तक के लिए खींचा मिनट मिनट हमें पसंद नहीं है मतलब वैसे हो सकता है लेकिन फिजिक्स में पसंद नहीं है क्योंकि बेटा मिनट ऐसा यूनिट नहीं है तो हमें इसको एस SI आई में कन्वर्ट करना रहेगा तो 60 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे विच विल बिकम 600 हंड्रेड सेकेंड्स ठीक है फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट कितना चार्ज उसके अंदर से फ्लो होगा हमें यह निकालना है तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट लेक्चर का सेकेंड लेक्चर का फॉर्म लगेगा आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी आई हमारे पास जीरो पॉइंट फाइव है हम लोगों को निकालना है एंड टी इज सिक्स हंड्रेड तो उस हिसाब से क्यू हमारे पास आ जाएगा जीरो पॉइंट फाइव इन टू मे सिक्स हंड्रेड इज फाइव इंटू मे सिक्सटी सिक्स फाइव थर्टी थ्री हंड्रेड कूलम हमारे पास क्या आ जाएगा चार्ज आ जाएगा सिंपल है कुछ भी नहीं ठीक है जी बड़े चलिए जी इसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल नंबर टू आ जाता है हाउ मच वर्क इज डन यानी कि बेसिकली हमें वर्क निकालना है चार्ज हमें दे रखा है टू कुलम अक्रॉस टू पॉइंट हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस हमें दे रखा है ट्वेल्व वोल्ड अब अगेन वी इज इक्व टू डब्ल्यू बाय क्यू होता है तो वी हमारे पास कितना है ट्वेल्व डब्ल्यू हम लोगों को निकालना है क्यों हमारे पास टू है अगेन नर्सरी क्लास का सवाल है तो डब्ल्यू आ गया हमारे पास ट्वेंटी फोर जूल्स ठीक है बच्चों सिंपल है एन के सवाल हैं ज़्यादा कुछ मेहनत है नहीं ठीक है ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है आगे बढ़ते हैं बच्चों और आज का हमारा एक और टॉपिक आता है छोटा सा विच इज़ सर्किट डायग्राम अच्छा सर्किट क्या होता है सबसे पहले अगर हम लोग बात करें सर्किट डायग्राम से पहले अगर हम लोग बात करें कि सर्किट क्या होता है तो सर्किट का मतलब होता है एनी पाथ थ्रू विच थ्रू विच करंट कैन फ्लो बेटा ऐसा कोई भी पाथ जिसमें से करंट जो है वो फ्लो कर सकता है फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है दैट इज समथिंग डिफरेंट करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है यह अलग बात है लेकिन अगर करंट फ्लो हो सकता है तो उसे हम कह देंगे सर्किट अब हमारे घर में आपके यहाँ पे एक ट्यूबलाइट है यहाँ पे भी एक ट्यूबलाइट है इस ट्यूबलाइट की तार कहीं से कनेक्टेड है इस ट्यूबलाइट की तार कहीं से कनेक्टेड है ये ट्यूबलाइट की तार भी कहीं से कनेक्टेड है ये टीवी की तार कहीं से कनेक्टेड है ये ऐसे करते करते हमारे घर में जितने भी अप्लाइंसिस हैं वो अपने आप में एक सर्किट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि अगर हमने उनका स्विच ऑन कर दिया तो उनके अंदर से करंट फ्लो हो सकेगा और अगर स्विच ऑन हो रखा है तो करंट फ्लो हो रहा होगा इसका मतलब क्या हुआ बच्चों इसका मतलब हुआ कि सर्किट ऐसी कोई भी जगह है जिसके अक्रॉस करंट फ्लो हो सकता है अगर करंट फ्लो हो सकता है ऐसा पाथ है वो जहां से करंट फ्लो कराया जा सकता है उसको हम लोग बोलते हैं सर्किट अब आप कहोगे सर एक लोहे के चम्मच से भी तो करंट पास कराया सकता है बट आप समझे नहीं लोहे का चम्मच करंट पास कराने के लिए बना नहीं है आप क्यों कराओगे आपने अपनी लाइफ में कितनी बार करंट पास कराया लोहे के चम्मच तो है तो नहीं यार तो एक ऐसा रास्ता जिसमें वायर हो स्विच हो कोई अप्लायंस लगा हो है ना आप समझ रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं एक सर्किट अब सर्किट तो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं अगर अपने घर की तारें देखें तो बड़ी जैसे कि आज हम लोग इसके ऊपर कुछ काम करने वाले हैं अभी हम कुछ देखेंगे थोड़ी देर में लेकिन यहाँ पे ये तारें हैं ये वायर हैं ये नॉर्मली तो वायर ऐसे ही दिखती है ना अब अगर ये पूरा यहाँ पे तारों का जाल बिछा हुआ है अब अगर मैं इसको ऐसे ही अपने यहाँ पे बना दूँ तो वो देखने में समझ नहीं आएगा क्योंकि बेटा हम सर्किट को रिप्रजेंट ऐसे ही नॉर्मल केसेस में करें अब मैं बोलूं यहाँ पे पूरा का पूरा मैं टीवी बनाऊं कौन सा टीवी है पता नहीं लेकिन यहाँ पे ऐसे करके मैं वायर बनाऊं फिर यहाँ पे मैं सॉकेट बनाऊं यहाँ पे तार गुंजल हो रखी है भैया ने यहाँ पे से तो टेप मार रखी है इलेक्ट्रिशियन आया था टेप मार गया अभी तार कट गई थी आप समझ रहे हो ना यहाँ पे गुंजल हो रखी है यहाँ पे हमने कीलियाँ ठोक रखी हैं यहाँ पे रजाई पर कहने का मतलब है यार कि अगर मैं एक सर्किट को वैसे का वैसा ही बना दूं जैसा कि वो मेरे घर में है तो चीज़ें बहुत कंफ्यूजन वाली हो जाएंगी एक आध बनाना समझ में आता है आप कभी इसका छोटा सा एग्जाम्पल लूंगा मैं मुझे याद है एक बार मैं अपने घर में वॉशिंग मशीन हमारी ख़राब हो गई थी तो आ, मैंने उसको पीछे से खोला मैंने कहा देखता हूँ कि ये कहाँ से खराब हुई क्या हुआ तो जैसे ही मैंने उसको खोला पीछे से बैक साइड से वो सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन थी सेमी ऑटोमेटिक मतलब एक तरफ उसमें कपड़े धुलते थे एक तरफ सूखते थे जो नॉर्मल सेमी ऑटोमेटिक मशीन होती है अब जैसे ही मैंने उसके बैक कवर को खोला तो उसके अंदर इतनी सारी वायर्स थीं कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन सी वायर कौन सी तरफ़ जा रही है कौन सी ड्रायर की तरफ जा रही है और कौन सी वो जो रिंसर है जहाँ पे कपड़े धुलते हैं उसके तरफ जा रही है मेरा कहने का मतलब है तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था लेकिन जब मैंने उसका बैक कवर खोल के साइड में रखा था तो मेरी नज़र उस पर पड़ी और उसके ऊपर प्रॉपर सरकेट डायग्राम्स बने हुए थे जहाँ पे साफ दिख रहा था कि कौन सा आपको शायद पता अलग अलग कलर की वायर्स होती हैं वॉशिंग मशीन में तो कौन से कलर की वायर किससे कनेक्टेड है वो बहुत प्यारे तरीके से लिखा हुआ था और हालाँकि मैं मशीन ठीक तो नहीं कर पाया लेकिन मुझे ये पता चल गया कि हाँ ये वाली सारी वायर्स ड्रायर की हैं और ये वाली सारी वायर जहाँ पर कपड़े धुलते हैं वहाँ की आ, तो कहने का मतलब है यार कि सर्किट्स को देख के हम ये पता लगा सकते हैं इजीली चीज़ें देखने में हमारी हेल्प होती है इसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं और सर्किट तो सर्किट को सॉरी 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 द्वारा जो वायर वॉशिंग मशीन में थी उलझी भी वो तो सारे सर्किट थे लेकिन एक सर्किट को हम सिंबल जो कन्वेंशनल सिंबल्स होते हैं उनकी फॉर्म में अगर हम दिखाते हैं तो उसको हम बोल देते हैं सर्किट डायग्राम कन्वेंशनल सिंबल्स क्या होते हैं बात करेंगे लेकिन मान लेते हैं मेरे पास यहां पे एक बल्ब है ठीक है ना अब इस बल्ब के साथ मैंने एक सर्किट बनाना है तो मैंने यहां पे एक वायर लगा दी और यहां पे एक पोटेंशियल सोर्स लगा दिया तो ये देखने में थोड़ा अच्छा और अगर मान लेते हैं इसके अंदर एक स्विच भी लगा हुआ है शायद आपको पता हो कि स्विच का एक सिंबल होता है तो यहाँ पे मान लेते हैं एक स्विच भी लगा हुआ है तो यहाँ पे हमने एक स्विच भी लगा दिया और ये बल्ब जगमगा गया अब एक तो है तरीका ये दिखाने का चलो करंट का फ्लो भी दिखा दिया एक तरीका तो यह दिखाने का तो ये तो हो गया सर के डायग्राम लेकिन ऐसा भी तो सकता था कि मैं बताऊं कि मेरे घर में यहां पे होल्डर है इस होल्डर के ऊपर ऐसे करके बल्ब लगा हुआ है उस बल्ब में फिलामेंट है यहाँ तार जा रही है यहाँ तार अगेन जो मैंने आपको बताया गुंजल हो रही है और यहाँ पे मैंने एक बैटरी लगा रखी है उस बैटरी पे लिखा हुआ है कोई भी कंपनी लिखी हुई है एक्स वाई जेड कंपनी लिखी हुई है ये इसका पॉजिटिव है और फिर ये इसका नेगेटिव है यहाँ पर एक स्विच है स्विच को भी बनाना बड़ा मुश्किल है और ऐसे करके ऑन अब ये जो है ये है हमारे पास सर्किट और ये जो है वो है सर्किट डायग्राम है ना तो किसी भी चीज़ को ये हमारा हुआ सर्किट और यह हमारा हुआ सर्किट डायग्राम तो किसी भी सर्किट को उसके कन्वेंशनल सिंबल्स की फॉर्म में दिखाना ताकि वो देखने में आसान लगे इजी लगे उसे हम लोग बोल देते हैं सर्किट डायग्राम अच्छा अब आप इस शायद जानते होंगे कि दो प्रकार के सर्किट्स होते हैं ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट शायद ये तो पता ही है अगर करंट फ्लो हो रहा है और अगर बल्ब जल रहा है देखो दुनिया जगमगा के बच्चों सर्किट में स्विच क्या है ऑन है तो भाई सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है सर्किट पूरा क्लोज है हर एक पार्ट एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है ऐसे सर्किट को हम लोग बोल देते हैं क्लोज सर्किट लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे स्विच ऑफ है बल्ब जगमगा नहीं रहा दुनिया दुनिया में अंधकार है बेटा और एज़ अ रिज़ल्ट करंट फ्लो ये गलती से सिंबल बना दिया है शायद एन सी आर टी ने कोई बात नहीं लेकिन हम इसे काट देते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है एज अ रिज़ल्ट हाँ फ्लो हो सकता है अगर ये स्विच ऑन हुआ तो करंट यहाँ से यहाँ जाएगा अभी नहीं जा रहा है तो ऐसे डायग्राम को हम लोग ओपन सर्किट डायग्राम या ऐसे सर्किट को हम ओपन सर्किट कहते हैं तो आपके घर में जो जो चीज़ें अभी ऑन हो रखी हैं उन सब का सर्किट क्लोज़्ड है उन सब का सर्किट हम कह सकते हैं बच्चों क्लोज है लेकिन अगर हमारे घर में बच्चों जो जो चीज़ें अभी फ़िलहाल ऑफ हैं जो नहीं चल रही हैं शायद आपके घर में अभी ए नहीं चल रहा होगा तो वो उसका सर्किट जो है वो ऑफ़ है यानी कि ओपन है डन है जी मेरे हिसाब से क्लियर है एनसीआर में एक छोटी सी टेबल बनी हुई है जहां पर इन्होंने अलग अलग सिम्बल्स को रिप्रेजेंट किया है किसके लिए क्या इनमें से कुछ को आप पहले से जानते हो कुछ को इस चैप्टर में धीरे धीरे जान जाओगे सबसे पहला है बच्चों इलेक्ट्रिक सेल पता होगा आपको पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है फिर आता है हमारे पास बैटरी बहुत सारे सेल लगा दो एक साथ बैटरी स्विच ओपन है अच्छा स्विच ओपन को ऐसे भी बनाते हैं और नॉलेज के लिए बता दूं स्विच ओपन को कई जगहों पे ऐसे भी बनाया जाता है शायद आप में से कुछ को पता होगा कि कई जगहों पे स्विच ओपन को ऐसे बनाते हैं स्विच क्लोज़ को ऐसे लेकिन कई जगहों पे स्विच क्लोज को इसी डंडे को नीचे गिरा दो तो सर्किट कंप्लीट हो गया ऐसे भी बना देते हैं ये क्या है वायर जॉइंट दो वायर एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रखी है वायर एक वायर एक का मतलब है एक वायर जा रही थी उसके ऊपर से दूसरी वायर जा रही है लेकिन वो एक दूसरे इसको टच नहीं कर रही टच मतलब इलेक्ट्रिकली टच नहीं कर रही इंसुलेटेड है, है इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है बल्ब कैसे मर्जी बना लो अब ये जो है यानी कि एट्थ और नाइन्थ अभी हमें ये नहीं पता है धीरे धीरे हम जान जाएंगे लेकिन रेजिस्टेंस नाम की एक चीज़ आएगी उसको ऐसे बनाना है वेरिएबल रेजिस्टेंस यानी कि रियो नाम की चीज़ आएगी उसको ऐसे बनाना है बाकी हम एमीटर और वोल्ट मीटर तो पढ़ चुके हैं अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही सिम्बल्स हैं बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में और आएंगी बच्चों उनके साथ धीरे धीरे सिंबल्स ऐड ऑन होते रहेंगे लेकिन फिलहाल हमारे पास सिंबल्स ये हैं एन सी आर टी का एक टेबल है ज़्यादातर के इसमें जानते होंगे चलिए तो बच्चों फाइनली हमने अभी तक क्या पढ़ा है दो मेन टॉपिक्स जो हमने अभी तक इन लेक्चर्स में पढ़ ली हैं एक तो हम लोगों ने पढ़ लिया था इलेक्ट्रिक करंट और आज हम लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा जिसका नाम था पोटेंशियल डिफरेंस या कह लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अब हम यहां पे एक लॉ पढ़ने वाले हैं इसको बोलते हैं ओम्स लॉ और उसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट तो कहना गलत होगा एक डेमोन्स्ट्रेशन एक एक्टिविटी देखने वाले हैं बच्चों इसे हम लोग कहेंगे ओम्स लॉ की एक्टिविटी कह लो ओम्स लॉ का डेमोनशन कह लो लेकिन ओम्स लॉ इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मैं इंपॉर्टेंट क्यों कह रहा हूं क्योंकि आगे आने वाले जितने भी टॉपिक्स हैं वो इसके ऊपर डिपेंडेंट हैं इसके ऊपर ही कनेक्टेड हैं तो अगर आपका ये मिस होता है तो आगे की बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट हो जाएंगी तो ओम्स लॉ क्या है दिन में तीन बार बच्चों ओम बोलना है आपको इतना इंपॉर्टेंट है ये अब ओम्स लॉ जी क्या कहते हैं ऐसा करेंगे ओम्स लॉ को समझने से पहले यहाँ पे एक छोटा सा एक एक्टिविटी करते हैं और उस एक्टिविटी से भी पहले चलो एक बात कर लेते हैं यहाँ पे क्या लेटर सपोज बच्चों Uh, ये उधर आ गया है क्या ऐसा भी होता है? क्या क्या, -क्या? अमीरिया यार हाँ जी बच्चों सुनो लेट अस सपोज फॉर एन एग्जांपल मेरे पास एक वायर है और उस वायर के अंदर मैंने एक एमीटर लगा रखा है ये मैं अभी आपको कॉमन सेंस के बिहाफ पे सवाल पूछ रहा हूँ कोई लॉ नहीं कुछ नहीं यहां पर मैंने एक बैटरी लगा दी ये बैटरी मैंने लगाई है मान लो नाइन वोल्ट की शायद पता होगा नाइन वोल्ट की बैटरी मार्केट में आती नाइन वोल्ट की बैटरी लगा दी अब एमिटर पे जब मैंने रीडिंग नापी तो उस पर थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि वन एम करंट आया नाइन वोल्ट की बैटरी लगाने पे वन एम करंट मुझे मिला तो कॉमन सेंस के बिहाफ पे कोई लॉ नहीं कुछ नहीं मुझे बताओ अगर मैं नौ वोल्ट की बजाय पंद्रह वोल्ट की बैटरी लगा दूँ मतलब एक बड़ी ताकत की बैटरी लगा दू तो करंट जो है वो बढ़ जाएगा या करंट जो है वो कम हो जाएगा मतलब 9 वोल्ट की बैटरी के साथ चलो मान लो एक और 9 वोल्ट की बैटरी लगा दी दो 9 वोल्ट की बैटरी लगा तो अठारह वोल्ट हो गया अब बताओ करंट जो है वो बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा जल्दी बताओ मैं सुन रहा हूं सुन लिया बच्चों सुन लिया मैंने और आंसर है आप सबने कहा है बढ़ जाएगा वेरी गुड बच्चों बढ़ जाएगा क्यों नहीं बढ़ेगा बढ़ेगा लेकिन क्यों बढ़ेगा कारण क्या है ओम तो ऐसा कहता ही है पढ़ेंगे अभी लेकिन अगर हम बिना ओम पढ़े इसको सीखें समझें कोशिश करें तो भी तो आंसर मिल सकता है आओ बच्चों समझे हमने क्या बात की थी कि 9 वोल्ट का मतलब है कि हम एक कोलम के चार्ज को धक्का मारेंगे 9 जूल से एक कोलम के चार्ज की फुटबॉल को एक लात मारेंगे नौ जूल से ऐसे बच्चों अट्ठारह वोल्ट का मतलब कितना हो गया अट्ठारह वोल्ट का मतलब हो गया हम इस पर अट्ठारह जूल की लात मारेंगे हर कूलम के चार्ज पे यही इसका मतलब है अब आप मुझे बताओ एक फुटबॉल को आपने 18 जूल से लात मारी एक फुटबॉल को आपने 9 जूल से लात मारी कौन से फुटबॉल तेज भागेगी कौन से फुटबॉल तेज भागेगी 18? फुटबॉल तेज भागेगी मतलब चार्ज पे लात मारी है ना आपने तो चार्ज तेज भागेगा और चार्ज तेज भागेगा तो करंट बढ़ जाएगा ना तो यार ये तो कॉमन सेंस भी कहती है हमारी क्या ओम लॉ पढ़े मतलब ओम लॉ तो पढ़ेंगे ही लेकिन कॉमन सेंस ही कहती है कि अगर हम लोग ज्यादा ताकत से किसी भी चार्ज को धक्का मारेंगे पोटेंशियल ज़्यादा लगाएंगे पानी ऊंचाई पे ले जाएंगे तो ज़्यादा तेजी से नीचे भी तो आएगा ना जितना ज़्यादा ताकत से हम किसी चार्ज को धक्का मारेंगे उतना ज़्यादा जो है वो करंट जो है वो बढ़ेगा तो बस यही तो ओम लॉ कहता है तो ओम लॉ पहली बात तो रिलेशन बताता है पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में पहली बात तो ये रिलेशन बताता है पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में और करंट के बीच में क्या कहता है ओम्स लॉ ये कहता है कि अगर हम किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर और उसके डायमेंशंस डायमेंशंस मतलब लेंथ एरिया वगैरह ऐसा क्यों कांस्टेंट क्यों रखना है इनको बताऊंगा लेकिन अगर हम एक वायर लें उसका टेम्परेचर अगर हम कॉन्स्टेंट रखें और अगर हम उसके डायमेंशन मतलब उसकी लेंथ उसका एरिया ये सब अगर हम लोग कॉन्स्टेंट रखें तो करंट जो है एक सर्किट में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस हमने उसके अक्रॉस कितना लगाया अगर हम एक कंडक्टर का टेम्परेचर जो है बच्चों वो कांस्टेंट रखते हैं और उसके डायमेंशंस भी क्या रखते हैं कॉन्सटेंट उसका टेम्परेचर चेंज नहीं करते और उसकी लेंथ वेंथ ये सब भी चेंज नहीं करते एरिया भी चेंज नहीं करते तो उस केस में जितना ज़्यादा हम उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे उतना ज़्यादा करंट बढ़ेगा यानी करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस तो हम ऐसा कह सकते हैं बच्चों कि एक सर्किट में वी जो है और आय जो है वो डायरेक्टली प्रपोशनल है हाँ हमारा कहने का मतलब है अगर आप वी बढ़ाओगे तो आय बढ़ेगा मैथ्स के अकॉर्डिंग ठीक है हम ऐसा बोल सकते हैं कि बोथ आर प्रपोशनल टू चेता बट एक्चुअली द कंसेप्ट इज़ कि अगर हम वी बढ़ाएंगे तो आय बढ़ेगा तो वी इज़ प्रपोशनल टू आय हो गया बोलने के लिए तो कैसे मर्जी बोलो लेकिन लॉ के हिसाब से या प्रैक्टिकल लाइफ के हिसाब से वी बढ़ाने पे आय बढ़ता है आय बढ़ाने पे वी पे क्या इफ़ेक्ट होता है देखेंगे ज़रूरी नहीं है वो बढ़े लेकिन यह पक्का है कि वी बढ़ाने पर आय बढ़ेगा शर्त है क्या टेम्परेचर कॉन्सटेंट रहना चाहिए और डायमेंशन्स भी आप चेंज नहीं करेंगे एक मटेरियल के लिए तो वी इज़ प्रोपोर्शनल टू आय अब हमारी मैथ्स कहती है कि जब भी हमें प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इक्वल का साइन लगाना होता है तो हमें एक कांस्टेंट लगाना होता है और यहाँ पे हम लोगों ने जो कांस्टेंट लगाया उस कांस्टेंट का नाम है आर आप सबको शायद पता हो नहीं पता तो बता दूँ यहाँ पर पहली बात तो आर जो है वो एक कॉन्स्टेंट है और इस कॉन्स्टेंट को एक नाम भी दिया गया है और वो नाम दिया गया है रेजिस्टेंस इसके बारे में बात करेंगे आज अगला इसके बाद सारा काम बच्चों किसके ऊपर ही है रेजिस्टेंस के ऊपर ही है लेकिन अभी के लिए अगर बात करें तो ओम्स लॉ जी कहते हैं कि भाई अब आप कह रहे होंगे सर ओम किसी का नाम तो है तो हमारे स्टड नंबर थ्री का है अरे आएंगे यार अभी हमारा सॉरी ये तो हमारे स्टड नंबर फोर हो गए अभी स्टड नंबर फोर भी आएंगे ओ मंगल जी सबसे बड़े नहीं ऐसा नहीं सारे बड़े हैं लेकिन स्टड नंबर फोर भी आएंगे बच्चों लेकिन अभी हमारी बात चल रही है V इज़ प्रपोर्शनल टू I यानी अगर एक सर्किट में हम एक सर्टन अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं उसके कोनों पे अगर हम एक सर्टन पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो पोटेंशियल बढ़ाने पे करंट जो है वो सर्किट में बढ़ता चला जाएगा जितना ज़्यादा हम पोटेंशियल लगाते चले जाएंगे जितना ज़्यादा हम पोटेंशियल लगाते चले जाएंगे करंट जो है वो उतना ही ज़्यादा बच्चों बढ़ता चला जाएगा अब ऐसा क्यों है हमने रफली बात की कि जब हम सर्किट में ज़्यादा वोल्टेज लगाएंगे तो ज़्यादा वर्क करेगा वो उस चार्ज को धक्का मारेगा और ज़्यादा करंट बढ़ेगा अब यहाँ पे हम एक छोटा सा एक डेमॉन्स्ट्रेशन देख रहे हैं अगेन बच्चों मुझे नहीं पता कि ये किस कैमरे में कैसा दिखने वाला है कैसा बिहेव करेगा बहुत सारी लाइटें हैं यहाँ उतना क्लियर दिखेगा नहीं दिखेगा वो थोड़ा सा मैनेज करना होगा आपको थोड़ा सा तो फ़र्क आएगा लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको ऑफलाइन वालों की तरह ही मज़ा आता रहे सबसे पहली बात तो जो साइंस एंड फ़न को फॉलो करता है शायद उसने सेटअप देखा हुआ है अभी हम वो वाला काम नहीं करने वाले अच्छा ये वीडियो मैंने साइंस एंड फन पर भी नहीं डाली है ठीक है ना तो आप ये नहीं जानते कि मैं क्या करने वाला हूँ हाँ ये सेटअप आपने शायद हो सकता है देखा हुआ साइंस एंड फन पे और वो वाला जो सेटअप है वो भी हम यहाँ पे करने वाले हैं लेकिन फिलहाल बच्चों क्या है कि हमारे पास यहाँ पे अगेन मुझे नहीं पता आपको दिख रहा है कि नहीं लेकिन मेरे राइट right हैंड में यहाँ पे एक वोल्टेज रेगुलेटर है मार्केट में बहुत सारे रेगुलेटर्स आते हैं कई लोग शायद कमेंट सेक्शन में बोल देंगे ये बेटा मार्केट में अलग अलग प्रकार के रेगुलेटर्स होते हैं वोल्टेज रेगुलेटर कपासीटिव रेगुलेटर इंडक्टिव रेगुलेटर्स करंट रेगुलेटर्स बहुत सारे रेगुलेटर्स होते हैं तो मैं चांदनी चौक से ये वोल्टेज रेगुलेटर खरीद के लाया हूँ जो नहीं जानता दिल्ली में एक बहुत फेमस जगह है चांदनी चौक वहाँ पे सारा बिजली का सामान मिल जाता है हमारे घरों में अक्सर हम वोल्टेज रेगुलेटर यूज़ नहीं करते या करते हैं वो चॉइस है लेकिन वोल्टेज रेगुलेटर हम यहाँ पे लाए हैं और इसमें से हमने यहाँ पे एक बल्ब को यहाँ पे हमने इसके साथ कनेक्ट जो है वो कर रखा है अब एक सेकेंड अगर हम इसको यहाँ पर बच्चों ऑन करते हैं एक सेकेंड देंगे मुझे ठीक है ना मैं इसको एक बार ऑन कर लेता हूं यहां पे एक सेकेंड हाँ 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 ये थोड़ा सा ना यस 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 हाँ जी तो सबसे पहले बात ये जो पॉइंट है ये जो रेगुलेटर है ये भी फिलहाल जीरो पे है तो जीरो वोल्टेज है तो ये बल्ब बिल्कुल भी नहीं जल रहा मैं इसको वन पे ले जाऊंगा तो मुझे नहीं पता आपको दिख रहा है कि नहीं लेकिन ये बल्ब बहुत धीरे जल रहा है नहीं दिख रहा होगा क्योंकि इस कमरे में लाइटें बहुत ज़्यादा हैं लेकिन ये बल्ब बहुत ज़्यादा धीरे जल रहा है मैं इसके ऊपर साइंस एंड फन पर शॉट भी डालूंगा आप तब देखेंगे मैंने उसको ज़ूम करके दिखा रखा है कि ये बल्ब बहुत कम जल रहा है लेकिन अगर मैं इसको अगले पॉइंट पर ले जाऊँ तो शायद अब आपको दिख रहा हो कि ये थोड़ा सा जल रहा है दिख रहा है क्या शायद अब दिख रहा हो कि ये थोड़ा सा जलने लग गया देखो मैं इसको जीरो पर लेके जाता हूँ तो ये बंद हो गया ध्यान से इस बल्ब पर नज़र डालें अभी ये बंद है मैं इसको वन पे लेके जाऊंगा तो ये बहुत कम जल रहा है शायद नहीं दिख रहा होगा पता नहीं लेकिन इसको टू पे लेके जाऊंगा तो अब तो शायद दिखने लग जाएगा कि थोड़ा सा जल रहा है इसके पीछे इसकी रिफ्लेक्शन भी आ रही है बोर्ड पे है ना लेकिन अगर मैं इसको अगले नंबर पे लेके जाऊंगा तो बच्चों थोड़ा सा ही ज़्यादा और जलने लग गया है ना है ना है ना है ना है ना और बच्चों तैयार हो टिकटॉक के लिए और बच्चों ये हमारी दुनिया जगमगा गई है और ये फुल मेरा चेहरा टिकटॉक वाला हो गया है यानी कि ये हमारा फोर पे आ गया है फोर पे तो अच्छा इसमें वापस जीरो पे ले जाऊंगा तो ये बंद हो गया मैं रेगुलेटर को मार रहा हूँ यानी अगर मैं वोल्टेज को बढ़ा रहा हूं यहां से वोल्टेज अगर बढ़ रहा है तो धीरे धीरे बच्चों करंट भी जो है वो बढ़ रहा है हम ये पढ़ेंगे इसी चैप्टर में कि करंट के बढ़ने से ये बल्ब ज़्यादा क्यों ग्लो हो रहा है वो हीटिंग इफेक्ट में है लेकिन जितना ज़्यादा मैं इसके अंदर से क्या बढ़ाऊँगा बच्चों करंट बढ़ाऊँ वोल्टेज बढ़ाऊँगा करंट बढ़ता चला जाएगा मैं इस रेगुलेटर से वोल्टेज को बढ़ा रहा हूँ वोल्टेज अभी ज़ीरो है करंट जीरो है वोल्टेज बढ़ा करंट बढ़ गया बहुत कम जलने लग गया दिख नहीं रहा वोल्टेज और बढ़ाई करंट और बढ़ गया ये ज़्यादा ग्लो करने लगा फिर मैंने वोल्टेज और बढ़ाई करंट और बढ़ गया फिर मैंने वोल्टेज और बढ़ाई करंट और बढ़ गया तो इसका मतलब है बच्चों कि ओम लॉ जी कहते थे जो वो हमारे को बिल्कुल सही कहते हैं कि अगर हम धीरे धीरे सर्किट के अंदर वोल्टेज को बढ़ाते चले जाएं करंट भी बढ़ता चला जाएगा इसको लैब में मतलब कि फिज़िक्स के लैब में बहुत आसान तरीके से भी वेरीफाई किया जा सकता है कैसे इसको छोड़ दो अभी लेकिन हम स्कूल में भी ये वेरीफाई कर सकते हैं हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं हम यहाँ पे कोई भी एक बल्ब लगा देंगे ज़रूरी नहीं है बल्ब लगाएं रेजिस्टेंस वायर भी लगा सकते हैं लेकिन अभी रेजिस्टेंस वायर के बारे में आप नहीं जाने तो मान लेते एक बल्ब लगा दिया इस बल्ब के साथ यहाँ पे हम लोग बैटरी एलिमिनेटर या रियो स्टैंड वगैरह लगाएंगे अभी काम को आसान रखते हैं प्लीज़ यहाँ पे हम लोगों ने बैटरी एलिमिनेटर लगा दिया बैटरी एलिमिनेटर क्या होता है एक डब्बा होता है उस पर अलग अलग वोल्टेज होती हैं दो वोल्ट तीन वोल्ट चार वोल्ट पाँच वोल्ट ठीक है अब यहाँ पे हम लोगों ने लगा दिया एक एमीटर बहुत सिंपल भाषा में बात कर रहे हैं और यहाँ पे हम लोग बना देंगे एक टेबल टेबल में हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे वी रख चले जाएंगे ये बैटरी है पॉजिटिव है नेगेटिव है पहले इस पर दो वोल्ट रखेंगे तो हमें एक सर्टन अमाउंट ऑफ करंट मिलेगा थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं करंट मिला जीरो पॉइंट फाइव एम मान लेते हैं फिर हमने बैटरी एलिमिनेटर को चार वोल्ट पे किया तो करंट मिल गया हमें वन एम फिर हमने उसको छः वोल्ट पे किया हमें मिला वन पॉइंट फाइव एम फिर हमने उसको आठ वोल्ट पे किया मिला हमें टू एम कहने का मतलब है कि जैसे जैसे हम लोग क्या बढ़ाते चले जाएंगे वोल्टेज करंट बढ़ता चला जाएगा ओम्स लॉ ये कहता है तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ सर्किट में अगर हम क्या बढ़ाते चले जाएं करंट बढ़ाते वोल्टेज बढ़ाते चले जाएं तो करंट जो है वो बढ़ता चला जाता है डन है जी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे आ गया हमारे पास वीज इक्व टू आर आई आर के बारे में बहुत डिस्कशन करनी है फोकस हमारा भी V और I है V बढ़ाएंगे तो I बढ़ेगा ओके चलिए अब बच्चों यहाँ पे बात करेंगे थोड़ी सी किसके बारे में आर के बारे में आर मतलब कि रेजिस्टेंस के बारे में सबसे पहली बात रेजिस्टेंस इस इक्वेशन के लिए एक कांस्टेंट है मैं बच्चों हर साल ऑफलाइन में जब बच्चों को पढ़ाता हूं, तो मेरे सामने हमेशा एक डाउट बच्चों का रहता है या एक प्रॉब्लम हमेशा बच्चों की रहती है कि ज़्यादातर बच्चों को ये लगता है कि अगर v इज़ इक्व टू आर है तो यहाँ से अगर मैं r का फॉर्मूला निकालता हूँ यहाँ से अगर मैं आर का फॉर्मूला निकालता हूँ तो वह आ जाएगा वी बाय आई है ना भाई अब अगर उनसे पूछा जाए कि बच्चों अगर मैं वी बढ़ाऊँगा तो आर पे क्या इफ़ेक्ट होगा तो काफ़ी बच्चे हमेशा ये आंसर देते हैं कि वी बढ़ाने पे आर बढ़ेगा बट आंसर इज़ देर इज़ नो इफ़ेक्ट ऑन वैल्यू ऑफ आर बाय चेंजिंग वी एंड आई यानी V और I चेंज करने पे R कभी भी चेंज नहीं होता इसको दो तरीके से समझ सकते हैं एक है यूजिंग मैथ्स दूसरा यूजिंग साइंस मैथ्स कहती है कि भाई V इज इक्वल टू आर आई में ये जो आपने R लगाया है वो एक कांस्टेंट है और जब हम एक इक्वेशन में कोई कांस्टेंट लगाते हैं तो उस इक्वेशन के बाकी वेरिएबल्स को चेंज करके वो कांस्टेंट चेंज नहीं होता मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आर चेंज नहीं हो सकता है मैं ये कह रहा हूं आर इस इक्वेशन में लगी हुई चीजों को चेंज करके चेंज नहीं हो सकता है आई रिपीट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आर चेंज नहीं हो सकता है मैं कह रहा हूँ आर इस इक्वेशन में लगे हुए वेरिएबल्स यानी कि वी और आई को चेंज करके चेंज नहीं हो सकता क्योंकि मैथ्स कहती है कि अगर आपने इक्वेशन में कांस्टेंट लगाया तो इस इक्वेशन के बाकी वेरिएबल्स को चेंज करके आप उस कांस्टेंट को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो उस इक्वेशन के लिए एटलीस्ट कांस्टेंट है पहली बात दूसरी बात साइंस के हिसाब से समझें कि आर क्यों नहीं बदलेगा अगर मैं वी को बदलूंगा मान लो मैंने वी को बढ़ा दिया और डबल कर दिया तो अभी तो पता है ओम्स लॉ कहता है कि वी अगर आप डबल कर दोगे तो आई भी डबल हो जाएगा अब अगर आपने V को बढ़ा दिया और V को डबल कर दिया तो आय भी तो बढ़ जाएगा ना अगर आपने V को बढ़ा दिया V को डबल कर दिया तो ओम्स लॉ के हिसाब से आय भी डबल हो जाएगा और इसका इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा जिसकी वजह से आर कॉन्स्टेंट रहेगा तो फिजिक्स के हिसाब से भी अगर हम बात कर लें तो भी बच्चों आर चेंज नहीं होने वाला अगर हम लोग क्या चेंज कर दें वी या फिर आय क्योंकि आर एक कांस्टेंट है पहली बात ठीक है तो यहां पे लिखा हुआ है बड़े बड़े शब्दों में वैल्यू ऑफ आर इज इंडिपेंडेंट विद रिस्पेक्ट टू वैल्यूज ऑफ वी एंड आई बिकॉज आर इज कांस्टेंट फॉर दिस इक्वेशन एट लीस्ट सर आर चलो ठीक है सर हम मान गए कि आर वी और आई चेंज करने पर चेंज नहीं होता दो कारण से आपने समझाया लेकिन क्या आर चेंज ही नहीं होता है। होता है तो सर फिर कौन कौन सी वैल्यूज हैं जिनसे आर बदला जा सकता है जिससे आर की वैल्यू बदली जा सकती है अरे यार बड़ी जल्दबाजी करते हो यार तुम लोग ना तुम्हें भी मतलब क्या आएगा ये सब आएगा देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर आज की क्लास में तो शायद हम ना लें इसको अगली क्लास की शायद से ही शुरुआत करेंगे हम लोग लेकिन आएगा बच्चों पढ़ेंगे कि आर कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है लेकिन आज हमने ये पढ़ा है कि आर कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड नहीं करता वी और आई चेंज करने पे आर चेंज नहीं होगा एनसीआर में और एग्जाम में काफी क्वेश्चन आते हैं कि भाई हमने एक सर्किट में पोटेंशियल को डबल कर दिया ओके आप बताओ पोटेंशियल को डबल करने पे रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा आंसर इज नो इफेक्ट याद रखना है आंसर है कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा रेजिस्टेंस पे चलिए बच्चों इसको ज़्यादा नहीं खींच के आगे बढ़ाते हैं डन है जी अब बात करते हैं रेजिस्टेंस है क्या रेजिस्टेंस है क्या चलो भाई थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लें रेजिस्टेंस को अगर हम उसका अगर हम हिंदी अनुवाद करें तो रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट मतलब रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस एक इंग्लिश वर्ड है साइंटिफिक वर्ड नहीं है और रेजिस्टेंस का मतलब है रुकावट रेजिस्टेंस पैदा हो रही है रुकावट पैदा हो रही है इसको रुकावट यानी कि रेजिस्टेंस क्यों कहते हैं आप पहले समझें सबसे पहली बात तो हमने पढ़ा V इज इक्व टू आर आई है तो यहां से अगर मैं I का फॉर्मूला निकाल लेता हूं तो ये आ जाएगा V बाय आर अगर मैं यहां से I का फॉर्मूला निकाल लेता हूं तो ये आ जाएगा V बाय अब इस इक्वेशन के हिसाब से अगर R और I में रिलेशन निकाला जाए तो आर और I आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसका मतलब यह है कि आर अगर बढ़ा तो I कम हो जाएगा हाँ I के चेंज होने पे आर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मैं बढ़ा चुका हूं आपको लेकिन इसका मतलब यह है कि अगर आर बढ़ा तो I जो है वो कम हो जाएगा और उल्टा भी समझ सकते हैं कि अगर आर कम हो गया तो आय बढ़ जाएगा अबे लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ क्या अगर आर बढ़ रहा है और आय कम हो रहा है इसका मतलब आर एक ऐसी चीज है जो करंट को फ्लो होने से रोक रही है अगर एक सर्किट में आर बढ़ रहा है तो आय कम हो रहा है इसका क्या मतलब है आर बढ़ रहा है आय कम हो रहा है इसका क्या मतलब है आर बढ़ रहा है आय कम हो रहा है का मतलब है कि सर्किट में आर एक ऐसी चीज है जो अगर आ रही है तो वो करंट को फ्लो होने से रोक रही है और अगर वो करंट को फ्लो होने से रोक रही है तो इसका मतलब है कि ये रुकावट है यार है ना ना, ना अभी बात करेंगे आज ही कि ये रुकावट आती कहां से ये रुकावट क्यों है करंट को फ्लो होने से कौन रोक रहा है ऐसा कौन है बदतमीज जो करंट को फ्लो होने से रोकता है लेकिन आर एक ऐसी चीज है आर एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो करंट को फ्लो होने से रोक रही है क्योंकि मैथ्स के अकॉर्डिंग आर इसके इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर आर बढ़ेगा तो आय कम हो जाएगा इसलिए बच्चों हम इसकी डेफिनेशन में ऐसा लिखते हैं कि इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर विच अपोजेज विच अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट एक ऐसी प्रॉपर्टी है कंडक्टर की जो करंट को फ्लो होने से रोकती है यानी अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट जो है बच्चों, वो कम हो जाएगा इसीलिए इसको रेजिस्टेंस, यानी कि रुकावट कहा जाता है अब सवाल उठता है ये रुकावट पैदा क्यों हो रही है सर्किट में रेजिस्टेंस क्यों आता है वैसे तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से रेजिस्टेंस पैदा होता है लेकिन सबसे कॉमन तरीका फ्रिक्शन है ये कॉपर वायर है ये कॉपर वायर छोटे छोटे एटम से कॉपर के एटम से मिलके बनी होगी कॉपर एक एलिमेंट है तो छोटे छोटे कॉपर के एटम से ये कॉपर वायर जो है वो मिलकर बनी होगी ये कॉपर के क्या है एटम्स अब बिजली जब दौड़ती है तो इसके अंदर से कौन दौड़ते हुए जाते हैं बच्चों आंसर है इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स दौड़ के इसके अंदर से जाने वाले हैं आप मुझे सिर्फ इतना बताओ जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आया तो इसके सामने आइटम आया तो इसको जगह बना के जाना पड़ेगा जो यहाँ से आया वो भी रगड़ता हुआ जाएगा घिसड़ता हुआ जाएगा यार एक एटम में से एक वायर में से एक इलेक्ट्रॉन को फ्लो होते हुए जाना है तो एटम्स के बीच से होते हुए जाना पड़ेगा ना एटम्स के बीच से होते हुए जाना पड़ेगा वो टकराएगा कोलिजन होगा रगड़ेगा फ्रिक्शन पैदा होगी और इसी को तो रुकावट कहते हैं अब आप ये मत समझ लेना कि रुकावट हमेशा ऐसे ही पैदा होगी बहुत तरीके हैं रुकावट पैदा होने के उनमें से एक मैंने आपको एक हिंट दे दिया कि रुकावट पैदा हो रही है क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन फ्लोर है तो देर इज सम रेजिस्टेंस देर इज़ सम फ्रिक्शन देर इज रुकावटें, देर इज समोजिशन जिसको कुल मिला के हम लोग कह रहे हैं रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डन है जी ठीक है अब बात करते हैं इसकी एस आई यूनिट क्या है तो अगेन एक अंकल है जॉर्ज ओम यानी कि ओम जिस जो हमने लॉ पढ़ा भी ओम्स लॉ उन वो किसने दिया था एक साइंटिस्ट जिनका नाम है जॉर्ज ओम या नाम था जॉर्ज ओम ये हमारे नंबर है इनका नाम है जॉर्ज ओम इन्होंने ही ओम स्ला दिया तो जो रेजिस्टेंस है उसकी जो एसआई SI यूनिट है वो भी फिर हम किसके ऊपर रखेंगे बच्चों ओम जी के ऊपर रखेंगे लेकिन उससे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं थोड़ी सी क्या ऐसा कहना ठीक है कि भाई v i r है ओम स्ला यहां से अगर मैं r का फार्मूला निकाल लूं तो v i आ, आ जाएगा अब यहां से अगर मैं एसआई SI यूनिट निकालता हूं तो वोल्ट की यूनिट तो वोल्ट ही है मतलब वोल्टेज की तो वोल्ट ही है और करंट की एम्पियर है तो यहाँ से एक और यूनिट जो आ रही है वो तो आ रही है वोल्ट पर एम्पियर लेकिन रेजिस्टेंस की एक और यूनिट होती है विच इज़ कॉल्ड ओम एंड इसको हम इस ओम ओम के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं मतलब कि कुछ ऐसा सिंबल हम लोग बनाते हैं इतनी मेहनत कोई नहीं करेगा हम तो ऐसे ही बनाएंगे लेकिन ठीक है ठीक है ठीक है, थीक है ओके, ओके 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 ओम ओमेगा ओमेगा ओम सिंबल ऐसा हम लोग बना देंगे जैसे मर्जी यार ठीक है कहने का मतलब है बार बार डस्टर ढूंढता हूँ कहने का मतलब है बच्चों कि ओम इसकी एस आई यूनिट है अब वन ओम कैसे आएगा लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई इसकी एक और यूनिट है विच इज कॉल्ड वोल्ट पर मीटर विच इज कॉल्ड वोल्ट पर एम्पियर सॉरी व्हिच इज कॉल्ड वोल्ट पर एम्पियर हम कौन से यूज करेंगे ओम जैसे यार हमने चा करंट की यूनिट पढ़ी थी एम्पियर बट एक और भी तो थी क्या कूलम पर सेकेंड बट हम लोग एम्पियर यूज करने वाले ऐसे ही वोल्टेज की आज हमने यूनिट पढ़ी वोल्ट लेकिन एक और यूनिट भी थी जूल पर कूलम हम लोग वोल्ट यूज करेंगे ऐसे ही रेजिस्टेंस की एक और यूनिट भी है वोल्ट पर एम्पियर बट हम पूरे चैप्टर के दौरान पूरे चैप्टर के दौरान एक ही यूनिट यूज करने वाले हैं विच इज़ ओम आओ अब क्या ऐसा कहते हैं कि भाई वन ओम कब आएगा जब वन वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाने पे हमें वन एम्पियर करंट मिल जाएगा अगर मैं एक वायर के अक्रॉस एक वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाता हूं और मुझे उस वायर के अंदर एक एमपियर का करंट मिल जाता है अगर मैं उसके अंदर एक वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाता हूं और मुझे एक एम्पियर करंट मिल जाता है तो उस वायर का जो रेजिस्टेंस आ जाएगा वो वन ओम आ जाएगा अब मान लो किसी का रेजिस्टेंस हंड्रेड ओम है समझने वाली बात है ध्यान सुनना है। अगर किसी का रेजिस्टेंस 100 ओम है इसका मतलब है मुझे उसमें 100 वोल्ट लगाना पड़ रहा है एक एम्पियर करंट पैदा करने के लिए जहां मुझे एक एमपियर करंट पैदा करने के लिए सिर्फ एक वोल्ट लगाना पड़ रहा था अब मुझे वहीं पे एक एम्पियर करंट पैदा करने के लिए 100 वोल्ट लगाना पड़ रहा है तो अब आप समझ सकते हो कि जैसे जैसे रजिस्टेंस बढ़ेगा मुझे ज़्यादा वोल्ट लगाने पड़ेगी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी करंट को फ्लो कराने के लिए ऐसे ही मान लो किसी का रजिस्टेंस है थाउजेंड ओम तो मुझे थाउजेंड वोल्ट लगाना पड़ेगा एक एम्पियर करंट को फ्लो करवाने के लिए तो जितना रजिस्टेंस बढ़ता जाएगा उतना मुश्किल है करंट को फ्लो करवाना क्योंकि ये करंट को रोकता है तो वन ओम के डेफिनेशन यहाँ पे भी लिखी हुई है कि जब वन एम्पियर करंट फ्लो हो जाए एक वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाने पे तो हमें जो रेजिस्टेंस मिलेगा बच्चों वो वन ओम रहेगा ठीक है जी मेरे हिसाब से ये बात डन है आज हम लोग ये दो न्यूमेरिकल्स करते हैं आज का आखिरी काम करते हैं ये दो न्यूमेरिकल छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं इनको करेंगे और फिर अगली क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि यार रेजिस्टेंस अगर वोल्टेज पे और करंट पे डिपेंड नहीं कर रहा इनकी वैल्यू चेंज करने पर अगर चेंज नहीं हो रहा सर तो ये कैसे चेंज होगा पढ़ेंगे बाकी आपको पता है स्लाइड्स हमें टेलीग्राम चैनल पे हम लोग डालते रहते हैं लिंक होगा नीचे कहीं टेलीग्राम का उसको जाके आप उसको स्लाइड्स वगैरह को वहाँ से ले सकते हो वहीं पे आपको सारी डिटेल्स यानी कि सारे असाइनमेंट वगैरह इन फ्यूचर जो भी आने वाले हैं क्वेश्चंस वगैरह वो सब वहीं पे आपको मिलेंगे तो जाओ उसको जो भी करना होता है पता नहीं सब्सक्राइब करते हैं उसको फॉलो करते हैं मेरे को तो पता नहीं है वो कर लो आप ठीक है ठीक है चलो आओ अब बच्चों यहाँ पर हमारे पास एक न्यूमेरिकल आ रहा है हाँ अगेन ही एनसीईआरटी का एक न्यूमेरिकल है सबसे पहले न्यूमेरिकल पढ़ लीजिए बच्चों न्यूमेरिकल का कह रहा है हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्राम टू ट्वेंटी वोल्ट सोर्स इफ़ द रजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलाेंट इज बारह सौ ओम तो यहाँ पर दो केस हैं हमारे पास एक है केस नंबर वन जहाँ पे वोल्टेज हमें दे रखी है टू ट्वेंटी वोल्ट्स और रजिस्टेंस हमें दे रखा है वन टू डबल ज़ीरो ओम हमें करंट निकालना है तो भाई ओम्स ये कहते हैं कि V इज इक्व टू आई आर होता है मैं इसे वन वन इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ये केस वन है तो ये V हमें दे दिया 220 सौ बीस आई हमें निकालना है R हमारे पास 1200 है तो यहाँ से करंट हमारे पास आ जाएगा 220 सौ बीस अपॉन में बारह इसको सॉल्व वॉल्व कर लिया इतना एमपियर आ जाएगा वो तो कर लोग यार वैसे क्या मैथ करा रहे ठीक है ठीक है ठीक है केस टू केस टू में कह रहे हैं कि अगर हम सेम वोल्ट लगाएं इसके ऊपर विच इज 220 लेकिन अगर हम लोग रेजिस्टेंस कितना कर दें 100 ओम भाई साहब कसम है सबको कोई कैलकुलेट मत करो बिना कैलकुलेट किए अभी इसी वक्त बताओ मेरे को कमेंट सेक्शन पे लिख दो मन में बोल दो आवाज तो मैं सुनी लूंगा आपकी कि बच्चों अब इस केस में करंट बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा कैलकुलेशन मत करो कंसेप्ट लगाओ तो आंसर है आंसर है हाँ, बढ़ जाएगा क्योंकि पहले रेजिस्टेंस कितना था देखो पहले रेजिस्टेंस था 1200 ओम अब रेजिस्टेंस कितना हो गया 100 ओम और आज ही पढ़ा कि भाई रेजिस्टेंस तो करंट को फ्लो होने से रोकता है तो अगर सर्किट में करंट फ्लो अगर सर्किट में रेजिस्टेंस जो है वो कम हो रहा है 1200 से 100 हो गया है कम हो रहा है तो ऑटोमेटिकली आपको समझ जाना चाहिए कि करंट बढ़ जाएगा बाकी कैलकुलेट तो कर लेंगे तो अगेन ओम्स लॉजी कहते हैं वी इज इक्व टू आई आर वी हमारे पास दो सौ बीस ही है आई हम लोगों को यहाँ से निकालना है आर हमारे पास हंड्रेड है तो आई टू हमारे पास आ जाएगा दो सो बीस अपॉन में हंड्रेड यानी कि टू पॉइंट टू एम्पियर कहीं ना कहीं और इसका मतलब है ये तो टूट वो तो ऑब्वियस बात है वन से भी छोटा ही आएगा ये तो करंट जो है वो बढ़ गया क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो कम हो गया एन सी ई आर टी का सवाल है ये डन है जी डन है जी ठीक है अगला सवाल ये भी एन सी आर टी का ही है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर एक इलेक्ट्रिक हीटर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 60 वोल्ट है व्हेन इट ड्रॉस करंट ऑफ जब वो कितना करंट ड्रॉ करता है 4 एम्पियर्स जब वो कितना करंट ड्रॉ करता है 4 एम्पियर्स फ्रॉम द सोर्स व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ अब वही हीटर सेम हीटर कितना करंट ड्रॉ करेगा अगर हम लोग वोल्टेज को एक वोल्ट कर दें बच्चों अगर ये क्वेश्चन एम फॉर्म में आता या अब तो सब्जेक्टिव पेपर हैं सीबीएसई के अगर ये एम में आता या कोई बच्चा हमारे वीडियोस देख रहा है जो कोई एंट्रेंस एग्जाम वगैरह की तैयारी कर रहा है जहाँ पे एम आते हैं तो ये क्वेश्चन ओरली भी हो सकता है कैसे हमने वोल्टेज को 60 से 120 यानी कि डबल कर दिया अब अगर वोल्टेज दुगनी हो गई डबल हो गई तो करंट भी डबल होना चाहिए क्यों क्योंकि करंट और वोल्टेज आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो अगर वोल्टेज डबल हो गई तो करंट भी डबल होना चाहिए लेकिन अगर हम सब्जेक्टिव पेपर कर रहे हैं तो ऐसे काम नहीं चलेगा हमें उसको प्रॉपर तरीके से बच्चों एक्सप्लेन करना रहेगा सॉल्व करना रहेगा कैसे सॉल्व करेंगे प्लान क्या है हम इस वाले केस से पहले क्या निकाल लेंगे इसका रेजिस्टेंस और उस रेजिस्टेंस की वैल्यू को सेकंड केस में यूज करेंगे क्योंकि रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा हमने वोल्टेज चेंज की है हम 60 से कहा आ गए 120 पे लेकिन क्या चेंज नहीं होगा उससे बच्चों करंट रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा तो हम पहले वाले केस रेजिस्टेंस के को दूसरे वाले केस में पुट कर सकते हैं तो अगेन वी इज इक्व आर रहता है वी हमारे पास 60 है I हमारे पास 4 है यहां से हमें आर निकालना है तो आर आ गया हमारे पास 60 अपॉन में 4 विच इज कितना आ गया 1 और ये आ गया 5, 15 आ गया कैलकुलेशन देख लेना 15 आ गया चलो अब क्या ये कहना ठीक है कि अगेन v इज इक्व टू आई आर होता है अब v कितना है हमारे पास 120 है i हमें इस बार निकालना है और r हमारे पास बच्चों कितना है 15 आ गया है तो यहां से अगर मैं आई टू निकाल लूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 120 ट्वेंटी अपॉन में फिफ्टीन फिफ्टीन इन टू में फोर होता है सिक्सटी तो एट हो गया वन ट्वेंटी तो यहाँ से हमारे पास एट एम्पियर आंसर आ गया आना ही था क्योंकि अगर हमने वोल्टेज को डबल कर दिया है तो करंट भी डबल हो जाना चाहिए ओके बच्चों तो क्या क्या पढ़ लिया एक बार देख लें खत्म करें फिर क्लास तो हमने क्या क्या पढ़ लिया आज हमने पढ़ लिया कि भाई सबसे पहले तो कि पोटेंशियल क्या होता है पोटेंशियल में भी दो वर्जन आए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल इंफानाइट से एक पॉइंट तक लाएंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस बोल देंगे ऐसा यूनिट आई नंबर थ्री आए फिर हमने पढ़ा एक वोल्ट क्या होता है एक जूल काम करोगे एक कुलम के चार्ज को धक्का मारने के लिए तो एक वोल्ट पैदा होगा वोल्ट मीटर इंस्ट्रूमेंट है वोल्टेज नापता है पैर में लगाते हैं न्यूमेरिकल आया न्यूमेरिकल आया न्यूमेरिकल आया न्यूमेरिकल आया फिर हमने पढ़ा सर्किट डायग्राम फिर हमने पढ़ा ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट ठीक है फिर हमने आज की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ी ओम्स लॉ जिन्होंने बताया कि अगर हम एक सर्किट के अंदर वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा फिर रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा रेजिस्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो करंट को फ्लो होने से रोकती है ये एक रुकावट है बच्चों है ना ऐसा यूनिट आई इसकी ओम एक ओम कब आएगा जब एक वोल्ट लगाने पे एक एम्पियर मिल जाएगा फिर हमने एक न्यूमेरिकल और एक न्यूमेरिकल पढ़ा अगला लेक्चर की शुरुआत कहाँ से होने वाली है बच्चों अगले लेक्चर की शुरुआत होने वाली है जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर रजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है वो वी और आई पे तो नहीं करता तो कौन कौन से फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है बच्चों ये हम लोग पढ़ेंगे तो सबसे पहले आज का टॉपिक आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस कौन कौन सी वैल्यूज पे अफेक्ट करता है लेक्चर शुरू करने से पहले दो मिनट बात करना चाहूंगा कि आप लोगों के मैसेजेस जो हैं जिनके ऊपर हम लोगों ने अभी तक कोई रिएक्ट नहीं किया क्योंकि वहां पर ज्यादातर जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो पढ़ाई से रिलेटेड है ही नहीं ठीक है ना बच्चों तो मैं यहाँ पे चाहूंगा प्लीज़ रिक्वेस्ट भी मेरी रहेगी आप कुछ भी कह लें कि पढ़ाई से रिलेटेड क्वेश्चन भी वहाँ पर आप लोग पूछेंगे अगर तो ही मैं एक सेशन ला पाऊँगा मतलब आप लोग कंप्लीट लेक्चर्स के बारे में बात कर रहे हैं जिसका सॉल्यूशन हमने आपको दे दिया है आप कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं और क्लासेस की उसका भी सॉल्यूशन बहुत जल्द आने वाला है लेकिन यार अगर मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी फॉर एन एग्ज़ाम्पल अगर हम ये ये लेक्चर हमारा टेंथ का इलेक्ट्रिसिटी का है तो यहाँ पे आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं क्वेश्चंस भी आ रहे हैं ऐसी बातें नहीं आ रहे और हम उनके स्क्रीन लेके उनको एक जगह पर इकट्ठे कर रहे हैं हमारी टीम उसको इकट्ठा कर रही है बच्चों और मैंने बताया था कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हम जल्द से जल्द एक डेडिकेटेड लेक्चर लाएंगे इसके चैप्टर के ख़त्म होते ही और वहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि वो क्वेश्चंस के क्या आंसर्स हैं कैसे कैसे उनको डिस्कस करेंगे उसके ऊपर भी कोई प्लान बनाएंगे कोई बहुत कॉमन क्वेश्चन होगा तो शॉर्ट फॉर्म में डाल देंगे नहीं तो मैंने बताया था क्लास में डिस्कस करें लेकिन प्लीज़ बच्चों आपके जो भी डाउट्स हैं वो वहां पर डालें पढ़ाई के दिन बचें एक दो महीना बचाए यार प्लीज़ उसको यूटिलाइज़ करें फ़ायदा उठाएं मेरी रिक्वेस्ट है चलिए टाइम वेस्ट करेंगे बात करेंगे आज आगे की फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस सर अगर रेजिस्टेंस वी और आई चेंज करने पे चेंज नहीं होता तो पता तो दो ये किस पे चेंज होता है सबसे पहला आ रहा है लेंथ ऑफ कंडक्टर अब लेंथ ऑफ द कंडक्टर से क्या कहने का मतलब है आओ जरा समझ लेटर सपोज मेरे पास एक वायर है जिसकी लंबाई जो है वो है बच्चों एल और मेरे पास बच्चों एक और वायर है जिसकी लंबाई जो है बच्चों वो है मान लेते हैं 2l अब ना अपने मत लग जाना यूट्यूब की स्क्रीन पे अपने मोबाइल की स्क्रीन पे लैपटॉप की स्क्रीन पे किस न डबल बनाया कि नहीं लेकिन मान लेते हैं इसकी जो लंबाई है बच्चों वो है 2l यानी कि नीचे वाली वायर की लंबाई ऊपर वाली वायर की लंबाई से डबल है अच्छा तो क्या होगा तो भाई सबसे पहले लिखते हैं फिर इसको समझेंगे भी कि जो रेजिस्टेंस होता है किसी भी सॉरी सॉरी जो रेजिस्टेंस होता है बच्चों जो रेजिस्टेंस होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो लेंथ ऑफ कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है यानी जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसका मतलब यह है कि अगर मैं लेंथ जो है बढ़ाऊंगा कंडक्टर की तो रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ेगा सर ऐसा क्यों अगर मैं लेंथ बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस क्यों बढ़ेगा जरा लास्ट क्लास याद करेंगे कि हमने बात की थी कि रेजिस्टेंस पैदा क्यों होता है रेजिस्टेंस इसलिए पैदा होता है क्योंकि वायर के अंदर जो एटम्स हैं एज्यूमिंग कॉपर की बनी हुई है तो कॉपर के इसके अंदर क्या होंगे एटम्स होंगे अब जब यहां से इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तो वो एटम उनको रुकावट पैदा करेंगे अब आप सोचो कि एक वायर इतनी लेंथ की है, एक वायर इतनी लेंथ की इसको इस तरीके से समझते हैं बच्चों याद करो मैंने लास्ट क्लास में कहा था कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है पोटेंशियल डिफरेंस इज जस्ट लाइक एक फुटबॉल है जो कि हम जिसको हम इलेक्ट्रॉन इमेजिन कर रहे हैं और पोटेंशियल डिफरेंस को किक करता है जिससे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करता है इलेक्ट्रॉन मतलब फुटबॉल अब आप सोचो एक रोड है जो कि रफ है जिसकी लंबाई है एक रोड है जिसकी लंबाई है एक मीटर और वो रफ है कंकड़ पत्थर पड़े हुए सेम एक और रोड है जिसकी लंबाई दो मीटर है यहां पे एक फुटबॉल पड़ी हुई है यहां पे एक फुटबॉल पड़ी हुई है यहां से आपने उसको उसको किक किक किया एक ही बंदा उसको किक कर रहा है तो कौन से, वाले केस में बॉल जो है, वो स्पीड से आके निकलेगी तो आंसर है फर्स्ट वाले में क्योंकि सेकेंड वाले में जो रोड है जो रफ रोड है उसकी लंबाई ज्यादा है जो कि फुटबॉल पे ज्यादा रुकावट पैदा करेगी ज्यादा फ्रिक्शन बात करेगी इसको मैकेनिक्स की भाषा में समझ रहे हैं हम लोग हालांकि लात आपने आपने एक ही फोर्स से मारी है बट यहाँ पे जो कि रोड आपकी एक मीटर की है यहाँ पे आपकी दो मीटर की है तो रुकावट ज़्यादा पैदा होगी तो यहाँ से अगर बॉल मान लो निकलती है दस मीटर पर सेकंड से तो यहाँ पे सिर्फ मान के चल रहे हैं अभी डेटा सुनो बस पांच मीटर पर सेकंड से बॉल निकलेगी अब इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये बॉल इलेक्ट्रॉन है तो इस वाले केस में जब इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा तो ज्यादा स्पीड से आएगा और इस वाले केस में कम स्पीड से आएगा कम स्पीड से आएगा मतलब रुकावट ज्यादा है रुकावट ज्यादा है तो मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा है ना यार तो जो कॉमन सेंस की बात भी है वैसे कि अगर हम लेंथ ऑफ वायर को बढ़ाते हैं अगर हम लेंथ ऑफ वायर को बढ़ाएंगे तो जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ेगा क्योंकि रुकावट बढ़ेगी लेंथ ऑफ वायर बढ़ेगी लेंथ ऑफ वायर बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो और मुश्किल हो जाएगा और ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स आएंगे इलेक्ट्रॉन को और ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स को ओवरकम करना होगा और ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स को रगड़ते हुए जाना होगा है ना इस तरीके से समझ लो तो किसी भी तरीके से समझो अगर हम लेंथ ऑफ वायर को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगा एंड हम इस इक्वेशन को इक्वेशन फर्स्ट कह देते हैं क्योंकि आगे जाके ये काम आने वाली है तो क्या ऐसा कहते हैं कि फॉर लॉन्गर लेंथ ऑफ वायर रेजिस्टेंस इज हाई एक लॉन्गर वायर के लिए रेजिस्टेंस हाई होता है इसके ऊपर एक छोटी सी कहानी है, जो कि मैं आपको पांच दस मिनट में समझाऊंगा जब हम रजिस्टर्स पे पहुंचेंगे तो शायद आपको ये और समझ में आएगा लेकिन रजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ ठीक है जी तो पहला फैक्टर हो गया कि ये लेंथ पे डिपेंड करेगा इसलिए आपको शायद याद होना चाहिए ओम्स लॉ में हमने कहा था कि हम उसके डायमेंशंस यानी कि लेंथ और एरिया वगैरह चेंज नहीं करेंगे क्योंकि पहला फैक्टर जो कि लेंथ है अगला फैक्टर हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ गया सबसे पहली बात यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिखा हुआ है ना कि एरिया 99% केसेस में जो वायरस होती है उनकी शेप सिलेंड्रिकल होती है जैसे कि आपके सामने यहाँ पे तीन वायरस हैं है। तो सिलेंडर में बच्चों ये वाला जो हिस्सा होता है इसको बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जहां से इलेक्ट्रॉन्स एंटर करेंगे करंट एंटर करेगा या एग्जिट करेगा तो एक सिलेंडर में एक तो होता है सर्कल और एक होता है कर्व्ड सर्फेस एरिया तो दोनों को मिला दो टोटल सर्फेस एरिया बनता है यहां पे हम कौन से वाले की बात कर रहे हैं सिर्फ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की लेटर सपोज कि हमारे पास यहां पे एक वायर है तो हम इस वाले एरिया की ही बात कर रहे हैं बस क्योंकि करंट यहीं से आएगा और यहीं से जाएगा साइड वाले कर्व्ड सरफेस एरिया की यहां पे बात हम नहीं करने वाले हैं तो इसलिए सबसे पहले तो ये ध्यान दें कि यहां पे हमें कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं लेना है यहां सिर्फ बात हो रही है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की अब हर एक वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग अलग हो सकता है कई वायर्स पतली होती है जैसे कि ये बीच में एक वायर आप देख पा रहे हैं थोड़ी सी पतली है उसके आस पास वाले ये जो, ये जो इनके ऊपर कलर है वो तो इंसुलेशन है ना उनको तो छोड़ देते हैं ये जो कॉपर वायर है जैसे ये वाली वायर अगर आप देखें तो थोड़ी सी पतली है लेकिन ये वाली सबसे ज्यादा थिक है मेरे हिसाब से और ये वाली ठीक ठाक है तो ये अलग अलग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की वायर्स हैं सिमिलरली जैसे हमारे घरों में भी अगर आपने एसी देखा हो तो एसी के वायर्स जनरली थिक होती हैं माइक्रोवेव की थिक होती हैं। Uh, हमारे घर में जो मेन लाइन की वायर चलती है जो सीधा मीटर से आते है वो भी थिक होती है लेकिन वहीं पे चार्जर की वायर्स की अगर बात करें तो वो थिन होती है पतली है क्योंकि वहां पे करंट कम चाहिए हम बात करेंगे ये जो माइक मैंने गले में पहना हुआ वा, है इसकी वायर बहुत पतली है अंदर से जा रही है यूं तो ये बहुत पतली वायर है क्योंकि यहां पर ज्यादा करंट नहीं है अगेन ये क्यों होता है पतली वायर मोटी वायर बात करेंगे लेकिन पहले आप समझो कि हम बात कर रहे हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की यहाँ पे अब हम लंबाई की बात नहीं कर रहे हैं लंबाई की बात हम कर चुके अब हम बात कर रहे हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो लेटर सपोज वी हैव टू वायर्स एक वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए और एक वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है टू ए तो आपको क्या लगता है कि किसके लिए जो रेजिस्टेंस होगा जैसे पीछे तो हमने पढ़ लिया कि लेंथ अगर बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ेगा लेंथ बढ़ने पे रेजिस्टेंस बढ़ेगा लेकिन एरिया के रिस्पेक्ट में आप क्या समझते हैं आपको क्या लगता है एरिया के रिस्पेक्ट में क्या होगा तो आंसर है एरिया के साथ रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है यानी अगर मैं बात करूं तो रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बच्चों अगेन एरिया बोलने से बेहतर हम पूरा बोले एरिया ऑफ क्या क्रॉस सेक्शन क्योंकि कभी कभार बच्चे एरिया का मतलब गलत समझते हैं यहाँ पे हमें सिर्फ ये वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी कि जहां से करंट एंटर और एग्जिट करेगा सिर्फ वो वाला पार्ट यहाँ पे लेना है तो अगर हम उसको एक समराइजेशन फॉर्म में लिखें तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अब सवाल उठता है ऐसा क्यों हो रहा है थोड़ा समझना भी जरूरी है क्लास में जब हम पहुंचेंगे चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी तीसरा चैप्टर है हमारा वहां पे हमें एक डेरिवेशन भी करनी है प्रॉपर उसको डिराइव करना है और शो करना है कि रेजिस्टेंस एरिया के इनवर्सली प्रपोर्शनल होता है लेकिन अभी अगर हम ऐसे ही ओरली बात करें तो बच्चों देखो ध्यान से सुनना जितना ज्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है तो फिर क्या होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा एंटर करेंगे उस एरिया से मैं इसको कैसे समझाता हूं मान लो एक कमरा है कोई भी कमरा है, और उस कमरे में दो दरवाजे हैं। एक दरवाजा बहुत छोटा सा है उस दरवाजे का साइज इतना है कि एक बारी में एक ही बच्चा वहां से निकल सकता है दो निकलेंगे तो फंस जाएंगे वहीं पे एक उसी कमरे में एक और दरवाजा जो बड़ा है जहां से एक बार में तीन चार पांच बच्चे भी निकल सकते हैं लेटस्ट सपोज अब आप मुझे बताओ अगर उस कमरे में आग लग जाती है जो बच्चे मेरी साइंस एंड फन पे वीडियोस देखते हैं वो कहेंगे सर को आग लगाने में बड़ा मजा आता है तो मान लो आग लग जाती है उस कमरे के अंदर तो आप मुझे बताएं तो बच्चे भागेंगे क्लास चल रही है बच्चे भागेंगे आग लगे तो कौन से वाले दरवाजे से दरवाजा ए जो है उसका साइज छोटा है और दरवाजे बी का साइज बड़ा है आप मुझे बताओ कौन से दरवाजे से बच्चे जल्दी जल्दी बाहर निकल पाएंगे जल्दी जल्दी इवैक्यूएशन होगा जल्दी जल्दी बच्चे पार करेंगे आंसर पता है यार आपको तो आंसर ए है क्योंकि भाई अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा तो बच्चे आसानी से निकल पाएंगे जल्दी जल्दी निकलेंगे ज्यादा नंबर ऑफ बच्चे निकल पाएंगे बिल्कुल ऐसे ही अगर एक वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा तो ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहां से पास होंगे इसका एक और भी कारण है वो मैं यहाँ नहीं देना चाहूंगा क्योंकि टेंथ के बच्चों को समझ नहीं आएगा बट टेंथ के बिहाफ पर अगर बात करें तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा वहां से जा पाते हैं पर यूनिट टाइम और गिवन टाइम में अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तो ज्यादा चार्ज जाएगा ज्यादा चार्ज जाएगा तो करंट बढ़ जाएगा और करंट बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा आप समझ नहीं रहे हो रेजिस्टेंस को हम करंट के भी हाफ पे ही तो पड़ रहे हैं ना अगर एरिया बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो आसान हो रहा है तो इसका मतलब रुकावट हाँ एरिया बढ़ने पर अगर करंट का फ्लो आसान हो रहा है तो रुकावट क्या हो रही है रुकावट कम हो रही है ना बच्चों बोलो यार बोलो यार प्लीज बोलो यस बोलो यस बोलो यस बोलो, बोलो मैंने सुन लिया तो बेटा रेजिस्टेंस दो फैक्टर पर डिपेंड कर गया एक है कि ये डिपेंड करता है लेंथ ऑफ वायर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एरिया पे ये करता है इनवर्सली प्रपोशनल अब आपके हिसाब से अगली स्लाइड पे जाने से पहले आप मुझे बताएं क्या आपके हिसाब से रेजिस्टेंस जो है वो और किसी फैक्टर पे भी डिपेंड करता होगा सोच के बताओ बताओ आंसर कमेंट सेक्शन में आग लगाओ फिर आग लगाओ कमेंट सेक्शन में बताओ क्या इन दोनों के अलावा एरिया और लेंथ के अलावा कोई और फैक्टर होगा जो जिसपे डिपेंड करता होगा रेजिस्टेंस क्या कह रहे हो क्या लिख रहे हो बहुत बढ़िया वेरी अरे यार होशियार बच्चे हैं यार तो इनको तो पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल सही कह रहे बच्चों और आंसर है नेचर ऑफ मटीरियल क्या है नेचर ऑफ मटीरियल अच्छा कई बच्चों को ये बड़ी कंफ्यूजन है कि ये क्लासेस यार यार ये क्लासेस आपको प्रीमियर फॉर्म में मिल रही हैं मतलब रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल रही हैं बच्चे कुछ मैंने दो चार कमेंट पढ़े थे लाइव के लिए बात कर रहे थे जल्द सब कुछ किया जाएगा ठीक है ना हर एक बच्चे की इच्छाएं यहाँ पे पूरी की जाएंगी हमारी जो सरकार है वो सॉरी हम सबकी मांगे पूरी मांगे तो नहीं है ये तो आपका हक है बच्चों क्या बात बोल दी मैंने ये आपकी मांगे नहीं ये आपका हक है ये आपका अधिकार है आप लोगों ने हमें इतना प्यार दिया तो बदले में हमारा भी तो देना बनता है ना तो ये तो आपका अधिकार है बच्चों वेरी गुड तो नेचर ऑफ मटेरियल आप लोगों ने लिखा और मैंने वो पढ़ लिया देखो आपके लिखने से पहले मुझे पता है कि आपने लिखा होगा नेचर ऑफ मटीरियल ऑफ बच्चों बात करेंगे कि नेचर ऑफ मेटीरियल पे कैसे रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा आप सोचो कई मटीरियल्स ऐसे होंगे जिनसे करंट फ्लो होना आसान होगा जस्ट लाइक कंडक्टर्स है ना भाई तो नेचर ऑफ मटेरियल के लिए अगर बात करें तो तीन स्टेज बनते हैं पहला आता है कंडक्टर तो क्या ऐसा कहना ठीक है कि कंडक्टर्स के लिए जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो बहुत ही ज्यादा लो होती है कंडक्टर्स के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा लो होती है कंपैरिजन चल रहा ये बेस, बेस है ये टॉपिक कंपैरिजन के ऊपर बेस्ड रहेगा इंसुलेटर्स की बच्चों अगर हम लोग बात करें इंसुलेटर्स के लिए जो रेजिस्टेंस रहता है बच्चों वो काफी ज्यादा हाई रहता है अगर इन केस किसी को नहीं पता कंडक्टर मतलब जो यार जिनके अंदर से करंट फ्लो हो जाता है जैसे दुनिया के सबसे बेहतरीन कंडक्टर्स हैं कॉपर सिल्वर, एल्यूमिनियम इनमें से करंट बहुत आसानी से फ्लो होता है रुकावटें बहुत कम है जिसकी वजह से रेजिस्टेंस बहुत लो हो गया वहीं पे रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है इंसुलेटर्स के लिए इंसुलेटर्स अपने अंदर से करंट को जाने नहीं देते रुकावटें पैदा करते हैं बहुत सारे कारण ऐसा क्यों करते हैं इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते बचपन में आपने पढ़ा है बहुत सारे क्लासेस में इनके पास फ्री चार्ज नहीं होते तो वो चार्ज को एटम से बाहर निकालना बहुत मुश्किल है बहुत है जिसके वजह से रेजिस्टेंस बहुत हाई हो जाता है अगेन एग्जाम्पल के तौर पर आप प्लास्टिक ले लो वुड ले लो एयर ले लो ये सब क्या है इंसुलेटर्स हैं है ना लेकिन बच्चों वहीं पे आते हैं हमारे पास सेमीकंडक्टर्स कह लीजिए या एलॉयज़ कह लीजिए हालांकि दोनों अलग अलग बातें बट अभी हम इनके बीच में एक टॉपिक ले रहे हैं एलॉयज तो एलॉयज़ के लिए जो रेजिस्टेंस होता है वो आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं होता और बहुत ज़्यादा लो भी नहीं होता कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू इंटरमीडिएट लेवल पे रहती है एग्जाम्पल के तो अब एलॉयज़ में जैसे कि हमारे पास आ गया ब्रास जैसे कि हमारे पास आ गया मान लेते हैं ब्रॉन्स ऐसे हमारे पास आ गया निक्रोम नाइक्रोम कुछ भी कह ले ये है ना अच्छा एलॉयज तो पता होंगे आपको जो दो मेटल्स या एक मेटल नॉन मेटल से मिलके बने फॉर एग्जांपल निक्रोम के बारे में हम इस चैप्टर में काफी बात करने वाले हैं अभी निक्रोम बनता है दो मेटल से निकल और क्रोमियम बात करेंगे अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं लेकिन कंडक्टर्स के लिए जो रेजिस्टेंस है वो काफी कम होता है क्योंकि उनके अंदर से करंट बहुत ईजिली फ्लो हो जाता है उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका नेचर ऐसा है देखो नेचर के बारे में वो तो बने ही ऐसे हैं ना तो नेचर के बारे ये बंदा बड़ा खड़ूस है ये बंदा बड़ा स्वीट है क्यूट है तो वो क्यों है उसका नेचर है ऐसे बच्चों कंडक्टर्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं सोडियम के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं कॉपर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं एल्यूमिनियम के इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये गुड कंडक्टर हैं वहीं पर इंसुलेटर्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो उनके इलेक्ट्रॉन्स आसानी से बाहर नहीं आते फ्लो नहीं करते जिसकी वजह से वो इंसुलेटर बन गए वेर एज एलो का रेजिस्टेंस ठीक ठाक होता है बहुत ज्यादा हाई भी नहीं है और बहुत ज्यादा लो भी नहीं है तो इसका मतलब जो तीसरा फैक्टर हमारे पास आता है बच्चों वो आता है नेचर ऑफ मटेरियल यानी कि लेंथ पे तो डिपेंड करता ही है एरिया पे भी डिपेंड करता है लेकिन साथ ही साथ बच्चों ये किस पे भी डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे अब नेचर ऑफ मटेरियल को ही डिफाइन करने के लिए यहां पे एक टॉपिक आने वाला है इज रेजिस्टिविटी लेकिन उससे पहले अब हम इन तीनों को कंबाइंड कर देंगे ये वाला हिस्सा बहुत ध्यान से सुनना है क्योंकि न्यूमेरिकल आएंगे तो ऐसा कह दें कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ से ये तो हम बात कर चुके हैं और रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया से ये भी हम बात कर चुके हैं अब अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं बच्चों तो कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए हो जाएगा यानी कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया एल के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ए के अब आप सब जानते हैं बच्चों कि अगर मैं प्रोपोर्शनल का साइन हटा के यहाँ पे इक्वल का साइन लगाना चाहूँगा तो मुझे यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाना होगा और वो कांस्टेंट मैंने लगा दिया रो कई किताबें ऐसे बनाती हैं रो मतलब मेरे को तो ऐसे आदत हो गई है रो बनाने की वैसे तो देखा जाए तो रो जो है वो ऐसे ऐसे करके ऐसा कुछ बनता है ठीक है यार भावनाएं समझने वाली बात है लेकिन R इज इक्व टू रो एल बाय A सर ये रो क्या है रो तो इसका सिंबल है ना लेकिन ये है क्या तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जो रेजिस्टेंस है वो एक तो डिपेंड करता है लेंथ पे और एक करता है एरिया पे लेंथ पे डायरेक्टली एरिया पे इनवर्सली है तो तो एल और समझ में आ गया लेकिन ये रो क्या है है तो आंसर है अभी तो पढ़ाया कि एक और चीज है जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है और वो क्या है नेचर ऑफ मेटीरियल तो ये जो रो है ना बच्चो ये नेचर ऑफ मटीरियल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है ये जो रो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है नेचर ऑफ मेटीरियल को पहली बात तो इस रो को क्या बोलते हैं आगे नाम आ रहा है इस रो की वैल्यू क्या है आगे बात आ रही है इसकी यूनिट क्या है आगे बात आ रही है रुको जरा सब्र करो लेकिन ये रो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है नेचर ऑफ मेटीरियल को और एक और चीज को भी हम बात करेंगे लेकिन कुल मिला के हमारे पास रेजिस्टेंस का एक नया फॉर्मूला आ गया है विच इज एल बाय ए वे रो इज अ Constant, इसका एक नाम है आप बात थोड़ी सी कर लें वेयर रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी इसको बच्चों हम लोग क्या कहते हैं रेजिस्टिविटी और ये रजिस्ट्री जैसे कि भाई ये रो अब किस किस वैल्यू पर डिपेंड करता है बात करेंगे लेकिन बच्चों मैथ्स का एक नियम दिया था मैंने आपको मैथ्स का एक नियम दिया था कि जिस भी इक्वेशन में हम कोई कांस्टेंट लगाते हैं जैसे इस इक्वेशन में हमने रो को क्या लगाया है कांस्टेंट इसका मतलब यह है कि जो रो की वैल्यू है वो एल ए और आर चेंज करने पे चेंज नहीं होगी जैसे लास्ट क्लास में V टू आर आई में हम लोगों ने आर ए क्या लगाया था कॉन्स्टेंट और मैंने चिल्ला चिल्ला के आपको पढ़ाया कि V और I चेंज करने पे R चेंज नहीं होगा उसी प्रकार बच्चों उसी प्रकार बच्चों इस वाले इक्वेशन में जो रो हमने लगाया है वो एक कांस्टेंट लगाया है ना तो रो चेंज नहीं होगा अगर हम चेंज करेंगे आर को एल को ए को तो रो इन सारी वैल्यूज पर डिपेंड नहीं करता तो यहां पे हम एक दो हजार रुपए के नोट का पॉइंट यहां पे लिख देते हैं कि वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट टू दी वैल्यू ऑफ एल ए एंड आर मतलब आर चेंज करने पे रो चेंज हो ऐसा जरूरी नहीं है एल चेंज करने पे रो चेंज हो जरूरी नहीं है ए चेंज करने पे रो चेंज हो जरूरी नहीं है क्योंकि वो इन पर डिपेंड करता नहीं है किस पर डिपेंड करता है एक मिनट रुको लेकिन ये पहले फॉर्मूला समझे इसके ऊपर एग्जाम में न्यूमेरिकल आने के चांसेस सत्तर प्रतिशत है इस चैप्टर में ये, ये चैप्टर से आपको पता है न्यूमेरिकल आएगा या आएगा अभी तो हमने कुछ किए भी नहीं है बहुत सारे करने वाले हैं लेकिन आज इसके ऊपर भी करेंगे लेकिन इस फॉर्मले के ऊपर न्यूमेरिकल आने के प्रतिशत चांसेस है आप उसको भी फिर से ढंग से नहीं कर रहे फिर क्या करोगे गलत बात है तो सत्तर प्रतिशत आगे बढ़ते हैं इस रो के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं लेकिन आर इज इक्व टू क्या फॉर्मुला आ चुका है बच्चों रो एल बाई ए फिर आर इज रेजिस्टेंस एल इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर दंडर इज फॉर सिलेंड्रिकल सिलेंड्रिकल वायरस के लिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसकी वैल्यू क्या रहेगी बच्चों एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए पाए आर स्क एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्यों रहेगी पाए आर स्क्वे ना बच्चो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रहेगा Pi r square, कैसे हैं बात लेकिन आप बचो थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहां पे के बारे में, अच्छा अगर आप इस डेफिनेशन को यहां तक पढ़ो कंडक्टर तक पढ़ो तो आपको लगेगा अरे ये तो रेजिस्टेंस की डेफिनेशन है क्योंकि तो रजिस्टेंस की डेफिनेशन भी यही थी क्या अ प्रॉपर्टी विच रजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट इन अ कंडक्टर यहां तक पढ़ने पे दोनों की परिभाषा सेम लग रही होगी लेकिन आगे तो पढ़ लो बट ओनली ये बहुत ताकतवर शब्द है डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर अरे ये क्या आ गया बात करेंगे लेकिन हमने ये तो बात कर लिया कि जो रो है वो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा यही डिसाइड करेगा कि नेचर ऑफ मटेरियल के रिस्पेक्ट से रेजिस्टेंस कैसे चेंज होगा क्योंकि रेजिस्टेंस एक्चुअली इन तीन पर डिपेंड कर रहा है एल और एलोरे समझ में आ गया लेकिन वो नेचर ऑफ पे भी डिपेंड कर रहा था जिसको रो रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करेगा और टेम्परेचर पर यानी कि पहले बात करे थे नेचर ऑफ मटेरियल के लिए तो भाई फॉर कंडक्टर्स फॉर इंसुलेटर्स एंड फॉर एलॉयज और वी कैन से दैट सेमी कंडक्टर्स जल्दी से प्लीज ठीक है जल्दी से आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन पे कि कंडक्टर्स के लिए इंसुलेटर्स के लिए और एलॉयज के लिए बच्चे यार कमेंट सेक्शन में ना सारी बातें करते हैं शोना मोना पता नहीं क्या क्या करते रहते हो यार तुम लोग यही करते रहोगे ना अगर शोना मोना तो पेपर के बाद पड़ेगा रोना पकड़ के कोना बेटा oh अगर करते रहोगे कमेंट सेक्शन में शोना और मेरी मोना तो पेपर के बाद पड़ेगा रोना पकड़ के घर का कोई कोना प्लीज बच्चों पढ़ाई कर लिया करो यार तो बच्चों यहाँ पे ये यह अभी अभी इंस्टेंटली बनाया मैंने ऐसा नहीं मैं घर से बना के लाया था अभी बना है तो देख लो भाई तुम्हारे टीचर बहुत प्यारा शायर भी है तो बच्चों फॉर कंडक्टर्स फॉर इंसुलेटर्स फॉर एलॉय जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन पे रेजिस्टिविटी की वैल्यू लेकिन याद रखना रेजिस्टिविटी नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है और कंडक्टर्स के लिए रेजिस्टेंस लो है इंसुलेटर्स के लिए हाई है एलॉयस के लिए ठीक ठाक है तो उसी हिसाब से बताओ रेजिस्टिविटी की वैल्यू जल्दी कमेंट सेक्शन पे लिखो जल्दी जब ये वीडियो कौन कौन क्या क्या लिख रहा है वेरी तो तो गुड करें तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या रहेगी बच्चों लो रहेगी क्योंकि अगर रजिस्टिविटी की वैल्यू लो होगी तभी तो रजिस्टेंस लो होगा क्योंकि रजिस्टेंस और रजिस्टिविटी भाई ऐसे डिपेंड कर रहे डायरेक्टली तो अगर रो की वैल्यू कम होगी तो ही तो आर कम होगा ना तो भाई आर तो कम होता ही है पर वो कम क्यों होता है क्योंकि रो कम होता है इंसुलेटर्स के लिए आप समझ गए रो की वैल्यू हाई होती है और एलॉयस के लिए अगेन ठीक ठाक होती है एनसीआरटी में एक टेबल बनी हुई है मैं यहां पे

तो ये डिपेंड करती है एक तो नेचर ऑफ मटेरियल पे और इसकी वैल्यू एक और चीज पर डिपेंड करती है वो है टेम्परेचर पे हम टेम्परेचर पे भी आज थोड़ी सी बात करने वाले हैं बट अकॉर्डिंग टू सी बी एस ई अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी में टेम्परेचर के बारे में बात करनी नहीं है लेकिन टॉपिक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है पांच मिनट इसको देंगे हम लोग ठीक है तो भैया वो भी सबर रखना है लेकिन अब बात कर लेते हैं कि रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है तो हम ये तो समझ गए कि रेजिस्टिविटी कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर मटेरियल कंडक्टर है तो बहुत लो होगा क्योंकि रुकावट कम होगी इंसुलेटर है तो हाई होगा और एलॉयज होगा तो ठीक ठाक सा रहेगा चलिए अब हम बात करते हैं बच्चों किसके बारे में टेम्परेचर को सॉरी सॉरी बात करते हैं एस आई यानी स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी की क्या स्टैंडर्ड यूनिट रहती है तो भाई हमने फॉर्मूला पढ़ा आर इज इक्व टू रो एल से अगर मैं रो का फॉर्मूला निकाल लेता हूं तो आर इन टू में ऊपर चला गया और एल नीचे आ गया भाई तो यहां से अगर हम बात करें यूनिट ऑफ रो तो आर की यूनिट हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ ली थी ओम एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर और लेंथ की होती है मीटर एक मीटर से एक मीटर कैंसिल हो गया यूनिट आगे बच्चों ओम ओम मीटर मीटर यूनिट बच्चों तो उस हिसाब से हमारे पास हम कह सकते हैं कि जो रेजिस्टिविटी है उसकी वैल्यू ओम मीटर में रहती है अभी हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं लेकिन देखो क्या दे रखा है कि कॉपर वायर है उसकी रेजिस्टिविटी दे रखी है 1.6 पॉइंट सिक्स इंटूमे टेन की पार माइनस आठ क्या आगे क्या आगे क्या ओम ओम मीटर। तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या है meter, एक आध नंबर तो अच्छा, के लिए यहीं पे अगर लेटर सपोज इंसुलेटर या कोई होता तो टेन की पावर प्लस में चली जाती है ना बच्चों तो यह वाली बात भी ध्यान रखनी है यह हुई बात किसके बारे में रजिस्ट्रीविटी के बारे में डन है चलो आगे बढ़ते हैं अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ रहा है इफ लेंथ ऑफ अ वायर इज डबल्ड अगर मैं एक वायर की लेंथ को डबल कर देता हूं तो उसके रेजिस्टेंस पे और उसकी रेजिस्टिविटी पे क्या फर्क पड़ता है पहले बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस के बारे में क्या यह कहना ठीक है कि रेजिस्टेंस होता है रो एल बाय ए बच्चों थोड़ा एग्जाम के बारे में बात करें अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन वन मार्क का आता है एक नंबर का आता है तो आप सीधा लिख देंगे कि भाई लेंथ जो है एरिया रेजिस्टेंस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो सीधा लिखना है कि अगर हमने लेंथ को डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा लेकिन अगर ये दो मार्क्स का आता है तो उसे मैथमेटिकली समझाना होगा कैसे एज आर इज इक्वल टू रो एल बा ए है लेकिन हमने जो नई वाली लेंथ है उसको पुरानी वाली लेंथ से डबल कर दिया है तो जो नया वाला रेजिस्टेंस आएगा जिसको हम आर डैश कह रहे हैं वो आएगा रो नया वाला लेंथ अपॉन में एरिया रो चेंज नहीं हुआ है एरिया चेंज नहीं हुआ है लेकिन लेंथ चेंज हो गई है और लेंथ चेंज होके कितनी हो गई है टू एल हो गई है कितनी हो गई है टू एल तो उसकी जगह पे हम टू एल पुट कर देंगे तो नया वाला रेजिस्टेंस आ जाएगा टू भार आ गया रो एल बाय अब आप मुझे बताओ ये क्या है तो ये है पुराने वाला रेजिस्टेंस हमारा जब एल लेंथ थी तो इसका मतलब यह है कि जो नया वाला रेजिस्टेंस है वो दुगना आ गया है पुराने वाले के डबल आ गया आना भी चाहिए क्योंकि लेंथ डबल हो गई है है अब बच्चों ये ये क्वेश्चन दो प्रकार से आया अगर आया अगर मार्क में तो सीधा लिख देना है। यार इतना नहीं करना है सीधा लिख दो कि भाई लेंथ अगर क्या हो रही है डबल तो रेजिस्टेंस भी डबल होगा एज बोथ आर डायरेक्टली डायरेक्टोशनल लेकिन अगर ये टू मार्क्स में आता तो इतना करना रहेगा आपको ठीक है अब बच्चों बात यहां पे करें रजिस्टिविटी के बारे में क्वेश्चन में दो सवाल पूछे गए थे पहला सवाल था अगर हम लेंथ को डबल कर देंगे तो रेजिस्टेंस पे पे क्या क्या फर्क फर्क पड़ेगा आंसर डबल हो जाएगी लेकिन अब आप मुझे बताओ रेजिस्टिविटी पड़ेगा जल्दी जल्दी बता दो कमेंट सेक्शन पे कि रेजिस्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया भाई तो भाई रेजिस्टिविटी सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर रही है नेचर ऑफ मटेरियल पे और डिपेंड कर रही है टेम्परेचर पे हमने तो यहां पे लेंथ चेंज की है भूलना नहीं है लाल पेन से लिख लेना है कि भाई रेजिस्टिविटी की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ मटेरियल और टेम्परेचर पर डिपेंड करती है इसका कोई लेना देना नहीं है लेंथ से एरिया से और आर से तो क्या हम यहां पे ऐसा कह दें कि रेजिस्टिविटी रेजिस्टिविटी विल रिमेन सेम यानी रेजिस्टिविटी की जो वैल्यू है वो नहीं बदलेगी रेजिस्टिविटी की वैल्यू का कोई लेना देना नहीं है लेंथ से हाँ यहाँ पे अगर हम मटेरियल बदल रहे होते या टेम्परेचर बदल रहे होते बट बदलने पे वो बदलता लेकिन यहाँ पे तो हमने सिर्फ को डबल किया है समझ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं छोटे से न्यूमेरिकल के बारे में अगेन एनसीआरटी का न्यूमेरिकल है एग्जाम में काफी बार ऐसे मिलते जुलते न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे एक कॉपर वायर है जिसका डायमीटर आपको दे रखा है जीरो मिलीमीटर अब इसको अगर हम समझें तो ये एक वायर है और इस वायर का आपको यहां से लेके यहां तक डायमीटर मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाले हिस्से का डायमीटर दे रखा है 0.5 मिलीमीटर मिली मीटर पसंद है बिल्कुल नहीं पसंद भाई इसको तो हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे टेन की पार माइनस थ्री मीटर हमें एरिया निकालना है प्लानिंग क्या है भाई रजिस्ट्री रजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है आर इज इक्व रोएल बाय ए एरिया कैसे निकालते हैं एरिया निकालते हैं पाई पाएआर स्क्वायर से तो उसके लिए हमें पहले क्या चाहिए होगा रेडियस चाहिए होगा तो उसके लिए हम रेडियस निकालने के लिए इसको टू से डिवाइड कर देंगे तो जीरो पॉइंट टू फाइव इंटू में टेन की पार माइनस थ्री मीटर यह आ गया रेडियस और क्या क्या दे रखा है हमें यह भी दे रखा है कि इसकी रेजिस्टिविटी जो है कॉपर की वो है वन पॉइंट सिक्स इन हमें में टेन की पार माइनस एट साथ मीटर यह हमें यह भी दे रखा है कि रेजिस्टेंस कितना है बच्चों टेन ओम है यार सब कुछ तो दे दिया और निकालना बचा ही क्या अब इतना प्यारा क्वेश्चन है ध्यान से ढूंढोगे तो आई लव यू भी लिखा मिल जाएगा बच्चों और क्या चाहिए सब कुछ तो गिवन है आपको यस और नो क्या निकालना है हमें बोला गया है कि आप ये बताओ कि उस वायर की क्या लेंथ होगी पहले एरिया निकाल लेते हैं काम आसान हो जाएगा एरिया कैसे निकालेंगे पाई आर स्क्वायर पाई की वैल्यू ट्वेंट टू बाई सेवन डाल दो थ्री पॉइंट वन फोर डाल दो आपका जो मन करे डाल दो और आर की वैल्यू आ गई जीरो पॉइंट टू फाइव में टेन की पार माइनस थ्री का स्क्वायर यह आ गया 3.14 इसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे 0.0625 आ जाएगा और ये 10 की पार माइनस सिक्स आ जाएगा इसे मल्टीप्लाई वगैरह कर लो इतना मीटर स्क्वायर तो हमारे पास एरिया आ गया अब हम क्या करेंगे भाई फॉर्मूला लगा देंगे R इज इक्व टू रो एल बाय ए का फॉर्मूला लगा देंगे रेजिस्टेंस कह रहे हैं दस ओम चाहिए एरिया हमारे पास आ चुका है ये वैल्यू आ गई है चाहो तो अभी फिलहाल इसी फॉर्म में डाल दो इसको ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है हाँ कितनी आई है 3.14 पॉइंट में 0.0625 पॉइंट में 10 की पार माइनस सिक्स और यहाँ पे रो की जो वैल्यू है वो हमारे पास 1.6 पॉइंट में 10 की पावर माइनस एट इंटू में एल तो यहाँ पे 10 की पावर से बहुत सारी चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी मैथ्स मत करवाओ मेरे से और लेंथ आ जाएगी इतना मीटर यार कुल मिला के इक्वेशन में एक दो तीन चार चीज़ें हैं चार में से तीन दे देंगे चौथी पूछ लेंगे और क्या ही होता है न्यूमेरिकल्स में बोलो इसके ऊपर और न्यूमेरिकल्स करेंगे लेकिन इस तरीके से ही न्यूमेरिकल आते हैं अब जैसे यहां पे आपको एल पूछ लिया अब किसी सवाल में आपसे रो पूछ लेंगे एक एग्जाम्पल है एनसीआरटी का करेंगे जिसमें रो पूछ लिया किसी में आर पूछ लेंगे किसी में पूछ लेंगे रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है तो पहले आपको एरिया निकालना होगा इस फॉर्मुले से एरिया निकालने के बाद उसको पाई पाईआर स्क्वायर के बराबर रखना होगा उससे आर निकल लेंगे तो घूम फिर के यार पहुंचना वही है एक, दो तीन चार चार चीजें तीन दे देंगे चौथी पूछ डन है जी ठीक है अब इसके बाद हमारे पास सवाल आता है कि टेम्परेचर से कैसे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस अगेन मैं आपको याद दिला देता हूँ ये टॉपिक हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा पांच दस मिनट पढ़ाऊंगा क्योंकि ये थोड़ा सा एक ओवरव्यू लेना जरूरी है क्योंकि ये पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है बहुत सारे टेंथ क्लास के बच्चे हैं जिनको मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो इलेवेंथ के ट्वेल्थ के जिनको पता ही नहीं होता कि टेंथ में उन्होंने पढ़ा था कि भाई रजिस्टेंस टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है तो आंसर है हाँ करता है लेकिन अगेन तीन फैक्टर्स बनेंगे कंडक्टर्स पे अलग इफेक्ट है मतलब कंडक्टर्स पे उसका अलग इफेक्ट आएगा इंसुलेटर्स पे उसका अलग इफेक्ट आएगा और सेमीकंडक्टर्स पे उसका अलग इफेक्ट आएगा सबसे पहले बात करते हैं कि टेम्परेचर चेंज करने पे क्या फर्क पड़ेगा इंसुलेटर्स पे क्योंकि सबसे आसान उनको समझना है इंसुलेटर्स क्या होते हैं इंसुलेटर्स वो होते हैं जिनके अंदर से करंट फ्लो नहीं होता है ना क्यों नहीं होता क्योंकि उनके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते इंसुलेटर्स के पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और अगर उनके पास इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है जो बिजली पास करा सकें तो आप जितना मर्जी उनको हीट कर लो उनके साथ जबरदस्ती कर लो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे अब कई बच्चे कहेंगे कि सर एक्सट्रीम कंडीशंस में कई चीज़ें बिजली कंडक्ट करना शुरू कर देती हैं जैसे कि एयर है एयर वैसे तो इंसुलेटर है पर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस पे उसको अप्लाई करेंगे जब बिजली कड़कती है इतनी ज़्यादा वोल्टेज होती है कि एयर को भी वो गुड कंडक्टर कर देती है उसको आयनाइज कर देती है बट वो एक्सट्रीम कंडीशन हैं यहां पे एक्सट्रीम कंडीशंस की बात नहीं कर रहे नॉर्मल कंडीशंस की बात करें तो इंसुलेटर्स के पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते जिसकी वजह से आप उन्हें जितना मर्जी गर्म कर लो जितना मर्जी ठंडा कर लो उन उनप कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला रेजिस्टेंस का क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ही फ्री नहीं है ना इलेक्ट्रॉन्स ही फ्री नहीं है तो ना कोई करंट पे इफेक्ट आने वाला है और ना ही कोई इफेक्ट आने वाला है रेजिस्टेंस के ऊपर लेकिन वहीं पे अगर हम लोग बात करें कंडक्टर्स की अब इसको समझना है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से कि कंडक्टर्स में रेजिस्टेंस बढ़ाने पे सॉरी टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस क्यों बढ़ता है इमेजिन करेंगे इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो करते हैं नाइन्थ में पढ़ा था कि सॉलिड के पार्टिकल्स ऐसे ऐसे करके वाइब्रेट करते रहते हैं ना अपनी जगह पर वाइब्रेट करते रहते हैं अब इलेक्ट्रॉन को उसके बीच में से निकल के जाना है अब अगर कॉपर के पार्टिकल्स धीरे वाइब्रेट कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन जाना आसान अगर कॉपर के पार्टिकल तेज तेज वाइब्रेट करने लग गए तो इलेक्ट्रॉन का जाना और मुश्किल हो जाएगा इमेजिन करो एक एक कमरे में बहुत सारे पेंडुलम टंगे में भारी भारी ऐसे ऐसे कि लग गया आपको तो आपकी हड्डी टूटी आपको चोट लगी अब वो पेंडुलम ऐसे से करके वाइब्रेट कर रहे हैं आपको उनके बीच से जाना जगह बना बना के निकल जाओगे लेकिन अगर पेंडुलम बहुत तेज तेज वाइब्रेट कर रहे होंगे तो आपका जाना आसान हो जाएगा या मुश्किल हो जाएगा यस yes, आपका जाना मुश्किल हो जाएगा बिल्कुल इलेक्ट्रॉन के साथ भी ऐसा होता है जब हम किसी भी कंडक्टर को हीट करते हैं तो उसके एटम्स और ज्यादा वाइब्रेट करने लग जाते हैं हीट अलग है मेल्ट अलग है पिघलाना नहीं है कॉपर को हीट करने की बात हो रही है टेम्परेचर बढ़ाने की बात हो रही है अगर हम कॉपर का टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो पार्टिकल्स और ज़्यादा वाइब्रेट होने लग जाएंगे और अगर पार्टिकल्स की वाइब्रेशन बढ़ गई तो इलेक्ट्रॉन का जाना और मुश्किल हो जाएगा और अगर मुश्किल हो गया तो रुकावटें बढ़ जाएंगी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा डिटेल में नहीं जाऊंगा फिर से और वहीं पर अगर बात करें सेमी में अब सेमी में उल्टा होता है टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस कम हो जाता है दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर ऐसा क्यों होता है अगेन एक मिनट में समझाऊंगा ज़्यादा नहीं सेमी कंडक्टर्स के पास इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते तो नहीं है लेकिन थोड़ी बहुत हीट दो तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स फ्री कर लेते हैं मतलब इंसुलेटर्स के पास तो इलेक्ट्रॉन फ्री है ही नहीं हीट करने में भी फ़र्क पड़ेगा नहीं लेकिन इनके पास इन्होंने आप ऐसा समझो इलेक्ट्रॉन छुपा के रखे हुए हैं कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं समझो इलेक्ट्रॉन छुपा के रखे हुए हैं आ, ऐसा समझो है समझो कि एक रोड पे एक अंकल जा रहे हैं एक गुंडा आता है चाकू लेके और कहता है कि भाई जितना भी पैसा है अपनी जेब में से निकाल दो अब इंसुलेटर जैसे अंकल जिनके पास है ही नहीं पैसे वो क्या वो पैसे निकाल पाएंगे नहीं उनके पास है ही नहीं अब चाहे चाकू मार दो चाहे ना मारो पैसे तो नहीं निकलने वाले इंसुलेटर में ऐसा होता है वहीं पे हम बात करें सेमी कंडक्टर तो ये वो वाले अंकल है जिनके पास पैसे तो हैं जिन्होंने पहले मना किया था जिन्होंने पहले चोर को बोला भाई साहब मेरे पास पैसे है ही ही नहीं लेकिन जैसे ही उस चोर ने क्या दिखाया ये तो मतलब स्टाइलेस है लेकिन चाकू दिखाया तो अंकल जी ने खटाक से अपनी जेब से पैसे निकाल के दे दिए तो यही सेमी कंडक्टर होता है इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत हीट करो थोड़ा बहुत डराओ तो इनके इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं बिल्कुल इसी प्रकार सेमी में होता है आप अभी दसवीं कक्षा के छात्रों बच्चों जब ट्वेल्थ में आओगे ना सेमीकंडक्टर नाम का पूरा एक चैप्टर है जाके चेक कर लो गूगल पे मतलब क्लास के बात करना भी नहीं तो सेमीकंडक्टर चैप्टर में पूरा डेढ़ दो घंटा हमें इस टॉपिक के बारे में बात करनी अभी नहीं सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पे इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से रजिस्टेंस कम हो जाता है ठीक है अगेन इस टॉपिक को हटाते हैं अभी क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ से नहीं बट फिर भी कहीं पर लिख लेना आप लोग काम आएगा लाइफ में आगे चलिए अब हम लोग आज जो मेन टॉपिक पढ़ने वाले अभी तक हमने क्या पढ़ लिया अभी तक हमने पढ़ लिया कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है सबसे पहला है लेंथ पे डायरेक्टली एरिया पे इनवर्सली फिर है नेचर ऑफ मटेरियल पे तीन प्रकार के इफेक्ट्स आए फिर हमने इसका एक फॉर्मुला पढ़ा रोएल बा ए फिर एक टॉपिक आया रेजिस्टिविटी यूनिट आई ओम मीटर एक दो न्यूमेरिकल और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि इफेक्ट क्या है टेम्परेचर का अब आज क्या पढ़ने वाले हैं हम आज हम पढ़ने वाले हैं कि रजिस्टर्स क्या होता है अगेन ये कैसा टॉपिक है जो बहुत अंडर रेटेड है बच्चे इस पर ध्यान नहीं देते हैं और उनको पता भी नहीं चलता है कि रजिस्टर्स और बाकी डिवाइसिस में क्या फर्क है अब मुझे नहीं पता है जो सामने फोटोज बनी हुई हैं आपने कभी ये देखा है कि नहीं बट कभी आपने कोई चार्जर कोई मदरबोर्ड कोई रिमोट खोला हो तो उसके अंदर ऐसी छोटी छोटी ये यहां पे शायद बड़े दिख रहे होंगे आपको लेकिन चावल के दाने जितने होते हैं ये चावल के दाने होते हैं ना उतने होते हैं इनको बोलते हैं रजिस्टर्स क्या होते हैं ये आप समझे एक कहानी सुनाऊंगा आपको याद होगा मैंने अभी कहा था कि मैं आपको लेंथ के रिलेटेड एक कहानी सुनाऊंगा वो कहानी क्या है एक बच्ची पढ़ती थी मेरे से नैन्सी नाम था उसका हो गए दो चार साल हो गए उसको स्कूल में एक मॉडल बनाना था मॉडल में स्ट्रीट लाइट वगैरह का मॉडल था वो छोड़ देते हैं लेकिन मैंने उसको बोला कि बेटा मॉडल बनाने के लिए तेरे को नौ वोल्ट की एक बैटरी लेके आनी है कुछ एलईडीज यानी कि लाइट एमिटिंग लाने हैं और ये रेजिस्टेंस लेके आने मैंने उसको बोला कि तेरे को हजार ओम का एक रजिस्टर लेके आना, ले आना है वो सारा सामान ले आई लेकिन उसे नहीं नहीं मिला उसको रेजिस्टर मिला उसको ही नहीं। ये डिवाइस नहीं मिले पचास पैसे एक रुपए दो रुपए के आते हैं लेकिन उसको मिले नहीं है अब उसको अगले दिन मॉडल सबमिट कराना था तो मैंने कहा बेटा अगर हम इसके बगैर सीधा बैटरी से एलईडी जला देंगे तो एलईडी तो खराब हो जाएंगी अब क्या करें तो हमारे दिमाग में आया एक आइडिया हमने लगाई हमारी साइंस ये देखो भाई हमने लगाया ये वाला पॉइंट कहां गया ये वाला हमने ये याद किया कि रेजिस्टेंस लेंथ के भी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हमने जो सर्किट बनाया था यहां पे हमने बैटरी लगानी थी यहां पे हमने एलईडी लगानी थी और उसको जलाना था बीच में लगाना था रेजिस्टर ताकि करंट कम हो जाए रजिस्टर करंट को कम कैसे करता है बताऊंगा और एलईडी खराब ना हो लेकिन वो रजिस्टर लगाना लाना भूल गई तो एलईडी तो खराब हो जाएगी तो हमने क्या जुगाड़ किया हमने इस वायर की लंबाई को बढ़ा दिया हमने कॉपर वायर ली और पेंसिल पे लपेटते गए यहां से निकाली लपेटते गए लपेटते गए लपेटते गए लपेटते गए लपेटते गए लपेटते गए और फिर उसको एलईडी में डाला इससे क्या हुआ और उसको छुपा दिया गत्ते के उसमें कार्डबोर्ड के नीचे इससे क्या हुआ लेंथ ऑफ द कंडक्टर बढ़ गया लेंथ ऑफ द कंडक्टर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ गया रेजिस्टेंस के बढ़ने से करंट कम हो गया और वो नो वोल्ट की बैटरी जो बहुत ज्यादा करंट बना रही थी और अगर मैं उसको सीधा एलईडी के साथ कनेक्ट करता था वो खराब हो जाती अब वो खराब नहीं हो रही थी अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो बेवकूफी हुई क्योंकि पचास पैसे की चीज रुप की चीज के लिए आपने दस रुपए की बीस रुपए की वायर खर्च कर दी उस वक्त हमारी मजबूरी थी क्योंकि बच्ची लाना भूल गई थी अब आप खुद ही समझ गए कि रजिस्टर क्या है रजिस्टर ऐसे डिवाइस हैं ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेंट्स हैं जिनको हम लोगों ने बनाया है ताकि सर्किट में अगर हमें कभी रजिस्टेंस की रुकावट की जरूरत पड़ जाए तो हम उन्हें लगा सकें छोटे छोटे दिल्ली में एक जगह है चांदी चौक अगर कोई दिल्ली से है तो उसको पता होगा भरे पड़े हैं बारह रुपए के बारह मिलते हैं ऐसे पत्ते में मिलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है चौक में कहीं से भी वैसे मिल जाएंगे बहुत सस्ते होते हैं इनको बनाया इन पे ना अलग अलग कलर कोडिंग होती है ट्वेल्थ में पढ़ेंगे कलर कोडिंग का मतलब कुछ है हर एक की एक यूनिक वैल्यू है जो उनके कलर से रिप्रेजेंट की जा रही है लेकिन ये ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिनको स्पेशली बनाया जाता है ताकि सर्किट में हमें रुकावट मिल सके हमें रुकावट क्यों चाहिए रुकावट तो अच्छी बात नहीं है मैंने अभी आपको समझाया कि अगर हम ताकतवर बैटरी हमारे पास है और उससे हमें कोई छोटी चीज़ चलानी है तो रुकावट लगाना बहुत ज़रूरी है जैसे साइकिल तेज चल रही है ब्रेक मारना जरूरी है ऐसे ही अगर करंट बहुत ज़्यादा है उसे कम करना है तो वहाँ पर रजिस्टर्स चाहिए होते हैं इनको बोलते हैं रजिस्टर्स रजिस्टर्स क्या होते हैं दोबारा इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स विच प्रोवाइड रेजिस्टेंस इन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट ऐसा कह लें ऐसे सर्किटोनेट जिनको हमने स्पेशली बनाया है रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए अब आखिरी सवाल पूछेंगे इसको खत्म करेंगे क्या बल्ब के अंदर एक रेजिस्टेंस होता है आंसर इज यस क्या ट्यूबलाइट के अंदर भी रेजिस्टेंस है रुकावट है आंसर इज यस क्या दुनिया के हर एक इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस में रेजिस्टेंस है आंसर इज यस क्या कॉपर की वायर में भी रेजिस्टेंसर है हां। लेकिन इनको हम रेजिस्टेंस के रूप में यूज नहीं करते क्योंकि मैंने आपको बताया इसके लिए हमने अलग से डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बना रखे जो बहुत सस्ते हैं लेकिन अगर मेरे पास यहां पे वायर लगी हुई है और यहां पे एक बल्ब है तो बल्ब के अंदर भी एक रेजिस्टेंस होगा उसको भी एक रेजिस्टेंस फैक्टर मान सकता हूं लेकिन अगर मुझे अलग से रेजिस्टेंस लगाना है तो वहां पर मैं रजिस्टर्स लगा सकता हूं डर है स्पेशल कंपोनेंट्स है ये क्यों पढ़ाया क्योंकि अभी हम पढ़ने वाले हैं सीरीज और पैरल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स वर्ड जो है इसका मतलब है कि हम इनको अगर सीरीज में, तो में लगाएंगे तो क्या होगा लेकिन रजिस्टर्स का मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी है बच्चों ये भी ध्यान रखिएगा रजिस्टर्स का मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी है यानी अगर मैं टीवी को फ्रिज को वॉशिंग मशीन को अपने घर में कनेक्ट कर रहा हूं तो मैं उसको दो तरीके से कनेक्ट कर सकता हूं एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और एक आएगा हमारे पास पैरल कॉम्बिनेशन जब सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करेंगे तो नेट रेजिस्टेंस कैसे मिलेगा क्या मिलेगा और जब पैरल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करेंगे तो नेट रेजिस्टेंस क्या मिलेगा इसके ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं अब सबसे पहले याद करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है ऐसा कॉम्बिनेशन मैंने बताया था जिसमें करंट जो है वो सेम रहता है ये हमारे पास बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है बहुत बढ़िया पॉजिटिव से नेगेटिव तो यहां से करंट ट्रेवल करके यहां जा रहा है याद करेंगे क्या सबके अक्रॉस करंट सेम जाएगा आंसर इज यस इसको 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 लगा दिया अब ये एक ही पाइप है एक ही पाइप है तो एक ही पाइप में पानी का फ्लो तो सेम ही रहेगा ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि कहीं पे पानी का फ्लो ज्यादा है कहीं पे कम है एक लीटर पानी अगर पाइप में अंदर जा रहा है तो एक लीटर पानी पाइप से बाहर आएगा ही आएगा कहां जाएगा एक लोहे का पाइप है एक तरफ से छोटा एक तरफ से बड़ा है स्पीड चेंज हो सकती है लेकिन वॉल्यूम ऑफ वाटर पर यूनिट टाइम चेंज नहीं हो सकता अकल लगाओ यहां से दस लीटर पानी एक सेकेंड में आ रहा है वहां से बाहर कितना निकलेगा दस लीटर अगर लीटर निकलेगा तो वो एक लीटर कहां जाएगा मजाक कर रहे हो क्या? नहीं ना तो वो एक ऐसे ही में करंट क्या रहता है पांच एम्पियर पांच एम्पियर पांच पांच, पांच 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 और हर जगह पांच एम्पियर जाएगा ऐसे कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन अब सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर मेरे पास एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू है आर वन एक की है R2 और एक की है R3 तो मुझे अगर नेट रेजिस्टेंस निकालना हो टोटल रेजिस्टेंस निकालना हो तो हमारी पढ़ाई कहती है कि वी कैन यूज Rn प्लस प्लस अगर मेरे पास सीरीज कॉम्बिनेशन है और टोटल रेजिस्टेंस मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगा सबके रेजिस्टेंस को एड कर दूंगा अभी हम इस फॉर्मुले को डिलाईव भी करने वाले हैं लेकिन इसको समझो कि अगर हमारे पास एक रेजिस्टेंस है दस ओम का एक है पचास ओम का और एक है मान लेते हैं ओम का और इन तीनों को मैंने सीरीज में लगा रखा है सीरीज मतलब एन टू एन जोड़ के तो जो टोटल रेजिस्टेंस मुझे मिलेगा पूरे सर्किट का वो उनको सिंपली हम ऐड कर देंगे सीधा सीधा ऐड कर देंगे विच इज एक ओम यानी अगर मैं कुछ रजिस्टर्स को चाहे वो तीन हो चाहे वो चार हो चाहे वो चार हजार हो कितने भी रजिस्टर्स हो अगर मैं उनको सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करता हूं जो तो टोटल रजिस्टेंस मुझे मिलेगा वो मिलेगा सारे की वैल्यू का सम ठीक है बच्चों ठीक है अब इसकी हम यहां पे करेंगे डेरिवेशन कि ये फॉर्मूला कहां से आया ठीक है सबसे पहले अगर मैंने इसको ये वी वोल्ट दिया है ये वी नेट वोल्ट दिया है वी नेट तो इसके अक्रॉस वोल्टेज होगा वी वन इसके अक्रॉस होगा वी टू और इसके अक्रॉस होगा वी थ्री शायद फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर में बात की थी कि सीरीज में वोल्टेज अलग अलग हो जाती है तो अगर मुझे नेट वोल्टेज निकालनी है यहां पे अगर मैंने मान लो 20 वोल्ट दिया तो वो वोल्ट इनमें डिवाइड हो गया इसको मिला 10, इसको मिला 5, इसको मिला 5, मतलब जो भी मिला ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं तो जो V1 है वो V2 के और v3 के सम मतलब इन सबको अगर हम ऐड कर दें v1 v2 v3 को तो हमें क्या मिल जाएगा v नेट मिल जाएगा ओके okay. ठीक है अब ओम स्लोजी के हिसाब से v क्या होता है तो v होता है i r तो v नेट हो गया i r नेट v1 हो गया i r1 v2 हो गया i r2 और v3 हो गया i r3 सर आपने सब में i सेम क्यों लिया है खुद ही दे दो आंसर है ना क्योंकि कौन सा कॉम्बिनेशन है सीरीज और सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या रहता है सेम रहता है तो यहां से अगर हम आए आर नेट लेते हैं और यहां से अगर मैं आए कॉमन ले लेता हूं तो आर वन प्लस आर टू प्लस क्या आ जाता है आर थ्री यह आ जाता है आई मैंने कॉमन ले लिया क्योंकि आई सबके अक्रॉस क्या है सेम है कि कॉम्बिनेशन सीरीज है अब मैं क्या करूंगा इस आय को आय से काट दूंगा तो अगर ऐसा है मैं यहाँ पे दोबारा ले देता हूं पिछली वाली इक्वेशन आए आर नेट आया था हमारे पास आए आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री आय से आय काट देंगे अगर तो आर नेट हमें मिल जाएगा आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री तो अगर ये तो हमने तीन रजिस्टर लगाए अगर मैं चार लगाता तो मुझे क्या मिल जाता आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस आर फोर तो आर फाइव ऐसे अगर मैं एन नंबर ऑफ रजिस्टर्स लगा दूंगा तो वो एन के एन बच्चों ऐड हो जाएंगे तो कुछ इस प्रकार से ये जो फॉर्मूला हमने पीछे पढ़ा वो हमने उसको प्रूव भी कर दिया कि सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए सारे रजिस्टेंसेस को सीधा आपस में बस क्या कर देना है एड कर देना है ठीक है क्वेश्चन करेंगे लेकिन पहले समझो कि सीरीज कॉम्बिनेशन में नेट रेजिस्टेंस निकालने के लिए सबके रेजिस्टेंसेस को हम आपस में क्या कर देंगे ऐड कर देंगे ठीक है जी इसके बाद आता है हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन अब आप देखें यहां पे ये कॉम्बिनेशन लगा हुआ है पैरेलल एक रेजिस्टेंस है R1, एक है आर एक है आर और इन तीनों को हमने आपस में पैरेलल लगा रखा है कैसे पता पैरेलल है तो भाई ऐसे पता है कि ये पैरल है क्योंकि जब यहाँ से इस बैटरी से करंट निकला होगा आय तो वो करंट डिवाइड हो गया होगा कुछ करंट यहाँ चला गया होगा आय वन कुछ यहाँ चला गया होगा आय टू कुछ यहाँ चला गया होगा आय थ्री और जब करंट डिवाइड होता है जब करंट बट जाता है तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम लोग कौन सा कॉम्बिनेशन कहते हैं बच्चों पैरल कॉम्बिनेशन कहते हैं तो इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन पैरल हो गया प्लस इन तीनों के पॉइंट्स जो हैं वो कॉमन हैं ये तीनों के तीनों इन दो ए और बी लाल पॉइंट से जुड़े हुए हैं तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया पैरल कॉम्बिनेशन अब पैरल कॉम्बिनेशन में नेट रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाता है तो पहली बात तो इट इज अ टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन जिसमें हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज सेम रहेगा और पैरल कॉम्बिनेशन में नेट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं तो वन अपॉन आर नेट इज इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री प्लस ऑन अप टू अगर हमने एन लिए हैं तो वन अपॉन आर एन यानी कि अगर मुझे एक सर्किट में नेट रेजिस्टेंस निकालना है और रेजिस्टेंसेस यानी कि रजिस्टर्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं तो कुछ इस तरीके से हम उसको निकाल सकते हैं अब ये फॉर्मूला कैसे आया इसकी भी बच्चों हम लोग डेरिवेशन करेंगे एग्जाम में डेरिवेशन आ सकती है क्या आ सकती है क्यों नहीं आ सकती भाई आई भी है बहुत बार बोर्ड के एग्जाम में डेरिवेशन भी आई हुई है चलो क्या है कहना ठीक है कि यहां से जो भी करंट आए नेट जाएगा वो डिवाइड हो रहा है इन तीन में तो ये आए नेट ही यहां से गया यार एक पाइप है पाइप से पानी आया वो तीन और पाइप्स में डिवाइड हो गया तो वो तीनों पाइप में जितना भी पानी मिलके जा रहा है वो टोटल पानी के बराबर है ना ऐसे बच्चों जितना भी टोटल करंट है वो इन तीनों करंट के सम के बराबर होगा आई वन आई टू आई थ्री इन तीनों को मिला दो तो आई नेट बन जाएगा ठीक है जी अब आई आर इसके हिसाब से आय क्या हो गया बता दो मुझे वी बाय आर तो आई नेट की जगह मैं लिख दूंगा वी बाय आर नेट आई वन की जगह में लिख दूंगा वी बाय आर वन आई टू की जगह में लिख दूंगा वी बाय आर टू और आई थ्री की जगह में लिख दूंगा वी बाय आर थ्री अब जल्दी से बता दो मैंने यहां पे वी सेम क्यों लिया बताओ हाँ क्यों लिया बताओ हाँ सुनना मैंने सुना भाई वी इसलिए सेम लिया क्योंकि कौन से कॉम्बिनेशन पर खड़े हुए हम पैरल और पैरल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज क्या रहती है सेम बात कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स के अंदर तो यहां पे अगर मैं वी को कॉमन ले लेता हूं तो वी कॉमन लेने पे यहां तो आ गया वी बाय आर नेट अगर मैं इस वाले में से सब में से वी को कॉमन ले लेता हूं तो यहां क्या बच जाएगा वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री क्या वी सी भी कैंसिल हो जाएगा हाँ बिकॉज वी सी में तो वन अपॉन आर नेट जो है वो आ जाएगा वन अपॉन आर वन वन अपॉन आर टू वन अपॉन आर थ्री ये तो हमने तीन रजिस्टर्स के लिए किया चार लगे होंगे तो चार पांच लगे होंगे तो पांच और एन नंबर ऑफ रजिस्टर्स लगे होंगे तो वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री प्लस 1/2 1 अपॉन rn तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में नेट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम उनको सीधा ऐड नहीं कर सकते हमें उनके रेसिप्रोकल्स ऐड करने होंगे तब जाके हमें नेट रेजिस्टेंस जो है बच्चों वो मिलेगा ठीक है जी तो सीरीज में सीधा ऐड कर सकते हैं नेट रेजिस्टेंस के लिए सीधा ऐड कर दो मिल गया आंसर लेकिन वहीं पे पैरेलल में आपको उनके रेसिप्रोकल ऐड करने होंगे अब कैसे ऐड करना अगर ये भी नहीं आता तो हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं अभी दो चार पाँच वैसे तो एन जब हम इसके निपटा रहे होंगे तब भी काफ़ी क्वेश्चन दोबारा आएंगे बट अभी बेसिक लेवल पे बात करें ऐसा करते हैं सबसे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट यहाँ पे एक छोटे से न्यूमेरिकल से समझते हैं न्यूमेरिकल तो नहीं कह सकते मान लो हमारे पास तीन रजिस्टर्स हैं ये रजिस्टर का सिंबल होता है बात की थी हमने ठीक है ना तो अगर ये रेजिस्टेंस दो ओम का है मेरे पास एक और दो ओम का रेजिस्टेंस है और मेरे पास एक और दो ओम का रेजिस्टेंस है मैं पर चाहे दोबारा बना देता ये जो रुजिस्टर है रुजिस्टर के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में सिंबल क्या यूज करते हैं एस एज एक्ट लाइन ये सिंबल होता है रेजिस्टेंस का अच्छा मार्केट में ऐसे भी रेजिस्टेंस आते हैं जो वेरिएबल होते हैं जिनकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं जिनकी वैल्यू को हम बदल सकते हैं उन्हें हम वेरिएबल रेजिस्टेंस यानी कि रियोस्टेट भी कहते हैं और उसका सिंबल हमने पढ़ा था लेक्चर में आपके पास स्लाइड होगी चलिए मैं कह रहा हूं कि हमारे पास तीन रजिस्टर हैं दो ओम दो ओम दो ओम के अगर मैं इन तीनों को सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा देता हूं मान लो मैंने इनको सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा दिया है ना ये सीरीज कॉम्बिनेशन है दो 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 तो अगर मुझे नेट रेजिस्टेंस निकालना होगा तो मुझे इनको बस ऐड कर देना है आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री यानी टू प्लस टू प्लस टू तो आंसर है सिक्स ओम हो जाएगा लेकिन वहीं पे अगर मैं इन्हें पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर दूँ पैरेलल कॉम्बिनेशन से कहने का मतलब है कि इन तीनों को मैं सेम वोल्टेज पे ले आऊँ यहाँ पे आ गया हमारे पास R1 जो कि एक सेकेंड यहाँ पे आ गया हमारे पास R1 जो कि कितने का है टू ओम का है और ये भी टू का है ये भी टू का, है, ये, भी टू का है, ये भी टू का है तो वन अपॉन आर नेट निकालने के लिए फॉर्मूला है वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री अब वन अपॉन आर नेट अगर हमें निकालना है तो वन अपॉन आर वन जो कि टू है ये भी क्या है वन अपॉन टू है और ये भी क्या है वन अपॉन टू है अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे भाई तो टू इनका एलसीएम आ गया ऊपर थ्री आ गया लेकिन ये तो हमारे पास वैल्यू किसकी आई है वन अपॉन आर नेट की आई है अगर हमें वैल्यू निकालनी है आर नेट की तो हमें इनको रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा करना होगा और उल्टा करने पे आ जाएगा टू बाय थ्री अब टू बाई थ्री इज़ लगभग लगभग जीरो पॉइंट सिक्स ओम के आसपास सिक्स 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 आएगा तो ज़ीरो पॉइंट सिक्स सेवन मान लो जो ही मान लो लेकिन कहने का मतलब है कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस हमें कितना मिला था आंसर है सिक्स और उन्हीं को ऐसा कुछ नहीं अलग उन्हीं को लगाया जब पैरेलल में तो रेजिस्टेंस कितना मिल गया ज़ीरो पॉइंट सिक्स हम ये पढ़ेंगे कि सीरीज में रेजिस्टेंस जो है वो हमें ज़्यादा मिलता है और पैरलर कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस हमें कम मिलता है अगर मैं कुछ रजिस्टर्स को सीरीज में लगाऊंगा तो रेजिस्टेंस काफी ज्यादा मिलेगा और उन्हीं रजिस्टर्स को अगर मैं पारल में लगा दूंगा तो रेजिस्टेंस कम मिलेगा आपके सामने है सबूत और भी इसकी एप्लीकेशंस की इसके क्या फ़ायदे हैं इसके क्या नुकसान हैं सीरीज़ में क्यों हम कब कनेक्ट करेंगे एक तो आइडिया हो गया अगर हमें मान लो कुछ रजिस्टर्स को कनेक्ट करके बहुत ज़्यादा रजिस्टेंस चाहिए तो हम लोग कौन से कॉम्बिनेशन में लगा देंगे उनको सीरीज़ और अगर हमें उन्हीं को कनेक्ट करके थोड़ा कम रजिस्टेंस चाहिए तो वहां पर उन्हें लगा देंगे पारलल और भी एक्स वाई जेड फायदे अभी हमें पढ़ने वाले हैं लेकिन पहले बेसिक बेसिक बात यह है अब यहाँ पे हमारे पास एक सवाल आ रहा है क्वेश्चन आ रहा है ऐसे में हाथ से लिख के ले आया था टाइम बचाने के लिए आओ हाँ बच्चों सवाल क्या है सवाल कह रहा है कि आपको नेट रेजिस्टेंस निकालना है इस गिवन कॉम्बिनेशन का हमारे पास यहाँ पे चार रजिस्टर्स लगे हुए हैं दस ओम दस ओम दस ओम और दस ओम अब इनको हमें इनका हमें नेट रेजिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट करना है मैं हमेशा से अपने बच्चों को भी बोलता आया हूं कि यार जब आप ये क्वेश्चन करो तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए इस सर्किट को अपने उसमें दोबारा बनाए आंसर शीट पे जब आप एग्जाम में कर रहे हो क्योंकि यहां पे ये तो गिवन है कि ये टेन है ये टेन है ये भी टेन है और ये भी टेन है लेकिन ये नहीं गिवन कि हम इन्हें नंबर क्या दे आर वन आर टू आर थ्री अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा डायग्राम गेवन आए कि आपको नंबर भी गेवन है आर वन आर टू आर थ्री तो फिर आपको डायग्राम दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है तो यहां पे इसको मैं नाम दे रहा हूं आर वन इसको दे रहा हूं आर टू इसको दे रहा हूं आर थ्री और इसको दे रहा हूँ आर फोर इससे हमें पता लगता रहेगा कि हम किसको पहले सॉल्व कर रहे हैं ठीक है चलो अब आप मुझे बताओ अगर हमें इसका नेट रेजिस्टेंस निकालना है तो कैसे सॉल्व करें क्या करना चाहिए कई बच्चे कहेंगे कि हम इसको पहले ऐड कर लें क्योंकि ये सीरीज है फिर ये पैरल और फिर तीनों को वापस ऐड बट काम बढ़ जाएगा ना तो क्यों ना सबसे पहले हम इन दोनों को सॉल्व कर लें और ये दोनों किस में लगे हुए हैं पैरल में तो पहले इन दोनों को जोड़ के एक बना दें इन दोनों को सॉल्व कर दें फिर जो आंसर आएगा वो तीनों किस में हो जाएंगे सीरीज में हो जाएंगे तो पहले आर वन और आर के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो फॉर R3 थ्री एंड आर और यही कारण है कि हमने इनको नंबर दिया ताकि हम टीचर को भी समझा पाए जब हम आंसर शीट भर रहे हो कि हमने किसको r3 और किसको r4 दिया है। तो ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं इनका जो सॉल्व करके आंसर आएगा उसको लेट्स से हम r 34 कह देते हैं कुछ भी कह दो तो हो गया 1 r3 1 r4 है ना तो 1 r34 अगर मुझे देना है तो 1 r3 कितना है 10 और ये भी कितना है बच्चों 10 तो अब इसको अगर हम सॉल्व कर दें वन अपॉन आर थ्री फोर हमारे पास आ गया टेन गया, गया तो ये काटने पे five, one upon five आ गया उल्टा करने पे थ्री फोर हमारे पास फाइव ओम आ गया अभी हमने क्या किया अभी हमने इन दोनों को सॉल्व किया है और इन दोनों को सॉल्व करने पे हमारे पास जो नेट रेजिस्टेंस आ चुका है वो आ चुका है फाइव ओम इन दोनों को अब अगर मैं ऐसा करूं कि मैं बस आपको समझाने के लिए आपकी मर्जी आप एग्जाम में यह करो कि नहीं करो अब यह सर्किट कैसा दिखेगा तो भाई इन दोनों को तो हमने छेड़ा ही नहीं है छेड़ा तो ही नहीं है लेकिन R3, को हमने, को और को हमने एक ही बना दिया है इनको मिला के हमने एक बना दिया एक बना दिया मतलब कि इसको बना दिया हमने आर थ्री फोर अगर आप मान लो एग्जाम में ऐसा करके आते हो टीचर कहेगा वाह बेटा आपका एड्रेस मांगेगा घर आएगा आपको गले लगा लेगा नहीं करते तो कोई ऐसी बात नहीं कि आपको वो गालियाँ देने लग जाएगा ऐसी बात नहीं है बच्चों लेकिन यार देखो कभी अभी आप अभी आप टेंथ क्लास में हो आपको बहुत ज्यादा लेवल के क्वेश्चन नहीं आने वाले ऐसे या थोड़े से और ऊपर के लेवल के जो भी हम करेंगे थोड़ी देर में या जब हम लोग इसकी एंसर आर कर रहे होंगे लेकिन अभी तो बेसिक कर रहे हैं लेकिन जैसे जैसे इसका लेवल बढ़ता जाता है ना कंफ्यूजन बढ़ती है तो इसलिए सलाह रहती है अगर ऐसे करेंगे तो गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे ऑल द ये तो बहुत इजी वाला पार्ट है अब इन दोनों को मिला के एक बना दिया अब ये तीनों के तीनों किस में हो गए सीरीज में हो गए तो अब अगर मुझे नेट रेजिस्टेंस निकालना है अब अगर मुझे नेट रेजिस्टेंस निकालना है तो मैं इन तीनों को सीरीज में ऐड कर दूंगा कैसे r1 प्लस r2 प्लस r3 और r3 4 क्योंकि ये एक बन चुका है ये हमारे पास कितना था 10 ये हमारे पास कितना था टेन और इसको सॉल्व करके आ गया था फाइव तो मुबारक हो बच्चो नेट रेजिस्टेंस आ गया है हमारे पास पच्चीस है। है, एक और क्वेश्चन आ रहा है यार कंसेप्ट को समझने के लिए अब अगेन यहाँ पे आर वन आर टू आर थ्री गिवन नहीं है तो क्यों ना हम इसको आर वन आर टू आर थ्री यहाँ पे नाम दे दें मेरी मेहनत बच जाएगी इसको आर वन बोल देते हैं इसको आर टू बोल देते हैं इसको आर थ्री बोल देते हैं क्यों ना भाई इसको आर फोर बोल देते हैं इसको आर फाइव बोल देते हैं इसको आर सिक्स बोल देते हैं एग्जाम में आपको ये दोबारा बनाना है आंसर शीट पे और फिर लिख के आना है बेहतर रहेगा ओके है बच्चों चलिए अब हम लोग क्या बात करेंगे अब हम लोग बात करेंगे कैसे सॉल्व करें कैसे कहना ठीक है कि आर वन आर टू आर थ्री ये दो तीनों के तीनों सीरीज में हाँ यहां से जो करंट आएगा वो डिवाइड हो जाएगा कुछ इधर कुछ इधर लेकिन जो करंट यहां आएगा जो करंट यहां आएगा ओहो हो वाइट के ऊपर वाइट सर क्या कर रहे हैं आप बेटा यहां से जो करंट आएगा जो भी करंट आएगा वही करंट R1, वही R2 और वही R3 में जाएगा तो ये तीनों के तीनों किस में हो गए सीरीज में हो गए ऐसे बच्चों यहां से जो करंट आएगा जो भी आएगा वही R6, R5 और R4 में जाएगा तो ये तीनों किस में हो गए सीरीज में हो गए समझो तो कहने का मतलब है बच्चों कि हम R1, R2, R3 को सीरीज में और फिर इनको सीरीज में पहले सॉल्व करेंगे तो पहले बात करते हैं फॉर आर वन आर टू आर थ्री सीरीज कॉम्बिनेशन है इसको मिला के नाम देते हैं आर ए इनका जो नेट आएगा उसको नाम दे रहे हैं आर ए तो आर ए क्या हो जाएगा आर वन आर टू आर थ्री बच्चों आर वन कितना है टू 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 सिक्स ओम बच्चों यस और नो ऐसे ही हम सॉल्व कर लेंगे फॉर आर फोर आर फाइव एंड आर सिक्स जो कि अगेन इसको हम सीरीज में सॉल्व करेंगे इसको इन तीनों को जो ऐड करके आएगा उसको आर बी नाम दे, दे देंगे तो आर फोर आर फाइव आर सिक्स बच्चों अब इन तीनों को ऐड कर देंगे तो आर बी हमारे पास आ जाएगा टू प्लस टू प्लस टू अगेन सिक्स गया, यानी इन तीनों को सॉल्व किया सिक्स इन तीनों को सॉल्व किया सिक्स अब नजारा कैसा है अब नजारा ऐसा है कि नहीं इन तीनों को मिला के आपने आर ए बोल दिया है इन तीनों को मिला के आपने आर बी बोल दिया है अब बताओ अब क्या है ये अबे बोलो ना यार अब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ गए हैं तो अब अगर मुझे नेट रेजिस्टेंस निकालना है तो आर ए को और आर बी को हमें सॉल्व करना रहेगा पैरेलल में है ना भाई आओ भाई सॉल्व कर देते हैं पैरेलल में तो वन अपॉन आर ए ए कितना है हमारे पास वन अपॉन सिक्स प्लस वन अपॉन सिक्स ठीक नहीं तो वन अपॉन आर नेट आ गया सिक्स और सिक्स का LCM six हो गया ये आ गया वन या आ गया वन तो यह आ गया टू बाई सिक्स यानी कि वन बाई थ्री उल्टा कर देंगे तो बच्चों मुबारक हो नेट रेजिस्टेंस आ चुका है थ्री ओम oh, तो इस तरीके से हम लोग ऐसे ऐसे कैसे भी न्यूमेरिकल आ सकते हैं ठीक है जी थी? तो ये हमारे पास दो क्वेश्चन हुए इसमें इनको पहले पैरल फिर सीरीज और यहाँ पे पहले सीरीज सीरीज और जो आंसर आया उसको हमने पैरल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर दिया है डन अब यहां पे एक क्वेश्चन और आ रहा है ऐसा करेंगे ये वाला जो क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में देंगे होमवर्क से मेरा कहने का मतलब है ये वाला क्वेश्चन मैं अभी करा रहा हूं बिल्कुल एग्जैक्टली ये वाला क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को करेंगे और आपका जो जो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं जो जो बच्चा इसका आंसर कमेंट सेक्शन पर लिखेगा मैं उसको पढ़ूंगा ठीक है ऐसा तो नहीं बोलूंगा कि मैं अगली क्लास में उन बच्चों के नाम लूंगा क्योंकि सबके तो नहीं ले पाऊंगा ठीक है अच्छा चलो ऐसा करेंगे कम नाम आए तो सबके नाम लूंगा मैं ठीक है कि किन किन बच्चों ने इसका आंसर सही दिया है ज्यादा आए तो फिर नाम नहीं ले पाएंगे किसी का रह जाएगा बच्चा वो गुस्सा हो जाता है लेकिन ये वाला क्वेश्चन इसके बिल्कुल बराबर है तो ये होमवर्क है इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट आपको करना है और जो आंसर आएगा कैसे आंसर आएगा क्या करना है उसको आपको कमेंट सेक्शन पे लिखना है लेकिन पहले आप फोर्थ क्वेश्चन करते हैं एनसीआरटी का क्वेश्चन है आप स्क्रीन से समझ गए होंगे ठीक है अगर यहां पे विजिबल नहीं है हाउ कैन थ्री रजिस्टर्स ऑफ रजिस्टर्स शायद विजिबल तो होगा नहीं है तो एनसीआरटी का क्वेश्चन है हाउ कैन थ्री रजिस्टर्स ऑफ टू ओम थ्री ओम एंड सिक्स ओम कैन बी कनेक्टेड टू गिव टोटल रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट पार्ट है फोर ओम क्वेश्चन को समझें हमें दो ओम तीन ओम और छः ओम के रजिस्टर को रेजिस्टेंस को कुछ इस प्रकार से कनेक्ट करना है कि टोटल रेजिस्टेंस जो है वो कितना आ जाए फोर ओम आ जाए कितना आ जाए फोर बट ऐसे क्वेश्चन को करने के दो तरीके होते हैं एक होता है अगर आपने सीरीज पैरल के बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं तो मन में ओरली सॉल्व कर करके करके कर करके कर, 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 हमें इसका आंसर आ जाता है कि हाँ ऐसे होगा नहीं तो एक होता है हिट एंड ट्राई यानी कि आप उसको तुक्का लगाते रहें आप क्या करें रफ में जाके पहले जैसे आपको दो ओम तीन ओम और ओम का यूज करना है तो पहले आप इनको सीरीज में लगाओ देखो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा फिर एक को सीरीज में लगाओ और दो को पैर में लगाओ देखो आंसर आ रहा है नहीं आ रहा इनकी वैल्यू को इंटरचेंज करके देखो ऐसे करके फिर दो को किस में लगाओ सीरीज में और एक को किसमें लगाओ पैरेलल में अगेन वैल्यू चेंज करो तो ऐसे कर करके आपको देखना पड़ेगा है ना यह तब जब शुरुआती लेवल है लेकिन अगर हम इसको बात करें कि भाई मन में भी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं उसके लिए बेटा आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए होगी वो धीरे धीरे आ जाएगी बट शुरुआत हिट एंड ट्राई से करेंगे चलो अब मुझे बताओ अगर मैं ऐसा करूं कि यहां पे लगा दूं टू ओम का रेजिस्टेंस और यहां पे लगा दूं थ्री ओम का और सिक्स ओम का तो क्या इससे हमें फोर ओम मिल जाएगा है आओ चेक करें ठीक है भाई चेक करें फोर ओम मिलेगा कि नहीं मिलेगा तो ये हम इसको हम मान लेते हैं ऐसा करते हैं R2 इसको मान लेते, है लेते हैं R3 और इसको मान लेते हैं R1 तो मैं थोड़ा शॉर्ट में करूंगा तो पहले हम लोग सॉल्व करेंगे R2 और R3 के लिए तो इन दोनों को सॉल्व करने पे इसको मान लो हमारे को आएगा R23 तो ये आ गया हमारे पास वन अपॉन क्योंकि पैरल में लगे हुए तो वन अपॉइन थ्री प्लस वन अपॉइन सिक्स तो वन अपॉन आर टू थ्री आ गया वन अपॉन्ट थ्री वन अपॉइंट सिक्स तो ये आ गया सिक्स एलसीएम ये आ गया टू बच्चों ये आ गया वन तो वन अपॉन आर टू थ्री आ गया हमारे पास थ्री बाय सिक्स यानी कि वन बाय टू तो R टू थ्री हमारे पास उल्टा करके आ गया बच्चों टू ओम उल्टा करके आ गया बच्चों टू ओम कि नहीं अब अगर ये टू ओम आ गया तो जो इसका आंसर आएगा वो इसके साथ सीरीज में हो जाएगा इसका मतलब है R नेट जो आ जाएगा वो आ जाएगा आर वन प्लस आर टू थ्री आर वन कितना है टू और ये कितना है टू तो टू प्लस टू कितना बच्चों ओम हो गया इसका मतलब ये जो लिया था हमने वो सही कॉम्बिनेशन विद इन सीरीज विद आर वन विच इज टू ओम कनेक्टिंग थ्री ओम एंड सिक्स एंड द पैरेलल कॉम्बिनेशन इज देन कनेक्टेड विद आर वन विच इज ऑफ टू ओम इन सीरीज ऐसे करके आंसर लिख देंगे लेकिन वो इंग्लिश ना भी लिखें चलेगा ये लिखना बहुत जरूरी है ये सर्किट बनाना ये डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है इसके बगैर मार्क्स नहीं मिलेंगे ये डायग्राम बनेगा डायग्राम के बाद ये करके भी आना होगा ठीक है तो मैंने यहां पे इन तीनों को आपस में कनेक्ट करके कितना ले आया चार हूं मतलब ठीक है हो सकता है आप जब पहली बार कनेक्ट करें आंसर नहीं मिले मैं वही तो कह रहा हूं आपको रफ में सॉल्व करना है जैसे आंसर मिल जाए फिर आपको कमेंट सेक्शन पर उसका आंसर दोनों का देना है अगला क्वेश्चन है इसका मैं पहले भी बी पार्ट करा रहा हूं तो कि कह रहा है कि हमें वन ओम रेजिस्टेंस बनाना है अब सोचो कि टू ओम थ्री ओम और सिक्स ओम को किस तरीके से हम लोग कनेक्ट करें कि हमें वन ओम मिल जाए अच्छा सबसे पहले बताओ क्या अगर हम इन तीनों को पैरल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर दें अगर मैं इन तीनों को पैरल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर देता हूं तो क्या मुझे आंसर वन ओम मिलेगा आओ जी चेक कर लें ये क्या है टू ओम है ये क्या है थ्री ओम है और ये क्या है बच्चों सिक्स ओम है क्या हमें इससे 1 ओम मिलेगा? तो 1 अपॉन आर नेट निकालने के लिए 1 अपॉन आर 1, 1 अपॉन आर 2, 1 अपॉन आर 3 क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हुए तो 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 3, 1 अपॉन 6। तो एलसीएम क्या आ गया बच्चों? एलसीएम आ गया 6। ये क्या आ गया बच्चों? 3 ये क्या आ गया बच्चों टू ये क्या आ गया बच्चों समझ गए अब तो तो वन आर नेट आ गया सिक्स सिक्स, उल्टा कर देंगे तो वन बाई वन यानी कि वन ओम इसका मतलब है अगर मैं इन तीनों को पैरल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करूंगा तो मुझे वन ओम मिल जाएगा और इस तरीके से दो को पैरलर में एक को सीरीज में करूंगा तो फोर ओम मिल जाएगा ये सो न तो इस प्रकार के क्वेश्चन को ये क्वेश्चन काफी एग्जाम में आते हैं क्योंकि यहां पे आपको एक तो पढ़ाई तो लगा नहीं है लेकिन पढ़ाई में भी आपको पहले अलग अलग सर्किट बनाने को कोशिश करके आपको सीधा आंसर मिलेगा ठीक है अब इस वाले क्वेश्चन में क्या है आपके पास तीन रजिस्टर्स हैं जो कि हर एक छे ओम का है तो ये और आसान हो गया क्योंकि तीनों छः छः ओम के हैं तो आपको अलग अलग कॉम्बिनेशन नहीं बनाने छ ओम के हैं छ ओम से आपको नो ओम बनाना है और चार ओम बनाना है कमेंट सेक्शन पे आंसर लिख दें कैसे लिखेंगे कमेंट सेक्शन पे आंसर मान लो आपको नाइन बनाना है तो भाई किसी दो को कैसे कनेक्ट करें किसी एक को कैसे उस तरीके से आंसर लिख दें क्योंकि तो फोटो खींच के तो आप नहीं भेज पाएंगे तो इस तरीके से आंसर आप लिख दें फिर हम लोग देखते हैं कितने बच्चे इनके पहले पार्ट का आंसर और दूसरे पार्ट का आंसर सही देते हैं ठीक है बच्चों कोई सवाल तो जब हमें कोई सवाल है तो वहां पूछ लो तो हमें दो ओम तीन ओम छे ओम अगर बनाना है तो इन दोनों को पैरल फिर सीरीज इससे चार आ जाएगा या फिर एक बनाना तो तीनों को पार्लर में लगा देंगे ठीक है बच्चों? ये दो हैं। पक्का, पक्का, आगे बढ़े क्या चलिए अब आता है हमारे पास इस चैप्टर का एक और टॉपिक विच इज कॉल्ड हाउस होल्ड सर्किट अब हाउस होल्ड सर्किट क्या है देखो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए हम एक्स्ट्रा डिवाइसेस हमारे घरों में लगा रहे हैं सर्किट में लगा रहे हैं जिनको हम बोल रहे हैं रेजिस्टर्स ये ऐसे कुछ दिखने वाले लेकिन हमारे घर में जो ट्यूबलाइट है हमारे घर में जो बल्ब है हमारे घर में जो वॉशिंग मशीन है हमारे घर में जो कोई भी चीज जो बिजली पे है, जो चल रही है बच्चों उसके अंदर भी तो रेजिस्टेंस है ना तो उनको भी हम रजिस्टर्स कह सकते हैं हालांकि उनको हम रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए तो बनाते नहीं है लेकिन उनको भी हम रजिस्टर्स कह सकते हैं क्योंकि उनके अंदर भी रेजिस्टेंस होता है अब उन रजिस्टर्स को हम दो तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं एक है सीरीज और एक है पैरल इसको समझने के लिए ऐसे बात अगर हम लोग करें कि हमारे पास यहां पे मान लो टीवी है यहां पे मान लो वॉशिंग मशीन है और यहीं पे मान लो हमने लाइट लगा दी ट्यूब लाइट लगा दी तो ये कॉम्बिनेशन हो गया हमारा सीरीज हम हाँ अपने घर में इन सब को ऐसे हमारी एक वायर से एक पोटेंशियल से कनेक्ट कर देंगे अब इन्हीं को मैं जोड़ सकता था पैरल कॉम्बिनेशन टीवी को वॉशिंग मशीन को और ऐसे करके इसको आपको पता है इसको हम जोड़ सकते थे पैरल कॉम्बिनेशन में तो हमें पढ़ना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरल कॉम्बिनेशन में हम अपने घर में कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करें जो कि बेहतर रहे ठीक है बच्चों कौन से कॉम्बिनेशन को यूज करें कि वो बेहतर रहे और साथ ही साथ हम लोग इसके ऊपर छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे इस वीडियो के बीच में मैं डाल दूंगा क्योंकि अभी मैं जहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वहां पे आपको क्लियरली विजिबल नहीं होगा तो हम उसको उसी वीडियो में डाल देंगे लेकिन सुनिएगा ध्यान से जो मैं कह रहा हूं अब अगर मैं बात कर रहा हूं अपने घर में हाउस होल्ड सर्किट आर कनेक्टेड इन पैरल सबसे पहले तो घोषणा यहां पर कर दी गई है कि हमें हमारा घर का सर्किट पैरल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करना चाहिए ना कि सीरीज यानी हम अपने घरों में जो भी चीजों को कनेक्ट करना चाह रहे हैं उनको हम किस कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करेंगे पैरल में सीरीज में कनेक्ट नहीं करना क्यों नहीं करना तीन बहुत बड़े बड़े कारण हैं। पहला कारण इन पैरल कॉम्बिनेशन सब के अक्रॉस वोल्टेज जो है वो सेम रहती है बट सीरीज में सबके अक्रॉस वोल्टेज अलग अलग जाएगी पहली बात ये हम बात कर चुके हैं कि पैरल में सबके अक्रॉस वोल्टेज सेम है अब मान लो हमारे घर में 220 वोल्ट आती है एज्यूमिंग दैट कि 220 ट्वेंटी वोल्ट आ रही है अब वो 220 ट्वेंटी वोल्ट सबको इक्वली मिलेगी बिकॉज कॉम्बिनेशन कैसा होगा पैरल सबको हमने पैरल में कनेक्ट किया होगा तो कॉम्बिनेशन कौन सा हो जाएगा बच्चों पैरल इसको है ना देखो वैसे तो मैं यहाँ आपको बता रहा था कि हम उसको इसी डिवाइस से देखेंगे इस डिवाइस को आप जानते होंगे अगेन अगर आप साइंस एंड फन को फॉलो करते हैं तो ये डिवाइस

कि भाई इनको हम वायर्स के थ्रू हमारे घर में सबको पैरल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर देते हैं हर एक स्विच हर एक सॉकेट हमारे घर में कौन से कॉम्बिनेशन में जुड़ा रहता है पैरल लेकिन पैरल कॉम्बिनेशन में क्यों क्या फायदे हैं पहला है सबको वोल्टेज सेम मिलेगा अब उससे क्या होगा उससे ये होगा कि अगर मैं अपने घर में यहां पे करंट सप्लाई करूं तो वॉशिंग मशीन को भी 220 मिलेगा मिक्सर ग्राइंडर को भी 220 मिलेगा और वहीं पे टीवी को भी 220 मिलेगा सबको 220 मिलेगा और ध्यान रहे अप्लायंसेज वोल्टेज पे चलते हैं करंट पे नहीं करंट तो वो खींच लेंगे हायर क्लासेस में पढ़ोगे अप्लायंसेज चलते हैं वोल्टेज पे तो इसको 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 तीनों को जो वोल्टेज मिलेगी वो सेम मिलेगी अब अगर मान लो मैं इसको सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर दूं, जो कि हम आपको दिखाएंगे तो सीरीज कॉम्बिनेशन में सबको वोल्टेज अलग अलग मिलेगी अब किसी को कम मिल गई किसी को ज़्यादा मिल गई तो क्या प्रॉब्लम होगी भाई जिसको कम मिल गई वो ढंग से चल नहीं पाएगा जिसको ज़्यादा मिल गई वो ख़राब भी हो सकता है तो दैट इज़ वाई कॉम्बिनेशन जो है वो पैरल रखने से वोल्टेज सबको सेम मिलती है लेकिन एक और बहुत बड़ा फैक्टर जो है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो नेट रेजिस्टेंस होता है वो बहुत लो होता है एज कंपेयर टू सीरीज याद करेंगे बच्चों हमने यहाँ पे एक अभी सवाल किया था समझाने के लिए कि अगर मैं दो ओम दो ओम दो ओम को सीरीज में लगाऊंगा तो छः मिलेगा पैरल में लगाऊंगा तो जीरो पॉइंट छः जीरो पॉइंट छ जीरो पॉइंट छ दस गुना का फर्क है दैट इज वाई अगर हम पैरलर कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करेंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज्यादा होगा लॉस नहीं होगा रुकावटें हम अपने घर के सर्किट में क्यों चाहेंगे कि रुकावट पैदा हो जितना करंट हमें मिल रहा है हम क्यों चाहेंगे ट्यूबलाइट से कम जाए हम क्यों चाहेंगे कि सर्किट में करंट कम हो जाए यार दैट इज वाई नेट रेजिस्टेंस जो होना चाहिए वो लो होना चाहिए और लो रेजिस्टेंस कब होता है तो आंसर है लो रेजिस्टेंस होता है जब कॉम्बिनेशन कौन सा होता है पैरल इसलिए घर में हमें कौन सा कॉम्बिनेशन लगाना है पैरल एक वीडियो जोड़ रहा हूँ यहाँ पे वीडियो में क्या है ध्यान से देखेंगे उसमें मैं आपको समझा भी रहा हूं क्या है एक बार वीडियो देख लेंगे पहले ठीक है बच्चों हाँ भाई सबसे पहली बात तो ये जो आप तीन होल्डर्स देख रहे हो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं और ये वाले जो तीन होल्डर्स आप लोग देख रहे हो ये पैरल कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं वैसे तो शायद देख के समझ में आ जाए यहाँ तो क्लियर है कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है क्योंकि ये वायर देख सकते हो आप इनके कॉमन है और ये वायर इनके कॉमन है बट ये शायद देख के समझ में नहीं आएगा सीरीज कॉम्बिनेशन है मैंने भाई बोल दिया मान लो और यहाँ लिखा भी हुआ है पेन से वो कोई बात नहीं लेकिन ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन है और ये हमारा पैरेलल है अभी हम इनको एक बार ही सीरीज में चलाएंगे एक बार ही पैरेलल में फिर समझेंगे कि सीरीज पैरेलल का जो हम इफेक्ट देख रहे थे यहाँ पे देखने को मिलता है कि नहीं हाँ तो अब मैं क्या कर रहा हूँ इन बल्बस को भाई देखो क्या है हम इन्हीं बल्बस को इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भाई ताकि आप ये देख सके कि कोई चीटिंग नहीं है यही बल्ब यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं अब ये हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में इनको लगाया हुआ है एक बार ही हम इनको सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाते हैं और देखते हैं कि ये कैसे ग्लो करेंगे तो आंसर है सीरीज कॉम्बिनेशन में आप देख सकते हैं कितना धीरे धीरे ये बल्ब जो है वो ग्लो कर रहे हैं एक ज़्यादा ग्लो कर रहा है शायद ही ज़्यादा पावर का होगा पता नहीं इस पर लिखा नहीं हुआ बट जो भी है लेकिन ये उतना ग्लो नहीं कर रहे जितना एक्चुअली मैंने करना चाहिए अब मैं इन्हीं बल्ब्स को एक बारी जब पैरल कॉम्बिनेशन में लगाऊंगा फिर आप एक बार इनका कंपैरिजन देखिएगा तो मैं इन्हीं बल्ब्स को पैरल कॉम्बिनेशन में लगा रहा हूँ एक सेकेंड दीजिएगा और इन्हीं बल्ब्स को मैंने पैरल कॉम्बिनेशन में लगा दिया सेम वही तीन बल्ब्स हैं अब अगर मैं इनको पैरल कॉम्बिनेशन में लगा के ऑन करता हूँ तो क्या देखने को मिलेगा और एक बार यू ऑब्जर्व करें कि पार्लर कॉम्बिनेशन में ये कितना ज़्यादा तेजी से ग्लो कर रहे हैं ये शायद वीडियो आपने साइंस एंड फंड पे पहले भी देखी होगी मैंने डाली थी वहाँ बट ठीक है आप लोगों के लिए यहाँ पे अलग चैनल है फुल लेक्चर में भी ये डालना जरूरी है बट आप देख सकते हैं मैं बहुत पास से देख रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा इस पर ग्लो है क्योंकि एक्चुअली हंड्रेड वॉट के बल्ब ऐसे जलते हैं अब हुआ क्या सीरीज कॉम्बिनेशन में जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है एक सेकेंड हाँ सीरीज कॉम्बिनेशन में तो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जिसकी वजह से तो टोटल करंट कम हो जाता है और तो टोटल करंट कम होने की वजह से ग्लो कम हो जाता है जो कि अभी हम हीटिंग इफेक्ट में पढ़ेंगे बट सीरीज कॉम्बिनेशन में तो टोटल रजिस्टेंस बढ़ गया जिसकी वजह से सर्किट में करंट कम हो गया वहीं पर पैरल कॉम्बिनेशन में जो टोटल हमारा रजिस्टेंस था वो लो था और रजिस्टेंस लो होने की वजह से करंट हाई हो गया जिसकी वजह से सारे बल्ब बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहे थे डन है तो इस वीडियो में हमने क्या देखा कि जब हमने पैरल कॉम्बिनेशन में सर्किट को लगाया तो सारे के सारे बल्ब बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस से चले लेकिन वहीं पे जब हमने इनको सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाया तो बहुत कम ब्राइटनेस से चले क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में नेट रेजिस्टेंस बहुत हाई हो गया जिसकी वजह से करंट बहुत कम हो गया पैरल कॉम्बिनेशन में नेट रेजिस्टेंस बहुत कम था जिसकी वजह से करंट हाई हो गया अब आप कहोगे करंट बढ़ने से बल्ब का ग्लो क्यों बढ़ गया तो वो हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में बात कर लेंगे दोबारा से ठीक है अगला अगला जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि घर में हमें पैरल कॉम्बिनेशन क्यों यूज करना चाहिए तो आंसर है अगर हम अपने घर में पैरल कॉम्बिनेशन यूज करेंगे तो डिवाइसिस को इंडिविजुअली ऑन ऑफ कर सकते हैं लेकिन सीरीज में नहीं कर सकते ऐसा क्यों पहले समझेंगे फिर एक्सपेरिमेंट या डेमोन्स्ट्रेशन देख लेंगे मान लो मेरे पास यहां पे तीन मेरे डिवाइस हैं और मैंने इनको एक पोटेंशियल डिफरेंस से जोड़ दिया अब आप मुझे बताओ अगर कहीं से भी कोई भी एक डिवाइस खराब हो जाए या कोई भी एक तार टूट जाए क्या होगा बाकी सब में से भी करंट जाना बंद हो जाएगा अब हमारे घर में पाइप है पाइप में से पानी जा रहा है पानी तीन टैंकियों में जा रहा है पाइप को कहीं से भी मैं बंद कर दूं कहीं से भी मैं बंद कर दूं तो पानी का फ्लो तो रुक गया ना दैट इज why अगर मैं कह रहा हूं आपको कि ये हमारे पास यहाँ से करंट आया अच्छा करंट को फ्लो होने के लिए क्लोज पाथ चाहिए कई बच्चे सोचते हैं कि सर अगर मैं वायर को यहां से काटूंगा तो इसमें और इसमें तो करंट जाएगा ना नहीं जाएगा भाई जब सर्किट ही ब्रेक हो गया करंट कब फ्लो होता है जब वो जाए भी और आए भी याद रखना है जब वो जाए भी और आए भी लेकिन अगर वो सर्किट ही ब्रेक हो गया है तो किसी भी डिवाइस में करंट नहीं जाएगा अब सोचो आपके घर में बीस अप्लाइंसेज मिक्सर ग्राइंडर वॉशिंग मशीन सीडी प्लेयर हैंड ब्लेंडर हेयर ड्रायर जो भी उनमें से वो सारे के सारे सॉकेट्स हैं स्विच हैं सारे के सारे अगर मान लो सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे हैं और मान लेते हैं ऊपर वाले दोनों फैक्टर्स को इग्नोर भी कर दें तो भाई अगर तेरा एक भी अप्लायंस ख़राब हो जाता है तो बाकी सारे भी काम बंद तेरा एक स्विच बोर्ड भी खराब हो गया तो बाकी सारे भी काम करना बंद कर देंगे बिकॉज कॉम्बिनेशन कौन सा लगाया तूने सीरीज जो कि बहुत भारी गलती कर दी एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात सुनो आपके घर में जितनी भी लाइटें हैं जितने भी, है, भी पंखे हैं जितने भी आपने पानी के मोटर लगा रखे हैं जितने भी ए हैं जितने भी गीजर हैं सब के सब एक साथ ऑन हो जाएंगे अगर कॉम्बिनेशन कौन सा होगा सीरीज क्योंकि अगर आपको एक को ऑन करना है तो सब में करंट जाना चाहिए ये क्या बदतमीजी है आप पानी की मोटर मिक्सर ग्राइंडर सी डी प्लेयर म्यूजिक सिस्टम लाइटें गीजर सब कुछ एक साथ थोड़ी ना ऑन करते हो घर में एक साथ चाहिए क्या आपको वो नहीं ना तो दैट इज़ वाई ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल भी सही नहीं है क्योंकि तो इसमें हम चीज़ों को इंडिविजुअली ऑन ऑफ नहीं कर सकते लेकिन पैरेलल में ऐसा किया जा सकता है कैसे किया जा सकता है आओ जरा समझे अगर मैं इसी तीन डिवाइसेस को पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाता एक, एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे और पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाता तो क्या होता मैं यहां पे तीन स्विच लगा दूंगा एक दो तीन अब यहां से करंट आया पैरल में तीनों में जा रहा है बिकॉज तीनों ऑन है अगर मैंने एक ये वाला स्विच ऑफ किया तो सिर्फ ऊपर वाली तार ब्रेक हुई ना लेकिन यहां से इसमें और यहां से इसमें तो करंट जा ही है पैरल कॉम्बिनेशन में अगर मैं एक के अंदर से करंट को रोक दूं, तो बाकी दोनों से तो जाएगा ही क्योंकि उनका सर्किट तो कंप्लीट है इसका भी सर्किट कंप्लीट है तो इसलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम इंडिविजुअली चीजों को चला सकते हैं हम इनको एक साथ भी ऑन ऑफ कर सकते हैं कैसे आप यहां तीन स्विच लगाने के बजाय यहां लगाओ अगर आप यहां पर एक स्विच लगा दो तो इसको आप क्या करोगे ऑन तीनों ऑन हो जाएंगे इसे क्या करोगे ऑफ तीनों ऑफ हो जाएंगे तो वो तो आप कर ही सकते हो लेकिन आप चाहो तो इन्हें इंडिविजुअली भी यहां पे एक एक स्विच लगा दो इसको ऑफ करो बाकी दोनों ऑन है इसको ऑफ करो इन दोनों को ऑन करो वो चल रहे हैं टीवी चल रहा है मिक्सी बंद है मिक्सी चल रही है टीवी बंद है आपकी मर्जी अभी जिस कमरे में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं एक दो तीन चार पांच और बहुत सारी यहां पे कम से कम सोलह लाइटें लगी हुई है अब एक एक पेयर में चार लाइटें ये चारों लाइटें एक ही स्विच से ऑन हो रही होंगी फॉर श्योर लेकिन ये चारों फिर भी में लगी हुई अगर मैं इनमें से एक फोड़ या निकाल दूं, तो बाकी तीनों जलती रहेंगी क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है हमारे स्कूलों में क्या होता है जनरली ऐसा होता है कि एक क्लास रूम के अंदर चार लाइटें होती हैं एक स्विच ऑन करो चारों ऑन हो जाती हैं लेकिन एक खराब होने पे बाकी तीन चलती रहती है क्योंकि वो कॉम्बिनेशन पैरल ही है आप यह मत समझना कि हम अगर एक स्विच से चार लाइटें चला रहे तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाएगा नहीं होगा वो कॉम्बिनेशन पैरल ही है पैरल में हम चाहे तो चीजों को एक साथ ऑन ऑफ कर भी सकते हैं और इंडिविजुअली भी कर सकते हैं लेकिन सीरीज में आप चाह के भी इंडिविजुअली ऑन ऑफ नहीं कर सकते क्योंकि सब लगे हुए एक के आगे एक एक से भी खराब हुआ एक से भी सर्किट ब्रेक हुआ सारे चलना बंद सर आप तो ऐसे ही बोल रहे हो करके दिखाओ तो मजा आए तो ठीक है इसके बाद अगेन एक वीडियो है आप उसको देखें आप समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं अब अगली बात जो हम यहाँ पे समझेंगे वो ये है कि कैसे हम इंडिविजुअली डिवाइसेस को ऑन ऑफ कर सकते हैं सीरीज और पैरल कॉम्बिनेशन में जैसे कि हमारे पास पैरल कॉम्बिनेशन अब आपको ये ध्यान से देखना है अगर मैं इस पैरल कॉम्बिनेशन को ऑन करता हूं और मैं इस कॉम्बिनेशन के दौरान किसी भी एक बल्ब को निकाल दूंगा तो आप देखें कि बाकी बल्ब जलते रहेंगे जैसे कि अभी फिलहाल ये तीनों बल्ब जल रहे हैं अब मैंने इस वाले बल्ब को निकाल दिया है तो बाकी दोनों जल रहे हैं एक बार एक कपड़ा अगर मुझे मिले एक सेकेंड क्योंकि यार ये बहुत गर्म हो गए हैं है ना आपको पता हीटिंग इफेक्ट इनमें काफ़ी ज्यादा है तो अगर हम इनको कपड़े से निकालेंगे तो बेहतर रहेगा एक सेकेंड हाँ ये कपड़ा मैं ले लेता हूँ और अगर मैं इस कपड़े की मदद से इस वाले बल्ब को भी निकाल देता हूँ तो बाकी जो बल्ब बचा वो जल रहा है अब मैं अगर इसको वापस से यहाँ पे कंबाइन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि वो वापस से जल रहे हैं और ये इसको मैं वापस से कनेक्ट करता हूँ तो ये भी जल गया क्योंकि सीरीज कॉम्बिने पैरल कॉम्बिनेशन में हम चीज़ों को इंडिविजुअली ऑन ऑफ कर सकते हैं मेरे को कैमरा नहीं दिख रहा है पैरलर कॉम्बिनेशन में चीज़ों को इंडिविजुअली ऑन ऑफ किया जा सकता है लेकिन अगर मैं इन्हीं तीन बल्ब को बच्चों वापस से इस सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा देता हूं अगर मैं इन बल्ब को पैरेलल कॉम्बिनेशन से हटा के अगर मैं इसको कौन से कॉम्बिनेशन में लगा दूं बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन में hmm. कॉम्बिनेशन में लगा दूं तो अब क्या इंडिविजुअली ऑन ऑफ करने पे अब क्या इंडिविजुअली इनको मैं अगर हटाऊं तो आपको क्या लगता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा जैसे आप शायद देख सकते हो तीनों बल्ब जल रहे हैं अब अगर मैं इस वाले बल्ब को हटा देता हूं तो आप देख सकते हैं बाकी दोनों बल्ब भी जलना बंद हो गए है ना चलो ऐसा करते हैं क्योंकि ज़्यादा ब्राइटनेस से चल रहा है तो इसको लगे रहने देते हैं बाकी जल रहे होंगे शायद आपको दिख रहा होगा थोड़े कम लेकिन जल रहे हैं अब अगर मैं इस वाले बल्ब को निकाल दूंगा देखो बाकी दोनों बल्ब बंद हो गए अब ध्यान से देखना अगर मैं इस बल्ब को वापस से लगाऊंगा तो वापस से ये बाकी दोनों बल्ब और में ये भी तीनों के तीनों बल्ब जलने लग गए ऑल दो कम लेकिन जल तो रहे हैं तो एक को निकालते ही बाकी बंद हो रहे हैं और एक को लगाते ही बाकी जल रहे हैं क्योंकि सीरीज़ में हम इंडिविजुअली चीज़ों को ऑन ऑफ नहीं कर सकते सब एक साथ ऑन ऑफ होंगे कारण मैंने आपको समझाया ओके ठीक है हाँ डन तो आपने क्या देखा वीडियो में कि जब हमने तीन बल्ब को सीरीज में लगाया और एक बल्ब निकाल दिया बाकी दोनों बल्ब जलना बंद हो गए लेकिन जब उन्हीं तीन बल्ब को हमने पैरल में लगाया और एक बल्ब निकाला बाकी दोनों जलते रहे कोई भी बल्ब निकाला तो बाकी दोनों जलते रहे क्योंकि पैरलर कॉम्बिनेशन में इंडिविजुअली चीजों को ऑन ऑफ किया जा सकता है अब आप बताओ हम अपने घर में कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करना चाहेंगे आंसर है पैरलर तीन फायदे दे दिए और जान लोगे क्या पहला फायदा है पार्लर में वोल्टेज सेम है दूसरा है पार्लर में नेट रेजिस्टेंस कम है और तीसरा है पार्लर में इंडिविजुअली ऑन ऑफ कर सकते हैं अच्छा सर तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या हम घर में कोई अप्लायंस यूज नहीं करते कुछ करते जैसे कि दिवाली की लड़ियां देखी होंगी आपने दिवाली पे ऐसे वो चाइनीज लड़ियां आती है वो जनरली सीरीज कॉम्बिनेशन में होती है अब आप आपने नोटिस किया हो उसका एक आध बल्ब भी खराब हो जाए अक्सर तो अच्छा दो प्रकार की लड़ियां होती हैं डिटेल में नहीं जाएंगे जनरली ऐसा होता है अगर एक वायर कहीं से कट जाए तो पूरी लड़ी खराब हो जाती है क्योंकि वो कौन से कॉम्बिनेशन में लगी हुई आप समझे सीरीज लेकिन बच्चा ऐसा भी होता है जैसे कि हमारे यहाँ पे ना वीकली मार्केट्स लगती हैं फ्राइडे मार्केट मंडे मार्केट तो ऐसे पूरी लड़ी आती है लाइटों की और सबकी शॉप के ऊपर जो सब्जी वेंडर्स होते हैं उनके ऊपर एक एक बल्ब होता है लेकिन वो कॉम्बिनेशन पैरल है सोचो यार अभी हमने जब इन तीनों बल्ब को सीरीज में लगाया तो कितनी धीरे धीरे जल रहे थे तो अब बात है वो पैरल कॉम्बिनेशन है एक आध बंदा आया ही नहीं उसका बल्ब खराब हो गया तो बाकी लाइटें तो नहीं बंद होनी चाहिए ना तो वो पैरल है दिवाली दशहरा मेला जाओ लाइटें लगी होती हैं या स्ट्रीट लाइट्स वो सारे की सारी पैरल होती हैं एक खराब होगी बाकी जलेंगी लेकिन दिवाली की लड़ियां सीरीज़ में लगाई जाती हैं क्यों क्योंकि दिवाली की लड़ियों में करंट बहुत कम चाहिए हमें सीधा सॉकेट में लगाना है करंट बहुत कम चाहिए इसीलिए उसको हम सीरीज़ में लगा देते हैं तो इन सम केसेज वी यूज़ सीरीज बट इन हाउस होल्ड सर्किट मोस्ट ऑफ द केसेज में हम लोग यूज़ करते हैं पैरल कॉम्बिनेशन तो ये मेरे हिसाब से एग्जाम में अगर आए तो क्लियर होगा कि हम सीरीज और पैरल में कौन सा कॉम्बिनेशन घर में यूज करना चाहेंगे बच्चों ओके चलिए हाँ भाई तो यहां पे हम लोगों ने ये पढ़ लिया ना हाउस होल्ड सर्किट कैसे काम करता है अब इस चैप्टर चैप्टर में यार देखो बहुत बड़ा है सर मैंने आपको बताया कि यार कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं प्रियडी क्लासिफिकेशन हम लोग कोशिश करेंगे पूरे एक लेक्चर में खत्म कराने के लिए हेरिडिटी हम लोग कोशिश करेंगे पूरे एक वो तो चलो बायोली मैम आपको पूरे एक लेक्चर में कोशिश करेंगे खत्म कराने के लिए यहीं पे अगर हम बात कर लें कार्बन कंपाउंड की तो वो तो चलो 90 परसेंट आपको पता है डिलीट हो गया तो वो हम एक लेक्चर में करा देंगे लेकिन जैसे अब ये चैप्टर ये बड़ा है जल्दबाजी नहीं करेंगे ठीक है ना अब ये ये लेक्चर लगभग लगभग पौने दो घंटे का आपका चला गया है अब उसको और आगे बढ़ाना तो फिर आप वही आप बोर हो जाएंगे तो इसीलिए इस लेक्चर को हम यहां खत्म करेंगे एक लेक्चर और जाएगा इसका चार लेक्चर आ गए पांचवा लेक्चर और जाएगा चैप्टर हम कर देंगे खत्म ठीक है जी फिर बाकी चैप्टर्स लाएंगे कोर्स की टेंशन नहीं लेनी है एंड आफ्टर दैट हम लोग रिवीजन भी करेंगे इस चैप्टर की जहां पे हम और एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स करेंगे अभी तो चैप्टर को समझ रहे हैं तो न्यूमेरिकल्स करने के लिए एक वीडियो लाएंगे जहां पे एनसीईआरटी के नहीं वो मुझे पता आप सब कर चुके होंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे इस चैप्टर के तो इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक बच गए हैं एक बच गया है इलेक्ट्रिक पावर और एक बच गया है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इन दोनों टॉपिक्स को अगले चैप्टर में लेके और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेके अगले चैप्टर में अगले लेक्चर में इस चैप्टर को हम लोग खत्म कर देंगे ठीक है बच्चों सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पावर, 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 पावर रहेगा उसके बाद हम लोग इसकी एसआई यूनिट और स्टंड नंबर फाइव से मिलेंगे और कुछ फॉर्मले पढ़ेंगे बच्चों कुछ न्यूमेरिकल दो चार एंड फाइनली हम लोग कमर्शियल यूनिट पढ़ेंगे फिर दो चार न्यूमेरिकल और इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक की तरफ चलेंगे विच जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग यानी कि आसान भाषा में कहें तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये तो टेक्निकल गुरु जी वाली लाइन होगी। सॉरी चलो बच्चों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं तो बच्चों यहाँ पे आज हम लोग सबसे पहले बात करेंगे इलेक्ट्रिक पावर नाइन्थ क्लास में पावर का मतलब हमने क्या समझा था पावर का मतलब होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क जैसे कि बच्चों एक लड़की 400 जूल का अगर काम कर रही है एक लड़की अगर 400 जूल का काम कर रही है और एक लड़की अगर 500 जूल का काम कर रही है तो किसकी पावर ज़्यादा होगी हमें नहीं पता जब तक टाइम नहीं दोगे बिकॉज पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क यानी कि कितना वर्क हम लोग कर रहे हैं पर यूनिट टाइम जब तक हमारे पास टाइम नहीं है जब तक हमारे पास समय नहीं है हम पावर के बारे में बात नहीं कर सकते अब 400 जूल काम अगर एक लड़की जैसे अभी आपको शायद लगाओ 500 जूल वाली के पास तो पावर ज्यादा है पावर मतलब ताकत ताकत मतलब शक्ति अब आप शक्ति समझो चाहे ताकत समझो आपकी मर्जी है बेटा शक्ति डांस इंडिया डांस वाली ने <laughs> क्या यार लड़की बेटा पावर की बात हम कर रहे हैं पावर मतलब ताकत ताकत में शक्ति शक्ति सिर्फ एनर्जी पर डिपेंड नहीं करती है पर यूनिट टाइम पे भी डिपेंड करती करती है 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 सोचो एक लड़की ए जिस जो कि 10 सेकंड में 400 जूल काम करती है, और एक लड़की है बी जो 500 जूल काम करती है लेकिन उसको ऐसा करने में पचास सेकेंड लग जाते हैं तो आप समझो यार ये लड़की 10 सेकेंड में 400 जूल काम कर रही है तो अगर उसको 50 सेकेंड दिए जाएं तो ये उसका पांच गुना यानी कि 2000 जूल काम कर देगी तो इसीलिए समय भी बहुत आ, डिसाइड करता है कि हमारी पावर जो है वो क्या रहेगी तो पावर इज नॉट एनर्जी बस या पावर इज नॉट सिर्फ डन पावर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डन और टाइम दोनों के साथ मिलेगा अच्छा इसको अभी और डिटेल में बात करेंगे लेकिन वर्क डन बाय एनी इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस अप्लायंस हम की क्यों बात कर रहे हैं क्योंकि हम सिर्फ इलेक्ट्रिक पावर की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक पावर क्या है वर्क डन बाय एन इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर और हम सब नाइन्थ क्लास में पढ़ चुके हैं कि वर्क डन और एनर्जी कंज्यूम को हम लोग बराबर मानते हैं ऑल तो देखा गया है कि जितनी हम एनर्जी कंज्यूम करते हैं उतना हम वर्क करते हैं नहीं है बिकॉज लॉस भी होता है लेकिन ठीक है बराबर मान के चलेंगे तो वर्क डन बाय एनी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर या एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एनी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस इज कॉल्ड पावर तो अगर मैथमेटिकली बात करूं तो इलेक्ट्रिक पावर इलेक्ट्रिक पावर हम बार बार क्यों बोल रहे हैं क्योंकि हम सिर्फ बिजली वाले वर्क और बिजली वाले एनर्जी को ही कंसिडर यहां करने वाले हैं तो इलेक्ट्रिक पावर हो गया वर्क डन पर यूनिट टाइम इलेक्ट्रिक पावर हो गया वर्क डन पर यूनिट टाइम पावर को हम लोग कैपिटल पी से दिखा दे रहे हैं वर्क को हम लोग डब्ल्यू से और टाइम को हम लोग टी से ही दिखाते हैं तो पावर आ गया हमारे पास वर्क डन अपॉन टाइम मैं ज्यादा मेहनत इसलिए नहीं कर रहा है उसके ऊपर क्योंकि नाइन्थ में हम लोग ये सीख चुके हैं अच्छा अब वर्क डन जो होता है वो किसके बराबर रहता है एनर्जी कंज्यूम्ड के भी बराबर रहता है और अपॉन में टाइम अब एनर्जी को हम लोग दिखाते हैं ई e से तो ई डिवाइडेड बाई टी हो गया तो पावर हो गया वर्क डन अपॉन टाइम यानी कि एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम इसकी एस आई यूनिट के बारे में बात करेंगे लेकिन पहले एक बार दोबारा समझते हैं कि पावर क्या है पावर ये नहीं है कि कौन कितना काम कर रहा है पावर ये है कि कौन कितना काम कर रहा है गिवन टाइम में कम से कम समय में उसे कहते हैं बच्चों हम लोग इलेक्ट्रिक पावर डन है पहली बात दूसरी बात पावर क्या है इसको और समझने के लिए अगर हम इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसिस के रिस्पेक्ट से बात करें तो एक ए है जो कि मान लेते हैं हर एक सेकेंड में दो हजार जूल ले रहा है वहीं पे एक बल्ब है जो हर एक सेकेंड में सौ जूल ले रहा है तो पावर ज्यादा किसकी हुई बच्चों आंसर ए सी की क्योंकि एसी हर एक सेकेंड में 2000 जूल ले रहा है वहीं पे अगर हम देखें तो बल्ब एक सेकेंड में सौ जूल ले रहा है और अगर ये एक सेकंड में 2000 तो जूल ले रहा है तो कहीं ना कहीं हम ये मान के चलेंगे कि ये 2000 जूल का वर्क भी करेगा और अगर ये एक सेकंड में 100 जूल ले रहा है तो कहीं ना कहीं हम बात करेंगे ये 100 जूल का वर्क भी करेगा एसी के लिए वर्क का मतलब है ठंडी हवा फेंकना बल्ब के लिए वर्क का मतलब है लाइट फेंकना दोनों के लिए वर्क का मतलब अलग अलग है लेकिन दोनों अगर एनर्जी ले रहे हैं तो बच्चों वर्क भी करेंगे तो पावर ज्यादा किसकी हुई एसी की क्योंकि पावर होता है वर्क डॉन अपॉन टाइम और एसी जो है वो एक सेकेंड में 200 जूल 2000 जूल सॉरी कवर कर रहा है या 2000 जूल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है तो ये हो गया पावर अब पावर की एस आई यूनिट क्या होती है तो यहां पे हमारे आते हैं स्टड नंबर कौन से आते हैं जी सबसे पहले आए बेंजामिन फ्रेंकलिन फिर आए हमारे पास एंड्री मेरी एम्पियर फिर आए हमारे पास एलेक्जेंड्रो वोल्टाजी है ना तो ये हमारे स्टड नंबर फोर आते हैं क्या मैंने गलती तो नहीं कर दी अभी किसी स्टड को मैं भूल तो नहीं गया हूँ चेक कर लेना लेकिन ये हमारे स्टड नंबर फोर आते हैं इनका नाम है जेम्स वॉट बहुत ही कमाल के आदमी इन्होंने शायद आपको पता हो हीट इंजन बनाया था और दुनिया को हिला दिया था और बच्चों ट्रेनों में हीट इंजन चलता था याद होगा स्टीम इंजन स्टीम इंजन कह लो जिसमें कोयला डाल के भाप बनाई जाती थी भाप से ट्रेनें चलाई जाती थी इंजन को चलाया जाता था बच्चों याद होगा एक मूवी आई थी गदर एक प्रेम कथा उसमें हमारे सनी देओल जी थी उन सनी देओल जी के एंड में क्लाइमैक्स का सीन चल रहा है सनी देओल एक और आ, एक्ट्रेस थी आंटी नहीं बोलूंगा बच्चे गुस्सा कहते कहते बच्चे कहते हैं सरप हर बार उन्हें आंटियाँ बोलती मैं उनका नाम मैम नाम आंटी ऐसे मजाक में बोलता हूँ यार एक अंकल अंकल भी तो बोल रहा हूँ ना मैं उनको चलो एक लौंडा था हमारा जिनका नाम है सनी अब लौंडा भी नहीं अच्छा लग रहा एक्टर Actor. एक एक्ट्रेस है हमारे सनी देओल और एक एक्ट्रेस थी हमारे वहां पे अमीशा पटेल शायद उनका नाम है और उनके साथ एक छोटा सा बच्चा था जिसका नाम था तारा शायद नहीं तारा पता नहीं क्या नाम था छोड़ो लेकिन एंड का क्लाइमेक्स चल रहा है कोयला डाल रहे हैं ट्रेन के अंदर कोयला डाल रहे हैं ट्रेन के अंदर ट्रेन में और ज्यादा कोयला डाल रहे हैं और ज्यादा भाप बन रही है ट्रेन और चल रही है हेलीकॉप्टर से जीतना है पापा मैं भी जावांगा कहने का मतलब है बच्चों अल्टीमेटली वो स्टीम इंजन था कोयला डाला जा रहा है कोयला जल रहा है पानी है भाप बन वो स्टीम इंजन की स्थिति तो बच्चों तारा अपनी वाइफ को अपने बच्चे को क्यों बचा पाया शायद कोई आंसर है जेम्स वॉट जी के कारण तो भाई गदर एक प्रेम कथा में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं हमारे जेम्स वॉट जी और इन्हीं को इज्जत देने के लिए क्योंकि इन्होंने हमको स्टीम इंजन दिया इन्हीं को इज्जत देने के लिए हमने पावर की एस आई यूनिट इनके नाम पे रखी सबसे पहले बात करें अगर तो पावर जो है वो है वर्क डन अपॉन में टाइम या कह लो एनर्जी अपॉन में टाइम बात एक ही है इस हिसाब से बच्चों अगर हम लोग बात करें तो एस आई यूनिट आ जाती है एनर्जी की होती है जूल टाइम की होती है सेकेंड तो हो गई जूल पर सेकेंड एक तो ये हो गई लेकिन भाई साहब जेम्स वॉट जी को ऑनर देने के लिए हमने इनकी एक और एनर्जी सॉरी पावर की एक और यूनिट रखी है वॉट 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 बच्चो वॉट वॉट बचो वॉट वेरी गुड यानी कि कैपिटल डब्ल्यू बता चुका हूं जब कोई किसी के नाम पर रखी जाती है तो उसका अल्फाबेट कैपिटल आता है है तो तो यानी एनर्जी की यूनिट जूल पर ही लेकिन हम लोग क्या यूज करने वाले हैं वॉट जो किसके नाम पर रखी गई जेम्स वॉट जी के नाम पर इन्होंने क्या दिया था स्टीम इंजन अच्छा अब एक वॉट कब आएगा आपको पता है जब कोई डिवाइस एक जूल एनर्जी कंज्यूम कर रहा हो या एक जूल का वर्क कर रहा हो हर एक सेकेंड में जब कोई डिवाइस एक जूल एनर्जी कंज्यूम कर रहा हो या एक जूल का वर्क कर रहा हो हर एक सेकेंड में तो पावर बनेगी बच्चों वन वॉट इसका मतलब है अगर किसी डिवाइस पे लिखा हुआ हंड्रेड वॉट शायद आपको पता होगा हंड्रेड वॉट के बल्ब होते हैं मान लो होते तो हंड्रेड वॉट बल्ब का मतलब है वो हंड्रेड जूल एनर्जी खर्च कर रहे हैं या कह लो वो हंड्रेड जूल की लाइट दे रहे हैं अब आप कहोगे कि सर वो हीट भी देते हैं मेरे को पता है यार पर मैंने आपको भी बोला मैं मान के चलेंगे जितनी एनर्जी वो खर्च कर रहे हैं उतने का वो कुछ काम भी कर रहे हैं तो ऐसा कह लो कि वो बल्ब हर एक सेकंड में 100 जूल खाएगा और ऐसा कह लो वो हर एक सेकंड में 100 जूल का बदले में क्या भी करेगा बच्चों वर्क भी करेगा लाइट भी देगा तो अगर किसी बल्ब पे लिखा हुआ है 100 जूल इसका मतलब है हर एक सेकंड में 100 वॉट लिखा हुआ है किसी बल्ब पे तो इसका मतलब है वो हर एक सेकंड में 100 जूल जो है वो एनर्जी uh, खर्च कर रहा है ऐसे कैसे पे लिखा हुआ है हंड्रेड वॉट के बजाय थाउजेंड वॉट तो इसका मतलब है वो थाउजेंड जूल एनर्जी खर्च कर रहा है एक सेकेंड में हमारे घरों में ए होते हैं दो टन का लिखा होता है उन पर है ना डेढ़ टन का लिखा होता है दो टन का मतलब दो हज़ार वॉट हो गया तो दो हज़ार वॉट का मतलब हो गया वो दो हज़ार जूल खर्च कर रहे हैं हर एक सेकंड में तो वॉट को ऐसे हम लोग समझ सकते हैं अब बच्चों एक बहुत महान अंकल हैं जिनका नाम है हनी सिंह जी उन्होंने एक गाने में एक गलती की थी बच्चों उन्होंने एक गाना गाया था मतलब तो गाना नेहा कक्कर जी और हनी सिंह ने मिलकर गाया था गाने का नाम था कुंडी मत खड़काओ राजा सीधा अंदर आओ राजा प्लीज गानों की लाइनों को दिल पे ना लगाएं तो उस गाने में हनी सिंह जी ने एक लाइन बोली थी मजा उठा ले बेटा आज रात का बल्ब जला के जीरो वॉट का गाना सुना आप लोगों ने बेटा मजा उठा ले बेटा आज रात का बल्ब जला के जीरो वाट का बाकी गाना ठीक है मतलब वैसे गाना ठीक भी नहीं है <laughs> लेकिन इस गाने में एक वर्ड गलत है जीरो वाट अब अगेन हम लोग बोलते हैं मैंने भी अपनी साइंस एंड फन पे एक वीडियो डाली थी तो वहां पे मैंने जीरो वाट बोला था तो बच्चे ऑफेंसिव हो गए थे यार वो बोलने वाली बात होती है हमें भी पता है सबको पता है जीरो वाट का बल्ब नहीं होता है जीरो वाट का बल्ब कैसे हो सकता है जीरो वाट का मतलब हो गया ये बल्ब एक सेकेंड में कोई एनर्जी नहीं खर्च कर रहा दो सेकंड में मतलब उसको हम जीवन भर जला ले वो कोई एनर्जी नहीं खर्च कर रहा ऐसे कैसे हो सकता है एनर्जी तो क्या ना इधर भी डिस्टोर तो कुछ ना कुछ एनर्जी खर्च करके तो लाइट दे रहा होगा तो बेटा जिनको हम जीरो वॉट का बल्ब कहते हैं वो पांच वॉट दस वॉट पंद्रह वॉट के होते हैं तो हनी सिंह के गाने को मॉडिफाई करेंगे मजा उठा ले बेटा आज रात का बल्ब जला के पांच वॉट का कोई बात नहीं बच्चों सब ठीक हो जाएगा लेकिन पावर हो गया इसके और और एक वाट का मतलब है एक जूल प्रति यस नो ओके डन अब हम बात करते हैं पावर के और क्या फॉर्मूले आते हैं एक फॉर्मूला तो हमने पढ़ लिया वर्क डॉन अपन टाइम पावर के और भी फॉर्मुले होते हैं बच्चों कैसे होते हैं आओ जरा पढ़े सबसे पहले भाई हम यहां पे पावर का एक और फॉर्मूला डिराइव करेंगे जो कि आएगा वोल्टेज इंटू में करंट देखते हैं कैसे आएगा भाई ये फॉर्मूला कैसे आएगा क्या ये कहना ठीक है कि पावर का फॉर्मूला आ चुका है वर्क डन अपॉन में टाइम हाँ अब मुझे बताओ हमने इस चैप्टर में पढ़ा था कि वोल्टेज का फॉर्मूला वर्क डन अपॉन में चार्ज होता है तो इस हिसाब से अगर मुझे वर्क डन का फॉर्मूला लिखना है तो वोल्टेज इंटू में मैं क्या लिख सकता हूं चार्ज वर्क डन का फॉर्मूला लिखना है तो क्या लिख सकता हूं वोल्टेज इंटू में चार्ज तो वोल्टेज इंटू में चार्ज है अब इसको मैं चार्ज अपॉन में टाइम लिख सकता हूं और चार्ज चार्ज अपॉन अपॉन में में टाइम टाइम क्या होता होता है है हाँ, है बिल्कुल सही कह रहे हो चार्ज अपॉन में टाइम जो है, वो करंट के बराबर हूँ क्यू बाई टी को यहाँ पे बच्चों I लिख सकता हूं तो हमारे पास पावर का एक और फॉर्मूला आ गया वो है वी इंटू में आय तो पावर का एक हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाता है अब पावर का बच्चों हमारे पास दूसरा फॉर्मूला भी है जो कि है V स्क्वायर बाय R अगेन बहुत सिंपल सा ये फॉर्मूला है कैसे आया समझदार को इशारा काफी है क्या ये कहना ठीक है कि हमने अभी अभी प्रूव किया कि पावर का फॉर्मूला V इनटू में आए है तो आंसर इज यस अब आय की जगह ओम्स लॉजी के हिसाब से आय की जगह मैं V बाय आर लिख सकता हूं तो आय की जगह मैंने क्या रख दिया V वी v v क्या हो गया बोलो 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 v square by R. तो पावर का फॉर्मूला आ गया V स्क्वे बाय आर ठीक है बच्चों अब पावर का एक और फॉर्मूला भी होता है जो कि आखिरी फॉर्मूला है विच इज आय स्क्वेयर आर समझ गए करवाने की भी जरूरत नहीं है फिर भी करवा देता हूं बच्चों अगेन पावर का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ लिया इन टू में आए अब V की जगह मैं आई आर लिख सकता हूं ओम्स के से। ओम्स कहते v is to आर ओ भाई गलती हो गई हमारे पास पहले स्टड कौन आए थे बेंजामिन फ्रैंकलिन जी दूसरे स्टड कौन आए थे एंड्री मेरी तीसरे लेजेंडर बोलता चौथे ओम जी थे बच्चों क्या कर रहे हो बताते भी नहीं हो ओम तो कौन है ये तो हमारे नंबर पांच है जी ओम जी का नाम लिया तो पावर तो I I तो का फॉर्मूला गया आई स्क्र तो पावर के हमारे पास एक फॉर्मूला तो वर्क डन अपॉन टाइम था ही एक फॉर्मूला हमारे पास एक और आ गया वी I आई और एक आ गया वी स्क्वायर बाई आर और एक आ गया आई स्क्वायर आर लेकिन ये पावर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक पावर के लिए है यानी ये हम बाकी डिवाइसेस के लिए साइकिल वाइकल के लिए नहीं लगा सकते क्योंकि हम यहाँ वोल्टेज करंट के रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं गाड़ी वाड़ी में नहीं लगा सकते पावर किसी भी डिवाइस की पावर आपकी पावर मेरी सबकी हो सकती है लेकिन यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक पावर की बात कर रहे हैं यानी बिजली के अप्लाइंसिस की तो उसी के लिए ये डिराइव हो रहे हैं बच्चों ठीक है तो ये तीन फॉमले हैं इसकी डेरिवेशन आएगी नहीं आएगी मुझे नहीं पता चांसेस कम है आ भी सकती है लेकिन इसके ऊपर न्यूमेरिकल तो तो आ ही सकते हैं तो पावर के चार हो आर डन है, 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 है बच्चों ओके बच्चों चलिए बच्चों यहाँ पे हमारे पास एक न्यूमेरिकल आ रहा है द पावर ऑफ अ बल्ब इफ इट कंज्यूम्स कितनी एनर्जी कंज्यूम करता है थ्री पॉइंट सिक्स इंटू में टेन के पार सेवन जूल्स इन टू आवर्स तो यहां पे हमें पावर निकालनी अब जो टाइम है वो यहां पर गड़बड़ फॉर्म में दे रखा है जो कि आर्स है इसको हम लोग सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे थ्री सिक्स डबल जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे सेवन टू डबल जीरो क्या आ जाएगा हमारे सॉरी सॉरी सेवन टू डबल जीरो क्या आ जाएगा हमारे पास टाइम सेकेंड हाँ ये हमारे पास आ गया टाइम अब हमें क्या निकालना है क्वेश्चन में बोल रखा है आपको पावर निकालनी है तो पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम या कह लो एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन में टाइम एनर्जी कितनी है हमारे पास थ्री पॉइंट सिक्स इंटू में टेन की पार सेवन इसको मैं लिख सकता हूँ सेवन पॉइंट टू है ना इंटू में एक दो तीन टेन की पार थ्री लिख सकते हैं अब अगर मैं इसको इससे काट दूंगा तो ये वन बाई टू आ जाएगा इसको इससे काट दूंगा टेन की पार फोर आ जाएगा तो ये जीरो पॉइंट फाइव इंटू में टेन की पार फोर विच इज फाइव 1000 वॉट हमारे पास आंसर आ जाएगा पावर निकाल रहे तो वॉट इज दी एसआई यूनिट डन है ओके पक्का आसान है चलिए अगला सवाल आता है अगला सवाल कहता है एक बल्ब है जो कि 60 वॉट का है और एक लाइट है जो कि 40 वॉट की है दोनों को हमने 10 दिन के लिए जलाया 10 दिन के लिए जलाया आपको क्या करना है एनर्जी कंज्यूम्ड निकालनी है वॉट है? है नहीं 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 गलत एनर्जी कंज्यूम्ड निकालनी है इन जूल्स इन जूल्स क्वेश्चन को ठीक कर लेंगे एनर्जी कंज्यूम निकालनी है इन जूल्स तो बच्चों सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे टोटल पावर टोटल पावर कितनी हुई टोटल पावर हुई 60 प्लस 40 दोनों को मिला दिया 100 वॉट आ गया और हमारे पास टाइम कितना है बच्चों टाइम है 10 दिन हमें टाइम को कन्वर्ट करना होगा सेकंड में हर दिन में 24 घंटे होते हैं और हर घंटे में थ्री सिक्स डबल जीरो रहते हैं बोलो बच्चों तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इसको मैं टू फोर जीरो और इसको मैं थ्री सिक्स डबल ज़ीरो करके अभी फिलहाल इतना सेकंड लिख देता हूँ हमें एनर्जी निकालनी है पावर का फॉर्मूला एनर्जी अपॉन टाइम होता है अब एनर्जी का यहाँ से हम लोग निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा पावर इन टाइम एनर्जी का फॉर्मूला यहां से क्या आ जाएगा पावर इन में टाइम अब पावर हमारे पास कितनी आ गई है हंड्रेड टाइम हमारे पास कितना है टू फोर जीरो इन टू में थ्री सिक्स डबल जीरो अब यार इसको मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से है ना इतना तो कर लेना टू फोर ट्रिपल जीरो इन टू में थ्री सिक्स डबल जीरो इसको मल्टीप्लाई कर दो इतना जूल्स हमारे पास आंसर जो है बच्चों वो आ जाएगा सिंपल है ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है बोलो डन है ठीक है अब इसके बाद अगर हम लोग बच्चों आगे बढ़े तो हमारे पास अब आप ये, ये वाला क्वेश्चन जो मैंने कराया आप खुद ही समझते हैं कितना बड़ा आंसर यहाँ पे आ जाएगा ऐसा करते हैं इसको एक बार ही कैलकुलेट करते हैं ठीक है कैलकुलेटर से और यहाँ पे देखते हैं आंसर क्यों आएगा क्योंकि फिर मैं आपको एक बात भी समझाने चाह रहा हूँ तो ये आ गया बच्चों ट्वेंटी फोर को हमने मल्टीप्लाई कर दिया थर्टी सिक्स से तो ये आ गया एट सिक्स फोर एक दो तीन चार पाँच इतना जूल आ गया बच्चों ये अब आप मुझे बताओ ये तो काफ़ी ज़्यादा हो गया बच्चों ये तो काफ़ी ज़्यादा हो गया है ना बच्चों अब ये तो काफ़ी ज़्यादा हो गया इतना ज़्यादा हो गया इतना ज़्यादा हो गया कि भैया ये तो काफ़ी ज़्यादा हो गया अब आप मुझे बताओ अपने घरों में जब एनर्जी कंज्यूम करेंगे ये हम नाइन्थ में भी बात कर चुके हैं अगर हम अपने घरों में एनर्जी कंज्यूम करेंगे तो वो एनर्जी ये तो दस दिन की आई है और वो भी सिर्फ और सिर्फ एक बल्ब है और एक ट्यूबलाइट है अभी तो घर के बड़े बड़े डिवाइस माइक्रोवेव ओवन एसी फ्रिज वॉशिंग मशीन इन डिवाइसेस को तो इंक्लूड ही नहीं किया कर दोगे तो आंसर एक महीने का एक महीने में हम कितनी एनर्जी कंज्यूम करते हैं ये तो भाई साहब कहां पहुंच जाएगा तो इसीलिए आपको शायद याद हो नाइन्थ क्लास में हमने पढ़ा था कि हम लोग घर के अंदर जब एनर्जी को नाप रहे होते हैं खासकर इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस में जब एनर्जी को नाप रहे होते हैं तो एनर्जी को हम लोग किस में नापते हैं जूल के बजाय आंसर है किलो वॉट आर में हम अपने घर में जब एनर्जी नाप रहे होते हैं तो जूल के बजाय किस में नापते हैं किलो वॉट आर में देखो एक सवाल पूछता हूँ क्वेश्चन का आंसर ध्यान से देना टाइम की अलग अलग यूनिट्स होती हैं जैसे एक होती है सेकेंड एक होती है मिनट एक होती है आर एक होती है डे वीक सेंचुरी डेकेट्स मंथ ये अलग अलग यूनिट्स क्यों बनाई हमने ताकि हम ज़रूरत के हिसाब से यूनिट को यूज़ करें जैसे अगर मुझे बहुत छोटा टाइम निकालना है तो वी कैन यूज़ सेकेंड मान लो मुझे निकालना है कि एक बॉल ऊपर से छोड़ी नीचे की देर में आ जाएगी तो सेकेंड सही रहेगा लेकिन मुझे अगर मान लो ये निकालना है कि आपका स्कूल कितनी देर का है तो वहां पे आर्स सही रहेगा या फिर मुझे ये निकालना है कि मान लो कितने टाइम में मुझे ये पार्सल मुंबई से इंडिया में मिल जाएगा तो वो डेज़ में सही रहेगा और ऐसे मुझे निकालना है कि ये पौधा पेड़ का बन जाएगा तो वहां पे ईयर सही रहेगा ऐसे टाइम के अलग ऐसे लेंथ की भी होती है मान लो मुझे इस इसकी लंबाई निकालनी तो मेरे हिसाब से सेंटीमीटर या इंचज़ ठीक रहेगा अब मैं यहीं पर अगर किलोमीटर यूज़ करने लग जाऊँ तो मेरी बेवकूफ़ी है ना ऐसे बच्चों यहां से लेके मतलब दिल्ली से लेके मान लो गुजरात तक का मुझे डिस्टेंस निकालना है तो गुजरात दिल्ली से लेके गुजरात तक का डिस्टेंस अगर मैं मीटर में निकाल रहा हूं सेंटीमीटर में निकाल रहा इंचिस में निकाल रहा हूं, तो अगेन वो सही नहीं है तो वहां पर डिस्टेंस हम लोग कौन सा यूज करना चाहेंगे तो आंसर है किलोमीटर तो ऐसे ही बच्चों एनर्जी को वैसे तो हम लोग जूल्स में नापते हैं एनर्जी की एस आई यूनिट ही जूल्स है लेकिन कभी कभार हमें एस आई यूनिट से हट के काम करना होता है और वो हट के काम है किलो वॉट आर घर में अगर हम एनर्जी जैसे आपको पता हो शरीर के अंदर एनर्जी नापी जाती है कैलरीज के अंदर है ना ऐसे ही बच्चों हमारे घरों में जो बिजली कंज्यूम हो रही है जो एनर्जी कंज्यूम हो रही है इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम हो रही है उसको हम लोग नापते हैं किलो वॉट आर में किलो वॉट आर क्या होता है बच्चों तो जब हम अपने घर में थर्टी सिक्स लैख जूल्स एनर्जी खर्च करते हैं जब हम अपने घर में छत्तीस लाख जूल एनर्जी खर्च करते हैं तब जाके बनता है वन किलो वॉट आर अभी मैं ये प्रूफ भी करूंगा कि वन किलो वॉट आर थर्टी सिक्स लाख जूल के बराबर कैसे होता है लेकिन बच्चों अगर हम अपने घर के अंदर एक किलो वॉट आर यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब है छत्तीस लाख यानी अगर हम अपने घर में छत्तीस लाख जूल एनर्जी खर्च करते हैं तो वो मिलके बनता है वन इससे वॉट आसान हो जाएगी अब सोचो आपने अपने घर में सेवेंटी टू लाख जूल्स एनर्जी खर्च कर दी आपने अपने घर में एक सर्टन समय के अंदर सेवेंटी टू लाख जूल्स ऑफ एनर्जी खर्च कर दी मान लो तो mm -hmm. 72 लाख जूल्स का मतलब है 2 किलो वॉट आर क्योंकि एक किलो वॉट आर में 36 लाख जूल हैं। अगर आपने मान लो अपने घर में एक दिन आपका एक एसी अभी समझाऊंगा एक एसी जो कि दो टन का है दो हजार वॉट का है वो एक घंटे के अंदर इतनी एनर्जी कंज्यूम कर लेता है तो एक घंटे के अंदर एक एसी एनर्जी यूज कर रहा है सेवेंटी लाख और उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं दो किलो वाटर कैसे लग रहा है मान लो बच्चों आप कहीं ट्यूशन जा रहे हैं और वहां बेटा, कितने देर में आ जाएगा तो आपने बोला मम्मी मैं एक घंटे में आ जाऊंगा अब आप ऐसे भी तो बोल सकते थे कि मम्मी मैं तीन हजार छह सौ सेकेंड में आ जाऊंगा चप्पल पड़ती बेटा मुंह पे आप आप ये भी तो बोल सकते थे मम्मी मैं वन अपॉन ट्वेंटी फोर डेज में आ जाऊंगा बात तो एक ही जाऊँगा घंटा ही तो होता है आप ये भी तो बोल सकते थे मैं में में आ कहने का मतलब बच्चों ये तो मजाक हो जाएगा ऐसा नहीं करते हम हम ऐसे बोलते हैं कि मैं घंटे में आ जाऊंगा यूनिट को देखना होता है अब आप सोचो कहा है एक घंटा और कहाँ है थ्री सिक्स डबल जीरो सेकेंड बच्चो ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि अगर आप अपने घर में 36 लाख जूल एनर्जी खर्च करते हो तो एक किलो वॉट आर बनता है इसका मतलब यह है कि अगर आप 72 लाख जूल एनर्जी खर्च करोगे तो दो किलो वॉट आर बनेगा यह तो बहुत फर्क हो गया कैसे फर्क हो गया यार 72 लाख जूल इज इक्वल टू टू किलो वॉट आर सेवनटी टू टू किलो वाटर सेवनटी टू किलो महेंद्र बाहुबली चिंटू यार अब किसी का नाम चिंटू हो तो ऑफेंसिव मत हो जाना चिंटू भी अच्छा नाम है लेकिन नाम में था सेवनटी टू लाख टू किलो वाटर दोनों बराबर है मान लो महेंद्र बाहुबली जी का नाम घर में चिंटू है तो महेंद्र बाहुबली चिंटू इतना फर्क है दोनों में कितना हालांकि दोनों सेम है यार भाई यार ना देखो बस बोलने का किस यूनिट में बोल रहे हैं उसका फर्क है सेवेंटी टू लाख जूल में लग रहा है मेरे मालिक कितनी एनर्जी खर्च कर ली हमने किया कितना है दो किलो वॉट आर किया है लेकिन अब सवाल ये उठता है कि भाई सेवेंटी टू लाख किलो सॉरी वन किलो वॉट आर के अंदर थर्टी सिक्स लाख जूल आए कैसे आओ बच्चों यहां पे समझते हैं आओ बच्चों समझते हैं तो शो करते हैं कि वन किलो वॉट अच्छा किलो वॉट में के छोटा रहेगा क्योंकि कि किलो का के छोटा होता है वॉट में कैपिटल आएगा और आर में एच छोटा आएगा यह बात ध्यान रखना कहीं बच्चे आज तक इसको नहीं बनाना जाने बेटा ठीक है आओ तो वन किलो वॉट आर में इसका मतलब है वन किलो वॉट इंटू वन आर वन किलो वॉट आर मतलब वन किलो वॉट इंटू वन आर अब मतलब हम पावर को किलो वॉट में ले रहे हैं तो किलो का मतलब होता है बच्चों थाउजेंड तो वन थाउजेंड में वन आर आ गया अब अभी पीछे मैंने पढ़ाया था कि एक वॉट का मतलब है एक जूल अपॉन एक सेकेंड तो हजार वॉट का मतलब कितना हो गया बच्चों जूल अपॉन और वन आर में होते हैं थ्री सिक्स डबल जीरो सेकेंड सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया तो आप समझ गए कि बच्चों वन किलो वॉट आर में हो गए थर्टी सिक्स जूल यानी जब हम अपने घर में छत्तीस लाख जूल एनर्जी खर्च करेंगे तो उसको हम बोलेंगे एक किलो वाट आर और ध्यान रहे एक किलो वाट आर को एक यूनिट भी बोलते हैं किलो वाट आर को ऐसे भी बोला जाता है कि मैंने एक यूनिट बिजली खर्च कर ली सुना होगा मैंने दो यूनिट बिजली खर्च कर ली मैंने एक यूनिट बिजली खर्च कर ली मैंने चार यूनिट बिजली खर्च कर ली ऐसे करके हम बोलते हैं तो वो यूनिट का मतलब होता है किलोवाट किलोवाटार और सरकार सरकार तो खैर नहीं दिल्ली में हमारे यहाँ पे टाटा की बिजली आती है आपके अलग अलग राज्यों में अलग अलग पता नहीं मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं लेकिन शायद महाराष्ट्र में यानी कि मुंबई एरिया में शायद शायद रिलायंस की बिजली आती है अगर कोई महाराष्ट्र मुंबई से है यहाँ पे तो पता ना मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं और दिल्ली में तो हमारे यहाँ नॉर्थ साइड पर टाटा की बिजली आती है तो भाई वो जो बिजली है वो हमसे एक यूनिट का पैसा लेते हैं एक यूनिट का तीन रुपये ले लिया चार यूनिट मतलब किलो वाट आर एक किलो वाट आर का चार रुपये ले लिया तीन रुपये ले लिया पाँच रुपये ले लिया अलग अलग जगहों पे अलग अलग इसकी वैल्यू है तीन चार पाँच छः रुपये रहती है कमर्शियल में थोड़ी महंगी हो जाती है लेकिन अगर हम एक किलो वाट आर यानी अगर हम छत्तीस लाख जूल एनर्जी खर्च करते हैं तो उसको वो एक किलो वाट आर मान रहे हैं और उसके हिसाब से वो पैसे चार्ज कर रहे हैं जैसे एक क्वेश्चन भी हम लोग यहाँ पे एक लाए हैं कि अगर हम एक किलो आर खर्च करेंगे तो सरकार हमसे कितने रुपए लेगी तीन रुपए लेगी तो इसके हिसाब से बिल निकालो अभी हम बात कर लेंगे इसके बारे में लेकिन फिलहाल एक किलो आर के अंदर मेरे बच्चों छत्तीस लाख जूल होते हैं यानी अगर मैं छत्तीस लाख जूल एनर्जी खर्च कर रहा हूं तो उसका मतलब है एक किलो आर हो रहा है डन है जी डन है जी ठीक है इसके ऊपर एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं ऑल्दो मैंने बताया इसके ऊपर हम डेडिकेटेड एक क्लास ला के उसके ऊपर न्यूमेरिकल कर लेंगे लेकिन हमारे पास एक रेफ्रिजरेटर है जिसकी पावर हमें दे रखी है 400 वॉट, और टाइम दे रखा है 8 आवर्स हर एक दिन आप उसको जलाते हो और आपने उसको 8 घंटे रोज चलाया 30 दिन तक तो कितने घंटे हो गए भाई तो आंसर है एक सेकेंडाओ में दिन सॉरी हमने उसको जलाया और रोज हमने उसको आठ घंटे जलाया तो तीस इंटू में कितना हो गया आठ विच इज टू फोर जीरो आवर्स बट अब बेटा इन क्वेश्चनों करने के दो तरीके होते हैं नाइन्थ क्लास याद करेंगे या तो आप पावर को कन्वर्ट कर लो किलोवाट में और इसको आर में रहने दो मल्टीप्लाई कर दो लेकिन मेरा एक्सपीरियंस एक्सपीरियंसा कहता है कि बच्चे इस वाले मेथड से अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं तो मेरे सलाह रहेगी कि हम एस SI आई यूनिट्स में ही बात करें तो पावर को हम लोग वॉट में रहने दें और टाइम को हम लोग सेकेंड में कन्वर्ट कर दें टू फोर जीरो अब आर को सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए थ्री सिक्स डबल जीरो सेकेंड आ गया अब मेरी एक और सलाह रहेगी इसे कभी मल्टीप्लाई ना करें क्योंकि तो आगे जाके अभी हम पावर से जब एनर्जी निकालेंगे और एनर्जी को हम किलोवाट आर में कन्वर्ट करेंगे तो वहां पे हमें उसको 36 लाख ,00 से डिवाइड करना है तो ये वाला फैक्टर कहीं ना कहीं कैंसिल हो जाएगा तो इसको ऐसे ही छोड़ दें तो टाइम हमारे पास आ गया है अब हम लोग निकालेंगे एनर्जी उसको उसके लिए हम लोग पहले फॉर्मूला लगाएंगे किसका बच्चों पावर का पावर का फॉर्मूला क्या होता है पावर का फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन में टाइम तो यहाँ से एनर्जी का फॉर्मूला आ जाता है पावर इन टू टाइम पावर हमारे पास कितनी है 400 है और टाइम हमारे पास कितना है टू फोर डबल ज़ीरो इन टू में थ्री सिक्स डबल ज़ीरो अब मैं अगर इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आंसर जूल्स में आएगा आप खुद देख सकते हैं आंसर जूल्स में कितना बड़ा आ रहा है इसीलिए बच्चों हम लोग यहाँ पे एनर्जी को निकालेंगे इन किलो वॉट आर अब जूल्स में जो एनर्जी आ गई है वो आ गई है चार सौ इन टू में टू फोर डबल ज़ीरो इन टू में थ्री सिक्स डबल ज़ीरो टू फोर डबल ज़ीरो आया था नहीं नहीं नहीं, नहीं. एक ही तो जीरो आया था भाई है ना एक ही जीरो आया था बच्चों तो यहाँ पे एक जीरो पे हम लोग हटा देंगे ठीक है जी अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे बच्चों कि ये तो तो हमारे पास जो एनर्जी आई वो तो जूल्स में आई वो में थी अब अगर हमें इसे किलोवाट में कन्वर्ट करना है तो 36 लाख से इसको हम लोग डिवाइड करेंगे दैट इज द मेन पॉइंट ना क्योंकि अभी तो हमने एनर्जी को निकाला है जूल्स में हमें इसे कन्वर्ट करना रहेगा किसमें किलोवाट किलो आर में क्योंकि हर एक किलो वाट आर का तीन रुपये है भाई तो हमें पहले किलो वॉट आर तो निकालना पड़ेगा ना उसके लिए जो भी एनर्जी हमारे पास जूल्स में है उसको हम 36 लाख से डिवाइड कर देंगे ऐसा करने के लिए बच्चों हमारे पास यहाँ पे दो है दो से दो गए ये दो से दो गए और एक से एक गया थर्टी से थर्टी गया ये तो मैं कह रहा था ना आपको कि आप उसको थर्टी को मल्टीप्लाई ना करें कि वो एंड में कट जाएगा तो कुल मिला आपको मिलता है फोर इन में ट्वेंटी जो कि आ गया फोर फोर सिक्सटीन फोर टू नाइन्टी सिक्स किलो वॉट आर आ गया अब 96 सिक्स किलो वॉट आर आपके आप पास टोटल एनर्जी आ गई है अब मुझे बताओ कि कितना बिजली का बिल आएगा कितना इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आपको पड़ेगा तो भाई एक यूनिट जो है वो कितने रुपए की है तीन रुपए की है है ना एक यूनिट जो है वो तीन रुपए की है और आपके पास कितनी यूनिट्स आ गई हैं बच्चों नाइन्टी सिक्स यूनिट्स आ गई हैं एक यूनिट का आपको तीन रुपए देना है नाइन्टी सिक्स यूनिट आपने खर्च कर ली है तो इस हिसाब से सिक्स थ्री एटीन आ गया हमारे पास और नाइन इंटू में थ्री ट्वेंटी सेवन आ गया तो ट्वेंटी एट हो गया है ना भाई एक बार ये देख लेना कैलकुलेशन हमारे पास सिक्स थ्री एटीन और नाइन थ्री ट्वेंटी सेवन तो टू एट्टी एट रुपीज आपको देने होंगे एक महीने में तीस दिन का महीना होता है अगर आप फ्रिज को आठ घंटे चलाएंगे तो ऐसे नॉलेज के लिए बता रहा हूँ आप कहोगे सर फ्रिज आठ घंटे कौन चलाता है फ्रिज तो चौबीस घंटे चलता है तो ऐसा नहीं है गलत समझ रहे हैं आप क्योंकि हम फ्रिज को ऑन तो रखते हैं लेकिन वो चौबीस घंटे ऑन नहीं रहता समझते हो आप बीच बीच में बंद होता रहता है कंप्रेसर अगेन छोड़ देते हैं अभी वो हमारा काम नहीं है लेकिन इस क्वेश्चन को दोबारा फोकस करें तो हमें पावर दे रखी थी किसमें बेटा वॉट में और हमें टाइम दे रखा था किसमेंड में तो हमने क्या किया टाइम्स को में कन्वर्ट किया और फिर उससे एनर्जी निकाले जो कि पावर इनटू में टाइम है और एनर्जी आ गई हमारे पास जूल्स में और फिर उसके बाद हमने उसको किलोवाट आर में कन्वर्ट कर दिया और उसके बाद हमने इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट निकाल ली तीन रुपए से मल्टीप्लाई क्योंकि क्योंकि हर एक यूनिट तीन रुपए की थी बच्चों डन है तो मेरे हिसाब से यहाँ पे हमारे पास ये जो टॉपिक है यानी कि पावर है वो समाप्त होता है ठीक है अब इस चैप्टर में छोटा सा एक टॉपिक बचता है पाँच मिनट का दस मिनट का जिसको हम लोग बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग यानी कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है देखो हमने शायद ये एर्थ क्लास में कहीं ना कहीं मुझे याद आ रहा है पढ़ा था कि जब हम किसी वायर के अंदर से करंट को पास कराते हैं तो हमें तीन इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं एक होता है केमिकल इफेक्ट यानी कि हम उससे रिएक्शंस करा सकते हैं जिसके ऊपर केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट नाम का आपने एक चैप्टर एट में पढ़ा होगा फिर हमारे पास आया था एक एक चैप्टर हमारा पूरा है जो कि फिजिक्स का हमारा टेंथ का अगला चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और एक होता है हीटिंग इफेक्ट यानी जब भी हमें कंडक्टर के अंदर से करंट पास कराते हैं तो हमें कहीं ना कहीं एक हीटिंग इफेक्ट मिलता है क्यों मिलता है समझने वाली बात है याद करेंगे रेजिस्टेंस जब एक वायर के अक्रॉस इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो वो रगड़ते हुए जाएंगे घसीटते हुए जाएंगे जिससे कि फ्रिक्शन रुकावट पैदा होगी और फ्रिक्शन यानी रुकावट से आपको पता है हीटिंग इफेक्ट भी पैदा होता है तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट हमें मिलता है लेकिन जूल जी ने हमें बताया कि हीटिंग इफेक्ट जो है वो उसका फॉर्मूला क्या होगा ठीक है जी हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला क्या होगा तो अकॉर्डिंग टू तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग अगर हम एक वायर के अंदर से करंट पास करा रहे हैं तो हीटिंग इफेक्ट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द स्क्वेयर ऑफ करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द रेजिस्टेंस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द टाइम अभी हम ये लॉ पढ़ रहे हैं यार इस इन इस लॉ को अभी हम प्रूफ भी कर देंगे टेंशन के लिए रहे हो लेकिन इन्होंने कहा एक वायर के अंदर से अगर करंट दौड़ रहा है तो जो उसका उसके अंदर जो हीटिंग इफेक्ट पैदा होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के स्क्वायर के हीटिंग इफेक्ट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस के और हीटिंग इफेक्ट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टाइम के भी करंट का स्क्वायर क्यों आया अभी डेरिवेशन कर देंगे लेकिन सवाल यह है कि करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों आया रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों आया और टाइम के क्यों आया ये हमें रफली रफली समझना है अब आप सोचो अगर एक वायर में से करंट ज्यादा दौड़ेगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन ज्यादा तेजी से दौड़ेंगे उस वायर के थ्रू क्योंकि करंट ज्यादा होने का मतलब है या तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा दौड़ रहे हैं या वो तेजी से दौड़ रहे हैं दोनों केसेस में हीटिंग इफेक्ट जो है वो बढ़ेगा अगर इलेक्ट्रॉन तेजी से दौड़ गए या ज्यादा दौड़ रहे हैं तो दोनों केसेस में फ्रिक्शन ज्यादा होगी जिसकी वजह से हीटिंग इफेक्ट होगा स्क्वायर पे क्यों होगा अभी हम डिराइव कर देंगे हीटिंग इफेक्ट रेजिस्टेंस के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना ही चाहिए जितनी ज्यादा रुकावट पैदा होगी जितनी ज्यादा रुकावट पैदा होगी हीटिंग इफेक्ट उतना ही ज्यादा हमें मिलने वाला है क्योंकि जितनी ज़्यादा अपोजिंग फोर्स होगी उतनी ज़्यादा फ्रिक्शन होगी अब मान लो आप अपना हाथ एक मलमल के कपड़े पर रब कर रहे हो और वही अपना हाथ आप सैंड पेपर पर रब कर रहे हो रेग मार पे तो सैंड पेपर पर रब करने से आपको ज़्यादा हीट पैदा होगी क्यों क्योंकि वो ज़्यादा रफ है उसमें ज़्यादा फ्रिक्शन है ऐसे अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है रुकावट ज़्यादा तो हीटिंग इफेक्ट भी ज़्यादा हो जाएगा और ऐसे ही टाइम के तो है जितने समय के लिए मैं करंट दौड़ाऊंगा आपको पता है उतना ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट मिलता रहेगा तो अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूँ कंबाइनिंग फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड अगर इन तीनों को जोड़ दिया जाए तो हीटिंग इफेक्ट आ जाएगा प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी अब प्रोपोर्शनल का साइन हटा के हम लोगों ने एक कॉन्स्टेंट लगाया के और हमने क्या देखा कि जो ये के की वैल्यू है वो वन ही आई लगभग लगभग तो इसको हमने हटा दिया और कहीं ना कहीं हमें हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला मिल गया आई स्क्वायर आर टी तो एक तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से भी हम ये फॉर्मूला ऑप्टेन कर सकते हैं नहीं तो छोटा सा एक फॉर्मूला लगा के पावर का उस तरीके से भी हम इसको डिराइव कर सकते हैं कैसे बात कर लेंगे लेकिन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के हिसाब से किसी भी वायर के क्रॉस अगर आई अमाउंट ऑफ करंट दौड़ रहा है आर उसका रजिस्टेंस है टी अगर टाइम है कितनी देर के लिए हमने करंट को दौड़ाया तो हीटिंग इफेक्ट मिलेगा आई स्क्वायेर आर टी और शायद ये पता होगा हीट एक प्रकार की एनर्जी है तो उसकी जो एस आई यूनिट आएगी वो जूल सी आएगी ये तो शायद बोलने वाली बात नहीं ठीक है जी ये आ गया हमारे पास हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट अब अगर आप चाहो तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का यहाँ से फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हो बहुत छोटे तरीके से कि भाई पावर का जो फॉर्मूला होता है वो आई स्क्वायेर आर होता है हमने अभी थोड़ी देर पहले डिराइव किया था यस और नो तो उस हिसाब से अच्छा और पावर का एक और फॉर्मूला भी होता है और वो होता है एनर्जी अपॉन में टाइम तो अगर मैं इन दोनों को आपस में इक्वेट कर दूं तो एनर्जी अपॉन टाइम बराबर आ जाएगा आई स्क्वायर आर के टाइम को अगर मैं उधर ले जाऊंगा तो आ जाएगा ये आई स्क्वायर आर टी अब अगर एक डिवाइस में हीटिंग इफेक्ट पैदा हो रहा है और मैं मान लूँ सारी की सारी एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो रही है क्योंकि हीट भी एक एनर्जी है तो एनर्जी की जगह मैं हीट लिख सकता हूं तो फॉर्मूला आ जाएगा आई स्क्वेयर आर टी तो कहीं ना कहीं आप इस तरीके से ही फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो और इस लॉ की मदद मतलब से तो कर ही सकते हो तो जैसा मर्जी आप बात कर लो ठीक है बच्चों तो इस तरीके से हम बात कर सकते हैं डन है तो हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला आ जाता है हमारे पास आय स्क्वेयर आर टी इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल कर लेंगे आज नहीं लेकिन आज हमारा जो कि इस टॉपिक का ही अगर हम बात करें नेक्स्ट लेवल आता है पांच मिनट का बच्चों और खेल रहता है जहां पे हम लोग बात करेंगे दो चार लेक्चर से बल्ब भी दिखा रहे हैं आपको तो बल्ब के अंदर एक फिलामेंट होता है ये फिलामेंट जैसे कि बल्ब देखा हो आपने तो बल्ब के अंदर एक ऐसे ऐसे करके एक फिलामेंट होता है वो फिलामेंट किसका बना होता है भाई टंगस्टन का बना होता है टंगस्टन में क्या खास है बात करेंगे लेकिन जैसे ही हम एक बल्ब के अंदर से करंट फ्लो करवाते हैं टंगस्टन से जैसे ही करंट जाता है वो हीटिंग इफेक्ट देता है बहुत ज़्यादा जिसकी वजह से टंगस्टन के अंदर खास ये कि जब उसको हम हीट करते हैं तो वो ग्लो करता है सबसे पहली बात कि इलेक्ट्रिक हीटिंग इज़ यूज टू प्रोड्यूस लाइट एज इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब द फिलाेंट मस्ट रिटेन एज मच ऑफ द हीट जनरेटेड एट इज पॉसिबल सो इट गेट्स वेरी हॉट एंड एनिमिट्स लाइट अब इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है कि उसको उस हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए काफ़ी हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए कोई ऐसा मेटल लगा दूँ लाइक सिल्वर वगैरह तो वो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है तो हमें एक ऐसा मेटल चाहिए जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई हो इसीलिए बच्चों हमने ऐसे वैसे किसी इंसान को नहीं टंगस्टन को चुना और टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट सुन के हैरान मत हो जाना तीन हजार के भी ऊपर है बच्चों अच्छे अच्छे मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट तीन हजार के ऊपर नहीं मिलेगा आपको लेकिन टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट कितना मिलेगा तीन हजार यानी कि थर्टी थ्री हंड्रेड से भी ऊपर इतना ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होने के कारण ही हमने बल्ब के अंदर इस फिलामेंट को यूज किया है बच्चों तो इस तरीके से हम बात कर सकते हैं लेकिन और भी कारण है कि हमने बल्ब के अंदर कैसे क्यों ये यूज किया लेकिन यहां से जब एक वायर गई अंदर फिलामेंट है और यहां से बाहर आई तो इसमें जब फिलामेंट में करंट गया तो वो ग्लो करने लगा जिसकी वजह से लाइट मिली लेकिन उससे पहले अगर हम बात करें कि और क्या कारण है इसको चुनने के तो पहला कारण तो आ गया कि इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है दूसरा कारण बच्चों ये आ गया कि ये बहुत ज्यादा ग्लो करता है ऑन हीटिंग हीट करने पे ये बहुत ही ज्यादा क्या करता है ग्लो करता है बाकी अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं कॉपर का बनाऊं या नाइक्रोम का बनाऊं जो कि आपको दिखाऊंगा नाइक्रोम भी लेकिन वो इतना ग्लो नहीं करता कि पूरे कमरे में रोशनी कर दे वो। लेकिन का ग्लो येलो कलर का है क्वेश्चन है। है। आ रहा है ये जो कांच की कवरिंग है इस कांच की कवरिंग के अंदर हम लोग कुछ गैसेस भर देते हैं जैसे हीलियम, या आयरगन शायद आपको पता है नोबल गैसेस है तो इस बल्ब के अंदर हम ये नोबल गैसेस क्यों भर के रखते हैं तो आंसर है वाई इलेक्ट्रिक बल्ब आर फिल्ड विद इनर्ट और नॉन रिएक्टिव गैसेस अच्छा अगर हम ये गैसेस को निकाल दें अगर मैं इस बल्ब को फोड़ दूं और इस फिलामेंट को बिना इस कांच के कवरिंग के साथ जलाऊं तो क्या होगा सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं जहां पे ये पता चलेगा आपको कि अगर हम इस कांच की कवरिंग के बगैर इस बल्ब को जलाएंगे तो क्या होगा एक बार ये वीडियो चेक करो हाँ भाई तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है इस बल्ब के ऊपर का जो कांच की कवरिंग होती है वो हटा दी है शायद आपको दिख रहा हो इसके ऊपर की जो कांच की कवरिंग है वो हमने हटा दी है अब अगर कांच की कवरिंग हटा दी है तो इसके आसपास से सारी नॉर्मल गैसेस चली गई होंगी और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रह गई होगी मतलब सिर्फ तो नहीं सॉरी यहाँ पे सारी इसके आसपास की नोबल गैसेस चली गई होंगी जो हमने इसके अंदर भरी थी और इसके आसपास ऑक्सीजन आ गई होगी और ऑक्सीजन की वजह से अब ये रिएक्ट होगा तो अभी हम इसको ऑन करेंगे और मैं इसको पास से ही दिखाऊंगा कि ऑन करने पे क्या होता है ठीक है बच्चों हम्म तो देखा आपने कि कैसे ही एकदम से ऑन हुआ थोड़ी देर के लिए ऑन हुआ एक दो सेकेंड के लिए और उसके बाद जला और आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो फिलामेंट हमने यहाँ पे लिया था वो जल के टूट चुका है एक दो सेकंड जला और जल के टूट गया एक्चुअल कह सकते हैं थोड़ी देर के लिए इसमें आग लगी ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट हुआ टक्सन ऑक्साइड बन गया और टूट गया तो इस तरीके से इसीलिए हम इसके आसपास वो ग्लास की कवरिंग लगाते हैं ताकि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ना हो और उसकी लाइफ बढ़ जाए तो आपने देखा कि भाई हुआ क्या जैसे ही हमने उस बल्ब को बिना उसके फिलामेंट के जलाया उस बल्ब में वो एक सेकेंड दो सेकेंड जला लेकिन उसमें आग लग गई और उसके बाद एक धुआं निकला और बल्ब फ्यूज हो गया होता क्या है बच्चों टंगस्टन जब इसको हम ऑन करते हैं तो इतने ज्यादा टेम्परेचर पर चला जाता है 2000 3000 डिग्री सेल्सियस पे कि आसपास की ऑक्सीजन से वो रिएक्ट हो जाता है तो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टंगस्टन मेटल रिएक्ट्स

ये बल्ब फ्यूज हो जाएगा इसलिए ये कवरिंग लगी होनी बहुत जरूरी है अगर कवरिंग नहीं लगी होगी तो अंदर अभी इस कवरिंग में क्या है हमने इसके अंदर सारी गैसेस को बाहर निकाला और इनर्ट गैसेस भर दी जो फिलामेंट के साथ रिएक्ट नहीं हो रही हैं लेकिन जब हम इसको खुला छोड़ देंगे तो वो रिएक्ट हो जाएंगी और फिर हमारा जो फिलामेंट है वो खराब हो जाएगा ठीक है बच्चों इसके बाद हम लोग बात करेंगे हमारे घरों में फ्यूज़ की आपको पता होगा पहले के ज़माने में ये फ्यूज इस्तेमाल होते थे इन दो के बीच में हम यहाँ पे एक कॉपर वायर लगा दिया करते थे हमारे घर में ये जो हमारे घर की सर्किट होता था मीटर होता था उसके आसपास पास कहीं लगता था घर में जैसे ही करंट आता था पहले इसके द्वारा हो जाता था अगर करंट की वैल्यू ज़्यादा हो गई मान लो घर में करंट आना था पाँच एम्पियर या पंद्रह एम्पियर लेकिन पंद्रह एम्पियर की बजाय गलती से वो मान लो बीस एम्पियर आ गया या पच्चीस एम्पियर आ गया तो हम, और हमारे घर के जो भी अप्लाइंसिस चल रहे होते थे वो ख़राब हो जाया करते थे अब इसको हम यूज़ नहीं करते अब तो हमारे पास एमसीबीज आ गई अब नहीं, अब नहीं। की वायर, वायर सर्किट में जोड़ दिया थी यहाँ से करंट आता था और इसके थ्रू होके फिर हमारे घर में वापस जाता था अब अगर मान लो गलती से ज्यादा करंट आ गया मान लो पच्चीस सैम्पियर आ गया और हमारे घर में फ्यूज नहीं लगा होगा तो पच्चीस हमारे अप्लाइंसिस से होकर चला जाएगा और अगर अप्लायंसेस से होकर चला गया तो क्या होगा हमारे अप्लायंस खराब हो जाएंगे तो इसीलिए आप कह सकते हैं कि ये एक सेफ्टी डिवाइस हुआ करता था जिसमें जब भी कोई एक्सेस करंट आता था तो हीटिंग इफेक्ट की वजह से ये कॉपर वायर को मेल्ट कर दिया करता था कॉपर वायर टूट जाया करती थी उसको इस तरीके से बनाया जाता था लंबाई चौड़ाई कि जैसे उसमें एक एक्सेस करंट आए वो टूट जाए खराब हो जाए एंड एज अ रिजल्ट हमारा घर के अंदर एक्सेस करना से बच जाए इससे हमारे घर में लाइट चली जाया करती थी हम इसको वापस से बाहर निकालते थे इसमें दोबारा से फ्यूज वायर डालते थे इसको जोड़ते थे और वापस से लाइट आ जाया करती थी बच्चों तो पहले इसका इस्तेमाल करते थे लेकिन एक सेफ्टी डिवाइस था आखिरी काम आज का बच्चों हीटिंग डिवाइसेस में एक आखिरी टॉपिक आ रहा है हमारा इस चैप्टर का और आज हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा बच्चों वो है हीटिंग डिवाइसेस हमारे घर में वाटर गीज़र हमारे घर में रूम हीटर प्रेस आयरन जिसको हम बोलते हैं इन सब के अंदर एक मेटल लगा होता है जिसकी बात मैंने की थी कि वी यूज नाइक्रोम वायर नाइक्रोम क्या होता है बच्चों ये निकल प्लस क्रोमियम से मिलके बना हुआ एलॉय होता है जिसका रेजिस्टेंस हाई होता है अब जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मुला आई स्क्वायर आर टी है अगर रेजिस्टेंस हाई होगा तो हीटिंग इफेक्ट भी हाई हो जाएगा जिसकी वजह से हम पानी गर्म कर सकते हैं कमरे को गर्म कर सकते हैं इंसान को गर इंसान भी गर्म हो ही सकता है वैसे कपड़े गर्म करके प्रेस कर सकते हैं मतलब कुछ भी गर्म हम इसमें कर सकते हैं ये निक्रोम वायर अभी मैं आपको एक छोटी सी एक्टिविटी दिखा रहा हूं पहले ये एक्टिविटी देखो फिर मैं आपको समझाऊंगा इस एक्टिविटी में क्या जल्दी से हवा बच्चों तो जैसे हमने इसको ऑन किया है इसमें हम ऑन कर चुके हैं और इसमें अभी फिलहाल शायद आपको कुछ भी नहीं दिख रहा होगा बट थोड़ी देर अगर आप रुकें साइंस के जादू के लिए तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास निक्रोम वायर है ये भी एक्चुअली ग्लो करने लग गई है हालांकि मैंने अपने हाथ में कॉपर वायर को पकड़ा हुआ है और उसको मैं पकड़ पा रहा हूँ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है क्यों क्योंकि कॉपर वायर में हीटिंग इफेक्ट नहीं है लेकिन वहीं पे निक्रोम इतना ज़्यादा गर्म हो गया कि मुझे इसकी हीट महसूस होने लग गई है बच्चों ठीक है तो ये हीटिंग दोनों में करंट सेम है लेकिन फिर भी हीटिंग इफेक्ट हमें कॉपर में नहीं मिल रहा है, है क्योंकि उसका वायर ली। हम, ये दोनों सीरीज में है। हमने जब इसके अंदर से करंट पास कराया तो वो करंट सबके अक्रॉस सेम गया दोनों के अक्रॉस सेम गया कॉपर वायर में हमें हीटिंग इफेक्ट नहीं मिला या ना के बराबर मिला वहीं पे निक्रोम में हमें हीटिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा क्यों मिला आंसर है इसलिए मिला क्योंकि उसका हाँ सही बात रेजिस्टेंस हाई था रेजिस्टेंस हाई होने के बाद दोनों में करंट सेम है सीरीज है दोनों में हमने सेम टाइम के लिए ऑन किया लेकिन फिर भी नाइक्रोम में इतना ज्यादा हीटिंग मिला कि साइंस एंड फन पे वीडियो देखी होगी पेपर में आग लगा दी थी हमने इंसान में भी लगा सकते हैं बच्चों लेकिन लगाना नहीं है गलत बात है लेकिन बच्चों कहने का मतलब है हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला है आई स्क्वेयर आर टी रजिस्टेंस बढ़ा दोगे तो हीटिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा तो ये हमारे पास हीटिंग अप्लाइंसेज हुए यानी हीटिंग इफेक्ट के तीन एप्लीकेशन है और भी हो सकते हैं हमारे एन के हिसाब से तीन है पहला है बल्ब जो कि अगेन थोड़े से इस्तेमाल होने बंद हो चुके हैं इसके अच्छे वर्जन आ गए हैं एल कम बिजली लेते हैं हीट भी नहीं देते हैं लेकिन फिर भी एप्लीकेशन तो एप्लीकेशन है उसके बाद फ्यूज़ अब ये भी इस्तेमाल नहीं होते हैं एम आ गए हैं पता नहीं सरकार फिर भी पढ़ाती है हटा देना चाहिए पाँच साल दस साल में हट जाएगा शायद क्योंकि ये इस्तेमाल होने बंद होते जा रहे हैं लेकिन ये तो भाई सालों साल और चलने वाले हैं और चलेंगे भी हीटिंग अप्लाइंसेज जो कि नाइक्रोम पर चलते हैं और इस हीटिंग का हम अलग अलग तरीके से खाना बनाना पानी गर्म करना कपड़े प्रेस करने में इस्तेमाल कर सकते हैं तो पहला सवाल आ रहा है हमारे पास यू आर वायर्स आपको कुछ आइडेंटिकल वायर्स दी गई हैं। ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर हर एक का रेजिस्टेंस आर है वेन दीज आर कनेक्टेड इन पैरल द इक्वलेंट रेजिस्टेंस इज एक्स जब उनको पैरल में कनेक्ट किया जाता है तो उसका रेजिस्टेंस बनता है एक्स वेन दीज विल बी कनेक्टेड इन सीरीज तो फिर रजिस्टेंस क्या बनेगा अगर इन्हें सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाए तो बच्चों क्या रजिस्टेंस ये हमें देंगे सबसे पहली बात तो ये समझना है कि इन्हें जब कनेक्ट किया गया पैरल कॉम्बिनेशन में तो हमें जो नेट रेजिस्टेंस मिला बच्चों वो मिला हम लोगों को x है ना अब उसके हिसाब से बात करेंगे तो पहले बात करते हैं इन पैरल कॉम्बिनेशन तो पैरल कॉम्बिनेशन में वन अपॉन जो नेट रेजिस्टेंस होता है वो होता है वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री यहाँ पे सारे ही रेजिस्टेंस हमारे पास आर है तो मैं सबको यहाँ पे आर लिख रहा हूं अगर मान लेते हैं मैंने ऐसे एन रेजिस्टेंस लिए हैं एन रजिस्टर्स लिए हैं तो ये एन टाइम्स हो जाएगा क्योंकि ये एन एन लिए हैं तो इसको एन टाइम्स लिख सकता हूँ तो यहाँ और हमें ये बोला गया है कि नेट रेजिस्टेंस जो है वो एक्स है तो यहाँ से वन अपॉन एक्स इज इक्व टू एन बाय आर आ जाएगा तो कुल मिला के अगर मैं यहाँ से बात करूँ उल्टा कर दूँ तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आर बाय एन और हर एक रजिस्टेंस यहाँ से आप कह सकते हो आ जाएगा एन इंटू में एक्स हर एक रजिस्टेंस यहाँ से आ जाएगा एन इंटू में एक्स ये हर एक रजिस्टेंस की वैल्यू हो गई अब इन ही रजिस्टेंस को हमें कौन से कॉम्बिनेशन में लगाना है तो आंसर है सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाना है अब सीरीज कॉम्बिनेशन में नेट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला R1 वन प्लस आर प्लस आर थ्री प्लस आर फोर ऐसे करके ऐड होता रहता है बच्चों अब सबका रेजिस्टेंस अगर सेम ही है आर ही है तो एन टाइम्स आर कर देते हैं बच्चों और हर एक का रेजिस्टेंस अभी पीछे निकाला हमारे पास एन एक्स आ चुका है तो यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे एन एक्स तो बच्चों जो नेट रेजिस्टेंस है सीरीज में वो आ जाएगा एन स्क्वेर एक्स जो नेट रेजिस्टेंस है सीरीज में वो आ जाएगा एन स्क्वेयर एक्स बच्चों एक्स छोटा एक्स बड़ा एक्स तो एक्स है क्या बात बोल दी मैंने बच्चों वो वाला एक्स नहीं भाई ये वाला एक्स तो बेटा एन एक्स स्क्वेर हमारे पास आंसर जो है वो आ जाएगा अगर कॉम्बिनेशन कौन सा हाँ लगाया सीरीज कॉम्बिनेशन लगा तो बहुत ही अच्छा सवाल एग्जाम में पूछा था और इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन एक एन के एक्सरसाइज में भी है ये एन का सवाल है और एन सी एन सी आर टी मतलब एन सी ई आर टी का सवाल है और सवाल नंबर शायद फर्स्ट ही एक्सरसाइज का वो आप लोग देख लेना लेकिन अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू फाइव इक्वल पार्ट्स एक रेजिस्टेंस था उस रेजिस्टेंस वायर का रेजिस्टेंस हमारे पास ये पूरी एक वायर थी और इसका रेजिस्टेंस था आर इसके पांच बराबर टुकड़े कर दिए गए एक टुकड़ा कर दिया दो टुकड़े कर दिए तीन टुकड़े कर दिए चार टुकड़े कर दिए एक दो तीन चार और ऐसे बच्चों पांच टुकड़े कर दिए <coughs> सॉरी बच्चों हम लोगों ने पढ़ा है कि जब हम लेंथ को कम करते हैं रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोशन होता है तो अगर हमने लेंथ को वन फिफ्थ कर दिया तो इसका रेजिस्टेंस आर बाई फाइव इसका रेजिस्टेंस भी आर बाय फाइव इसका रेजिस्टेंस भी आर बाई फाइव इसका रेजिस्टेंस भी आर बाई फाइव और इसका रेजिस्टेंस भी आर बाय फाइव यानी सब का जो रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा आर बाय फाइव हो जाएगा क्योंकि लेंथ को हमने पाँच गुना कम कर दिया है अब ऐसा करने के बाद हम इन सब को कनेक्ट कर रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐसा करने के बाद इन पांचों को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा रहे हैं अगर ऐसा कर दिया तो अब आपको पताना है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 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 क्या होगा पहले इनका रेजिस्टेंस आर था और अब जो है है वो डैश है, आपको उसका रेशन निकालना है। ध्यान सुनेंगे इन पांचों को अगर मैंने पैरेलल में लगा दिया तो कुछ नजारा ऐसा होगा एक दो तीन चार और ऐसे ही करके पांच कुछ नजारा बच्चों ऐसा होगा यस और नो यस अच्छा अब अगर मैं इनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाता हूं तो वन अपॉन आर नेट आ जाएगा वन अपॉन आर वन वन अपन आर टू वन अपन आर थ्री अपॉन आर फोर और ऐसे रेजिस्टेंस अब बराबर होंगे बच्चों तो क्या क्या हो जाएंगे वन अपॉन आर बाय फाइव प्लस वन अपन आर बाय फाइव प्लस वन अपॉन आर बाय फाइव प्लस वन अपन आर बाय फाइव कितने हो गए एक दो तीन चार प्लस वन अप ऑन आर बाई फाइव कितनी बार आर रिपीट होगा बच्चों ऐसा लग रहा है टोनी कक्कड़ का गाना है कुर्ता पजामा काला काला काल क्या यार बहुत फिल्मी जाता है कई बार बच्चों लेकिन वन अप आर नेट जो है वो क्या आ जाएगा वन अप ऑन आर बाई फाइव क्योंकि बेटा हर एक का जो रेजिस्टेंस है वो अब पांच गुना कम हो गया है अब इस हिसाब से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो वन अप आर नेट आ जाएगा हमारे पास फाइव बाई आर प्लस फाइव ऐसे ही फाइव r आर प्लस फाइव बाय आर प्लस फाइव बाय आर प्लस फाइव बाय आर ऐसा पांच बार आ गया अब अगर ये पांच बार आ गया तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं पांच गुना कर सकते हैं तो इसका मतलब है जो हमारे पास नेट रेजिस्टेंस है जिसको हमें क्या लेने को भी बोला गया था आर डैश तो मैं इसको आर डैश लिख रहा हूँ और ये पांच बार मल्टीप्लाई कर दूं तो इसको मैं कर दूंगा पांच इन में पाँच बाय आर तो आर डैश जो हो जाएगा वो हो जाएगा आर बाय ट्वेंटी फाइव आर डैश जो हो जाएगा वो हो जाएगा आर बाय ट्वेंटी फाइव वेयर आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द जो ओरिजिनल वाली वायर थी उसका अब हमें रेशियो निकालना है इफ द इक्वल एंड रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज आर डैश तो एक्चुअली क्या फाइंड करना है फाइंड आर बाय आर डैश ये मिसिंग है आपको आर बाय आर डैश फाइंड करना है तो अगर मुझे आर बाय आर डैश फाइंड करना है तो मैं इसको ट्वेंटी फाइव को उधर ले जाता हूँ और आर बाय आर डैश को इधर ले आता हूं तो अगर मैं आर बाय आर डैश निकाल लेता हूं तो वो ट्वेंटी फाइव इज टू वन आ जाएगा और अगर मान लो आर डैश बाई आर निकालने को बोला है तो वन बाय ट्वेंटी फाइव हो जाएगा इतने समझदार आप हो अभी फिलहाल हम ये आंसर मार्क कर रहे हैं क्योंकि हमें आर बाय आर डैश निकालना है तो दो क्वेश्चन कहीं ना कहीं एक कॉम्ब एक ही कंसेप्ट बेस की जब ए, ए, सेम रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाएं और पैरल में लगाएं तो क्या होता है बच्चों चलिए अगला सवाल मेरे हिसाब से दोनों सवाल क्लियर है डनिया जी आगे बढ़ते हैं अगला सवाल आ रहा है कह रहे हैं एक ये बहुत अच्छा सवाल है एनसीईआरटी का नहीं है ये सवाल और ये एग्जाम में काफ़ी बार आया हुआ और इवन ये ये वाला न्यूमेरिकल ट्वेल्थ क्लास के भी एग्ज़ाम में आया हुआ है बच्चों आप छाटेंगे आपको मिल जाएगा अ लेटर ए हमें एक ए लेटर बनाना है इस कंस्ट्रक्टेड ऑफ अ यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस वन ओम पर सेंटीमीटर इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि हम एक वायर है हमारे पास उससे हम एक लेटर बना रहे हैं ए लेटर और उस ए लेटर को बनाने के लिए हमने एक ऐसी वायर चुनी है जिसका जो रेजिस्टेंस है हर एक सेंटीमीटर पे एक ओम है जिसका रेजिस्टेंस एक सेंटीमीटर पे एक ओम है हर एक सेंटीमीटर पे एक ओम उसका क्या है रेजिस्टेंस है द साइड ऑफ द लेटर आर ट्वेंटी सेंटीमीटर एंड द क्रॉस पीस इन द मिडल इज 10 टेन सेंटीमीटर लॉन्ग यानी जो साइड वाली लाइनें हैं वो ट्वेंटी सेंटीमीटर की है और जो बीच वाला पीस है वो 10 सेंटीमीटर का है आपको रेजिस्टेंस निकालना है बिटवीन तो और इसके बीच से यहां से हमने एक और वायर जोड़ रखी है अगर यह पूरी बीस की है तो यह 10 सेंटीमीटर हो गई ये 10 सेंटीमीटर हो गई ये 10 सेंटीमीटर हो गई ये 10 सेंटीमीटर हो, हो गई और बीच वाली वायर भी 10 सेंटीमीटर हो गई ओके अब हर एक सेंटीमीटर पे एक ओम है इसका मतलब ये दस ओम हो गया ये दस ओम हो गया ये भी दस ओम हो गया ये भी दस ओम हो गया ये भी दस ओम हो गया यानी कि मैं ऐसा इमेजिन कर सकता हूं कि यहां पे एक दस ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है हम बच्चों ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि यहां पे एक दस ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है यस yes. यहां पे एक दस ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है यस यहाँ पे एक दस ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है यस yes. और यहाँ पे भी एक दस ओम और यहाँ पे भी एक दस ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है और हमें इन दोनों एंड्स के अक्रॉस इसका रेजिस्टेंस निकालना है अब आप ध्यान से देखो क्या मैं इसी डायग्राम को अगर चाहूँ अगर मैं इसी डायग्राम को चाहूँ तो क्या थोड़ा सा आसान करके ऐसे बना सकता हूँ कैसे आओ समझे ये दस ओम है क्या इसी सर्किट को ये दोनों के दोनों रजिस्टर्स आपस में सीरीज में लगे हुए हैं ये वाला और ये क्योंकि इसमें से और इसमें से करंट सेम जाएगा तो ये सीरीज में लगे हैं फिर ये वाला जो है ये वाला जो है इसके साथ पैरलर में लगा हुआ है और यहाँ से एक रजिस्टेंस जो कि सीरीज से आ रहा है ये वाला और ये भी एक रजिस्टेंस जो कि सीरीज से आ रहा है इसका मतलब है मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पे एक रजिस्टेंस है यहाँ पे है यहाँ पे है यहाँ पे है और यहाँ पे है अब प्लानिंग क्या है प्लानिंग कहती है हमें नेट रजिस्टेंस निकालना है तो पहले मैं इन दोनों को सीरीज में सॉल्व करूँगा जो आंसर आएगा इसके साथ पैरेलल में सॉल्व कर दूंगा फिर इन सब को सीरीज में कर दूंगा अगर मैं इन सब को एक बना देता हूं तो ये सब सीरीज में हो जाएंगे ना बच्चों तो पहले हम लोग क्या करेंगे इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे और इसको हम नाम दे देते हैं आर वन और इसको हम नाम दे, दे देते हैं आर टू इसको दे, दे देते हैं आर थ्री इसको दे देते हैं आर फोर इसको दे देते हैं आर फाइव तो पहले आर वन और आर टू के लिए सॉल्व कर लेते हैं तो फॉर आर वन एंड आर टू अब आर वन और आर टू जो है वो दोनों के दोनों सीरीज में है तो इससे जो नेट रेजिस्टेंस आएगा उसको आर वन टू बोल देते हैं जो कि आर वन प्लस आर टू आ जाएगा आर वन कितना है टेन आर टू कितना है टेन टेन और टेन कितना हो गया ट्वेंटी अब अगर ये दोनों सीरीज में सॉल्व हो गए तो इसका जो भी आंसर आ रहा है वो इसके साथ पैरेलल में हो जाएगा यस और नो तो वन अपॉन आर इसको मैं आर ए बोल देता हूँ ठीक है ना इन इस पूरे कॉम्बिनेशन को सॉल्व कर रहा हूँ अब इन दोनों को मैं सॉल्व कर चुका हूँ अब इसके साथ ये पैरलर में आएगा तो इस पूरे को सॉल्व कर रहा हूँ बच्चों में तो वन अपॉन आर ए क्या आ जाएगा बताओ उन दोनों को सॉल्व कर दिया था तो क्या आ चुका था वन अपॉन आर वन टू और नीचे वाले को मैंने आर थ्री बोल दिया ये दोनों पैरेलल में इसलिए इस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं ये पे निपटाते हैं इसको तो वन अपॉन आर ए इज इक्व टू वन अपॉन आर वन टू ये वन और टू जो है ये वन और टू जो है ये ट्वेंटी ओम आ चुका है और ये हमारे पास टेन था तो बच्चों ओ मेरे बच्चों इसको तो सॉल्व कर ही लोगे बच्चों ये आ जाएगा वन ये आ जाएगा टू बच्चों तो यहाँ से आर ए आ जाएगा ट्वेंटी बाय थ्री ओम ये अभी इस वाले ढांचे का आंसर आए अभी ये वाला और ये वाला बचा है तो जो भी आंसर आएगा अब नेट क्या कर देंगे बच्चों सीरीज में तो अगर मुझे अब नेट रेजिस्टेंस निकालना है तो सबसे पहली बात तो इस पूरे को जो सॉल्व करके आया हमारे पास वो आ चुका है आर ए तो आर ए वाला आर फोर और आर फाइव के साथ सीरीज में हो जाएगा तो आर ए वाला आर फोर और आर फाइव के साथ सीरीज में हो जाएगा बच्चों ये आर नेट है ना तो आर नेट है अब आर ए वाला हमारे पास कितना आया है ट्वेंटी बाय थ्री आर फोर वाला फोर वाला कहा है फोर्थ फोर ये दस है और आर फाइव भी दस है तो ये भी दस है और ये भी दस है, है बस है और कोई नहीं है बच्चों एलसीएम कितना आ गया थ्री या आ गया ट्वेंटी या आ गया थर्टी या आ गया थर्टी थर्टी और थर्टी कितना होता है बच्चों सिक्सटी होता है सिक्सटी और ट्वेंटी कितना होता है बच्चों एट्टी होता है एट्टी अपॉन में थ्री कितना होता है बच्चों इसको सॉल्व कर लेना और यहाँ पे से जो भी आंसर आ रहा होगा वो निकाल लेना यार इतना तो कर ही लेना और ये हमारे पास आंसर आ गया एट्टी बाय थ्री ओम ओके कमेंट सेक्शन में बता दो आंसर क्या आ रहा है सॉल्व करके मेरी मैथ्स करवाओ मत तुम मैंने मैथ्स गलत कर दिया तुमने उसको कर लेना रिकॉर्ड बना देने मी मैंने देखे मैंने नहीं करनी है ये तुम करने बताओ भाई जो भी एट्टी बाय थ्री करके आंसर आ रहा है इसमें से जो भी आ रहा है आंसर अपना ओके okay. डन यार देखो फॉर्मेट समझो छोड़ो ना कैलकुलेशन मैथ्स पर कहाँ रहे हो इतना बताओ ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस क्वेश्चन क्या था दोबारा समझ लेते हैं चाहे क्वेश्चन को दोबारा समझ लेते हैं हमने एक ए लेटर बनाया और वो ए लेटर इस तरीके से बनाया ऊपर वाली बार दस सेंटीमीटर ये भी दस ये भी दस ये भी दस और ये भी दस सब कुछ दस दस है और हर एक सेंटीमीटर पे एक ओम है आप समझ जाओ तो भाई ये दस ओम हो गया दस ओम हो गया दस 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 इसको सीरीज जिसको आंसर आया पैरल फिर जो भी आंसर आया सीरीज और नेट आंसर हमारे पास एटी बाई थ्री ओम आ चुका है ओके बच्चों आगे बढ़ते हैं चलिए Uh, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ये शायद एन का सवाल है टू बल्ब हैव द फॉलोइंग रेटिंग दो बल्ब हैं इनकी रेटिंग आपको दे रखी है एक दे रखी है हमारे पास 40 वॉट और 220 वोल्ट और एक दे रखी है बच्चों 20 वॉट और 100 वोल्ट द रेशो ऑफ देयर रेजिस्टेंस इज उनके रेजिस्टेंस का क्या रेशो रहेगा आओ बच्चों तो सबसे पहली बात आपको शायद याद हो यहाँ पे जो हम लोग फॉर्मूला लगाने वाले हैं पावर का वो लगाने वाले हैं वी स्क्वायर बाय आर ऐसा क्यों

भगवान की कृपा है मेरे पे ऐसा लग रहा है मुझे है ना मेरे पर बहुत लाइट गिर रही है लाइट बंद करनी पड़ेगी क्या ऐसा लग रहा है भगवान की पूरी कृपा फुल बाबे दी फुल कृपा है ना चलो लेकिन कोई बात नहीं बच्चों ध्यान लेकिन अगर हम बोर्ड पे देते तो पावर का फॉर्मूला हमारे पास क्या है बच्चों वी स्क्र बाय आर है पावर का फॉर्मूला अगर पावर का फॉर्मूला वी स्क्वेयर बाय आर है तो इस फॉर्मूले को लगा के हम काम कर सकते हैं चलो अब ये हमारे पास बल्ब है इसको मैं ऐसा कर देता हूँ बल्ब वन अच्छा दे रखा है बल्ब टू तो पहले बात कर रहे हैं हम लोग बल्ब वन की तो P1 वन इज़ इक्व टू वी वन का स्क्वेयर बाय आर वन वन हमारे पास कितना है 40 V1 वन हमारे पास कितना है टू ट्वेंटी इसका हमें स्क्वेयर करना है और यहाँ से आ जाएगा बच्चों R1 वन तो R1 वन आ जाएगा फोर एट फोर ज़ीरो ज़ीरो अपॉन में कितना अपॉन में कितना 40 तो यहाँ से एक ज़ीरो से एक जीरो चला जाएगा यहां से वन टू वन ज़ीरो आ जाएगा तो आर वन आ जाएगा वन टू वन जीरो ओम बाकी कैलकुलेशन संभाल लेना भैया थोड़ी सी मेरी बड़ी कमजोर है तो यहां से हमारे पास आर वन आ गया अब हम बात करेंगे बल्ब टू के लिए अब बल्ब टू के लिए अगर बात करें तो फॉर्मूला आ जाता है पी टू इज इक्व टू वी टू का स्क्वाय आर टू अब पी टू कितना है हमारे पास ट्वेंटी है वी टू कितना है हमारे पास हंड्रेड है इसका हमें क्या भी तो करना होगा स्क्वायर और R2 बच्चों हम लोगों को यहां से निकालना है तो यहां से हमारे पास R2 आ गया 10,000 थाउजेंड अपॉन में ट्वेंटी इसको इससे काट दिया और आंसर बच्चों कितना आ गया हमारे पास 10,000 थाउजेंड अपॉन में ट्वेंटी तो आया कुछ गलत कर दिया क्या? नहीं हंड्रेड ही होगा ना चलो आओ तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया हमारे पास कितना आ गया ये आ गया हमारे पास 500 हंड्रेड फाइव हंड्रेड होम के हिसाब से तो कोई रेशो बनता ही नहीं है यार यहाँ आर वन फाइन द ऑफ रेश रेजिस्टेंस तो रेजिस्टेंस का रेशो क्या बनेगा ना 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 नो 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 कुछ तो गड़बड़ है दया दया कुछ तो गड़बड़ है यहाँ मुझे लग रहा है हंड्रेड नहीं होगा बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत आ गया चलो अगर मान लो थोड़ा सा यहाँ पे हंड्रेड भी है मान लेते हैं एक सेकंड के लिए यहाँ पे हंड्रेड है तो फिर आंसर क्या आएगा फिर आंसर आ जाएगा आर वन अपॉन में आर टू का जो रेशो आएगा वो आ जाएगा वन टू वन जीरो अपॉन में फाइव हंड्रेड यानी कि जो भी आएगा लेकिन इन चारों ऑप्शन में तो नहीं आएगा जहां तक मुझे लगता है दया दया कुछ तो गड़बड़ है यहाँ मैं अभी वैसे इसको इस क्वेश्चन को ऐसे रहने देता हूँ लेकिन दे आप सब भी जानते हैं यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हुई है और मेरे हिसाब से यहाँ पे 220 वोल्ट ही होगा और अगर 220 वोल्ट होता है और यहाँ पे भी हम 220 वोल्ट रखते हैं तो मेरे हिसाब से उस स्केल में फिर रेशो हमारा आ सकता है वन इस टू 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 इस टू वन में से कोई एक है ना मेरे हिसाब से क्वेश्चन में गलती हुई है बट अभी फिलहाल अगर इसको मैं 220 मान के चलता हूँ तो फिर उस हिसाब से हमें आंसर बदलना होगा ठीक है बच्चो उसके हिसाब से फिर यहाँ पे हमारे पास जो वोल्टेज है उसके हिसाब से आंसर बदलना होगा इसको ऐसे कर लेते हैं कोई भी आए देखो यार वैल्यू तो हम कैलकुलेट कर ही लेंगे लेकिन जहां तक मुझे लगता है दया यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हुई है मान लेते हैं ये कितना है 220 है अब अगर 220 है तो पावर हमारे पास आ गई 20 और ये हमारे पास आ चुका है 220 इसका हमें क्या करना होगा स्क्वायर और यहाँ पे कितना आ जाएगा आटू तो आटू आ जाएगा 48400 एट अपॉन में 20 आ गया इसको इससे काट दिया बच्चों तो कितना आ गया हमारे पास टू अब यहां से देखो रेशो आ गया ना वन तो वो कुछ गड़बड़ी हुई थी बच्चों तो आर टू हमारे पास आ गया टू फोर टू जीरो अब रेशन निकाले तो वन टू वन ज़ीरो अपॉन में टू फोर टू ज़ीरो फिर आंसर आ जाता है वन इज टू टू यानी ये जो आंसर है वो तब आएगा जब यहाँ पे दो सौ बीस होगा कुछ गड़बड़ी होगी ये कोई बात नहीं हम होशियार हैं हमें पता है हम कैसे क्वेश्चन को भी ठीक कर सकते हैं बच्चों आंसर अगर आपको पता हो समझदारी हो तो गलत क्वेश्चन भी खटाक से बदल जाता है कोई बात नहीं चलो खैर खट चलो यार ठीक है आगे बढ़े डन है बहुत आसान क्वेश्चन था भाई तो पावर दे रख पावर दे रखी है वोल्टेज दे रखा है रेजिस्टेंस का रेशियो निकालना है चलो जी आगे बढ़ते हैं ये सवाल मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सवाल मुझे बहुत अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि यहाँ पे अक्सर बच्चे एक बात पे ध्यान नहीं देते हैं वो बात क्या है मैं आपको समझाता हूँ टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ सेम मटेरियल सबसे पहली बात दो वायर्स हैं यहाँ पे उन दोनों वायर्स का मटेरियल क्या है सेम एंड एकक्वल एंड इक्वल डायमीटर उनकी लंबाई भी बच्चों क्या है सेम है और उनका डायामीटर भी क्या है सेम मतलब तो सब कुछ सेम है तो क्या सबसे पहली बात आगे बढ़ने से पहले अगर उनका डायामीटर सेम है तो उनका एरिया भी सेम होगा अरे यार एरिया भी तो सेम होगा एरिया होता है पाया स्क्वायर पाई रेडियस का स्क्वायर डायमीटर सेम है तो रेडियस भी सेम होगा एरिया भी सेम होगा अच्छा दोनों का मटेरियल सेम है तो दोनों का रेजिस्टिविटी भी सेम होगा अच्छा दोनों की लेंथ सेम है अबे सब कुछ तो सेम है अगर सब कुछ सेम है तो दोनों का रेजिस्टेंस भी सेम हो गया क्योंकि बच्चों रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल बाय ए दोनों का रो सेम है दोनों का एल सेम है दोनों का ए सेम है तो दोनों का रेजिस्टेंस भी क्या हो गया सेम हो गया जिसको मैंने आर मान लिया अब हमने एक बार उसको कनेक्ट किया सीरीज में और एक बार उसे कनेक्ट किया पैरेलल में तो बताओ हीटिंग इफेक्ट का रेशो क्या मिलेगा फाइंड द रेशो ऑफ हीट इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ठीक है जी तो सबसे पहले हम यहां पे बात करें इन सीरीज कॉम्बिनेशन अगर मैं रेजिस्टर्स को कौन से कॉम्बिनेशन में लगा देता हूं सीरीज तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन अगर मैं रजिस्टर्स को लगा देता हूँ सीरीज में तो भाई जो सीरीज में रजिस्टेंस आएगा वो आएगा आर वन प्लस आर टू जो कि दोनों बराबर हैं तो टू आर हो गया और ऐसे ही इन पैरल कॉम्बिनेशन बच्चों अगर बात करें तो वन अपॉन आर पैरल में आ जाएगा वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू जो कि बराबर हैं उस हिसाब से बच्चों तो हमारे पास पैरल में रजिस्टेंस आ गया वो टू बाय आ गया और अगर मैं इसको उल्टा कर देता हूँ तो रेजिस्टेंस पार्लर में कितना आ जाएगा आर बाय टू अब यहाँ जो मैं बोलने जा रहा हूँ आपको बहुत ध्यान सुनना है यहाँ तक तो कुछ भी नहीं था दोनों का मटेरियल सेम रेजिस्टेंस सेम लेंथ सेम तो दोनों का रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली सेम हो गया जिसकी वजह से सीरीज में जब सॉल्व किया तो आर प्लस आर जो है वो टू आर आ गया जब हमने इसको सीरीज में सॉल्व किया तो नेट रेजिस्टेंस टू आर आ गया और पैरेलल में सॉल्व करने पर नेट रेजिस्टेंस आर बाय टू आ गया डन है जी ओके है जी लेकिन हमें तो हीटिंग इफेक्ट का रेशियो निकालने के लिए बोला था अब अगर मैं आपको बोलूं तो भाई हीटिंग इफेक्ट के वैसे तो एक फार्मूला रहता है आई स्क्वा और आपको पता है आई स्क्वायर आर पावर होता है तो पावर का हमारे पास वी स्क्वायर बाय आर टी एक फार्मूला ये भी रहता है बच्चों एक फॉर्मूला ये तो रहता ही है और आपको सबको याद होगा तो हमने पावर का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर की बजाय वी इंटू में आई इंटू में टी मतलब कि वी इंटू में आई भी यूज किया हुआ है तो कुल मिला के अगर मैं पावर के अलग अलग फॉर्मूले यूज करता हूँ अगर मैं पावर के अलग अलग फॉर्मूले यूज करता हूँ तो क्या मुझे अलग अलग हीटिंग इफेक्ट मिलेगा नहीं आंसर है सेम हीटिंग इफेक्ट मिलना चाहिए बिकॉज फार्मूला चेंज करने से आंसर थोड़ी चेंज हो जाएगा हीटिंग इवर का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर टी था आई स्क्र आर पावर होता है उसकी जगह वी स्क्र भी रख दिया और वी कि यहां पे कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए कोई भी फॉर्मूला लगाने से अगर सही तरीके से लगाया गया है तो कोई भी फॉर्मूला लगाने से आंसर ठीक आता है लेकिन कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए सवाल तो यह है ना कि कौन सा फॉर्मूला लगाएं तो आंसर है क्वेश्चन देख लो आप अपने ठंडे दिमाग से बताओ कौन सा फॉर्मुला लगाना चाहिए कमेंट सेक्शन में बता दो फर्स्ट वाला लगाएं सेकंड वाला लगाएं या थर्ड वाला लगाएं जल्दी से चलो जी तो मेरे हिसाब से आंसर आपने दिया होगा कि भाई सेकंड वाला फॉर्मुला लगाएं क्योंकि बेटा यहाँ पे हमें ये बोला गया है कि हमने एक बार उसको सीरीज में लगाया और एक बार उसको पैरल में लगाया लेकिन यहाँ पे बहुत ही प्यारे प्यारे शब्दों में लिखा हुआ है बच्चों कि सेम पोटेंशियल डिफरेंस अब अगर मैं फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगाता हूं ऐसा नहीं है कि हम उससे आंसर निकाल नहीं सकते निकाल लेंगे लेकिन मुझे फिर दोनों केसेस में करंट भी निकालना होगा बिकॉज सीरीज में करंट अलग हो जाता है और पैरल में भी करंट अलग हो जाता है और लास्ट वाले फॉर्मूले में भी करंट है लेकिन जो सेकंड फार्मूला उसमें करंट है ही नहीं उसमें क्या है वोल्टेज है रेजिस्टेंस में निकाल चुका हूं वोल्टेज है टाइम दोनों के लिए सेम है तो और वोल्टेज जो हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि सेम है जिसका मतलब है सेकंड वाला फॉर्मूला सही रहेगा तो हीटिंग इफेक्ट अगर मैं सीरीज में निकालता हूं तो फॉर्मूला हो जाएगा वी बाय सॉरी वी स्क्वेयर ये जो स्क्वायर है ये वी के ऊपर है बस पता होगा वी स्क्वेयर बाय आर सीरीज का इन में टाइम और सीरीज़ में हीटिंग इफेक्ट अगर मुझे निकालना है तो सीरीज में रेजिस्टेंस क्या आया था मेरे पास जो कि आया था बच्चों और यहां पे में क्या आ गया टाइम इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऐसे ही अगर मैं हीटिंग इफेक्ट निकालता हूं पैरल में तो फॉर्मूला वी बाय आर पैरल में आएगा इंटू में टी और ये मेरे पास अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करना चाहूं तो पैरल में जो मेरे पास रेजिस्टेंस आया था अगर आपको याद हो तो वो आया है आर बाय टू तो यहाँ पे आर बाय टू डाल देंगे बच्चों जो कि किसके बराबर हो जाएगा बच्चों ये हो जाएगा टू वी स्क्वे बाय आर टी के यस और नो ये हमारे पास आ गई कौन सी इक्वेशन फर्स्ट ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन आ गई बच्चों सेकेंड अच्छा आप मुझे बताओ हमें रेशियो निकालना है हीटिंग हीटिंग इफेक्ट इफेक्ट सीरीज और हीटिंग का तो अगर मुझे रेशियो निकालना है तो फर्स्ट और सेकेंड को मैं डिवाइड कर दूंगा डिवाइडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड फर्स्ट एंड सेकेंड को मैं डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास वी स्क्वे बाय टू आर और नीचे आ जाएगा वी स्क्वे अपॉन में आर टी टू अब वी स्क्वायर से बीस स्क्वायर क्योंकि वोल्टेज सेम थी आर से आर सेम टी से टी सेम ये टू नीचे आ जाएगा और बच्चों आंसर आ जाएगा वन इज टू फोर अब कई बच्चे खासकर जब मैं ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि बच्चे अक्सर ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं हीटिंग इफेक्ट का क्योंकि बच्चों इस फॉमूले में हमें आदत है हीटिंग इफेक्ट का फॉमला लगाने की और वो करंट को सेम रखते हैं बट वो भूल जाते हैं कि सीरीज पैरेलल में करंट अलग होता है और इसी कारण से उनका जो आंसर है वो कहीं ना कहीं वन इंस टू टू या फोर इंस टू वन कुछ करके आता है बट आंसर आना चाहिए वन इंस टू फोर तो ये बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला जो है वो यूज करेंगे वी स्क्वेर बाय आर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे डन है अच्छा क्वेश्चन है एन टी का क्वेश्चन है चलिए अगले सवाल पे आते हैं अगला सवाल भी जहाँ तक मुझे लगता है एन सी आर टी का कह रहे हैं अ बैटरी ऑफ नाइन वोल्ट एक बैटरी है नो वोल्ट की इसको हमने सीरीज में कनेक्ट किया है जीरो पॉइंट टू जीरो पॉइंट थ्री 0.4, 0.5 और 12 ओम रेजिस्टेंस के साथ रिस्पेक्टिवली सीरीज में लगे हुए हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू आपको पता ना है कितना करंट 12 ओम वाली बैटरी से फ्लो होगा 12 ओम वाले रजिस्टर से सॉरी फ्लो होगा कितने रजिस्टर लगे हुए टोटल एक दो तीन चार पांच एक दो तीन चार पांच ये पांच रजिस्टर्स हमारे पास लगे हुए और बैटरी हमने लगा दी है नौ वोल्ट की ठीक है जी बैटरी हमने लगा दी है नौ वोल्ट की और ये हमारे पास जीरो पॉइंट टू ओम जीरो पॉइंट थ्री ओम जीरो पॉइंट फोर ओम जीरो पॉइंट फाइव ओम एंड ट्वेल्व ओम अब मैं आपसे सवाल पूछने जा रहा हूं हमें बोला गया है कि आपको करंट निकालना है सिर्फ बारह अगर मुझे सिर्फ बारह निकालना है तो क्या तो निकालना ही पड़ेगा ना जब तक मैं नेट रेजिस्टेंस नहीं निकालूंगा तब तक मैं कैसे सॉल्व कर लूँ कि टोटल करंट कितना आएगा तो सबसे पहले हमें नेट रेजिस्टेंस यानी कि रेजिस्टेंस इन सीरीज तो आर वन आर टू के सब सीरीज में लगे हुए और अगर सब सीरीज में लगे हुए बच्चों तो क्या इन्हें आपस में ऐड कर दिया जाए आंसर इज यस ये कितना है जीरो पॉइंट टू ये कितना है जीरो पॉइंट थ्री ये कितना है जीरो पॉइंट फोर कितना है जीरो पॉइंट फाइव और ये कितना है बारह ठीक है बच्चों तो ये आ गया हमारे पास जीरो पॉइंट फाइव जीरो पॉइंट फाइव वन वन थर्टीन थर्टीन पॉइंट फोर ओम ये हमारे पास नेट रेजिस्टेंस आ गया अच्छा अब आप मुझे बताओ अगर ये पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस आ गया और ये पूरे सर्किट का वोल्टेज है तो यहाँ से जो नेट करंट है वो जो निकलेगा वो जो पूरे सर्किट से जाएगा वो ही बारह वाले से भी जाएगा आंसर इज़ यस बिल्कुल उससे भी जाएगा तो क्या ऐसा कह दें कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी इज़ इक्व टू बच्चो आई आर होता है अब वी कितना है हमारे पास नाइन आई कितना है हमें निकालना है और आर हमारे पास कितना आया था थर्टीन पॉइंट फोर तो यहाँ से आई आ जाएगा नाइन अपॉन में थर्टीन पॉइंट फोर इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चों और इतना एम्पियर जो है वो करंट आ जाएगा अगेन वो तो हम सॉल्व कर लेंगे लेकिन इस क्वेश्चन में कई बार क्या होता है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसलिए मैंने यहाँ डाला है वो क्या करते हैं कि जब बोला गया है कि 12 के लिए निकालो तो वो क्या करते हैं V इज इक्व टू आई आर में I निकालने के लिए V 9 लेके R सिर्फ 12 लेते हैं ऐसा पैरल कॉम्बिनेशन में करते हैं सीरीज में तो नेट आपको क्या निकालना पड़ेगा रेजिस्टेंस क्योंकि सब के अक्रॉस मिला के कुछ करंट जो है बच्चों वो जाएगा डन है जी ठीक है हो गया ओके okay? चलिए आगे बढ़ते हैं ओहो मेरा पर्सनल फेवरेट सवाल है ये बहुत अच्छा सवाल है एनसीईआरटी का सवाल है काफी अच्छा सवाल है और ऐसे क्वेश्चन घुमा फिरा के एग्जाम में काफी देखने को मिल जाते हैं एक बार ये क्वेश्चन रीड करेंगे कह रहे हैं हाउ मैनी वन सेवेंटी सिक्स ओम रजिस्टर्स इन पैरल आर रिक्वायर्ड टू कैरी फाइव एम्पियर करंट ऑन आ टू ट्वेंटी वोल्ट लाइन सबसे पहली बात क्वेश्चन को समझें अगर तो दो सौ बीस वोल्ट पे हमें करंट चाहिए पाँच एम्पियर हमें कुछ ऐसा करना है कि दो सौ बीस वोल्ट लगाने पर हमें पाँच एम्पियर करंट मिल जाए तो बताओ वन सेवेंटी सिक्स ओम के कितने रजिस्टर्स हम लगाएं कि यह काम हो जाए 176 ओम के कितने रजिस्टर्स हम लगाएं कि यह काम हो जाए इस क्वेश्चन को करने से पहले हम यहां पे क्या करते हैं लेट कर लेते हैं कि जो रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस है पूरे सर्किट में जो रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस है वो है एक्स और ये भी लेट कर लेते हैं कि नंबर ऑफ 176 सिक्स ओम रजिस्टर्स जो 176 सिक्स ओम के जो रजिस्टर्स हमें लगेंगे उनको हम एन मान लेते हैं हम ऐसा मान लेते हैं कि एन नंबर ऑफ़ रजिस्टर्स हमें लगाए हमें पता नहीं है कितने लगाने होंगे हमें पता ना है कि हम पैरल में कितने पैरल में कितने रजिस्टेंसेज लगाएं कितने रजिस्टर्स लगाएं कि पांच और हर एक का रेजिस्टेंस 176 है कि पांच एम्पियर पे 220 वोल्ट पे हमें ये पांच एम्पियर करंट मिल जाए कैसे करेंगे आप समझाता हूं सबसे पहले ओम स्लॉ लगाते हैं V इज इक्व टू क्या होता है बच्चों I R होता है अब V कितना है हमारे पास 220 है I हमारे पास हमें चाहिए कितना 5 और R हमें चाहिए कितना निकालना है तो R आ गया बच्चों 220 वोल्ट अपॉन में 5 और जहां तक मुझे लगता है आर आ जाएगा 44, 44 ओम बच्चों ये वो नेट रेजिस्टेंस है जो हमें चाहिए रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस जो है वो हमें चाहिए आर नेट जो कि आप एक्स कह लो हमने इसको आर नेट मान लिया है हाँ ना कंफ्यूज मत होना मैं यहां से इसमें से आर हटा देता हूं और ऐसा करते हैं इसको आर ही मान लेते हैं एक ही बात है हमें नेट रेजिस्टेंस कितना चाहिए बच्चों आर चाहिए था अब इसका मतलब क्या फोर्टी 44 ओम क्या आया है

तो इसको एन इन टू में वन बाय आर बोल दूँ ना अब मुझे नेट रेजिस्टेंस चाहिए कितना मुझे नेट रेजिस्टेंस चाहिए फोर्टी फोर मुझे नेट रेजिस्टेंस चाहिए फोर्टी फोर और हर एक का रेजिस्टेंस है वन सिक्स तो उस हिसाब से एन की वैल्यू आ जाएगी वन सेवेंटी सिक्स में फोर्टी फोर 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 सिक्सटीन फोर फोर सिक्सटीन मेरे हिसाब से फोर आंसर आ जाएगा इसका मतलब है बच्चों फोर ही आएगा ना हाँ, इसका मतलब है चार ऐसे रजिस्टर्स मुझे लगाने होंगे 176 176 176 के चार लगाने होंगे जिससे हम 220 वोल्ट से एक एम्पियर करंट जो है वो बना पाएंगे समझ में आया तो पहले हमने निकाल लिया कितना रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड था फिर हमने लगाया कि पैरल में कैसे फॉर्मुला लगाएंगे और जो नेट रजिस्टर है उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी बच्चों डन है तो मेरे हिसाब से ये वाला सवाल भी एन का है ये वाला सवाल भी एन का है और ये वाला सवाल भी एन का है हमारे बच्चों यहाँ पर तीन सवाल बचते हैं जल्दी जल्दी करेंगे ये सवाल तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा आसान सा है दो लैम्प हैं, एक पे लिखा हुआ है कि वो दो हंड्रेड वॉट का है और 220 वोल्ट पे चलता है और एक और लैम्प पे लिखा हुआ है कि वो 60 वाट का है और वो भी 220 पे चलता है इनको हमने पारलर कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया है तो वॉट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन इफ द सप्लाई वोल्टेज इज इतना अगर इनको पारलर कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर दिया तो बताओ कितना करंट ड्रॉ होगा प्लानिंग करते हैं प्लानिंग कहती है दो डिवाइस है एक हमारे पास लैम्प वन है लैम्प वन है और इस लैम्प वन की जो पावर है वो 60 वॉट है और एक और हमारे पास लैम्प है लैम्प टू कह देते हैं इसको और इसकी जो पावर है हमारे पास वो 100 है ठीक है ना एक की 100 है एक की 60 है दोनों को हमने कौन से कॉम्बिनेशन में लगाया हुआ है पैरल और दोनों को जोड़ दिया हमने कितनी वोल्टेज से बच्चों 220 वोल्ट से जोड़ दिया आपको पता ना है कितना करंट इस सर्किट में निकलेगा करंट कितना निकलेगा प्लानिंग करो बताओ जी मन में सोच के बताओ मैं सुन लूंगा आपकी आवाज बच्चों कि कैसे करोगे इसको सॉल्व जल्दी जल्दी बताओ ओके ओके okay, कहने का मतलब है आप लोग ये कह रहे हो कि पहले हम क्या करें इनके इंडिविजुअल निकाल लें ऐसा कह रहे हो और फिर उन रजिस्टेंट को पैरेलल में सॉल्व कर दें ऐसा कह रहे हो और फिर रेजिस्टेंस आ और वोल्टेज आ गई तो करंट निकाल लें ऐसा कह रहे हो बिल्कुल ठीक कह रहे हो बच्चो आओ बच्चो सॉल्व करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर एलेवन जिसको मैंने एलेवन माना है एलेवन मैंने माना है सिक्सटी वाले को तो पावर हमारे पास जो है वो है सिक्सटी वोल्टेज जो है पैरल में सेम रहती है दो सौ बीस तो पावर का फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर बाय आर पावर है सिक्सटी वी हमारे पास है दो सौ बीस इसका स्क्वेयर बाय यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे आर तो आर वन आ जाएगा बच्चों फोर एट फोर जीरो जीरो अपॉन में सिक्सटी येस और नो So yes. यहाँ से अगर मैं फोर एट फोर जीरो में सिक्स भी कर देता हूँ है ना कैलकुलेटर से कर लेंगे जल्दी हो जाएगा काम टाइम बचाना है मैथ थोड़ी ना करने हैं एक सेकेंड दो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व कर लें ताकि हम एग्जैक्ट आंसर पे ही सीधा पहुंचे तो फोर एट फोर जीरो डिवाइडेड बाय सिक्स तो ये आ जाएगा बच्चों आर वन आ जाएगा एट ज़ीरो सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन ओम यह हमारे पास आर वन यानी कि पहले वाले का रजिस्टेंस आ गया ठीक है जी सिमिलरली बिल्कुल इसी तरीके से जो हम R2 यानी कि सेकेंड वाले का रेजिस्टेंस निकाल लेंगे तो सेकेंड वाले का रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे सेम सेम वही V स्क्वायर बाय P करके V कितना है 220 का स्क्वायर है और पावर इसकी कितनी दे रखी है हमें 100. तो ये हमारे पास आ जाएगा फो, फोर एट फोर ज़ीरो ज़ीरो अपॉन में बच्चों है ना तो कहीं सॉल्व कर डायग्राम हटा दूंगा अब यहां पे हमारे पास आर अच्छा, वन आ गया है यहाँ पे हमारे पास आर टू आ गया अब ध्यान से देख लो दोनों आर वन आर टू कौन से कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं तो आंसर है कौन से कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं बिल्कुल ठीक कह रहे बच्चों आंसर है

फिर को शर्म नहीं आती ये तो बहुत बड़ा मेथड कर दिया आशू तूने क्यों बच्चों को बिगाड़ रहा है बेटा नहीं नहीं बच्चों इसका एक बहुत आसान मेथड भी है देखो ये तो है ही यार देखो इसका मतलब आप साफ जाहिर है कि ये क्वेश्चन अलग अलग दो तरीके से किया जा सकता है लेकिन ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा लेंदी हो गया है क्यों ना इसको आसान तरीके से करें बच्चों क्यों है ना क्यों ना इसको आसान तरीके से करें आसान तरीके से कहने का मतलब है ये तो एक तरीका है ही बच्चों लेकिन देखो भाई यहाँ पे आप एक बात सीखे इंसान गलतियों से सीखता है यहाँ पे हम एक बात सीखे कि भाई एक न्यूमेरिक अगर हम मान लो बोर्ड के एग्जाम में पेपर दे रहे हैं और हमें वहाँ पे कोई एक मेथड याद आता है तो हम कर देंगे हम टेंशन क्यों लेंगे भैया हम थोड़ा टाइम वेस्ट करेंगे लेकिन बच्चों आप अगर इस क्वेश्चन अब मान लो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो मुझे लगता है आपको याद आ जाएगा क्योंकि मुझे तो आ ही जाएगा अब कि भाई इस क्वेश्चन को करने के सर ने बताए थे दो तरीके तो हम आसान वाला तरीका यहाँ पे अपनाएंगे कैसे हमारे पास सीधा सीधा फॉर्मूला है पावर का जो है V इंटू में I तो क्यों ना वो लगा दें तो पावर कितनी है, हमारे पास? 60. वोल्टेज हमारे पास कितनी है 220 और यहां से हम लोग निकाल लेंगे I1 जो कि आ जाएगी बच्चों क्या 60 अपॉन में 220 इसको सॉल्व कर लेंगे इतना एम्पियर आ गया सेम यही काम कर लेंगे फॉर बल्ब एल अब अगर मैं बल्ब L2 के लिए काम कर लूंगा तो P2 आ जाएगा मेरे पास 100, V2 आ जाएगा हमारे पास 220 और इस हिसाब से बच्चों मैं बात करूं तो P2 आ जाएगा मेरे पास V2 टू इन टू में आई टू पी टू कितना है 100, V2 कितना है 220 और I2 मुझे निकालना है तो I2 मेरे पास आ जाएगा 100 अपॉन में 220 इतना एम्पियर अब अगर मुझे नेट करंट निकालना है जो कि यहाँ से निकलेगा तो नेट करंट कैसे होगा जो कि दो में डिवाइड हुआ है तो आंसर है आई वन प्लस आई टू इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो नेट करंट बच्चों मेरे पास आ जाएगा तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे हम यहाँ ये यह वाला काम कर सकते हैं सॉरी बच्चों लेकिन सॉरी 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 तो है लेकिन बेटा ये बात ध्यान रखें कि हम यहाँ से कुछ सीखें क्या सीखे बच्चों हम कि अगर हम एक क्वेश्चन को एक पुराने मेथड से कर देते हैं एक बड़े मेथड से कर देते हैं तो भी आंसर आएगा ही आएगा आप चेक कर लेंगे दोनों अगर आपने वो भी लिख ही लिया था या बैग जाके अगर आप लिख लो और दोनों को सॉल्व करो आंसर सेम ही आएगा कोई बात नहीं बेटा हम हारे लेकिन कभी कभार हार के भी कोई इंसान जीतता है और हार के भी जो इंसान जीत जाए उसको बाजीगर कहते हैं बच्चों ओहो टू मच फिल्मी तो बच्चों ये हमारे पास मुझे लग रहा है ये वाला क्वेश्चन जो है वो मुझे आपको होमवर्क देना चाहिए बहुत ईजी है क्या कहते हो बताओ दे दू बहुत आसान है विच यूज मोर एनर्जी आइडिया दे देते हैं चलो इनमें से कौन ज्यादा एनर्जी खर्च करेगा एक 250 फिफ्टी वाट का टीवी एक घंटे में या फिर एक 120 ट्वेंटी वाट का टोस्टर 10 मिनट में तो पहले हम यहाँ पे टीवी के लिए बात कर लेंगे बेटा पावर का फॉर्मूला क्या होता है एनर्जी अपॉन में टाइम मैं शॉर्ट में कर रहा हूं एनर्जी क्या हो जाएगा पावर इन में टाइम आपको इसकी पावर दे रखी है आपको इसका टाइम दे रखा है इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेना जूल्स में आंसर आ जाएगा यही काम आपको करना है टोस्टर के लिए टोस्टर के लिए भी सेम काम करना है एनर्जी का फॉर्मूला लगाना है पावर इन टू में टाइम पावर आपको दे रखी है बच्चों कितनी दे रखी है टाइम भी मिनट मिन, मिन, मिन से सेकेंड में कन्वर्ट कर लेना बच्चों आंसर आ जाएगा इतना जूल देख लेना कौन ज्यादा खर्च कर रहा है डन है यार ओके 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 चलिए फाइनली आज का हमारे पास आखिरी सवाल आता है बच्चों और ये आखिरी सवाल एक्चुअली में बहुत अच्छा सवाल है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है इसको एक बारी पढ़ लें ढंग से इफ इन फिगर आर वन की वैल्यू आपको दे रखी है इफ इन फिगर आर वन की वैल्यू बच्चों आप लोगों को दे रखी है 10 ओम है ना आर टू दे रखा है 40 थ्री दे रखा थर्टी आर फोर दे रखा ट्वेंटी आर फाइव दे रखा सिक्सटी और ये बारह वोल्ट की बैटरी यानी ये जो बैटरी है ये बारह वोल्ट की है 12 वोल्ट की बैटरी के साथ ही कनेक्ट कर रखा है हमने आपको सबसे पहले तो टोटल रेजिस्टेंस निकालना है ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में काफी मिलते हैं फुल फ्लेज क्वेश्चन काफी मिलते हैं आपको क्या निकालना है बच्चों टोटल क्या निकालना है रेजिस्टेंस तो शायद आपको दिख रहा हो थोड़ा चमक न रही हुई फोटो मेरी तरह तो आपको मेरी तरह चमक मतलब मेरे पे लाइट बहुत पड़ रही है आज तो आर वन और आर टू जो है ये जो दोनों हैं ये आपस में पैरेलल में लगे हुए हैं आर थ्री आर फोर आर फाइव जो है ये भी आपस में किस में लगे हुए हैं पैरेलल में और ये पैरल और यह पैरल को अगर मैं मिला दूं तो आंसर क्या आएगा सीरीज है ना ना ये तीन पैरल एक बन गए ये दोनों पैरल एक बन गए नेट आ ऐसे करते हैं सॉल्व भी कर लेते हैं तो पहले सॉल्व कर रहे हैं फॉर आर वन एंड आर टू आर वन और आर टू के लिए सॉल्व करें तो वन अपॉन आर इसको वन अपॉन आर वन टू बोलते हैं तो वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू तो वन अपॉन आर वन टू अगर मैं लेता हूं बच्चों तो आ जाता है कितना वन अपॉन टेन प्लस वन अपॉन फोर्टी ये कितना आ गया बच्चों आ गया LC. ये कितना आ गया बच्चों हमारे पास फोर प्लस वन तो यहां से आर वन टू आ गया हमारे पास फोर्टी डिवाइड बाय सिक्स 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 फोर्टी डिवाइडेड बाय सिक्स और इस हिसाब से हमारे पास आंसर ट्वेंटी बाई थ्री ओम आ गया ऐसे ही सिमिलरली हम वन अपॉन आर वन टू थ्री सॉरी वन अपॉन आर क्या बच्चों वन अपॉन आर थ्री फोर फाइव निकाल देंगे वन अपॉन आर थ्री फोर फाइव वन अपॉन आर थ्री फोर फाइव तो वन अपॉन आर थ्री प्लस वन अपॉन आर फोर प्लस वन अपॉन आर फाइव तो 1/r3 4 5 अगर मैं करता हूं तो 1/r3 कितना है मेरे पास 30 प्लस 1/r4 कितना है मेरे पास 20 और ये कितना है मेरे पास 60 अब इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया बच्चों मतलब इन तीनों का एलसीएम कितना आ गया 60 आ गया मेरे हिसाब से तो 1/ में r3 4 5 इन सब का एलसीएम आ गया मेरे पास 60 तो यहां कितना आ गया मेरे पास 2 यहाँ कितना आ गया मेरे पास थ्री और यहाँ कितना आ गया मेरे पास वन तो वन अपॉन आर थ्री फोर फाइव आ गया छ अपॉन में सिक्सटी तो वन अपॉन ये उल्टा कर दिया तो टेन ओम आ गया अब मुझे बताओ इन दोनों को मिला के एक बना दिया इन दोनों को मिला के एक बना दिया आर वन टू को मिला के एक बना दिया था यस yes. और आर थ्री फोर को थ्री फोर फाइव को मिला के एक बना दिया तो अगर मुझे नेट रेजिस्टेंस निकालना हो तो आर वन टू को एक मिला दिया और आर थ्री फोर फाइव को बना दिया तो टोटल इतना आ गया यस यस और क्या खत्म ठीक है इसके बाद टोटल करंट निकालना अब करंट है ही क्या क्या ही निकलवा रहे हो तो वी इज इक्वल टू तो आई आर वी कितना है बारह आई कितना है निकालना है आर हमारे पास यहाँ से जो भी आया होगा सॉल्व करके वैल्यू पुट कर देनी है आया आ गया इतना एमपीआर इतना एमपीआर डन है डन है डन है सॉल्व कर देना एन का एग्जाम्पल आंसर मैच कर लेना तो मेरे हिसाब से ये हमारे पास एन के बच्चों सवाल होते हैं कुछ सवाल एन के हैं कुछ सवाल भार के हैं लेकिन कुल मिला ये सवाल हैं और मेरे हिसाब से इतना क्वेश्चन आज हमारे लिए बहुत है ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन और भी आ सकते हैं जैसे जैसे सैटरडे संडे बीच बीच में हमें टाइम मिलता रहेगा हम और क्वेश्चन की वीडियो लाते रहेंगे यार ठीक है ना मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में तब तक के लिए थैंक यू सो मच